यस सर गुड मॉर्निंग यस सर अगर ऐसे बोलोगे ना गुड मॉर्निंग तो सर वन डे मेरा हो नहीं पाएगा गुड मॉर्निंग यस सरकार सो सी ए फल सी एस फाइनल फाइनल इंडायरेक्ट टैक्स मैराथन शुरू करिए क्या सर yes, पका ओके सर द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर सर ध्यान दीजिएगा हर चैप्टर का रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो डेफिनेटली आपने दिखाई होगा सर तो ये वनडे मैराथन क्यू शुरू करने से पहले पहले इसका पर्पज और इम्पोर्टेंस बताता so कि किस तरह से आपको यहां सुनना है सर हर चैप्टर आपको आता है हर चैप्टर के क्वेश्चन आपने की है बट पॉइंट इज दैट एग्जाम्स के लिए कोई चैप्टर का एग्जाम नहीं होता आपका जब एग्जाम्स में आप अपेयर करेंगे तब इंडेक्स का आपका पेपर आएगा किसी एक चैप्टर का नहीं आएगा ओके सो पॉइंट इज दैट आज का टारगेट अपना क्या है इंडार एज अ होल आपकी ग्रिप में कैसा है इनडायरेक्ट टैक्स एज होल कनेक्ट कैसे हो कई बार आपने पढ़े होंगे कि कभी क्या होता है साहब हमको ये चैप्टर आता है हमको कस्टम भी आता है पर सर कहीं पे कुछ और लिखा है कहीं पे कुछ और लिखा है दोनों को जब साथ में लेते हैं तो लगता है ऐसा कुछ भी नहीं आता है क्लियर सुबह आज हो जाएगा अपने लिए ओके बच्चों तो शुरू करेंगे सर ओके तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते रिवीजन का काम ओके तो सर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहली बात जीएसटी की बात शुरू करें पक्का एक सेकेंड ओके okay, सर सबसे पहला पॉइंट सबसे पहली बात सर जब हम सीए फाइनल के लिए एग्जाम्स में जाते हैं सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके पास क्लियर फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आता है दैट इज मल्ट आपका बड़ा क्वेश्चन आता है और हाँ ना भाई क्लियर सर सिक्सटीन मार्क का जो क्वेश्चन आपका आता है वहां पर आपको सोल्यूशन किस तरह से लिखना है दैट इज डील ओके वहां पे क्या होता है मल्टीपल चैप्टर से मल्टीपल टॉपिक से मल्टीपल पॉइंट्स निकल के और एक सिंगल क्वेश्चन बनता है जो कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी लाइफ हम बोलते हैं सर अरे है ना भाई क्लियर वो प्लस एक बड़ा जो के स्टडी बेस एमसीक्यू आता है आपके लिए ओके okay? ये मिक्सचर ऑफ मल्टीपल प्रोविजंस होते हैं तो सर ये क्वेश्चन किस तरह से बनता है सुनना ध्यान से क्या होगा साहब सब सबसे पहले आपसे पूछेंगे क्या तीन चार पॉइंट रिगार्डिंग सप्लाई कि सर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आता है कि नहीं आता जीएसटी लगता कि नहीं लगता क्लियर दो तीन पॉइंट डाल देंगे कि सर एग्जाम सप्लाई वाले फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा कोई काम किया है जैसे म्यूनिसपालिटी का कोई काम है सर वो आपने किया है रोड स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट्स अरे स्ट्रीट रोड देखी क्या भाई किसने पक्का स्ट्रीट लाइट होती बेटा क्लियर अब स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम है म्यूनसिपाली का जो आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री डब्ल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है क्लियर और वो काम अगर आपने गवर्नमेंट के लिए किया है इट इज एक्ट फ्रॉम जीएसटी अगर वो प्योर लेबर है तो और मटेरियल प्लस लेबर है तो मटेरियल का वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25 फाइव परसेंट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हा ना भाई तो जीएसटी क्या है एग्जेम तो इस तरह के दो तीन पॉइंट वो उस क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट कर देंगे जहां पर वो सर्विस क्या है एग्जेट है क्लियर दो तीन सर्विस जो टैक्सेबल है Normally taxable है, normal rate of tax है. Clear? वो डाल देंगे भाई Clear? अब सर क्या हो गया Ultimately, इस तरह शन तो ऐसा जाएंगे जहां आपको डिफाइन करना है टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा प्लस अब क्या होगा कुछ इन्वर्ट सप्लाई के ट्रांजेक्शन दे देंगे लोग किसका ट्रांजेक्शन बेटा अब इनवर्ट सप्लाई पे आपने टैक्स पे किया या नहीं किया अगेन उसमें दो पॉइंट डालेंगे कौन से मेगा एग्जीशन लिस्ट से क्लियर जहां पे इन्वर्ट सप्लाई पे पे आपने टैक्स किया ही नहीं इन्वर्ट सप्लाई फ्रॉम जीएसटी अब टैक्स पे किया ही नहीं तो वहां पे आईटीसी मिलेगा भी नहीं एक पॉइंट डाल देंगे जीटीए वाला जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक डाल देंगे एडवोकेट वाला पॉइंट अरे हा भाई तो ऐसी कोई इन्वर्ट सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है नाम सुना क्या आरसीएम पका तो सर ऐसी कोई सप्लाई जिसमें क्या लगता है बेटा दो तीन ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है अब सर क्या होगा उसमें उन ट्रांजेक्शन में आपको इन्वर्स सप्लाई पे जो टैक्स पे किया है दैट हैज बी पेड थ्रू कैश ओनली क्या रिवर्स चार्ज की लाइब्रेरी को पे करने के लिए आप आईटीसी यूज कर सकते हो क्या सर इनपुट टैक्स नेवर बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ लाइब्रेट आर थिंग जो आपने रिवर्स किया है grade, तो कैलकुलेशन भी, तो भी लेना है और लाइब्रेड में अलग से कैश लाइब्रेड पे करने के लिए भी ऐड करना है बेटा हा ना भाई क्लियर तो दो तीन पॉइंट जब आरसीएम के आएंगे सर वहां पे आपको इस तरह का ध्यान रखना होगा अरे क्लियर तो सर अब एक पॉइंट डाल देंगे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पे एक पॉइंट होगा सेवेंटीन फाइव में कवर होगा ब्लॉक क्रेड में अरे ऐसे नो मोटर वाइकल्स अरे कार परचेज करी भाई आई मिलता है क्या नहीं मिलता है क्लियर बाइक परचेज करी क्रेडिट नहीं मिलता है वो भी मोटर मोटरवाइकल है तो सर एक्सीडिंग ट्वेंटी फाइव सी सी एक्सीडिंग अगर इंजन कैपेटिटी एक्सीडिंग ट्वेंटी फाइव सीसी तो ऐसे केस में वो मोटर मोटरवाइकल की डेफिनेशन में आता है और मोटर मोटरवाइकल की डेफिनेशन में है तो क्रेडिट नहीं मिलता है एक्सेप्ट थ्री केसेस बेटा हा ना भाई समझे मेरी बात अच्छा वहां दे देंगे क्या मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू तो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू थर्टीन पर्सन एक्सक्लूडिंग ड्राइवर ब्लॉक क्रेडिट में किसको लिखा है सर अप टू थर्टीन पैसेंजर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर तो, तो क्रेडिट नहीं मिलता है और यहां पर बोल दिया मैंने क्या क्वेश्चन के अंदर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर मतलब वो मोटर व्हीकल फोर्टीन परसेंट की कैपेसिटी वाला हो गया एंड फोर्टीन कैपेसिटी वाला अगर व्हीकल है तो ब्लॉक में कवर नहीं है आईटीसी मिलेगा समझे मिलेगा मेरी बात तो दीज आर सम पॉइंट्स जहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या होता है बच्चों हम जब रिविजन करते हैं ना तो इंक्लूडिंग ड्राइवर था एक्सक्लूडिंग ड्राइवर था ड्राइवर तो घर छोड़ आया बेटा कार हम की खोद लेके आया क्लियर एक गलती वहां होती है अब एक्सीडिंग ट्वेंटी फाइव था कि क्या था ये तो आज पहली बार सुना हमने तो ऐसा कई बार होता है आपने पढ़ा तो होता है उस चीज को बट ड्यूरिंग रिविजन इस तरह के माइनर माइनर पॉइंट होते हैं वो हम skip कर लेते हैं सर के अंदर क्वेश्चन माइनर पॉइंट से ही आते हैं सर क्लियर सो आपको जो पढ़ाई करनी है वेरी यू नो क्लियर माइंड एब्सोल्युटली आपको हर एक चीज पढ़नी जो आप, आपने जो रिलेवेंट है क्लियर सो so, जब आप रिवीजन करते हो हर एक पॉइंट आपको माइन्यूट वाला जो पॉइंट आपको पढ़ाया गया है 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 आपने पढ़ा वो सब आपको रिवाइज करना है ओके उनको हाईलाइट कर दीजे, कर दीजिए दीजिए क्या आप क्लियर और कोशिश करूंगा इस लेक्चर के अंदर आपको मोरले सारे पॉइंट कवर कर दूं जो एग्जाम्स के लिए बहुत रिलेवेंट होते हैं कनेक्ट कर दूंगा आपके लिए जहां गलती होती है वहां गलती होने का चांस कम हो जाएगा ओके सर शुरू करते हैं हम बात को तो दिस इज हाउ इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे अब इनपुट टैक्स क्रीड जो दिया है इन्होंने अब आई से आपने लिया अब कुछ आपने खर्चे दे दिए उन्होंने कौन से एडमिन ओवर कौन से बेटा

क्लियर चलो अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं अब मैं आपको एक एक पॉइंट लेकर बताता हूँ पढ़ते क्या सप्लाई सर सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में आया आपके लिए मान लो सर ये एयरपोर्ट का मैं, मैंने मैन्युफैक्चरर मान लो क्लियर ये एयरपोर्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिए सर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यू टेल मी ये सप्लाई है कि नहीं है सप्लाई है कि नहीं सर तो सर अगर आपके माइंड में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने जब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आंसर की तरफ मत जाइए आप लोग क्लियर सिस्टम एक फिट करना है आप लोगों को क्या कोई भी सप्लाई है कि नहीं है सेक्शन नंबर सेवन क्लियर मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं किस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर देना सर सेक्शन नंबर सेवन क्या बोलता है सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए ए डबल बी और सी क्लोज नंबर ए बोलता है क्या सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ इज तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा अरे हाँ ना मालिक क्लियर तो सर ये तो मैंने फ्री सैंपल दिया सर जैसे मैं दवाई मैन्युफैक्चरर मैनी फिक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनी मैंने डॉक्टर्स को फिजिशियन सैंपल्स दिए सर होता है ना सर सर्कुलर आया हुआ ना सर इसका भी क्लियर तो वो सप्लाई है कि नहीं जो है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डॉक्टर्स को फ्री मेडिसिन सप्लाई करी फ्री मेडिसिन दिए गिफ्ट करी करिए सैंपल के लिए क्लियर वो सप्लाई है कि नहीं है सर सर सबसे पहली बात फॉर अ अंसिड्रेशन नहीं है क्लोज नंबर ए में कवर नहीं है क्लोज में डबल बोलता है क्या अन इनकॉर्पोरेट एओपी बी और उसके मेंबर्स दो डिफरेंट पर्सन बेटा क्लियर क्लब ने मेंबर को सर्विस दी है प्लाई सर्विस होगा जीएसटी लगेगा बच्चों हाई ना मालिक क्लियर सर क्लोज में बी बोलता है क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या बोलता है मालिक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अंसिडरेशन वेदर कोर्स फर्दर सर्विस बिजनेस जैसे नेटफ्लिक्स डॉट कॉम Clear? तो ये इंपोर, इंपोर्ट ऑफ है क्लियर क्लोज नंबर सी बोलता है क्या और साहब वो वो सारे जहां पर consideration नहीं है वो supply तभी वो होगा होगा अगर शेड्यूल नंबर में कवर तो जैसे ही विदाउट कंसिडरेशन सुना हम शेड्यूल नंबर वन में पहुंच गया शेड्यूल नंबर वन क्या बोलता है फर्स्ट परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन हेज अवेल्ड भाई दवाई आपने बना के बेची है एयरपोर्ट मैंने बना के बेचा है मैंने परचेस करके नहीं दिया आपको क्लियर अगर कोई कैपिटल गुड्स मैंने परचेस किया होता कोई गुड्स मैंने परचेस किया होता उसके परचेज में जीएसटी पे किया जीएसटी का मैंने आईटीसी लिया होता जीएसटी का मैंने और फिर उसको मैंने परमानेंटली आपको गिफ्ट कर दिया तो पेरा नंबर वन में कब होता बच्चे ये तो मैंने गुड्स बनाया है दवाई में मैंने मैंने बनाई है एयरपोर्ट में बनाया सब सो इफ आई मैन्युफैक्चरिंग सम गुड्स और सर उसका फ्री सैंपल दिया है तो सर वो पेरा नंबर वन में कवर नहीं हुआ है अगर किसी गुड्स के परचेज पे जीएसटी पे करके उसका अगर आपने आईटीसी लिया और उसको अगर ट्रांसफर किया तो वो में, दर वो में। पेरा टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन इन दी कोर्स रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन दी कोर्स ऑफ फर्दर्स हिज बिजनेस यस या नो पर अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट्स दिए टू एल रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर एम्प्लॉय पर एनएम तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा हाँ ना मालिक अब सर मैंने जो फ्री सिंपल दिए फ्री एयरपोर्ट जो दिए फ्री दवाई जो दी क्या आपने रिलेटेड पर्सन या डिस्ट्रिंट पर्सन को दिया अगर यस yes, तो सप्लाई होगा नो no, तो सप्लाई क्लियर अगर उसमें भी कवर नहीं हो रहा तो फिर देखिए प्रेरणा नंबर थ्री सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मतलब जहां पे एजेंट कस्टमर को जब गुड्स बेच रहा है तब खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है किसके नाम का बिल इशू कर रहा है बेटा इट एजेंट एजेंट इज सप्लाइंग द द गुड्स गुड्स टू कस्टमर तो में प्रिंसिपल के जब के है तो ऐसे प्रिंसिपल जब जा रहा है है मान लेंगे वो क्या हो गया सप्लाई हो गया सप्लाई हो गया तो क्या लग जाएगा भाई जीएसटी क्लियर समझे मेरी बात सेम वे अगर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वो भी सप्लाई किसके मत मालिक

आपका भाई है आपका ब्रदर है जो लॉयर है एडवोकेट आउट ऑफ इंडिया एंड यू आर बिजनेस ऑफ़ सम सम गुड्स, क्लियर आपने उसे अपने पहली उस बात तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन रिलेटेड पर्सन सर विदाउट्रेशन अग्रीड पर सर वो रिलेटेड पर्सन नहीं है बोल देना अपने भाई को तू मेरा रिश्तेदार नहीं है क्योंकि तू मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है समझा मेरी बात क्लियर वो सप्लाई ही नहीं है मेरे भाई क्योंकि दैट इज विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन होता है तो सप्लाई के स्कोप में जाता है विदाउट कंसिडरेशन होता है सप्लाई किसको में तभी जाएगा जब रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट से सर्विस रिसीव हुई है इन दी कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस हाँ ना मालिक क्लियर ये नंबर फोर भी खत्म होता है अब आई होप समझ में आई बात है वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा अदरवाइज तो सप्लाई के स्कोप में, में नहीं आएगा अब सेकंड बात अगर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा जीएसटी नहीं लग रहा तो सर याद करो सेक्शन नंबर सेवनटीन सब सेक्शन फाइव क्लॉज नंबर एच ब्लॉक लॉस्ट स्टोलन डेस्ट्रोइ और गिवन एज डिस्पोज गिफ्ट और फ्री सैंपल तो वो ब्लॉक में कवर नहीं मिलता तो सर अगर वो दवाई सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रही है तो उन दवाई को बनाने में जो इनपुट्स इनपुट सर्विस इनपुट सब इसम आए होंगे उसका प्रोपोर्शनल आई टी रिवर्स करना पड़ेगा नहीं मिलेगा हा है ना भाई डन समझे मेरी बात पक्का डन अगर वो सप्लाई के स्कोप में आता अगर वो तो जीएसटी लगता तो आईटीसी भी मिलता सिंपल सी बात है आपको पता होगा दस का क्रेडिट क्यों मिला हाँ ना भाई क्लियर अगर मेरे फोर्टी पे टैक्स लगेगा तो दस का क्रेडिट मिलेगा मेरे 140 फोर्टी पे टैक्स लगेगा ही नहीं दस के क्रेडिट की बात आती ही भी नहीं है क्लियर डन सरकार नेक्स्ट बात अब समझना बात को ध्यान से अब मान लो बाय गेट वन फ्री बाय गेट वन एंड ऑफ सीजन सेल होता ना सर बताओ मुझे कुछ फ्री है क्या उसके अंदर देर इज नथिंग फ्री हा है ना भाई दो टी शर्ट के साथ में एक टी शर्ट फ्री क्या कुछ फ्री है नहीं कुछ भी फ्री नहीं है मैं सप्लायर को जाके बोल सकता हूँ टी शर्ट नहीं चाहिए वो फ्री वाला चाहिए दे दे क्या देगा नहीं तो ऐसे वो सप्लाई के स्कोप में आ रहा है एक तरह से मान लो तीन शर्ट आपने बेचे हैं फॉर फॉर अ अ प्राइस ऑफ टू शर्ट्स हा है ना भाई तो नॉर्मल सप्लाई है जीएसटी लगेगा उन तीन टी शर्ट के परचेज पे जो जीएसटी पे किया सबका आईटीसी मिलेगा कोई रिवर्सल की बात नहीं आएगी क्लियर समझे क्या मेरी बात हाँ ना भाई तो सर अब सुनना बात से सब मैंने आपको एक तरह से एक एक के थ्रू पूरा भी करा दिया चलो बात और कर लेता कौन सर सर कुछ नहीं सर, क्रेड क्या करता बच्चों से गुड्स लिया कस्टमर को बेचा सर कस्टमर को तो वो उसने क्रेडिट दे दिय दिया तीन महीने का दो महीने का चार महीने का पर प्रिंसिपल को पेमेंट वो ऑन द स्पॉट कर रहा है ना एक तरह से प्रिंसिपल को उसने गारंटी दी रिगार्डिंग पेमेंट हाँ ना सर आप समझ बात ध्यान से से पॉइंट आता है क्या कस्टमर उसने इंटरेस्ट रिकवरी किया होगा क्या रिकवरी किया होगा सर किसने किससे रिकवरी किया होगा कस्टमर से अब वो इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनता है कि नहीं बनता दिस इज द क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ये सर पहली बात तो आप ये डिफाइन करिए कि सर एजेंट कस्टमर को जब गुड्स बेच रहा है खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है या प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू हो रहा है अगर खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है इट मींस एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू दी कस्टमर मींस फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन एजेंट एंड कस्टमर एजेंट इज द सप्लायर प्रिंसिपल कस्टमर इज द कस्टमर अरे ना ही कस्टमर ऑफ द एजेंट एक तरह से क्लियर तब अगर एजेंट सप्लायर है और सप्लायर अगर कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है अपने कस्टमर को और ओवर एंड अबाउट द प्राइस अगर उसने लेट पेमेंट फी इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ भी चार्ज किया तो दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई और ऐसे केस में वो इंटरेस्ट उसने कस्टमर से लिया वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा और उस उसमें भी जीएसटी लगेगा हाँ ना सर अरे क्लियर डन पर 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 अगर कस्टमर को जो बिल गया है वो अगर प्रिंसिपल के नाम कही गया है तो गुड्स कस्टमर को किसने सेल किया है और प्रिंसिपल ने अगर गुड्स कस्टमर को बेचा है मतलब एजेंट ने तो कुछ गुड्स बेचा नहीं साहब क्लियर डायरेक्ट प्रिंसिपल ने गुड्स कस्टमर को बेचा है अब सर एक तरह से क्या हो गया है लोन दे दिया है किसने एजेंट ने कस्टमर को और एडवांसेस पर अगर लोन दिया है लोन uh, दिया है लोन पे अगर इंटरेस्ट इंटरेस्टी हुआ है तो इंटरेस्ट इज एक्ट फ्रॉम सप्लाई बेटा इंटरेस्ट इज फ्रॉम जीएसटी यस या नो क्लियर ये डिल एजेंट का सर्कुलर uh, भी खत्म होता है अब क्लियर अच्छा ध्यान देना बेटा इस तरह के जो एजेंट होते हैं जो जो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है कस्टमर को ऐसे एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी होता है एस पर सेक्शन ट्वेंटी फोर बेटा ना भाई क्लियर कंपल्सरी लाइबर फॉर रजिस्ट्रेशन लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा हाँ अगर वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ही कर रहे हैं क्या कर बेटा जैसे मैं कोई ऐसे गुड्स बेच रहा हूँ जीएसटी तो सर वो एजेंट जो गुड्स बेच रहा है वो कौन से गुड्स बेच रहा है बेटा एक्सम बेच रहा है बेटा क्लियर अगर वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही कर रहा है वो एक अलग बात होगी बेटा ना मालिक क्लियर अदरवाइज ऐसे एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा क्लियर हटाओ सरकार आइए बात शुरू करते हैं वाली, सब वन ए, बोलता है क्या शेड्यूल टू में जो भी ट्रांजेक्शन कवर है कहा कवर है सर शेड्यूल टू में जो भी ट्रांजेक्शन कवर है वो सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे वहां डिफाइन कर रखा बेटा हाँ ना भाई क्लियर पेरा नंबर वन इज रिगार्डिंग गुड्स सर अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किया है सप्लाई ऑफ बोलिए आप बोलिए सर सप्लाई ऑफ सर अगर मैंने कोई गुड्स रेंट पे दिया लीज पे दिया विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस अच्छा मैंने राइट टू यूज ट्रांसफर किया हो या राइट इन यूज ट्रांसफर किया सप्लाई ऑफ सर्विस है हाँ मैंने अगर हायर परचेज बेस पे सेल किया है एग्जाम्पल जहां पे मैंने पेमेंट जहां मुझे पेमेंट करेगा ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस जहां पे ऑनरशिप शेल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल दी इंस्टॉलमेंट वो भी क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स है हर ई एम आई जो मुझे ऐसा नहीं है सर। हाँ ना भाई इसलिए हर जो आप मुझे पेमेंट कर रहे हो हर महीने सर फाइनेंस लीज सप्लाई ऑफ सर्विस है और एट द एंड ऑफ लीज पीरियड आपने मान लो लीज पीरियड खत्म होने के बाद वो गुड्स परचेज करने का ऑप्शन लिया है तो अगर आपने परचेज किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स जाएगा सर हाँ ना भाई अरे क्लियर डन पेरा नंबर टू अगर मैंने किसी गुड्स की किसी और पर्सन की गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जॉब वर्क रिपेयरिंग प्रोसेसरिंग सप्लाई ऑफ सर्विस लैंड और बिल्डिंग का रेंट पे दिया है लीज पे दिया है ये, ये क्या है सप्लाई ऑफ अरे क्लियर समझे मेरी बात चलिए सर पेरा नंबर फोर बोलता है बिजनेस असेट्स के रिगार्डिंग अगर मैंने कोई बिजनेस असेट परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया बताओ क्या है अरे भाई परमानेंटली अपने बिजनेस केसेट किसी को बेच दिया बेटा क्या है फॉर अ हो कंसीडरेशन हो अच्छा वो सप्लाई अगर होगा तो सेक्शन सेवन बेटा अगर कोई ट्रांजेक्शन सेक्शन सेवन ही हम कि नहीं, नहीं बोला है वो सप्लाई ऑफ गुड्स कि सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा हा है, है हाँ ना भाई अगर वो सप्लाई होगा अब यहां पे देख लेना कि की सप्लाई ऑफ है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है तो अगर मैंने परमानेंट ट्रांसफर किया बिजनेस बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स कि सर्विस है सप्लाई ऑफ गुड्स सरकार बिजनेस का सेट मैंने किसी को रेंट पे दिया या, या किसी पर्सनल यूज पे यूज करने के लिए दिया है सर भले कंसीडरेशन लू ना लू बात की बात है बेटा आप मुझे बताओ अगर मेरे बिजनेस का सेट अगर अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हो या मैंने किसी और पर्सन को अलाउ किया विदाउट देन फॉर बिजनेस तो बताओ क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस Clear? अच्छा, when a person to be a taxable person, अगर कोई अपना बिजनेस बंद कर रहा है तो ऐसे केस में सारे गुड्स जिसके भी पे उसने आईटीसी लिया था वो सारे क्या मान लेंगे उसने खुद नहीं, खुद को कर दिए, और ऐसे केस में माल लेंगे, और और पे करना पड़ेगा, सर। हाँ है ना मालिक अरे क्लियर डन पर हाँ उसके दो एक्सेप्शन अगर मेरा कंटिन्यू हो रहा है या फिर मैंने बिजनेस किसी और ट्रांसफर कर दिया और वो कंटिन्यू कर रहा है तो ऐसे वो गुड्स सर क्या हो रहा है बिजनेस के एक तरह से पर्सन का नाम चेंज हो रहा है सर मेरी जगह आप बिजनेस करो बेटा गवर्नमेंट को कोई डालेंगे क्लियर डन ये नंबर नंबर बोलता है क्या छह सर्विसेज वहां सर्विसेज कवर करी सर रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी क्या है जल्दी बताओ आवाज नहीं आ रही क्या है सर पक्का पक्का सर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है सर बिल्डर हूं मैं बिल्डिंग बना रहा हूं सेवेंटी फ्लैट्स आउट ऑफ हंड्रेड फ्लैट सेवेंटी फ्लैट बुक हो गए एक रुपया भी अगर रिसीव हो गया इन रेस्पेक्ट ऑफ तो सर्विस के स्कोप में आ जाएंगे थर्टी फ्लैट जिसके रेस्पेक्ट में एक रुपया रिसीव नहीं हुआ है वो क्या है सर सर आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच इज अर्लियर उसके बाद जब उनका कंसिडरेशन आएगा तो एक तरह से सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी हो जाएगा विच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एसपर शेड्यूल थ्री पैर नंबर फाइव हा ना भाई क्लियर अच्छा मैं कोई बिल्डिंग आपके लिए बना रहा हूं कोई मैंने कॉम्प्लेक्स आपके लिए बनाया तो वो क्या है वैसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस सही है क्लियर तो लैंग्वेज बोल सर नंबर नंबर बी सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट ऑफ मैं आपके लिए कोई बिल्डिंग बना रहा हूं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं पार्ट बना रहा हूं, कोमा. अब सेवेंटी फ्लैट्स क्लियर इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स मंगल टावर्स इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर क्लियर एक्सेप्ट वेयर एंटायर कंसिडरेशन मतलब थर्टी फ्लैट्स

क्लियर सर मैंने अपनी बुक का कॉपरेट कर रखा है वो सर मैंने पब्लिशर को कॉपरेट दिया टू पब्लिश द बुक्स हाँ ना भाई सर टेम्परे ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियर पका सर मे, आपने मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाया है डेवलप किया एनहांस किया इंप्लीमेंट किया अपग्रेड किया सर सप्लाई ऑफ सर्विस सर

ब्रेकअप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया सर सर तो ऐसे केस में सर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए जो डैमेजेस आपने पे किए क्या वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए सर्कुलर इश्यू होकर बोला कि साहब वो किन ही नहीं है वो तो फाइन पेनल्टी की फॉर्म में साहब क्लियर वो लिक्विड डैमेजेस जो चार्ज होते हैं वो क्यों चार्ज होते हैं ताकि आप ऐसा काम ना करें कोई फीस नहीं दी आपने कोई कानून तोड़ा आपने कोई लॉ वायलेट किया आपने गवर्नमेंट ने आपसे फाइन चार्ज लिया कि आपने गवर्नमेंट को फीस दी है हाँ मैंने लो तोड़ा है ले पैसा रख बस ऐसा क्लियर दैट दैट इज नॉट टॉलरटिंग एनी एक्ट हाँ है ना भाई क्लियर इसलिए सर्कुलर इशू करके बोला क्या इस तरह के फाइन पेनल्टीज लिक्विड डैमेजेस ये सप्लाई ही नहीं है क्योंकि वो कंसिडरेशन ही नहीं है मेयरली फ्लो ऑफ मनी कैन नेवर बी कंसिडर इज कंसिडरेशन हा है ना भाई क्लियर समझे मेरी बात सर सेम वे अगर चेक बाउंस हो गया बैंक में उसके लिए बैंक ने कोई चार्ज ले लिए अगेन वो फाइन पेनल्टी की फॉर्म में है वो फीस नहीं है बेटा क्लियर क्योंकि को, को, कोई भी पर्सन चेक जो डिपॉजिट करेगा वो वो बाउंस कराने के लिए नहीं करता बेटा क्लियर नेक्स्ट पॉइंट सर अगर कोई एम्प्लॉयमेंट बोन किसने आ, कोई किसने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया है वहाँ एम्प्लॉयमेंट बोन साइन किया साहब और उसने बिफोर द एम्प्लॉयमेंट पीरियड बोन पीरियड उसने अगर एम्प्लॉयमेंट बोड तोड़ दिया तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर उससे कोई फीस चार्ज करता है हा ना भाई सर पेनल्टी फाइन चार्ज करता है क्लियर यस एंड नो अगेन इस सर्कुलर ने बोला क्या वो एक तरह से पेनल्टी के फॉर्म में साहब दैट इज नॉट अ फीस जो एम्प्लॉय ने पे करिए एम्प्लॉयर को बेटा हाँ है ना भाई इसलिए वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा कोई माइनिंग कर रहा है माइनिंग करने का राइट दिया उसको बोला इतना ही माइनिंग करना और पता पड़ा सर जब चेक करने गए तो इतना नहीं इतना माइनिंग कर डाला उसने तो उसके लिए फाइन चार्ज कर लिया पेनल्टी चार्ज कर लिया उस माइन होल्डर से सर अगेन वो फीस नहीं है बेटा वो कंसिडरेशन नहीं है कोई सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा कोई जीएसटी नहीं लगेगा हाँ है ना मालिक ये मैंने चैप्टर नंबर नाइन ना के एंड में दे रखा है सर सर्कुलर अरे यस ए नो क्लियर अच्छा फ्लाइट टिकट बुक कराया होटल में रूम बुक कराया आपने टूर ऑपरेटर से टूर बुक कराया और एंड मोमेंट पे आपने वो कैंसिल कर दिया उन्होंने कैंसिलेशन चार्ज अगर लिए तो दैट इज इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए बुकिंग कर लिया था साहब और आप बोलते हो कैंसिल करना है सर तो उनका भी तो कॉस्ट लग गया उसमें तो कैंसिलेशन फी इज चार्जल टू जीएसटी ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है और जो जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रैवल का आपने टिकट बुक कराया तो सर एयरलाइंस का जो टिकट चार्ज होता है उस पर जो जीएसटी लगता है वही जीएसटी का रेट इस पर भी लगेगा बच्चों हाँ ना भाई अरे क्लियर पक्का डन तो ये लिक्विड वाला सर्कुलर भी खत्म होता है अब आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट यस या नो ओके सर नंबर कॉन्ट्रैक्ट अरे क्या मालिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैंने कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जैसे हमारे साथ सौरभ माहेश्वरी जी सी है सर इन्होंने क्या किया सर इनका बेंड्रा में बहुत बड़ा लैंड है सर पता है आपको अब पता बड़ा आपको बेटा ओके okay. सर कि सर इनका वेंडर में बहुत बड़ा लैंड है इन्होंने बोला मंगल बिल्डिंग बनानी है इनका बना दूंगा क्लियर इन्होंने बोला कि बिल्डिंग का सर uh, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए डिजाइन ऐसा होना चाहिए सब कुछ बता दिया मेरे को एंड इन्होंने बोला मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है क्या बोला साहब प्योर लेबर नहीं सर कि मंगल मटेरियल भी तेरे को लाना है लेबर भी तेरी पैसा बोल मैं इनका सौ करोड़ बोला डन नेक्स्ट डे ट्रांसफर कर दिया बहुत पैसा है सर पॉइंट कि सर करोड़ जिन्होंने मुझे ट्रांसफर किए हैं वो किसके लिए किए सर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी वेयर इन मटेरियल ट्रांसफर इज ऑल्सो इनवॉल्व तो दैट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्लियर तो सो करोड़ का जो मैं इनके लिए काम कर रहा हूं दैट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस किसको आएगा सर क्लियर पर यही अगर ये बोलते हैं नहीं नहीं मंगल जो मटेरियल चीज मुझे बोल देना मैं ले आऊंगा तुम तो अपना बिल्डिंग बनाने का काम बताओ और उसका चार्ज बोलो मैंने कहा फिफ्टी करोड़ बोला डन अभी मैं फिफ्टी करोड़ की जो सर्विस दे रहा हूं इनको वो क्या है सर दैट इज विदाउट मटेरियल मटेरियल इनका खुद का होगा बेटा क्लियर दैट इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस जो पेरा नंबर फाइव क्लॉस में बी हमने पढ़ा बेटा हा है ना तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिनोवेशन ऑल्ट्रेशन या रीमॉडलिंग ऑफ द बिल्डिंग इमूल प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहे हो आप जिसमें मटेरियल प्लस लेबर दोनों का काम दिया किसका काम दिया सर तो वो क्या है क्या है बेटा वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्लियर और प्योर लेबर का है तो दैट इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस ओके क्लियर आईटीसी पढ़ाते वक्त इसको कनेक्ट कर दूंगा मैं आपको कि आईटीसी किसका मिलता है किसका नहीं मिलता सर अरे हाँ ना भाई क्लियर डन रेस्टोरेंट या आउट रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस अगेन उसमें फूड भी इन्वॉल्व होता है और रेस्टोरेंट सर्विसेज भी बच्चों अगेन क्या है वो सप्लाई ऑफ सर्विस दैट इज अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बट सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे सर इसको क्लियर डन ये पेरा नंबर खत्म होता है नंबर सेवन में था अन इनकॉर्पोट एओपीबीआई और मेंबर्स ने ने अगर मेंबर को गुड सप्लाई किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा पर यहाँ से काट दिया एनी वेज उसको सेक्शन नंबर सेवन ए में अलग से इंसर्ट कर दिया बेटा है हाँ ना भाई क्लियर चलो एक सर्कुलर भी था एओपीबीआई को लेकर बताता था मैं आपको कोई क्लब है क्या है सर क्लब ने मेंबर से मेंबरशिप ली सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा हाँ है ना तो जब क्लब अपने मेंबर से फीस लेता है उसको बोलते हैं क्या कैश कॉल क्या बोलता है सर कैश कॉल अगर कैश कॉल इज इन इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू तो सप्लाई ऑफ सर्विस है पर अगर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है क्या मालिक तो क्या होता है जैसे हमने कोई बहुत बड़ा फंड कलेक्ट करने के लिए बोला साहब एक एक करोड़ रुपए हम सब इन्वेस्ट करेंगे दैट इज रिफंडेबल अमाउंट दैट इज नॉट मेंबरशिप फी क्लियर तो जो वन करोड़ आपने दिया है क्लब के लिए दिया आपने दैट इज कैपिटल और ऐसे केस में प्योर ट्रांजेक्शन मनी हो गया एक तरह से आपने इन्वेस्ट किया बेटा सर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन चार्जेबल टू जीएसटी अरे क्लियर समझे मेरी बात उस क्लब की मेंबर आप भी हो उस क्लब के मेंबर में भी हूँ आपने मेरे को सर्विस दी मैंने आपको सर्विस दी वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा क्लब ने आपको सर्विस दी या आपने क्लब को सर्विस दी सब, सब, सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे दोनों क्लब और और मेंबर्स दोनों क्या होते हैं हमेशा सेपरेट पर्सन डिस्टिंग तो पेन नंबर से मतलब तो होता है बेटा. बेटा अरे क्लियर, टू। बोल बोल दीजिए, दीजिए हाँ ना सर? चलिए सर एक और सर क्लियर है बच्चों सर क्या होता है बेटा आज फॉर एग्जाम्पल ये क्लासेज जेके शाह क्लासेज हूं तो कर लो कम से हाँ नहीं बोल पा रहे हो तो सर पॉइंट सर अब जेके शाह क्लासेस अब इन्होंने ये बिल्डिंग मान लो रेंट पे ले रखी वैसा नहीं सर इनके जहाँ जहाँ ऑफिस वहां पे इनकी बिल्डिंग खुद की है सर सर ये रेंट पे लेते नहीं रेंट पे देते सर पॉइंट ये कि सर मान लो सर अब ये बिल्डिंग इन्होंने मान लो रेंट पे ले रखी सर और रेंट पे ले रखी किससे हमारे सी ए पॉइंट वाले सौरभ जी से अब सर जेके शाह क्लासेस ने सौरभ जी ने सर, तो ने से बिल्डिंग रेंट पे ली अब सर इन्होंने इस बिल्डिंग का ब्रांड वैल्यू इतना बना दिया है कि सर यहाँ पर सबको पता पड़ गया कि यहाँ पे इसी यही क्लास होती है साहब यहाँ पे एडमिशन लेने का अब ऊपर बोर्ड कौन सा लगा लोग देखते नहीं आधी बार तो क्लियर हो जाता ना सर आप आप भी किसी कई बार शोरूम पे जाते होंगे सर अपनी दुकान फिक्स है वही जाने का है अब दुकान में कौन बेच रहा है आपको पता ही नहीं सर हाँ है ना तो वो वो प्लेस की वैल्यू बन गई साहब तो उनका रेंट एग्रीमेंट जब खत्म हुआ तो इन्होंने बोला साहब आप ये बिल्डिंग तो मेरे को यशवंत को देनी रेंट पर जैके शायद क्लासेस आप खाली करो उन दो करोड़ रुपये लगेंगे क्या क्लास इनका बिल्डिंग इनकी इन्होंने रेंट भी दे रखा जो आउटगोइंग टेनेंट है वो क्या बोलता भाई दो करोड़ चाहिए खाली करने का क्यों क्योंकि इस प्लेस की मैंने वैल्यू क्रिएट कर दी है हा है ना उसको बोलते टेनेंसी प्रीमियम तो आउटगोइंग टेनेंट अगर टू करोड़ रुपये एग्जांपल में, में, में अगर चार्ज कर रहा है तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस और उस पर जीएसटी लगेगा क्लियर अब सर क्या हुआ वहां से जो आउटगोइंग टेनेंट है वो तो बाहर निकल रहा है क्लियर और कोई नया टेनेंट आ रहा है तो इन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने क्या किया वो इनकमिंग टेनेंट से बोला भाई साहब तेरे को एकदम वैल्यूएबल जगह दे रहे हम जिसका वैल्यू ऑलरेडी क्रिएटेड है कस्टमर ऑलरेडी यहां पे आते हैं अपने आप हा है ना तो इनकमिंग टेनेंट से टेनेंसी से चार्ज कर लिया कैसे चार्ज कर लिया बेटा अब अगर आउटगोइंग टेनेंट ने डायरेक्ट इनकमिंग टेनेंट से अगर ट्रीनसी प्रीमियम चार्ज किया तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस अगेन जीएसटी लगेगा ओनर से चार्ज किया तो भी जीएसटी लगेगा अब सर मान लो मैंने तो ओनर से चार्ज किया और साहब जीएसटी लग गया अब ओनर क्या कर रहा है इनकमिंग टेनेंट से ले रहा है है बेटा अगेन ये सप्लाई ऑफ सर्विस जीएसटी लगेगा बस एक बात ध्यान रखना अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने क्या बोला सर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने इनकमिंग टेनेंट से अगर टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंस हाँ ना भाई और उसने रेंट पे जो दिए वो किसको बेटा को जीएसटी तो नहीं लगेगा अगर ऑनर ने किया तो हमेशा टैक्स लगता है, कुछ समझा गया? आ रहा है या जा रहा है पका ना गुड सरकार ये कदम होता है का. यहां बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है आई थिंक आपको समझ में आया बच्चा आइए

कम करना है आवाज तेज आ रही है आपको okay, <laughs> सुनना. समझ मार आपको हंड्रेड yes. परसेंट ना ये दिन सर ये टाइम जो आपने निकाला है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और आज के दिन की वैल्यू इज मच मोर वैल्यूएबल फॉर यू एज कंपेयर टू मी मेरे लिए तो एक सिंपल सा दिन है सर पर आपके लिए आगे आ रहे और आपने ये पूरा दिन निकाला सो यू नो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको परफेक्टली पॉइंट पहुंचना चाहिए पर या हो वो पर्पज पूरा होना चाहिए सर आइए सर <laughs> बात करते हैं सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन टू शेड्यूल नंबर थ्री की हम बात कर रहे थे बच्चों सर फर्स्ट अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए काम किया इन दी कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन दी कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट तो सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होता है बेटा पर अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम किया है तो पर सर अगर एज इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर काम किया बेटा इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जिसमें प्रोफेशनल फी का टीडीएस कट रहा है बेटा तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा सप्लाई के स्कोप में आएगा और उससे भी खास बात रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगता है और रेसिपेंट जो कंपनी है बॉडी कार्पोरेट वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसी मेटा हा ना भाई क्लियर तो आप जरूर देख लीजिएगा कि उस डायरेक्टर को इन दैसिटी डायरेक्टर पैसा मिल रहा है या एज अ सैलरी मिल रहा है बेटा अगर होल टाइम डायरेक्टर हो आपको सैलरी भी मिलता है जिसमें सेक्शन टू है ना उसका इनकम टैक्स में रिड्यूस करता तो ऐसे केस में इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उस पर जीएसटी नहीं लगता ठीक है मालिक पक्का ठीक सर सर सेकंड आता है क्या सर अगर आपने सर कोई कोर्ट फी पे करी क्या पे करी बेटा आपने क्लियर कोर्ट फी पे कोई जीएसटी नहीं लगता सर्विसेज प्रोवाइड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सर देन देश के नेता लोग देश के नेता लोग एम पी एम एल ए वगैरह क्या एम्प्लॉय क्या, गवर्नमेंट के बेटा नहीं एम पी एम एल ए पार्षद वगैरह जो होते बेटा ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं देश के रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना इतना कीमती वक्त देश के कल्याण के लिए देश के भले के लिए करप्शन बिल्कुल नहीं हो इसके लिए सर इन्वेस्ट करते हैं सो दैट हमारा देश आगे बढ़े तो सर उसके लिए जो उनको ऑनरिंग मिलता है मंथली बेस पे दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस वो एम्प्लॉ नहीं है अगर एम्प्लॉय होते तो ऊपर कवर होता बेटा इसलिए अलग से पॉइंट दिया इनको बोल दिया क्या इनकी सर्विस से सप्लाई नहीं है सर क्लियर कुछ नहीं करते मतलब इनका कोई जी नहीं लगाने का क्लियर अच्छा इसमें सेकेंड कैटेगरी क्या अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किसने भारतीय संविधान ने कोई बॉडी बनाई है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर उसने कोई अगर बॉडी बनाई है और उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है डायरेक्टर एज ए तो उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिल रहा है तो सप्लाई सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा एंड लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई कि नहीं सर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है जैसे आईसीआई और उसके आप प्रेसिडेंट हो द प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीआई सेंट्रल काउंसिल मेंबर अगर इनको कोई ऑनर मिलता है उस पोस्ट की वजह से तो अगेन इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज को जीएसटी नहीं लगेगा उस पोस्ट की वजह से अगर पैसा मिल रहा है तो क्लियर आज जैसे डब्ल्यू आर सी चेयरमैन अभी जैसे अर्पित जी कावरा है तो सर अर्पित कावरा सर जो डब्ल्यू आर सी के <laughs> वो मेरे फ्रेंड भी है यार इसलिए मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ उसको वो मेरे को मंगल बोलता है मैं उसको कावरा बोल देता हूँ सर अब सुनना <laughs> पॉइंट ए अब अर्पित कावरा सर जो है सर वो डब्ल्यू आर सी चेयरमैन है सर अब उनको उस पोस्ट की वजह से अगर कोई ऑनडरी मिल रहा है दैट इज नोट सप्लाई ऑफ वुड्स नोट सप्लाई ऑफ सर्विस पर उसने किसी कंसर्न की ऑडिट करी यार तो ये बोलते जीएसटी नहीं लगेगा ऐसा वो क्लियर सर ऐसे केस में जीएसटी लगेगा क्योंकि इन कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन उसको पैसा मिल रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा सर हा ना भाई अरे क्लियर सर आइए सर अगर कोई सेल ऑफ किया क्या क्या मालिक सेल ऑफ एम्यूबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सेवनटी प्लेट याद है अंडर कंस्ट्रक्शन

खेलते हो ना आप लोग क्या बोलते हो बैटिंग गेमलिंग लोटरी ना जुआ खेलते होंगे ना बेटा आज तो मैच भी बेटा वो किसका है ये देखो बेटा क्लियर <laughs> क्लियर <laughs> 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 सट्टा खेलते बेटा ये सट्टे पे जीएसटी अबे सट्टे पे लगता है दारू पी के जीएसटी दारू पी के सट्टा खेले तो पता ही नहीं बढ़ रहा, रहा है <laughs> <laughs> जीएसट लग रहा लग रहा है सर जो लग रहा है लग रहा है आने दो तो तुम तो दारू पे जीएसटी नहीं बेटा ये तो पता ही होगा ना फिर आपको रोज का माता बेटा सर तो <laughs> क्या हाँ घूम लो दोनों पे जीएसटी नहीं है सर सुनना ध्यान से एक्सटर्नल सर नक्सटर्मल सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई सर्विस एक्सेप्ट बेटिंग गेमलिंग और लॉटरी क्लियर मालिक ठीक सर फिर सर अगर कोई गुड्स आपने चाइना से परचेस किया और जापान बेच दिया बेटा विदाउट गुड्स एंटरिंग इन, इन इंडिया एट ऑल तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा नेक्स्ट अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया हाईसी में गुड्स को बेच दिया कहां बेच कहा बेटा हाईसी में गुड्स किसको बेच दिया इज सप्लाई सप्लाई गुड्स नॉट सर्विस क्योंकि एनीवेज कस्टम क्लियर होगा उनका तब कस्टम लगेगा कस्टम के कस्टमर आईटी वैसे भी लग जाएगा सर क्लियर सेम वे अगर आपने कोई गुड्स कस्टम में आ, आपने इंपोर्ट किया कस्टम वेयरहाउस में स्टोर किया और वेयरहाउस में गुड्स को आपने किसी को बेच दिया अगेन दैट विल नॉट बी चार्जेबल टू जीएसटी नीदर ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस क्योंकि एनीवेज जब वेयरहाउस से गुड्स निकलेगा तब उस टाइम पे हाईएस्ट वैल्यू पे वैसे भी क्या लग जाएगा आईजीएसटी लग जाएगा बेटा

सर दैट विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नोट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर एंड सेकेंड सर सर स्टेट गवर्नमेंट एल को सर्व करने का लाइसेंस देती ना बेटा क्लियर उसके लिए जो एप्लीकेशन फी या लाइसेंस फी चार्ज की उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर डन ये दो नोटिफिकेशन बात है सर सेक्शन नंबर सेवन सबसे बोलता है पावर है गवर्नमेंट पास जो यूज करके गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस लाएगा एट प्रेजेंट कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दे रखा इसी के साथ सेक्शन नंबर सेवन सप्लाई की डेफिनेशन खत्म होती है आप क्लियर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम क्या सर मान लो आपके पास रिलायंस के एक लाख शेयर सर आपने किसी को बेचा नहीं सर लैंड किया है दो साल के लिए बेटा

मिक्स सप्लाई सप्लाई एंड सर अगर यहाँ पे गलती होती है प्रोविजन बोलता हूँ फिर गलती होती है एग्जाम में बता देता हूं आपको सर सेक्शन नंबर एट कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई अगर कोई मोर देन वन ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत आपने साथ में सप्लाई करी है इज इज करिए इन कॉन्जंक्शन विथ इच अदर इन दर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विच इज कॉल्ड नेचुरली बंडल्ड सप्लाई तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या कंपोजिट सप्लाई और अगर वो कंपोजिट है तो ऐसे केस में प्रिंसिपल एलिमेंट जो होगा

उसको बोलते हैं क्या मिक्स सप्लाई और मिक्स सप्लाई अगर है तो सर एंटायर कमो विल बी अंडर ऑफ दैट सप्लाई इट कमोडर लाइबलिटी क्लियर पक्का डन ठीक है सर अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जहां गलती होती है बच्चों से गलती होने के चांस होता है बेटा सर फॉर एग्जाम्पल आप किसी शोरूम पे गए इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए गढ़ा सर कहा गए सर आप गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वहां कौन मिले आपको जेठालाल बबीता जी कौन बुला रहे ओए। सर कोई बात नहीं सपना के पूरे सपना देखते बेटा सर पॉइंट ये <laughs> सुनना बात की ध्यान से अब सर आप वहां गए आपने वहां एक एसी एक टीवी एक माइक्रो माइक्रोवेव एक मोबाइल फोन एक कैमरा और एक और वॉशिंग मशीन है कपड़े पर जाके तो सर ये सब आपने परचेज किया समझना बात ध्यान से बिल बनाया है, सप्लायर ने सप्लायर ने बिल जो बनाया उसमें लिखा ए सी का टीवी इतने का वॉशिंग मशीन इतने की सारे गुड्स की प्राइस अलग अलग लिखी उसने टोटल अमाउंट हो रहा था सपोज फोर लेख ट्वेंटी थाउजेंड मेटा आपका फेवरेट फिगर बेटा चार सौ बीस सर अब चार लाख बीस हज़ार रुपये ये आपका अल्टीमेट टोटल अमाउंट आया था आपने गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को तो बोला भाई ये लख ये रख चार लाख रुपये कितना बोला आपने चार लाख रख बात खत्म जो समझना समझना तू जिसमें डिस्काउंट काटना काट लेना उसने बिल रेज किया चार लाख बीस हजार का सारी की प्राइस अलग अलग लिखी बेटा और आपने उसको सिंगल प्राइस पे किया है सिंगल कंसिडरेशन पे रुपीज फोर लेख बताओ कंपोजिट है कि मिक्स है कि क्या है कुछ भी नहीं है इट्स नीदर कंपोजिट नॉर मिक्स सप्लायर ने क्या सिंगल प्राइस चार्ज किया, किया सप्लायर अगर सिंगल प्राइस चार्ज करेगा मेरे मालिक तो होता है मिक्स क्लियर मेरी बात यहाँ पे तो रेस्पेक्टिव गुड्स की प्राइस अलग लिखी है, है तो, हाँ तो कह रहा हूं कर देगा। क्या, लगाएंगे क्या? तो क्या मिक्स सप्लाई हो जाएगा क्या कस्टमर ने सर हमको चार लाख रुपए दिए वो नहीं भी देता तो क्या हम उसको नहीं लगाते टैक्स क्या रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स कस्टमर कैसे पे कर हाँ ना सर क्लियर सिंगल प्राइस अगर चार्ज करता है तो बात अलग होती है अच्छा एक इनवो में मल्टीपल गुड्स हो सकते ना बेटा यार सबकी वैल्यू अगर अलग लिखी है तो इट्स नॉट अ मिक्स सप्लाई मिक्स सप्लाई कब होता है जब सिंगल प्राइस चार्ज होता है हा है ना बेटा I hope आप गलती नहीं होगी बेटा। अरे क्लियर? मैं कोशिश करूंगा जल्दबाजी के, जल्द के लिए तो समझ में आ जाए कि यहां गलती चांस है सर अरे क्लियर पक्का डन ये मिक्स का मेन जो पॉइंट था वो भी खत्म होता है अब सर आई होप यू गोड दी पॉइंट बेटा हा है ना भाई भाई कोई खास बात नहीं है इसके अंदर ओके सर टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर ट्वेल्व थर्टीन और 14, ये लो सर अभी खत्म होते हैं। सेक्शन 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 नंबर गुड्स के के लिए, 13, के लिए, सर्विसेज बसंती वीरू। सुनना बात को ध्यान से बच्चों भी ये गलती होती है बच्चों से वहां थोड़ा सा ध्यान रखना टेक्निकल पॉइंट सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन टू पता है क्या बोलता है जहां पे भी गुड्स केस में फॉरवर्ड चार्ज है मालिक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म

पर तो जिस दिन इनवर्स इशू हो जाना चाहिए वो दिन या डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑफ पेमेंट एवर इज इज अर्लियर द टाइम सप्लाई पर गुड्स के केस में अगर एडवांस रिसीव होता है गुड्स के केस में अगर एडवांस रिसीव होता है तो अलग से नोटिफिकेशन देके बोला क्या उस एडवांस के अमाउंट पे आपको अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है आई रिपीट उस एडवांस के अमाउंट पे अभी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं भाई ये नहीं बोला टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा क्लियर सर सुनना सुनना इसलिए मैंने बोला थोड़ा आराम से मतलब यह है इसका कि टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया अगर गुड्स के केस में एडवांस अगर रिसीव भी हो गया तो भी टाइम ऑफ सप्लाई आ गया जितना एडवांस आया उसके रेस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई आ गया पर उस पर अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं टैक्स कब पे करना है बेटा जब इन्वेस इश्यू करोगे जब सप्लाई हो जाएगा जब इन्वेस इश्यू करोगे तब आपको टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तब टैक्स तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा है हाँ ना बेटा अरे यस ए नो अब आप बोलोगे सर क्या कंफ्यूज करो पागल जैसे इसका इम्पेक्ट क्या बच्चों कि टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मतलब सप्लाई हो गया सर अच्छा एक बात और अगर मान लो हां बोलना में थोड़ा सा दर्द होता ना सर यहाँ पे तो हूं भी बोल देना चलेगा बेटा पर बोलना तो पड़ेगा सर समझना बात को ध्यान से नहीं नहीं पहले समझना फिर हूं करना ये, कि सर टाइम ऑफ सप्लाई आ गया टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है सप्लाई हो गया वो वक्त जब सप्लाई हुआ है उसको टाइम ऑफ सप्लाई अगर किसी ट्रांसेक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मतलब क्या हो गया सप्लाई हो गया सप्लाई हो गया मतलब टर्न का पार्ट बन जाएगा बेटा समझना बात को ध्यान से हां टैक्स पे नहीं करना एडवांस पे अलग बात है वो बात में देखेंगे सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ सर मुझे बताओ आप अरे ये नो क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन नंबर सेवन भी लिखा, है क्या? लिखा ना सर सप्लाई गुड्स क्लियर लिखा ना सर सेक्शन नंबर सेवन ए में सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल एक्सचेंसर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वुड्सर बोथ वेन सच सप्लाई आर मेड और एडवांस दिया मतलब क्या हुआ है आपसे एडवांस ले मतलब आई हैव अग्रीड टू सप्लाई 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 और जैसे किया मतलब हो गया बेटा वो 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 क्योंकि भी है सप्लाई ये टर्न का पार्ट बनेगा हाँ भले ही गुड्स के केस में क्या बोला मालिक भले ही गुड्स के केस में उस एडवांस पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ये अलग बात है पर वो सप्लाई का पार्ट बन गया है वो टर्न का पार्ट बनेगा ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ सर क्लियर रूल नंबर फोर्टी टू फोर्टी थ्री होता ना बेटा उसमें आपको एग्जाम सप्लायड और टैक्सल टैक्स दोनों टर्नर देखना पड़ता है बेटा आपको और उसके अकॉर्डिंग प्रपोशन करना पड़ता है बेटा अरे हाँ ना तो वहां अगर मान लो आपने एडवांस रिसिप्ट को टर्नोर का पार्ट नहीं बनाया तो तो आपके रेशियो बिगड़ जाएंगे बेटा हाँ है ना बेटा इसलिए बात बताना बहुत जरूरी था आपके लिए मैंने इसलिए बताया बात आपको ओके okay? समझा मेरी बात क्लियर ओके okay. तो सर आई रिपीट वेनेवर क्या बोला सर वेनेवर गुड्स सर्विसेज हो, हो क्या बोला सर इनवॉइस इश्यू कर दिया या हाँ सर्विसेज में तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है पर गुड्स में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है शायद कंक्लूजन आपको समझ में आ गया आई होप यू गुडायर पॉइंट बच्चा हा है ना भाई अरे दिल के अंदर पहुंचा कि नहीं पॉइंट

मैं रेसिपेंट के एंगल से देखना बेटा मैंने पेमेंट किया है ना बेटा तो ऐसे केस में जब मेरी बुक्स में मैंने एंट्री कर दी रिगार्डिंग पेमेंट या एक्चुअल डेबिट इन माय बैंक और इन तीनों इवेंट्स अगर टाइम सप्लाई नहीं आ रहा तो जब रेसिपेंट ने ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया वो रेसिट ऑफ गुड्स अपने बुक्स में जब रिकॉर्ड करी वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा बेटा हा ना भाई ठीक सेक्शन ट्वेल्व बोलता है अगर वाउचर के थ्रू आपने गुड सप्लाई किया एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर तो सर जिसमें वाउचर इश्यू किया टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा बट सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल इफ सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर यह पता नहीं क्या लेने वाले बिग बजार का वाउचर है बच्चा एक हजार रुपए का वाउचर है आपकी मर्जी हो खरीद लेना बेटा तो ऐसे के सप्लाईज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर क्योंकि आप क्या रिडीम करोगे हमको नहीं पता बेटा इसलिए एट द टाइम ऑफ रिडम्शन इज द टाइम ऑफ सप्लाई पर सर पता है कि ज्वेलरी का आपको वाउचर मिला है बेटा तो ज्वेलरी ही मिलेगा इसके अगेंस्ट क्लियर तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर तो ऐसे केस में डेट ऑफ इश्यू वाउचर ही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई भले आपने बाद में रिडीम कराया है नहीं करा उसे कोई कंसर्न नहीं है ओके मालिक ठीक सर ये था सेक्शन सब सब सेक्शन 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 सबसे रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है क्या जहां पे सब सेक्शन टू थ्री फोर से आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा है हाँ ऐसे केस में टाइम सप्लाई कैसे आएगा सर अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न नहीं तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन सिक्स बोलता है ध्यान से सुनना अच्छा पॉइंट है सर अगर कभी भी सप्लायर ने ओवर एंड अबाउट द प्राइस कस्टमर से इंटरेस्ट डिलेट पेमेंट चार्जेस लेट पेमेंट फी एटसेट्रा को रिकवरी किया है तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनता बेटा से, पर सेक्शन फिफ्टी सब सेक्शन टू क्लियर उस एडवांस पर सॉरी उस डिलेट पेमेंट पर जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उस इंटरेस्ट वाले पोर्शन के लिए टाइम सप्लाई कब होगा जब वो इंटरेस्ट रिसीव होता है समझना बात ध्यान से मैंने एक करोड़ का सप्लाई किया आपको एक करोड़ का जब सप्लाई किया उसके तो डेट ऑफ विशी टाइम में सप्लाई हो गया बेटा पेमेंट लेट किया और मैंने फाइव लाख रुपया आपसे रिकवरी किया बेटा, तो वन करोड़ फाइव लाख आपने मुझे पे किया अल्टीमेटली

ये सेक्शन नंबर ट्वेल्व खत्म होता है अब सेक्शन नंबर थर्टीन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस सब सेक्शन टू बोलता है क्या डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज पर सर्विस प्रोवाइड करने के थर्टी डेज में कितने दिन में बेटा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस के थर्टी डेज में अगर आपने इन्वॉइस इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच द टाइम ऑफ सप्लाई और हाँ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी के केस में 45 डेज का टाइम देखने का अच्छा एडवांस अमाउंट अगर अपी वन थाउजेंड तो, तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है जब आप इनवेस्ट इशू करोगे तभी टैक्स पे कर ना ये आपकी चॉइस है बेटा है हाँ ना भाई और हाँ एडवांस अगर कभी रिसीव रिस तो जितना एडवांस रिसीव हुआ उसी पर लाइव आएगी बेटा अरे क्लियर मालिक पक्का डन अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल केस में अब सर कंट्री सप्लाई सर्विस और हाँ एक कंट्री सलास बोलना है मेरे को ठीक है पहले इशू करना पड़ता है थर्टी डेज का वक्त नहीं, नहीं सप्लाई कब आएगा यहां पे इनवेस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट कब होती है बेटा अगर कोई ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है तो उस दिन से पहले उतना का करना पड़ेगा सेकंड अगर कोई इवेंट हैपनिंग ऑफ विच मेक पेमेंट टू दी सप्लायर

आप या तो प्रोडिकली मुझे पेमेंट करेंगे या मैं प्रोविटिकली आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करूंगा तो अगर मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहा हूं तो जितने जिस दिन जितने अमाउंट का मैंने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू किया है उस दिन ही वो हिसाब भेजते ना सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है हिसाब बेटा कि इतनी इतनी गुड्स गई इतने टाइम में ये भाई इसका हिसाब ये रहा तो वो होता है क्या है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और क्या उस दिन उतने अमाउंट का आपको इन्वेस्ट इशू करना पड़ेगा और अगर ऐसा फिक्स नहीं है रेसीपेंट पे करेगा मेरे को पीरियडिकली तो सर जब वो पेमेंट करेगा मेरे को उस दिन या उससे पहले पहले मेरे को अमाउंट का इन्वेस्ट इश्यू करना पड़ेगा क्लियर ठीक सर ये कंटिन्यू गुड्स का मैंने बीच में बता दिया आपको वहां रे क्या था इसलिए अरे क्लियर मालिक पक्का आइए सर सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन नंबर थ्री रिवर्स चार्ज अच्छा एक बात और सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन टू में एक बात और लिखिए

जहां जहां रिवर्स चार्ज इस में रेसिपेंट इज लाइबल टू मेक पेमेंट टू दप्लायर वहां वहां लाइब्रेड कब आएगी सर लाइब्रेड लिए आएगी रेसिपेंट के लिए आएगी रेसीपेंट एंगल से देखना है सर जिस दिन रेसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट किया था वो दिन या फिर सिक्सटी फर्स्ट डे या फिर सिक्सटी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ विशूफ इन वोस विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई और इन दोनों से अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता तो ऐसे केस में रेसिपेंट अपने बुक्स में जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया होगा वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई वहां थर्टी फर्स्ट डे था

क्लियर तो ऐसे कैसे में बोल दिया क्या इफ बोथ आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस तो यहां पे सिक्सटी फर्स्ट डे तक हम इंतजार नहीं करेंगे या डायरेक्ट डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज इज द टाइम ऑफ सप्लायर यहां सिक्स डे तक इंतजार ना हो पाएगा

ऐसा लगता है कहीं पे क्या लिखा है कहीं पे क्या लिखा है और कनेक्ट ना हो पाता है ठीक है तो आने दो वक्त मैं कनेक्ट कर दूंगा सब कुछ अभी यहां जो बात है उतनी बताता मैं आपको क्लियर सर कोई बिल्डिंग बनी हुई सर एग्जिस्टिंग क्लियर कोई सोसाइटी सर पुरानी बिल्डिंग टूटेगी नई बिल्डिंग बनेगी बिल्डर से कॉन्टेक्ट किया भाई क्लियर और सर उसने बोला कि ठीक है साहब ये रीडेवलपमेंट का काम मैं कर लूंगा आपके लिए हा है ना सर तो सर यहां पे एक तरह से सोसाइटी का लैंड बेच रही है क्या बिल्डर को दे आर नॉट सेलिंग द लैंड टू द बिल्डर फिर दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग द राइट्स उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया है, या लॉन्ग टर्म लीज पर थर्टी इयर्स और मोर देन थर्टी के लिए लैंड दिया है किसने सोसाइटी ने या किसी पर्सन ने किसको प्रमोटर को, को बिल्डर को बेटा तो ऐसे केस में सर टैक्स लगता है टैक्स लगता है पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, में कौन टैक्स पे करता है बिल्डर प्रमोटर टैक्स पे करेगा सर टी की वैल्यू पे बेटा ठीक है अब सर यहां पे क्या हो रहा है बेटा एक तो सर्विस होगी सोसाइटी के एंगल से इस पर टैक्स पे करना है बिल्डर को पर कब पे करना पता है जिस महीने में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर उस टैक्स पेड से पहले कभी भी टैक्स पे कर देना अभी पे करने की जरूरत नहीं है सेम वे बिल्डर ने क्या किया बेटा पुरानी बिल्डिंग तोड़ी नई बिल्डिंग बनाई अब मान लो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें फिफ्टी फ्लैट थे कितने थे सर फाइव जीरो फिफ्टी नई जो बिल्डिंग बनेगी उसी एरिया में अच्छी बिल्डिंग बनेगी नए इक्विपमेंट के साथ बनेगी नई टेक्नोलॉजी से बनेगी और सर वहां वन फिफ्टी फ्लैट बन जाएंगे कितने बन जाएंगे सर वन फाइव जीरो अब एग्जिस्टिंग जो पचास मेंबर थे उनको पचास के पचास फ्लैट मिल जाएंगे अपने अपने बेटा क्लियर तो बिल्डर ने भी क्या किया बेटा एक तरह से पचास फ्लैट उनके लिए बुक कर दिया बेटा बिफोर ग्रांड ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाईन अथॉरिटी बेटा हाई ना भाई क्लियर तो बिल्डर के लिए भी सप्लाई सर्विस हो गया बच्चे 50 फ्लेट का तो उसके बोल दिया चिंता मत कर अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जब कंप्रेशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन फर्स्टेशनियर आएगा जिस टैक्स पीरियड में जल्दी नहीं है क्लियर पर दोनों केस में पे कौन करेगा बेटा बिल्डर ही पे करेगा क्लियर डन तो ये वाला पॉइंट होता है इसका रीजन क्या लॉजिक क्या समझा दूंगा मैं आपको अरे क्लियर ठीक सर अब आ गया क्या बसंती वीरू सेक्शन नंबर फोर्टीन सर वेन एवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स वेन एवर देर इज चेंज इन तो ऐसे केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्लियर और डेट ऑफ कंप्लीस ऑफ सर्विस या डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस सप्लाई मतलब अगर ये तीनों पहले ही हो गया उसके बाद रेट चेंज हुई है उसका डिस्कशन होगा नहीं पहले वाले रेट ही लगेगी सर रेट चेंज होने के बाद ही तीनों इवेंट हुए तो पुरानी रेट लगेगी नई रेट लगेगी सर हाँ ना भाई पर सर इन तीनों इवेंट के बीच में अगर रेट चेंज हुआ है तो ऐसे केस में सर मेंसंती बसंती, बसंती को माने का सप्लाय को क्लियर जय वीरू इनवोस पेमेंट किसी को मान लो सर अरे हाँ ना सर याद है कि नहीं सर कुछ बसंती के लिए जय वीरू साथ में मतलब अगर सप्लाई पहले हो गया इनवोस और पेमेंट दोनों बाद में बेटा इनवर्स और पेमेंट विचवर इज अर्लियर या इन पेमेंट दोनों पहले कंप्लीस बाद में हुआ तो, तो भी बच्चा? दोनों बसंती हाँ बेटा अगर मान लो कंप्लीस पहले हो गया इनवोस भी पहले इशू हो गया पेमेंट बाद में और डेट ऑफ विशूफ इनवॉइस कंप्लीस पहले हो गया पेमेंट भी एडवांस में आ गया बस इनवोस बाद में इशू हुआ तो भी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बेटा

डेट ऑफ सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का मानते सर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट का मानते सर एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट और एक्चुअल क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट एवर इज अर्लियर विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट पर इन दोनों डेट के बीच में मतलब डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इन दोनों के बीच में अगर कभी रेट चेंज हुई है तो आपने बुक्स में एंट्री पहले मार दी साहब और बैंक में पैसा कब कबारा चार महीने बाद पागल समझाएगा हमको क्या तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आपने डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पहले अगर आपकी हो गई है और रेट चेंज अगर हो गई मान लो तो जिस दिन रेट चेंज हुई ना उसके चार वर्किंग डे का टाइम देते हैं हम आपको चेक पड़े तो चेक जमा कराते ना बैंक में तो ऐसे केस में जिस दिन एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या एक्चुअल क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विचर इज अर्ली इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मान लेंगे पर अगर चार वर्किंग डे के बाद में बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है तो वी डोंट केयर आपने एंट्री का करी हुई सर डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ पेमेंट या बेवकूफ़ लोगों ने। फिर गवर्नमेंट समझ में आ रहा है भाई क्लियर ये बता रहा हूं आपको 2012 में जब पहली बार पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आया थे सर क्लियर तब इसमें रूल नंबर सेवन हुआ करता था ये वाला जो बसंती जेबीरो वाला है कोई नया नहीं कोई है कोई पॉइंट सब वही से उठा के क्लियर वहां पे जब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आया 2011 में तब तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट को पता ही नहीं पड़ा लोग मजे ले रहे साहब हमारे तो फिर एक साल बाद समझ में आ मजे ले चुके लोग तो तो ठीक है अब जो लुड़ गे, लुड़ गे, अब जो लूट लूट गए गए तो नहीं लूटे सर फिर गवर्नमेंट ने प्रोवाइज वेड किया क्लियर वो ही कंटिन्यू हुआ पर हाँ समझ में आना अभी आपको बेटा माहौल सरकार ये था क्या सेक्शन नंबर फोर्टीन बसंती जयवरू इसी के साथ टाइम सप्लाई खत्म होता है अब आइए सर वैल्यू सप्लाई सेक्शन नंबर न कुछ चल रहा है पक्का हंड्रेड परसेंट

कभी कभी क्या करेंगे बताए ब्ला 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 टैक्स लिख दिया क्या करने का एड अब यहां कितना इजी में बोला ना आपने एड वहां को नया नाम आ जाए ना ये तो कोई पढ़ाया नहीं हमने तो अरे सर जीएसटी के अलावा जो भी टैक्स है जो भी लेवीज है जो भी सरचार्ज है ऐड करो वैल्यू में क्योंकि सर अल्टीमेटली सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विस पे हम टैक्स लगा रहे हैं तो वो जितने में सेल हुआ है उस पर जीएसटी लगाना है तो एवरी लेवी विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई एक्सेप्ट जीएसटी वाले टैक्स जीएसटी सबसे लास्ट में लगता है बेटा दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट ओके जैसे तम्बाकू खाया होगा अपना बेटा नहीं खाया कल पिया है टॉबेको okay. तो भी क्या लगता है बेटा आपको पता है एक्साइज सर टोबिको एंड टोबेको गुड्स पर एक्साइज लगता है बेटा एंड जीएसटी भी लगता है जीएसटी सेस भी लगता है ठीक है खैर है कि अगर एक्साइज लगाए तो एक्सरसाइज वैल्यू का पार्ट बनेगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर क्या लगेगा बेटा जीएसटी ठीक है भाई और जिस वैल्यू पे जीएसटी लगता है उसी वैल्यू पे क्या लगता है जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर लगता है तो वैसे आपके कोर्स में नहीं आता बताया मैंने आपको क्लियर क्योंकि आपने पूछा आपको काम आता है क्लियर अब सुनना बात की ध्यान से <laughs> एग्जाम में काम आता है ना यार सर सुनना बात की ध्यान से सो so, इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर स ऑफ जीएसटी वैल्यू शैल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट जीएसटी अब मैं एस नंबर वाइज नहीं बता रहा बेटा वैसे मैं को याद बता सकता हूं मतलब नहीं उसका सर पहले <laughs> मैं क्लोज नंबर सी बता रहा हूं फिर क्लोज भी बताऊंगा क्लियर क्योंकि पहले बी क्यू हर बार इस बार सी आएगा पहले अब सुनना और मैं साथ में रूल नंबर थर्टी थ्री जो प्योर एजेंट वाला है आपके लिए अगर कोई एक्सपेंस इफ एनी एक्सपेंस द सप्लायर इज सपोज टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस इंसिडेंटल एक्सपेंसिस जो सप्लायर को इंकर करने थे टू सप्लाई द गुड्स और और बोथ जिसके बिना वो सप्लाई सप्लाई नहीं कर सकता था उसने के साथ वो इंकर किए और कस्टमर से बिल में अलग से एक्सपेंस लिख के रिकवरी कर लिया तो दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई जैसे पैकिंग चार्ज हो गया प्राइमरी पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग डिजाइनिंग चार्जेस इंस्टॉलेशन चार्जेस ब्ला 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 चार्जेस सब कुछ वैल्यू का पार्ट बनेगा खाना हाँ बना पर इफ द सप्लायर हैज़ एनी सच एक्सपेंस और एनी कॉस्ट विच ही वॉज नो सपोज टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस पर कस्टमर ने बोला प्लीज मेरे को ये वाला भी सर्विस आप दीजिए एक्स्ट्रा सप्लायर ने बोला नहीं मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ पर रेसिपेंट ने बोला क्या नहीं नहीं एक बार आप पेमेंट कर दो इसका बाद में आपको रिइम्बर्समेंट दे दूंगा बेटा

माहौल ाहौल जब शानदार अब पॉइंट ये सर मार्केट मैंने बनाया है अब अगर मैंने आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने मुझे बोला मंगल मार्कर भेजो और मार्कर जो तेको भेजना है मेरे मैं जो सप्लाई करूंगा वो आपके घर तक डिलीवरी करना है सर एफोर बेस्ड डिलीवरी बोलते हैं क्या बोलते हैं सर इसको ए फोर मतलब फ्री ऑन रिसीट आपको रिसीव होगा वहां तक का कॉस्ट वहां तक का एक्सपेंस वहां तक का रिस्क रिवॉर्ड सब मेरा है क्लियर तो अब ऐसे कैसे मान लो मैंने बिल जो लिखा है वो थाउजेंड रुपी वैल्यू ऑफ द गुड्स और दो सौ रुपये मैंने ट्रांसपोर्टर को पे किया शिपिंग चार्जेस थे सर जो थर्ड पार्टी को मैंने पे किया जितना उसको पे किया उतना, उतना उतना मैंने बिल में अलग से लिख दिया एज शिपिंग चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यह लिख दिया क्या री ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू हंड्रेड टोटल मैंने आपसे ट्वेल्व हंड्रेड लिया बेटा बताओ वैल्यू सप्लाई कितना है एंटायर ट्वेल्व हंड्रेड इज द वैल्यू सप्लाई क्योंकि दैट वॉज द एक्सपेंस विच आई वो सपोज टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स ऑफ ऑफिसर उसके बिना मैं सप्लाई नहीं कर सकता था अच्छा मान लो सर नाम गया अमन अमन इज द ट्रांसपोर्टर बेटा अमन इज द ट्रांसपोर्टर अब साहब बदमाश आदमी बेटा अब आपके घर तक गुड्स डिलीवर करने का काम मैंने इसको दिया सर रेगुलर काम करते अपना सर ये अब सर इसको अगर मैं एडवांस में फ्रेट पे कर दू दो सौ तो मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे मोड़निया ढाबा आया सर और ये उत सर पार्टी बनाने लग गया सर ये तो सर मैंने इसको बोला भाई एडवांस में तो वो फ्रेट नहीं पे करेंगे वरना रास्ते में तो पार्टी बना लेगा हमारा टाइम खराब होता है कस्टमर को मैंने बोला क्या एक काम करना वो ट्रांसपोर्टर जब गुड्स डिलीवर करेगा तब आप डायरेक्टली इसको टू हंड्रेड रुपये पे कर देना साहब कस्टमर बोला भाई मैं पे तो कर दूंगा पर रिस्क रोड सब आपका मैंने कहा हाँ वो सब वो मेरा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो एफओ आर बेस भी बचे

इसी को चेंज एग्जांपल समझ में आया ना बेटा आपको क्लोज नंबर आप छोड़ो ना बेटा ये तो मैंने के लिए मैं कितना शॉफ किया मैंने अब यही मान लो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया बेस पे, पे मतलब मैंने बोल दिया होता क्या थाउजेंड रुपी का मार्कर है आप ले जाओ यहाँ आके वी डोंट केयर हम वहां डिलीवर नहीं करते हा है ना मालिक अब ऐसे केस में आपने बोला सर मैं यहाँ पे नहीं आ सकता मेरे तो एग्जाम से मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आ सकता अमन बदमाश है मेरे को रिस्क नहीं चाहिए यहां पे गुड्स है यहां तक का रिस्क मेरा है आपने बोला सर एक काम करो अमन पे मैं भरोसा कर लूंगा आप तो बस उसको अपॉइंट कर दो एक्स फैक्ट्री बेस पर है मैंने आपके बिहाफ पे इसको अपॉइंट किया मैंने आपके बिहाफ पे इसको पे किया टू हंड्रेड रुपीज अब मैंने बिल पे लिखा किया थाउजेंड रुपीज ऑफ गुड्स इम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू हंड्रेड सेम वर्ड्स लिखे बेटा अब बताओ वैल्यू सप्लाई कितना है थाउजेंड रिमर्स वर्ड से आप नहीं डिफेंड कर सकते कि वैल्यू का पार्ट क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा यार क्लियर इन दिस केस ओनली विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई क्योंकि सर जो मैंने पे किया है दैट दैट एक्सपेंस नॉट टू टू बी बी बाय बाय मी इनकी सर्विस को मैंने यूज नहीं किया इनकी सर्विस को आपने यूज किया इनकी सर्विस का बेनिफिट आपको मिला है मेरे को नहीं मिला है मैंने इसको पे किया पर आपके बिहार पे किया आपने मुझे ऑथोराइज किया है एंड मैंने थर्ड पर्सन को पे किया मैंने खुद के पास नहीं रखा दो सौ और जो अमाउंट मैंने इनको पे किया वो एक्सैक्टली बिल में अलग से लिखा है क्लियर ये सारी कंडीशन जो प्योर के रूल में हम याद करते हैं शायद खत्म सर सर क्लियर एंड ऐसे केस टू हंड्रेड वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा बेटा हाँ ना मालिक अरे क्लियर समझे मेरी बात ये रूल नंबर थर्टी थ्री प्योर एजेंट का एग्जांपल समझाया आपको बेटा पॉइंट ओके बस आप ध्यान रखना बेटा कोई एक्सपेंस या कोई भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप भी ऑडिट करते हो बेटा अरे आर्टिकलशिप टाइम पे या सीए बनने के बाद हम ऑडिट करते हैं ना बेटा क्लाइंट के तो क्लाइंट के जब टैक्स पे करने की बात आती है तब क्लाइंट कई बार क्या बोलता है एक बार आप पे कर दो मैं आपको रिमर्समेंट दूँगा होता ना सर कई बार तो क्या आपकी ऑडिट फीस का पार्ट बनेगा क्या वो नो no. क्लियर पर आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस उटसेशन ऑल रही थी बेटा तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कन्वेंस वगैरह होटल स्टे खाना वगैरह जो होता है वो सब क्लाइंट रिम्बर्स करता है बेटा वो सब वैल्यू का पार्ट बनता है क्योंकि सर बिना दैट करके यू बिनाट सप्लाई द सर्विसेज बेटा हाँ ना बेटा क्लियर सो so, ऑल दिस काइंड kind ऑफ of एक्सपेंसेज ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस होटल अकोमोडेशन ये वो जो भी होते हैं इस तरह के सारे खर्चे हमेशा वैल्यू का पार्ट बनता है वो कभी भी प्योरिजन नहीं है सर ओके कभी कंफ्यूज नहीं होने का इसमें डन ठीक सर सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन सेक्शन नंबर सब टू फॉलो इन शल भी इंक्लूडेड अब सुनना बात ध्यान से एनी सब्सिडी क्या बोला सर अब यहां पे भी बच्चा कंफ्यूज होता है कई बार एग्जाम में सर सुनना ध्यान से गलती नहीं होगी आपसे बेटा देखो अल्टीमेटली मेरा टारगेट की आपसे गलती नहीं हो बेटा एग्जाम में ओके सुनना सेक्शन फिफ्टीन सब सेक्शन टू क्लस डी बोलता है क्या सुनना सुनना वैसे तो वो बोलता है इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई मैंने आपको अगर मैंने कस्टमर से कोई ओवर एंड द प्राइस इंटरेस्ट लेट पेमेंट फी है क्या सब्सिडी एनी सब्सिडी डायरेक्टली प्राइस वैल्यू का पार्ट हमेशा बनेगा उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करना है एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय

मैंने कहा एक काम कर लूट ले तुम एनजीओ हम थोड़े एनजीओ है भाई तो सर वो बहुत अच्छा काम करती है अग्रीड पर हमारा प्राइस बहुत रीजनेबल है ट्वेल्व लाख रुपए इससे कम नहीं हो सकता है उसने मतलब नहीं नहीं तुम इनको टेन लाख में सप्लाई करो दो लाख रुपए हम तुमको देंगे तो उसकी वजह से मैंने कस्टमर से कितना चार्ज किया तो दिस टेन लेक इज फ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी लैंग्वेज भी ध्यान दीजिए बेटा समझाना नहीं है वो लैंग्वेज जहां गलती होती है सर दिस टेन लेक इज द प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग कस्टमर से टेन लेक लिया तो वहां पर क्वेश्चन में जब लैंग्वेज में आता ना सर ऊपर लिखा होता टेन लेक इज द प्राइस फिर ब्ला, ब्ला, ब्ला दो चार एक्सप्रेस दे देंगे दे दे बेटा फिर दे, दे, दे सब्सिडी रिसिफ फ्रॉम एनजीओ या होल्डिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लिख दिया बेटा अभी सेंट्र गर्वमेंट दो मिनट नहीं छोड़ दो बेटा क्लियर एनजीओ या, या होल्डिंग लिखा बटा कितना टू लैख रुपये वहां ब्रेकेट लिखा होता है क्या दिस सब्सिडीज आफ्टर कंडरिंग दिस प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी वहां हम सोचते हैं क्या चक्कर लिखा है अब इसको एड करना है? हमको ये पता थे एड करना होता है <laughs> हमको ये प्रोविजन याद है हमारे लिखते थे अब ये समझो इंक्लूड करना की नहीं करना है

इसलिए सब्सिडी इज लिंक्ड विद द प्राइस एंड सब्सिडी लिंक्ड विद द प्राइस विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो यही इसी क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा होता दिस इज गिवन बाय मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसे केस में टेन लेक ही वैल्यू सप्लाई होता बेटा हाँ ना मालिक डन अब गलती नहीं होगी बेटा अपने क्या करना है क्या करना सर, अगर डिस्काउंट दिया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर डिस्काउंट दिया है और बिल पे आपने वो डिस्काउंट अलग से मेंशन कर दिया है नेट प्राइस कस्टमर से लिया तो नेट वैल्यू ही वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा डिस्काउंट हमेशा वैल्यू वे एक्सक्लूड हो जाएगा कोई तकलीफ नहीं बट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या बोला मालिक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी वैल्यू से एक्सक्लूड होता है पर उसके लिए कुछ कंडीशन इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा क्लियर जो होता है ना टारगेट बेस्ड डिस्काउंट टर्न ओवर बेस्ट डिस्काउंट मोर सेव मोर ऑफर कि साल भर में अगर आपने मेरे से दस लाख का परचेस किया दस परसेंट डिस्काउंट साल भर में पंद्रह लाख का परचेस किया पंद्रह परसेंट डिस्काउंट साल भर में ट्वेंटी लाख का परचेस किया ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट होता ना सर ये तो साल भर में कितना परेस किया कब पता पड़ेगा सर हाल के एंड में पता पड़ेगा सर तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये पता था कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा सर अगर ऐसा आपने किया तो डिस्काउंट मिल जाएगा इट इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई फर्स्ट कंडीशन पूरी सेकेंड सर जब आप डिस्काउंट एक्चुअली देंगे उस टाइम पे यू विल अ क्रेडिट नोट और उस क्रेडिट नोट के अंदर वो सारे टैक्स इन्वोसिस के नंबर आपको लिंक करने पड़ेंगे जिसके रेस्पेक्ट में आप क्या दे रहे हो बेटा डिस्काउंट दे रहे हो Third, जितना आपकी उस चलो सर ये तो हो गया खत्म बात अब एक बात समझना मान लो सर मैंने आपको कोई गुड्स मशीन कोई सप्लाई करी मैंने आपको दस लाख रुपए की थी सर और आपको मैंने तीन महीने का उधार दिया है पर अब तो पांच या आप तो सर एक महीने बाद ही पेमेंट लेके आ गए भाई मंगल रख

वैल्यू में से एक्सक्लूड नहीं होंगे टेन ही जीएसटी लगेगा भाई वहां पे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देना पड़ेगा जीएसटी वाला क्रेडिट नोट से काम जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे क्लियर मालिक डन ये सेक्शन सेक्शन सब बताता है है अब रूल्स रूल्स को कनेक्ट करता बेटा हूं आपको रूल नंबर रूल नंबर ट्वेंटी सेवन वेन एंटायर नॉट इन मनी जैसे आपने पुराना मोबाइल आई फोन फिफ्टी लॉन्च पुराना मोबाइल दिया नया मोबाइल लिया होता ना सर ऐसा तो सर जिसने मोबाइल बेचा होगा आपको अगर आपने एक्सचेंज ऑफर में दिया लिया है मोबाइल तो ऐसे केस में एंटायर कंसिडरेशन इज नोट इन मनी तो ऐसे केस में अगर आप एक्सचेंज ऑफर नहीं लेते तो कितने में लेते बेटा दैट इज वट इज कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू वो वैल्यू ले लो बेटा वही तो वैल्यू सही है और क्या होता है क्लियर तो सर रूल नंबर ट्वेंटी सेवन बोलता है क्या सर वेन एवर इंटायर कंसिडरेशन इज इन मनी तो फर्स्ट क्या बेटा ओपन मार्केट वैल्यू उससे वैल्यू नहीं आया तो सर मनी प्लस आपने सर जो मेरे को कंसिडरेशन काइंड दिया है वो उसकी वैल्यू बेटा उससे भी वैल्यू नहीं है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक like क्वालिटी की वैल्यू और उससे भी नहीं है तो बी सिक्वेंस थर्ट, थर्टी बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस टेन परसेंट ट्रेडिंग करता तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस टेन परसेंट और सर्विस सप्लायर तो कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विस प्लस टेन परसेंट अच्छा मैन्यूफेक्चर देना कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लिखा है कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ हा ना भाई ठीक सर वैल्यू सर, नहीं है, तो में 31 है क्या? पर हाँ, यहां लिखा है क्या? के लिए किसके लिए आप चाहे तो डायरेक्ट थर्टी कर सकते हो, 30 करने की नहीं है ये है। ठीक है मालिक ठीक ये ट्वेंटी सेवन थर्टी थर्टी वन खत्म ट्वेंटी एट बोलता है क्या ध्यान देना बेटा इस पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर वो फोर्टीन था ना बड़ा, बड़ा के लिए क्लियर उसमें एक पॉइंट आता है बेटा इसका क्लियर सुनना बेटा कभी कभी आता है गुड्स और सर्विस और बोर्ड आर सप्लाइड टू और रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंग पर्सन इन दी कोर्स फर्द्लाई में आता है बेटा हा है ना भाई क्लियर तो वहां वैल्यू क्या लेंगे तो हाँ तो तो सर तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन सेक्शन फिफ्टी सबसे मना और बेटा हा है तो रिलेटेड हुए क्या करेंगे ओपन मार्केट वैल्यू क्या बोला सर

अगर मेरा रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंग पर्सन जिसको मैंने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी उसको अगर फुल आईटीसी मिलता है क्या मिलता है सर इसका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है एग्जाम अगर उसको तो जो बिल पे वैल्यू लिखी है उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे वो ही भारत माता की जय है क्लियर कह दिया ना बस कह दिया हैशटैग वाइफ और हस्बैंड बेटा इस केस में भी बेटा सर अरे ये से नो और ये हेस्टेक वाइफ किसने बोला ओए तुम्हारे तो कुछ रिकॉर्डिंग मेरी हो रही बेटा सर पॉइंट यह कि सरकार मतलब अगर मेरे कस्टमर जो मेरे रिलेटेड पर्सन है या मेरे डिस्टिंग पर्सन है उसको फुल आई टी मिलता है क्या मिलता बेटा तो मेरे को पूरा जो बिल पे वैल्यू लिखी है वही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वैल्यू ज्यादा लगा, लगा भी देंगे तो रेसिमेंट को ज्यादा आईटीसी मिल जाएगा क्या फर्क पड़ता है बेटा इसलिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है क्लियरली बोल दिया बेटा ठीक है मालिक अब एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि ले बेटा लड्डू खा आकर यहाँ पे कस्टमर आपके रिलेटेड है और रिलेटेड को फुल आई मिलता है तो बताओ यहाँ पे इसी वैल्यू को फुल वैल्यू मानने या क्या करने का ऐसा पूछेगा क्या क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा क्या आपने मोबाइल सप्लाई किया क्या, क्या सप्लाई किया बेटा मोबाइल आपका डिस्टिंग पर्सन कहा है गोवा बेटा कहा है भाई गोवा और वहाँ पर वो फ्री सैंपल की तरफ बांट रहा है बेटा

है जो फ्री सैम्पल बांट और फ्री सिंपल बांटता तो सेवनटीन फाइव एच क्रेडिट नहीं मिलता बेटा उसको तो ऐसे केस में वहाँ उसको फुल आई नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में यहाँ पर रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा कर, और वन लेख विल बी द वैल्यू बेटा और आपका टर्न का अगर कैलकुलेशन करो तो उसमें वन लेख इंक्लूड होगा सर और अगर आपके उस रेसिपेंट को पूरा क्रेडिट मिलता अगर तो वन रुपयी ही वैल्यू सप्लाई वही वन रुपये टर्न का पार्ट होता है बेटा टर्न भी वन रुपयी माना जाता है बेटा आपका क्लियर पक्का डन ठीक है सर अच्छा मैंने एक दिया समझ में आया ना बट आपको क्लियर क्लियर देखो मैं कोशिश कर रहा कि आपके वो सारे यू नो पॉइंट्स करता जिस, जिस के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं और गलती होने चांस होता है या, सोचना पड़ जाता अपने को में। सोचना नहीं पड़े आंसर आता जाएगा अरे, अरे, okay, okay, okay. आपका रूल नंबर ट्वेंटी में एजेंट को सप्लाई किया और वो सप्लाई के में अगर आ रहा है तो या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई के और सप्लाई के स्को में तो गुड्स को आगे वही वैल्यू सप्लाई हो गया बेटा हाँ ना भाई और इससे अगर वैल्यू नहीं आती है तो रूल नंबर थर्टी और थर्टी वन शेल बी फॉलोड इन सिक्वेंस ये था ट्वेंटी थर्टी, थर्टी वन ऑलरेडी बात कर चुका थर्टी वन ए लॉटरी बेटिंग और गैमलिंग बैटिंग गेमलिंग इंक्लूडिंग हॉर्स रेसिंग बेटा सर पे जो बैट वैल्यू आपने लगा ना बेटा शर्त एक लाख रुपए का लाख इज द वैल्यू बेटा पर लॉटरी टिकट इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट डिवाइड बाय 128 ट्वेंटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉटरी ऑर्गेनाइज करी है, उसने जो अपने ऑफिशियल गजट में प्राइस डिक्लेयर किया उस लॉटरी टिकट का डिवाइड बाई वन टी एट इंटू हंड्रेड क्लियर विचअरीज दोनों को कंपेयर करेंगे

कस्टमर को दी उसको कंपेयर करना किससे आर 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 मूवी की बात नहीं कर रहा हूं आरबीआई रेफरेंस रेट से कंपेयर करना जो डिफरेंस होगा बी वैल्यू सप्लाई और अगर किसी करेंसी का आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो सर ऐसे केस में दोनों सर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं तो ग्रोस अमाउंट एक्सचेंज इन आई का वन परसेंट कितना बेटा One percent shall be the value of supply और लग जाएगा बेटा पर अगर सर मान लो आपने डॉलर डॉलर दिया दिया पाउंड पाउंड लिया तो क्या दोनों करंसी का आर 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 यूज करके आई एन आर में कन्वर्ट करेंगे दोनों में जो कम आएगा एवर इज लोअर उसका वन परसेंट से वैल्यू ऑफ सप्लाई ठीक है अब इसमें भी एक और ऑप्शन दे रखा है सर स्लेब वाला ऑप्शन बेटा ऑथराइज मनी चेंजर को बोल दिया कि तेरे पास चॉइस है तुम चाहे तो ये ऑप्शन ले सकते हो और, और अगर ये ऑप्शन लिया ऑप्शन स्कीम लिया तो मिड ऑफ द फिनेंस में इसको चेंज नहीं कर पाओगे ऑप्शन स्कीम क्या इफ द ग्रोस अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर एन आर इज अपू रुपीज वन लेख इज अपू रुपीस वन लेख तो वन लेख का वन परसेंट सेल्वी वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा पर मिनिमम टू फिफ्टी वन लेख क्या तो वन लेख पे तो वन थाउजेंड नहीं बेटा क्लियर और वन लेख सुपर जितना भी क्या उसका पॉइंट पर वो भी अपू टेन लेख बेटा

एयर ट्रेवल एजेंट्स सर डोमेस्टिक फ्लाइट केस में फाइव परसेंट ऑफ द बेसिक फेयर और इंटरनेशनल के केस में टेन परसेंट ऑफ द बेसिक फेयर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई सर आइए लाइफ इंश्योरेंस बेटा लाइफ इंश्योरेंस में अगर पॉलिसी जो है वो प्योरली रिस्क कवर की किसकी बेटा इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस स्कीम नहीं है तो प्योरली रिस्क कवर की ग्रोस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा उस पर लग जाएगा जीएसटी पर अगर पॉलिसी जो है इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस स्कीम है सेविंग कम इंश्योरेंस स्कीम है तो ऐसे केस में अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी क्या बेटा

इफ ध्यान देना यहाँ गलती होने के चांस होते हैं बेटा ध्यान से सुनिएगा <laughs> सर सेकेंड हेंड कार बेचता बेटा मैं वॉशिंग मशीन सर मोबाइल फोन की दुकान तो देखी होगी सर अपने। नहीं बेटा तो मेट्रो से चुराया बेटा सर अब समझना बात को ध्यान से मान लो सेकेंड हेंड गुड्स में बेचता हूं बेटा सर अब सेकेंड हेंड गुड्स जब मैं बेचता हूं तो मेरे को चोइस दी या तो नॉर्मल सेल प्राइस में नॉर्मल टैक्स पे कर परचेस टैक्स पे कर उसका क्रेडिट ले मस्त रहे या फिर सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस जो आपका मार्जिन है क्या बोला सर जल्दी बोलो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस जो आपका मार्जिन है केवल उस पर टैक्स पे कर देना उसकी परचेज प्राइस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है पर कंडीशन क्या है उस गुड्स के परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा पर केवल उसी गुड्स के परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी नहीं मिलता है बाकी सारे इनपुट का आईटीसी मिलता है सारी कॉस्ट थोड़ी लेस करिए आपसे अदर कॉस्ट के परचेज पे अगर जीएसटी पे किया होगा तो सब उसका आईटीसी तो आपको मिलेगा रूल नंबर एक दो बात और देता हूं मैं आपको अगर कभी भी गुड्स आपने लॉस बेचा किसे बेचा बेटा

और उस गुड से परचेज में जीएसटी पे उसका आईटीसी नहीं मिलता बाकी सबका आईटीसी मिलता कोई तकलीफ वाली बात नहीं है यस या नो और पूरे में क्या बोला सर हाँ ये रखना, क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून बाकी होमवर्क ठीक है सर क्लियर पर कष्ट में ऐसा नहीं होता है अच्छा एक बात ये क्वार्टर का मीनिंग जो मैंने बताया वो पूरे जीएसटी बोला मैंने बोली वो आई में क्वार्टर रेफर हो या कहीं भी क्वार्टर रेफर हो उसका मतलब यही है बेटा ठीक है पर कस्टम में ऐसा नहीं होता है कस्टम के अंदर डेट टू डेट बर्थडे होता है ना बर्थडे क्या सबके बर्थडे थर्टी फर्स्ट uh, थर्टी फर्स्ट मार्च खत्म हो जाता है क्या बेटा नहीं सर बर्थडे डेट टू डेट चलता है जैसे किसी का बर्थडे कब था बेटा फोर्टीन फेब बेटा प्यार की निशानी सॉरी सर बर्थडे फोर्टीन फेब बेटा तो एक साल का पूरा होगा बेटा थर्टीन फाइव को खत्म होगा बेटा ऐसा नहीं कि सर यह एक क्वार्टर कब खत्म होगा सर थर्टीन मार्च अप्रैल मई थर्टीन मई को खत्म होगा बेटा ऐसा नहीं थर्टी फर्स्ट मार्च को एक क्वार्टर खत्म हो जाएगा पर जीएसटी होता तो थर्टी फर्स्ट मार्च को एक क्वार्टर खत्म बेटा हाँ ना भाई ध्यान रखना है बाद, बाद ओके सर ये हो गया क्या वैल्यूएशन का रूल नंबर थर्टी टू खत्म रूल नंबर थर्टी टू सब नंबर सिक्स बोलता है क्या वाउचर केस में जितनी वैल्यू की गुड्स या सर्विस आपने रिडीम करी है क्लियर जो वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफिसर बहुत रिडिंग है वही वैल्यू ऑफ वाउचर होता है बेटा क्लियर रूल नंबर थर्टी टू सेवन का नहीं नोटिफिकेशन आया नहीं थर्टी थ्री में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्लियर थर्टी फोर बोलता है क्या सर अगर कभी भी रेट ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे तो सर गुड्स के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा होगा बेटा सीबीआई वाला क्लियर सर्विसेज में जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज आता है वो लेने का बेटा पर किस दिन का जिस दिन टाइम सप्लाई था उस दिन का बेटा हाँ ना भाई ठीक सर रूल नंबर थर्टी फाइव बोलता है क्या इंक्लूसिव टैक्स क्या होता सर अगर हमने जो फीस लिया वो इंक्लूसिव टैक्स अगर है तो उसमें से टैक्स का का से निकालने का, जो आएगा विल बी द वैल्यू बेटा है ना सर कोई खास बात नहीं हटाओ ये वैल्यूएशन भी खत्म सर इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अभी देखो खत्म होता है सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप ये बताओ आप तो समझ मारा है थक तो नहीं रहे हो बेटा नींद तो नहीं आ रही है चाय मंगा नहीं क्या मंगानी अभी मंगाते बेटा ओके ध्यान सुनना आप दे? अभी अभी आ रही है चाय, चाय मंगाना है ना ओके बोल बोलिए वो रिकॉर्डिंग देख रहे जो भी वो ले आएंगे अभी ओके और जो वीडियो क्लास में बेटा आप लोग चाय पी सकते हो बेटा बहुत सारे लोग तो वीडियो क्लास में देख रहे हैं ना बेटा वो तो ऐसे बैठे पैर ऊपर करके और हाँ हा, हमारा तो चाय चल रही है और कुछ लोग तो पता नहीं क्या सर कुछ लोग तो बोलते हैं पीने से सर मेमोरी बढ़ती है तो हम पी के फिर पढ़ते हैं आपको ऐसा कभी लगता है हाँ वो लोग एक्ट पढ़ रहे हैं अच्छा वो लोग वेट पढ़ रहे हो ओ एल को लेकर भी क्या लगता है बेटा वेट आपको कैसे पता है ये बात अच्छा नॉलेज होना चाहिए ना सर ठीक अच्छा आप बेचते हो क्या बात है अब तो मुंह पे रुमाल बांध के फिर आना पड़ेगा दुकान पे सर <laughs> सर ओके ओके सर इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन नंबर सिक्सटीन अच्छा ब्रेक की जरूरत तो नहीं बेटा आपको वैसे भी लाइफ कई बार ब्रेक दे दी नहीं बेटा सर सेक्शन नंबर सब सेक्शन एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एवरी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ व्हेन दोज आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ दोर्स बिजनेस पुट टू यूज का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है मशीन लाओ क्रेडिट लो बेटा पुट मत करो कोई दिक्कत बात नहीं है ओके सेक्शन सेक्शन सब मिलेगा फर्स्ट क्या है पोजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट कौन से टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्लियर एटसेट्रा रोल नंबर थर्टी सिक्स में बताए कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेटा सर अगर आपने परचेज पे टैक्स इनवॉइस र्चेस किया टैक्स पे किया टैक्स लिया होगा उसका क्रेडिट बेटा रिवर्स चार्ज में, में, में रेस्पेंट खुद लाइबल है सप्लायर अनरजिस्टर्ड है खुद ने खुद पर टैक्स इन्वेस इशू किया होगा बच्चा क्लियर देन रिवाइज टैक्स इन्वेस है हाँ ना भाई सप्लायर रजिस्ट में लाइबल था उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया बेटा विदिन थर्टी डेज बाद में उसने टैक्स इशू किया होगा बेटा विदिन वन मंथ क्लियर रिवाइज टैक्स इनवेस के बेस पे आपको क्रेडिट मिलेगा बेटा डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट मिलता है अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी बिल ऑफ एंट्री असेस कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री पे जो आईजीएसटी लगा होगा उसका क्रेडिट आपको मिलेगा एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के इनवॉइस और डेबिट नोट के बेस पे आपको आईटीसी मिलता है है हाँ ना भाई क्लियर हटा सर आइए बात कर सुनते हम सेक्शन नंबर सिक्सटीन सबसेकेंड कंडीशन भाई क्रेडिट मिलेगा तो है पर सप्लायर ने अपना हाँ बोलो सप्लायर ने अपना जीएसटीआर आर वन

वहां पे क्रेडिट कौन सी आएगी कौन सी रिफ्लेक्ट होगी सर सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर टू क्लोज नंबर बी ए कौन सी क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगी कहां पर इन एलिजिबल या रेस्ट्रिक्टेड रजिस्ट्रिक्टेड कॉलम में बेटा सुना ध्यान से अगर सप्लायर ने अपना जीएसटर वन तो फाइल किया पर सेक्शन नंबर सिक्सटीन सब सेक्शन फोर का टाइम लिमिट निकलने के बाद उसने जीएसटर वन फाइल किया तो हमारे जीएसटर टू बी में क्रेडिट आ तो रही है पर सर

अब ऐसे मत देखो मैं वो भाई नहीं तो <laughs> सर कोई बात नहीं तेरी दुकान पर जाऊंगा पेट साफ सही हो जाएगा सर <laughs> सारा दर्द मिट जाता तेरी दुकान पर के बाद भाई क्या बात कर रहा है पॉइंट ये कि सर सेकंड एग्जाम्पल मान लो मैं कहूं बेटा अभी बेटा अपन कहा भाई मुंबई मुंबई बेटा भूल गए कि आप कहा बोरीवली में है ना अभी हम मुंबई क्लियर मान लो मैं होटल में स्टे किया है वो भी पे था बेटा अब बेटा पढ़ाने बॉम्बे आया तो होटल में कहा रूंगा मैं रुकूंगा ना अहमदाबाद पर रुक के थोड़े आ पे आऊँगा पढ़ाने क्लियर और मैं मान लो जी एस टी में रजिस्टर क्या हूँ बेटा राजस्थान अब होटल वालों ने जो मेरे को बिल लिखा होगा उस पर क्या लिखाया होगा बेटा सी जी एस टी और एस जी एस टी पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा उसका मुंबई महाराष्ट्र बेटा क्लियर सप्लाई बेटा क्लियर मैं राजस्थान में हूं तो सर मेरे को एक रुपये का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा इनफैक्ट सीजीएसटी का भी क्रेडिट नहीं मिलता है अब लोग क्रेडिट लेते थे, थे बेटा पब्लिक तो ले रही थी क्रेडिट बेटा हमने तो टैक्स पे किया है ना सीए <laughs> साहब आप कुछ भी को आपको नहीं बताओ हमने परचेस पे टैक्स पे किया मोदी जी ने क्या है परचेस पे टैक्स पे करो क्रेडिट लो स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से इसकी वजह से तो जीएसटी आया है हम तो क्रेडिट लेंगे लोग ले रहे थे मजे से बेटा अब गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा सिस्टम बना दिया कि ऑटोमेटिक तो क्रेडिट आ जाएगी बेटा इन एलिजिबल आईटी सी हमारे सोसाइटी के अंदर भाई एक टूर ऑपरेटर है तो क्या हो गया हमने टैक्स तो पे किया है ना हाँ भले ही जीएसटी पढ़ाते होंगे पर आपको प्रैक्टिकली पता नहीं है <laughs> तो गवर्नमेंट ने बात समझ ली उनको डायट सॉफ्टवेयर बना दिया बेटा इसको और वो ऑटोमेटिक सेक्शन में सिक्सटीन सब सेक्शन टू क्लॉज में बी ए के अकॉर्डिंग इन एलिजिबल आई टी के कॉलम में चली जाएगी उसका आई नहीं मिलेगा बहुत सारा लोग तो चलो एस का क्रेडिट नहीं मिलेगा सी जी तो हमारी है सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे इंडिया में एक ही है बहुत सारे लोग तो सेंट्रल सी जीएसटी क्रेड लेते थे बेटा कि ठीक है एस जी पे किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो ठीक है राजस्थान गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देगी सब सी जी एस टी लो क्लियर वो भी नहीं मिलेगा ध्यान रखना समझा मेरी बात ठीक है तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए जो रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के कॉलम में आएंगे और उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा क्लियर नेक्स्ट कंडीशन जिस गुड्स और सर्विस और बोथ का आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए यू शुड बी इन बीन दोजिशन ऑफ दी गुड्स और सर्विस और बोथ क्लियर पर अगर मान लो आपने किसी को एडवांस पे किया सर उसने जीएसटी पे कर दिया सर्विस पर आपको सर्विस रिसीव नहीं हुई बेटा तो क्रेडिट बाद में मिलेगा बेटा सेकंड थिंग गुड्स के मान लो आपने पेमेंट तो कर दिया सप्लाई ने सप्लाई भी कर दिया जनवरी में पर गुड्स आपको आएगा फरवरी में बेटा क्रेडिट का मिलेगा बेटा

यहां लिखा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 41 सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 41 और 41 में क्या लिखा भरोसा रखो विश्वास पे दुनिया कायम है और वहां लिख दिया क्या एक बार आप सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्रेडिट ले लो पर अगर आपका विश्वास टूट गया तो हम भी आपको तोड़ देंगे क्रेडिट रिवर्स करवाएंगे

उस रूल नंबर थर्टी ए दे दिया और बोल दिया अगर सप्लायर ने अपना जीएसआर वन फाइल किया क्या फाइल किया भाई या फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके फर्निश के, के, के टूबी में क्रेडिट क्रेडिट उसने ले लिया पर सर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया सप्लायर ने अपना कॉरस्पॉन्डिंग थ्री बी कॉरसपॉडिंग मंथ का थ्री बी फाइल ही नहीं किया कब तक फाइनेंशियल खत्म होने के बाद थर्टी सितंबर तक तो रेसिपेंट अगले दो महीने में क्रेडिट वो रिवर्स कर देना नहीं तो एक दिसंबर से क्या लग जाएगा इंटरेस्ट मतलब रेसि को बोल दिया कि तीस सितंबर तक अगर सप्लायर ने अपना जीएसटा थ्री बी फाइल नहीं किया होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट इनवर्ट सप्लाई जिसके बेस पे आपने क्रेडिट लिया है बेटा तो ऐसे केस में जो अगला तीस नवंबर आ रहा है क्लियर उस दिन या उससे पहले पहले जो भी तू थ्री बी फाइल करेगा उसमें क्रेडिट रिवर्स कर देना नहीं तो बैंड बजा देंगे हम और अगर उसने रिवर्स नहीं किया तो एक दिसंबर से क्या लगेगा बेटा इंटरेस्ट लगेगा ऑन द अमाउंट ऑफ आई टीसी By him, और आपने अवेल करके रखा नहीं तो की बात कभी भी नहीं आएगी क्लियर पक्का और हा दो साल बाद उस सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया दे और रीअलमेंट ऑफ आई के लिए 16, का नहीं होता

लास्ट या लास्ट इंस्ट्रूमेंट आएगी तब क्रेडिट मिलेगा कई बार एक चार पांच मार्ग का था ना, तो इसमें चार बताओ इनका ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा तीन लाख का टोटल टैक्स है तो बहुत सारे लोग गलती से टू थर्ड मतलब दो लाख का क्रेडिट लेके आ जाएंगे गलती मत करना बेटा आप क्लियर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा जब लास्ट लोड आएगा तब आपको आईटीसी मिलेगा अभी आईटीसी नहीं मिलेगा और हाँ दुख की बात यह है कि सप्लायर के एंगल से बात करेगा हम तो फर्स्ट लोड निकलेगा भी उसको टैक्स इनवर्स इश्यू करना पड़ता है तब उसकी लाइब्रेडी आ जाती है और हमको आई का मिलता है बेटा जब हमको लास्ट लोड रिसीव होता तब हमको आईटीसी मिलेगा अभी आईटीसी नहीं मिलेगा ठीक है मालिक सर सेक्शन सब सेक्शन टू प्रोविजो ध्यान देना बेटा इसका क्वेश्चन मुझे इस बार एक्सपेक्टेड है शायद अब शायद तो भाई शायद इसलिए क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है आया तो ठीक है नहीं आया तो भी ठीक है सर पढ़ाऊंगा तो ही ना सर रेसिपेंट क्या बोला सर ये थर्टी सेवन एजाया न बेटा आपको अभी कि सप्लायर ने थर्टी एथ सेप्टेंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो थर्टी एथ नवंबर तक हमको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा ये भी रूल इस बार ही एड हुआ है पर बहुत बहुत टफ नहीं है बहुत कैलकुलेशन वाला नहीं है इसलिए पर अमेंडमेंट तो ही है बेटा इस बार हो सकता है आ जाए तो आ जाए ठीक तो है पर अपन सारी चीज़ें पढ़ रहे वैसे भी हाँ मेरे को सेकंड प्रोवाइजर जो है इसका एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन अब आया तो ठीक है नहीं आया तो भी ठीक है हाँ अब ये क्या बोलता है सर सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन टू सेकंड बोलता है इफ़ द रेसिपेंट अच्छा एक बात और जो मैंने बोला ना मुझे एक्सपेक्टेड है इसकी कोई गारंटी नहीं है ना <laughs> कोई कह रहे हैं आप सब सीरियस हो गए अरे <laughs> हो सकता है आ जाए हो सकता नहीं है इंटन सर और कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके पीछे की कोई बैकग्राउंड नहीं है कि ये सोच के बोल रहा हूँ मैं ऐसा मेरे को लगा आना चाहिए आ जाएगा क्लियर सेक्शन क्योंकि इसमें छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है तो अमेंडमेंट क्या कई बार नजर आती है जो पेपर बनाता है ना सर उसी नजर अमेंडमेंट में जाती है और ये अच्छा सेक्शन है इसलिए आ सकता है और इस बार कोई खास अमेंडमेंट नहीं है है ना इस बार कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है तो ठीक है छोटा छोटा सेक्शन जो इंपोर्टेंट हुआ उसका आ जाएगा क्वेश्चन सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम का सेक्शन है इसलिए बात कर रहा हूं मैं आपसे सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन टू क्लॉज सेकंड बोलता है कि इफ द रेसिपेंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द इफ दिसरिपेंट विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ तो ऐसे केस में उस उस को सर जिस महीने महीने में एक 180 दिन एक्सपायर हो रहे थ्री बी फाइल करते वक्त वो रिवर्स करनी पड़ेगी जितना आई टीसी ने लिया है उस इनवर्स की बेस पे हाँ, पर पूरा आई टीसी रिवर्स नहीं करना जितना प्रोपोशनेट पेमेंट उसने फेल हुआ करने में उतना ही प्रपोर्सनेट उसको आई टीसी रिवर्स करना है टेन लैख प्लस जीएसटी इलेवन लैख एटी थाउजेंड का बिल था आपने फाइव सिक्सटी पे कर दिया तो कितना पे नहीं किया

तो सर ये था सेक्शन सिक्स टू सेवन एंड हमने पूरा पोल लिया पॉइंट ठीक है कोई खास बात नहीं है कोई टफ बात नहीं है सर ठीक है क्लेरिटी के लिए इसमें अमेंडमेंट क्लेरिटिकली बोला था कि सेक्शन नंबर सब सेक्शन टू के सेकंड प्रोवाइजर में क्लेरिटी के लिए वो प्रोपोर्शनल वाला वर्ड इस बार एड किया बेटा रूल में वैसे भी लिखा हुआ था सर और डे वन से हम प्रपोशन ही रिवर्स करते थे ये आप सबने भी पढ़ा होगा सर हाँ सर हाँ सर एक अच्छा पॉइंट इनका सर अगर मैं सप्लायर हूं आप रेसिपेंट हो अपना क्रेडिट पीरियड एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही क्रेडिट पीरियड एक साल का है बेटा तो क्या आपने अगर एक साल तक मुझे पेमेंट नहीं किया मतलब वन एटीड डेज तो एक्सपायर हो ही होगा बेटा ऑब्वियसली आपने पेमेंट नहीं किया होगा तो डिड यू फेल्ड टू मेक पेमेंट टू सप्लायर आंसर इज नो यहां पे कोई रिवर्सल नहीं होगा हाँ एक साल जिस दिन एक्सपायर हो रहा है उस दिन तक पेमेंट कर देना भाई

अगर क्रेडिट रिवर्सल की बात आती है तो जिस दिन आपने क्रेडिट यूज किया था उस महीने की रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विचर वहां से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा बेटा आपका ठीक है वो तो हर केस में बेटा ओके मालिक सर यहां तक बात समझे क्या आप पक्का ये सेक्शन में सिक्सटीन सब सेक्शन टू खत्म होता है अब सब सेक्शन थ्री बोलता है क्या सर अगर कोई कैपिटल गुड्स ने पचेज किया प्लांट और मशीनरी परचेज किया उसके परचेज पे जीएसटी पे किया उस जीएसटी वाले पोर्शन का भी आपने डेप्रिसन क्लेम कर लिया है गलती करते छोटे बच्चे सर छोटा सा गलती होता है यहाँ पे सर आप मशीन की वैल्यू थी दस करोड़ की जीएसटी था एक करोड़ रुपए मान लो उस पे सर आप दस करोड़ का डेप्रेशन लो हमें को तकलीफ नहीं है एक करोड़ का डेप्रिशन ले लिया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा तो एक करोड़ के डेप्रिशन क्लेम नहीं करने का तो क्रेडिट मिलेगा दस करोड़ का कर आप डेप्रिश क्लेम करो हमें दिक्कत नहीं है पूरी वैल्यू पूरे इलेवन करोड़ का अगर आपने ले लिया तो नहीं लो बेटा जीएसटी का क्रेडिट मत लेना आप लास्ट पॉइंट सेक्शन सेक्शन सब बोलता है टाइम लिमिट टू अवेल द क्रेडिट ये अवेलमेंट की टाइम लिमिट है बेटा यूज करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है आईटीसी अवेल करने का टाइम कितना बेटा जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो टैक्स इनवॉइस था या जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो डेबिट नोट था वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप क्रेडिट ले सकते हो उसके बाद भी कब तक ले सकते हो सर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद थर्टी एथ एनुअल रिटर्न एवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो उसके बाद क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे अच्छा थर्टी एथ नवंबर का मतलब क्या बेटा नहीं तीस नवंबर ही है गंदना देन इसका मतलब यह कि तीस नवंबर तक जो भी रिटर्न हमने फाइल किया है उसमें क्रेडिट ले लेना बेटा नवंबर महीने का रिटर्न नहीं है इसके अंदर नवंबर महीने का रिटर्न कब फाइल करते बेटा दिसंबर में पहले इस तरह का इंटरप्रेशन इशू हुए थे कुछ बेटा जिसमें क्लियरिटी आ गई अभी और बोले तीस नवंबर मतलब तीस नवंबर ही है नवंबर महीने का रिटर्न नहीं है क्लियर तो जैसे सितंबर का रिटर्न फाइल कर रहे हो आप अक्टूबर का रिटर्न फाइल कर रहे हो तीस नवंबर या उससे पहले थ्री बी के अंदर आप क्रेडिट ले लेना बाद में क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा तो जहां पर भी पूरे एक्ट में थर्टीथ नवंबर है ना बेटा उसका मीनिंग यही है बच्चे हाँ सर सर आपको जरूरत है थर्टी सेवन है सर सर नहीं वो टू बी के अंदर नहीं दिख रहा है बेटा आपको मैन्युअली रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट वाला आप आप तो क्रेडिट एलिजिबल क्रेडिट था बेटा आपका आपने तो एलिजिबल क्रेडिट लेके क्रेडिट ले लिया बेटा आपने तो समझे मेरी बात आपके टू बी में भी आ गया वो तो सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया रूल नंबर थर्टी सेवन ए बोलता है क्या सप्लायर ने अगर कर थ्री बी फाइल नहीं किया होगा तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा मैन्युली था रूल आपका जीएसटी एस्ट थ्री बी के अंदर थ्री बी के अंदर मैन्युअली आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा सर तो उसका होस्ता है कुछ सॉफ्टवेयर आपको अभी पोर्टल पर अलाउ करेगा कुछ ना कुछ तो इस पर क्लियर सप्लायर ने थ्री बी फाइल किया कि नहीं किया उसका होस्ता है पोर्टल में कुछ ना कुछ यूटिलिटी दी होगी सर ओके बेटा यस यस जी टू टू बी बी ना हो पाएगा क्योंकि तो तीस नवंबर को अगर उसने जीएसटर वन फाइल किया

रजिस्टर्ड पर्सन ने आपको इन्वॉइस दिया है अगर ही इज इफ इज नॉट फाउंड टू बी इन एक्जिस्टेंस डमी कंपनी थी बेटा या फिर ही वॉज कैरिंग ऑन द बिजनेस फ्रॉम अ प्लेस अदर दिन द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस क्लियर या फिर उसने केवल बिल दिया आपने गुड्स ऑफ ऑफिस बहुत रिसीव ही नहीं किया या फिर रेसिपेंट जो क्रेडिट ले रहा है उसने केवल सर उसने जो बिल लिया है उस बिल के बेस पर पे क्रेट लिया विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स ऑफ ऑफिस बहुत या फिर उसके पास वो बिल ही नहीं है टैक्स इन्वॉइस ही, ही इन दी पोजिशन उसके पास नहीं है सर एंड रेसिपेंट जो खुद है

पिछले दो सालों में आपके डायरेक्टर ने एटलीस्ट दो डायरेक्टर ने पार्टनर ने या खुद ओनर जो था उसने खुद ने पिछले दो सालों में मोर देन वन लाख रुपये इनकम टैक्स पे किया हुआ है या फिर पिछले साल में उसने जीरो लीटर सप्लाई के केस में एटलीस्ट आई टी सी का उसने रिफंड लिया एटलीस्ट वन वन लाख वन का बेटा एक्सीडिंग वन लाख बेटा या फिर उसने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मोर देन रुपीज वन लेख का रिफंड लिया हुआ है सब या फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी वगैरह या पी एस सी वगैरह है बेटा हाँ है ना भाई क्लियर खत्म बचो या फिर एक बात और उसने जैसे अभी मंथ कौन सा चल रहा है बेटा

वो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन में लिखा ना सर अगर इफ यू वॉलेट द दंडीशन ऑफ रूल नंबर बी बेटा यही था ओके ठीक है सर okay, सर आइए सेक्शन नंबर ओ भाई ब्लॉक क्या सर हम सेक्शन नंबर सेवनटीन सब सेक्शन नंबर नॉट एनीथिंग कंटेन सेक्शन नंबर और सर सिक्सटीन वन या एटीन वन में क्या लिखा वी डोंट केयर फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्लोज नंबर ए बोलता है क्या मोटर व्हीकल्स मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स है ना बेटा आवाज से ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स मतलब क्या है गुड्स कन्वेंस का मना नहीं किया बेटा ट्रक खरीदी आपने लोडिंग ऑटो परचेज किया कोई क्रेडिट रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप आईटीसी लीजिए अगर अपने बिजनेस लिया तो बेटा ऑब्वियसली ट्रक कोई घर के लिए ले लेगा नहीं बेटा सर आई मिलेगा समझे मेरी बात ओके सर अब

वो भी तो फर्दर सप्लाई है और सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म सप्लाई सच एज सेल एक्सचेंज बाइसेंस रेंटल हा है ना भाई ठीक सर सेकेंड सर, सर ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर की सर्विस आप प्रोवाइड करते हो और थर्ड सर इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग द मोटर व्हीकल्स तो ऐसे केस में आपको मिल जाएगा वरना आईटीसी कभी भी नहीं मिलेगा और हा बस नहीं मिलेगा समझे क्लियर मतलब वहां इमोशनल कर देना क्वेश्चन आपको रोना मत बेटा क्यों नहीं नहीं यहाँ तो मिलना ही चाहिए क्लियर हैश टैग वाइफ ठीक है सर नो no क्रेडिट बात कर बेटा कह दिया ना बस कह दिया सर सेक्शन नंबर सेवन ये रिकॉर्डिंग देख मत लेना तुम सर सेक्शन नंबर सेवनटीन फाइव क्लोज नंबर डबल है भाई वैसल और एयरक्राफ्ट क्या बोला सर कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा सर एक्सेप्ट इफ दो इन फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और सेकंड यही तीनों पंजोपुर मैंने बताया बेटा आपको क्लियर कि फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर वहीक वैसल एयरक्राफ्ट करते हो आप या ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर की सर्विस देते हो आप या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो नेविगेटिंग द वैसे के लिए या फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हो बेटा उसके लिए आपने एयरक्राफ्ट वैसल खरीदा तो क्रेडिट मिल जाएगा वरना क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा क्लियर और हाँ जिन वेसल एयरक्राफ्ट और व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता उसका अगर आपने रिपेयर मेंटेनेंस कराया उसका सर्विसिंग कराया उसका इंश्योरेंस कराया क्लियर तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा या आपने किराया पर लिया हायरिंग पे लिया रेंटिंग पे लिया तो भी क्रेडिट नहीं मिलता

Beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic or plastic surgery services, hiring, renting or leasing of motor vehicle, vessel or aircraft covered in clause number A or double A. Clear and. हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इनका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दो मिनट दो मिनट जल्दी करना एक्सेप्ट सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई वाज टेकन टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटपुट सप्लाई और एज अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई तो क्रेडिट मिल जाएगा अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा सेकेंड अ क्लब हेल्थ क्लब हेल्थ और फिटनेस सेंटर बेटा क्लियर एंड थर्ड ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वैकेशन सच एज होम और लीव ट्रैवल कंसेशन तो क्रेडिट नहीं मिलता पर इन तीनों के लिए कॉमन एक्सेप्शन है क्या अगर आपने ये इन्वर्ट अप्लाई ली थी क्यों किसी लोन ने ऑब्लिकेटरी किया था बेटा आपको उसकी वजह से अगर आपने अप्लाई लिया तो क्रेडिट मिल जाएगा क्रेडिट नहीं मिलेगा और जब तक क्वेश्चन नहीं बोले समझना कि लोन ने ऑब्लिकेटरी नहीं किया है ओके मालिक ठीक ये सेक्शन नंबर सेवनटी सब सेक्शन फाइव क्लोज नंबर बी कदम होता है क्लोज नंबर सी और डी अब दिल थाम के सुनिएगा कंस्ट्रक्शन सर्विस और वक्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा अगर मैंने इस क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन करवाया रिपेयर इनोवेशन कराया मॉडलिंग कराया क्लियर एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा अच्छा रिपेयरिंग की बात रिपेयरिंग के केस में अगर रेवेन्यूचर का रिपेयरिंग होता है तो क्रेडिट मिल जाता है कैपिटलाइज किया है तो क्रेडिट नहीं मिलता अभी रिपेयरिंग दो मिनट बाद में बता दूप से सर मैंने अपने लिए क्लासरूम बनवाया बिल्डिंग बनाया है ऑफिस के लिए फैक्ट्री के लिए तो भी क्रेडिट नहीं मिलता है नो आई टी सी शेल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द गुड्स और सर्विसेज विच आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट वेन आई एम प्रोवाइडिंग एक्सेप्ट एक्सेप्टेन आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू समबड़ी एल्स मतलब कंस्ट्रक्शन सर्विस या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैंने अगर आपसे सब सर्विसेज सर्विस ली सीमेंट स्टील लिया तो क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा अदरवाइज जिसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं उसका जो मैंने बिल दिया होगा वो भले उस बिल्डिंग को अपने फैक्ट्री तरह यूज करे या ऑफिस तरह यूज करे वी डोंट केयर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट प्लांट और मशीनरी मतलब प्लांट और मशीनरी का मैंने इंस्टॉलेशन किया इरेक्शन किया कमिश्निंग किया सर तो उसके लिए जो वक्स कॉन्ट्रेक्टर सर्विस काम सीमेंट स्टील है इस का उसके फाउंडेशन बनाया स्ट्रक्चर सपोर्ट बनाया बेटा उन सब टीसी मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं बट प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन एक्सक्लूस लैंड और बिल्डिंग लैंड और बिल्डिंग टेलीकॉम टावर्स एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रिमाइस क्रेडिट नहीं मिलेगा ओके मालिक क्लियर डन सर आइए अच्छा एक बात और वक्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया था बच्चा हाँ ना भाई क्लियर पक्का ठीक सर आई टी वाला पॉइंट समझ में आया बेटा आपको ये कोई डाउट कनेक्टिविटी में कोई डाउट है क्या इसमें या हो गया क्लियर पक्का चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम सर अगर मैंने कोई ऐसा इन्वर्ट सप्लाई लिया है सर जिस पे टैक्स जो पे हुआ कंपोजिशन में पे हुआ हुआ बेटा मतलब मैंने सप्लाई किससे लिया बेटा कंपोजिशन सप्लायर से तो मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा और वैसे भी वो बिलो सप्लाई इशू करेगा मेरे को टैक्स मिल्स इशू कर ही नहीं सकता है सर हाँ ना भाई कोई आईटीसी नहीं मिलेगा सर नेक्स्ट अगर कोई गुड्स सर्विस मैंने परचेज किया फॉर माई पर्सनल कंजम्पशन तो क्रेडिट नहीं मिलेगा हा ना बेटा नेक्स्ट अगर एनआरटीपी कौन है बेटा

टैक्स आपने इस पर्सन ऑफ सेक्शन में वन टन टू नाइन थ्री जीरो लिखना पड़ता है आपको क्या नो आई टी डेबिट नोट ये लिखना पड़ता है, आपको. हाँ है ना भाई? और उस डेबिट नोट के बेस में क्रेडिट नहीं मिलेगा क्लियर डन ये सेक्शन में सेवेंटी फाइव गॉन क्लियर समझा कि गया आवाज बेटा डन uh, वन, वन, फ्री. फ्री है क्या बेटा रिवर्स करना है क्या बेटा नहीं फ्री सैंपल अगर दिए वो दवाई याद है डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स को सॉरी सर वो फ्री सैंपल में सप्लाई नहीं है वो बेटा सप्लाई नहीं तो वो जीएसटी का भी पे भी रिवर्स करना पड़ता है याद आया फोर्टी टू फोर्टी पढ़ ली क्या आवाज यार, लो। सर आई एम अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर टैक्सेबल पर कुछ गुड्स कुछ सर्विस क्या है एग्जिम भी है कुछ गुड्स और सर्विस क्या है बेटा एग्जिम भी है <coughs> पंचायती 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 सर अगर मेरे आउटवर्ड सप्लाईज क्या है इफ माई आउटवर्ड सप्लाईज आर टैक्सेबल तो ऐसे केस में सर इफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आर टैक्सेबल मेरे को आईटीसी टी सी मिलता है एग्जिम तो मेरे को आईटीसी नहीं मिलता है पर दोनों ग्रे तो क्या होगा सर जितना टैक्सीबल में काम है उसका क्रेडिट मिलेगा जितना में काम है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा अब कितना किस में काम है पता कैसे बढ़ेगा उसके लिए टू नंबर फोर्टी और फोर्टी टू किसके लिए बेटा इनपुट्स और इनपुट सर्विस के लिए फोर्टी थ्री किस लिए बेटा कैपिटल गुड्स के लिए पहले कौन सा पढ़ेंगे सर 42 सर मान लो इनपुट्स और इनपुट सर्विस अभी कौन सा मंथ है बेटा सितंबर सितंबर मंथ में आपने कुछ इनपुट्स और इनपुट सर्विस परचेस किए उनके परचेस पे जीएसटी पे क्या सब मिला के जीएसटर मान लो सेवेंटी लाख रुपए कितना था बेटा सेवन जीरो सेवेंटी लाख रुपीज क्लियर ये सारे इनपुट्स है बेटा जो आपके जीएसआर टू बी में आ रहे हैं कहां है बेटा जीएसटर टू बी के अंदर आ रहे हैं अब इसमें कुछ इनपुट कुछ इनपुट सर्विस सेवनटी फाइव में कवर थे कुछ ज्यादा है बेटा अभी पांच मिनट पहले क्या रहा था, था सर क्या करने का अरे लेने का क्रेडिट क्या अरे हटाओ लेने का ही नहीं सर क्लियर कुछ इनपुट कुछ इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस परपज के लिए काम आए क्रेडिट नॉन बिजनेस पर्पज के लिए काम आए बिजनेस घर के लिए घर के लिए, लिए कुछ सामान खरीदा जीएसटी नंबर दे क्या आया दुकान वाले को क्रेडिट मिलेगा बेटा नहीं एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए काम आया क्रेडिट नहीं मिलेगा हटाओ उसको भी साहब कुछ इनपुट इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली में काम आया जब पता है साहब तो क्रेडिट नहीं मिलेगा हटाओ पर हाँ, zero rated supply. क्या बोला सर भले वो मान लो ये बेटा बेटा इसको मैंने अगर एक्सपोर्ट किया या को किया तो इट विल बी ट्रीटेड एज इज द तो सर इसके अंदर काम इनपुटीसी का मिलता है बेटा हाँ ना भाई तो सर एग्जाम सप्लाई हटाया बेटा पर एग्जाम एक्सेप्ट जीरोटेड वाला बेटा हाँ ना भाई अब जो बच गया अब मान लो कुछ इनपुट कुछ इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम आया किसमें काम आया मालिक क्या करने का पूरा पूरा आई ले लो हाँ ना भाई अब जो बच गया वो क्या है कॉमन क्रेड अब वो डिफाइन डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि सर वो किसमें काम आया इसलिए उसको बोलते क्या सी टू क्या बोलते सर सी <laughs> टू नहीं बेटा है ना क्या बोलते सर इतना प्यार से मत बोला बेटा कि यार स्वीट किया जाए बेटा सर अब सर वो कॉमन क्रेड था लेख काेंगे थर्टी लेख तो, तो पूरा क्रेडिट ले लीजिए बेटा कॉमन क्रेडिट भी पूरा ले लो अब ये एफ करना पड़ेगा सर तो सर जन अभी से चल रहा है बेटा तो सितंबर महीने का एक्सम टर्न ओवर डिवाइडल टर्न ओवर मटीर थर्टी बेटा क्लियर जो अमाउंट आएगा वो क्या करेंगे बेटा बेटा वो था मतलब उतना रिवर्स करना प्लस अगर कोई अगर कोई इनपुट और इनपुट सर्विस कॉमनली बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए काम अगर आया है तो सी तो टू था ना सी टू थर्टी लेख उसका फाइव परसेंट करना बेटा वो भी रिवर्स करना है उसको बोलते डी टू बेटा Clear? तो सर मान लो अब क्वेश्चन अगर साइलेंट है इसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप जरूर आइएगा कि आपने क्या एज्यूम किया है कि कोई इनपुट इनपुट सर्विस कॉमनली बिजनेस बिजनेस और नॉन काम आया कि नहीं आया अगर नहीं आया तो कोई का नहीं, जरूरत नहीं पर नोट जरूर और अगर आप 5 रिवर्स करते हो तो नोट जरूर कि ये काम आया है तो फाइव परसेंट थर्टी लेकर फाइव परसेंट क्या हो ऐसा कंफ्यूज करो यार अरे वन पॉइंट फाइव है सर हा ना भाई वन पॉइंट फाइव लेख क्या होगा बेटा डी टू का अमाउंट हो गया बेटा डी वन प्लस डी टू इतना जो वो क्या करना पड़ेगा आपको रिवर्स करना पड़ेगा तो एक तरह से थर्टी लेख का कॉमन क्रेड था उसमें से डी वन प्लस डी टू का जो अमाउंट आया नेट जो अमाउंट आया वो नेट एलिजिबल आई टीसी हो गया आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट बेटा हा ना बेटा और जो एक्सक्लूसिवली टैक्स में काम आता है तो उसका क्रेडिट आपने ले लिया था बेटा हाँ ना भाई क्लियर ये रूल फोर्टी टू खत्म होता है अब कोई खास बात अच्छा अब ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा ना बेटा ये तो हर महीने के बेस आप कैलकुलेशन करेंगे फिर जब फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली खत्म होगा जब एक्चुअली खत्म होगा एनुअल टर्न ओर लेके क्या लेके सर एनुअल टर्न लेके कॉमन क्रेडिट जो था उसका e करके देखेंगे अगर कुछ प्लस माइनस होगा तो एडजस्टेडोर रिटर्न फॉर दंथ सेप्टेंबर मंथ याद है ना यहाँ तीस नवंबर नहीं हुआ दिसर लिखा है अरे क्लियर पक्का क्या लिखा है बेटा सेप्टेंबर महीने का रिटर्न फाइल करने से पहले आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मतलब अगर आपने एक्सेस क्रेड रिवर्स अगर आपने कम रिवर्स किया देख रिवर्स पे द टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल खत्म होने के बाद फर्स्ट अप्रैल सर के कैसे पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उसके बेटा क्लियर डन ये रूल रोल फोर्टू पूरा खत्म होता है अब रोल फोर्टी थ्री की बात करता हूं आपसे बेटा फिर वो जो कॉमन पॉइंट है और कुछ बेटा इसके पहले बोल दू कैर पहले बोल देता था मैं आपको वो काम के बेटा है यहां मजा आएगा सर सर पता है एग्जिम टर्न ओवर क्या बोला सर और टोटल टर्न ओवर ये तीन सप्लाईज एग्जिम नहीं है फिर भी एग्जाम मानना है एग्जाम टर्नर में इंक्लूड करना है और एग्जाम में जो इंक्लूड होगा वो टोटल में भी आएगा बेटा सर फर्स्ट सेल ऑफ सिक्योरिटीज क्या बेटा सेल ऑफ सिक्योरिटीज और वहां वन परसेंट ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्या बोला सर वन परसेंट ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज विल बी ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई सेकेंड सर अगर आपने कोई इम्यूल प्रोपर्टी बेची है बिल्डिंग बेटा तो जिस वैल्यू पे आपने स्टेबलिटी पे करी जिस वैल्यू पे आपने

और ये ये जो पॉइंट बता रहा के लिए कॉमन है बेटा ओके okay, मालिक ध्यान देना ठीक है और ये पॉइंट कई बार क्या होता है का जो क्वेश्चन था ना सर, आपका बड़ा वाला उसमें भी कई एक दो जगह पॉइंट डाल देंगे ये वाले पॉइंट्स, ओके okay, बेटा ध्यान रखिएगा ये वाला आई रिपीट ऐसा कोई जिसमें रिवर्स आर्ज लैंड और बिल्डिंग वैल्यू ऑफ स्टैंप ड्यूटी जिस वैल्यू पे स्टैंप ड्यूटी पे कर एंड थर्ड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज वर्सन ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ठीक है मालिक ये एग्जाम में और टोटल में भी काउंट होंगे अब सर धन फॉलोइंग सप्लाईज विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई उसको एग्जाम इंक्लूड नहीं करना है एग्जाम इंक्लूड फर्स्ट सर इंटरेस्ट क्या आपने कभी किसी को लोन दिया है सर लोन देने में क्या मिलता है बेटा इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज एक्सम फ्रॉम जीएसटी इंटरेस्ट इज एक्ज फ्रॉम जीएसटी पर फॉर दर्पज ऑफ रूल फोर्टी टू फोर्टी थ्री उसको एक्साम टर्न में इंक्लूड नहीं करने का पर हाँ टोटल टर्नों में इंक्लूड करने का बेटा एक्जाम में इंक्लूड नहीं करना टोटल में इंक्लूड करना है एक्सेप्ट फॉर अ बैंकिंग कंपनी क्या बोला सर एक्सेप्ट फॉर अ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी उसको एग्जाम इंक्लूड करना बेटा क्योंकि बैंक का मेन रेवेन्यू क्या बेटा ब्याज वो तो इंटरेस्ट कमाने के लिए काम कर रहा है ना सर यार इसलिए उसके एग्जाम टाउन में इंक्लूड करेंगे बाकी के एग्जाम टाउन में इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे सेकंड सर अगर आप ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेटा क्या बेचते हो बेटा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सुना होगा आपने रोड टेप स्कीम वगैरह में ड्यूटी क्रेडिट स्कीम मिलती बेटा वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इज सेलेबल बेटा आपने किसी को बेचा है तो जिसको सेल प्राइस होती है उसमें जीएसटी टेप बेटा फिर भी उसको एग्जाम इंक्लूड नहीं करने का वरना उस एक्सपोर्टर को जिसको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दी थी उसको प्रोपोशन आई टी रिवर्स करना पड़ जाएगा बच्चों अरे क्लियर सर थर्ड थर्ड वैसे काम का नहीं पर बोल देता मैं आपके लिए यह लिखा है इसलिए अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स करो फ्रॉम इंडिया टू तो प्लेस आउटसाइड इंडिया बाय वेसल तो उसको एग्जाम इंक्लूड नहीं करना वैसे भी वो सर्विस क्या होगी बेटा फर्स्ट अक्टूबर तो टैक्सेबल तो, तो, तेक्सेवल तो तेक्सेवल इंक्लूड करेंगे पागल से बात कर बेटा पर हाँ मेगा एक्सिबिशन में तो अमेंडमेंट कर दिया है पर गवर्नमेंट ने डिलीट नहीं किया है पॉइंट पर प्रैक्टिकली काम रहा बेटा अच्छा वैसे भी गवर्नमेंट ने क्या बोला एग्जाम इंक्लूड नहीं करते पहले भी बेटा टेक्स वेल की तरह ही मान रहे थे उसको बच्चों हाई ना भाई ठीक सर ये तीन पॉइंट अच्छा एक बात और लिखी बेटा अगर कोई शेड्यूल थ्री वाला सप्लाई है क्या है सर उसको एग्जाम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस वो तो सप्लाई ही नहीं है रे एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड और साइड ऑफ बिल्डिंग एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग बेटा ना भाई क्लियर जिस वैल्यू पे आपने करी बेटा याद आया बेटा आपको वो एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड होगा बेटा हाँ ना क्लियर ये तीन पॉइंट है बड़े स्पेशल पॉइंट है ये यहाँ पे क्या होता है ये थोड़ा पॉइंट है तो यहाँ क्या है? ध्यान से निकल जाते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के तो मान लो मैं बेटा जीटीए कौन बेटा जीटी मैं जीटीए क्या करता हूँ बेटा मैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करता हूँ बेटा मेरा दूसरा बिजनेस भी है मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं पर मैंने वहां पर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं लिया जीटीए में बेटा तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई लगेगा बेटा तो मेरी अदर सप्लाई टैक्सेबल है और ये सप्लाई भी टैक्सेबल पर इसमें रिवर्स लग रहा है तो समझे मेरी बात किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं बेटा है ना ये तो क्लिक ये करने चाहिए हम क्या करते कई बार इन पॉइंट को पढ़ते रहते पर इसका इंप्लीकेशन क्या हो? वो मेरा काम है आज का बस ये ध्यान रखिए क्लियर ना

हटाओ सर कुछ कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस में काम है क्या करने का हटाओ सर कुछ कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जिम में काम है क्या करें हटाओ सर कुछ कैपिटल गुड्स केवल केवल टैक्स में काम है इक्लूडिंग जरूरी सप्लाई में क्या करेंगे ले लो बेटा जो बच गया वो क्या है वो था मान लो थर्टी लेख रुपये का देंगे थर्टी लेख का क्या करेंगे वो भी एक बार पूरा क्रेडिट ले लो बेटा पर डिवाइड बाय सिक्सटी मंथ याद आया बचा आपको वो थर्टी को डिवाइड बाय सिक्सटी मंथ करेंगे एक एक्सेल शीट तैयार होगी पूरी बेटा क्लियर तो सर फिफ्टी थाउजेंड भी पर मंथ आया बेटा आपका अब मंथ मंथ तक 60 तक हर महीने जो आपका एग्जाम होगा डिवाइड बाय टोटल करके सर जो अमाउंट आएगा हर महीने की आउटपुट टैक्स लाइव में एड करते जाना बेटा कब तक अगले पांच साल तक बेटा सिक्सटी मंथ हा ना भाई अरे क्लियर डन ओके खत्म पर अब एक दो और खत्म हो गई एक्चुअली पर एक दो बातें हो रहा है, है. मान लो अच्छा नहीं मान रहा मान लो अगर कोई कैपिटल गुड्स है सर जो पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आ रहा था किसमें काम आ रहा था सर अब उस मशीन से आप टेक्सीबल सप्लाई बनाने लगे बेटा अच्छा वो गुड्स टैक्सीबल नहीं हुआ बेटा मान लो पेन एग्जाम था बेटा पेन क्या था बेटा जिसके लिए आपने मशीन खरीदी थी बेटा अभी पेन टेक्सीबल नहीं हुआ है

तो उसका फाइव परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द्वार्टर कैलकुलेट करो और उसको उस महीने की आउटपुट एक्स लाइव में एड कर दो अब जो आपने क्रेडिट लिया था बेटा उसको डिवाइड बाय सिक्सटी मंथ करना और ड्यूरिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मतलब तीन साल जो बचेंगे थर्टी सिक्स मंथ तब आप ई एपोन एफ करते जाना बच्चों हाँ ना भाई क्लियर डन कोई खास बात ठीक सर सेकंड केस मान लो कोई मशीन थी जो केवल के किस किसमें कमाती थी बेटा कोई गलत बोला मैंने कोई डाउट सर कोई मशीन नहीं कोई डाउट बोलिएगा मेरे को आप ना कोई मशीन थी जो केवल किसमें काम करती बेटा एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम करती थी काम पर कुछ टाइम बाद मशीन से मैंने यह भी बनाना चालू कर दिया बेटा कॉमन यूज में काम आ रही।, रही है किसमें काम आ रही बेटा अच्छा मैंने कॉमन वाला बता दिया हाँ इसमें यस यस आई रिपीट सर सुनना मेरा पॉइंट क्या है मान लो कोई मशीन थी जिससे मैंने वापस रिपीट करा बेटा कोई मशीन थी जिससे मैंने क्या बनाया था बेटा पेन एग्जाम सप्लाई के लिए काम ले रहा था मशीन तो मैंने कोई क्रेडिट नहीं लिया दो साल बाद मशीन को मैं केवल और केवल इसमें काम ले रहा हूं तो ऐसे केस में एक बार तो पूरा क्रेडिट ले लूंगा सिंस दो साल तक मशीन इसमें काम है इसलिए फाइव परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट क्या कर दूंगा रिवर्स कर दूंगा बस अब तो केवल इसमें काम ले रहा हूं ना यार रिवर्सल क्यों कर रहा मंगल अरे ऐसे नो ठीक सेकेंड केस अगर मशीन पहले इसमें काम आ रही थी अब वो दो साल बाद दोनों में काम आ रही है बेटा कॉमन तो ऐसे केस में एक बार पूरा क्रेडिट ले लो बेटा दो साल तक काम आई फाइव परसेंट पर लेस कर दीजिए e हाँ अरे क्लियर सेम में चलो रिवर्स केस बताता हूं मान लो कि मशीन आपने थी किसके लिए, किस लिए? टैक्सेबल के लिए आपने क्रेडिट सारा ले लिया होगा कुछ टाइम बाद मशीन केवल इसमें काम ले रहे हो तो फाइव परसेंट पर क्वार्टर लेस करना रिमेनिंग पूरा पूरा रिवर्स कर देना पूरा पूरा आउटपुट में एड कर देना क्लियर परचेज बाई मशीन आपने जब मशीन परचेज करी तो केवल इसमें काम आ रही थी बेटा क्या करेंगे सारा क्रेडिट ले लिया होगा बेटा आपने हाँ है ना एक साल बाद मशीन को आप दोनों में काम ले रहे हो बेटा तो क्या करेंगे अच्छा आपने क्रेडिट ले तो ऑलरेडी लिया था बेटा आप कुछ नहीं करने का उसको कॉमन क्रेडिट मैड कर दो बेटा कॉमन क्रेडिम मैड कर दिया डिवाइड बाय सिक्सटी मंथ किया बेटा आपने क्लियर फिर फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या बोला सर एक साल तो ऑलरेडी निकल चुका बेटा अब चार साल बचे लाइफ बेटा तो फोर्टी एट मंथ के लिए क्या बोला सर

हाँ है ना भाई और जितना टाइम कॉमन काम है प्रोपोर्शन रिवर्सल भी हो चुका बेटा कुछ नहीं करने का केवल सर इसका इसके लिए कुछ नहीं करने का बस रिवर्सल करना बंद कर दो बेटा क्लियर लास्ट केस मान लो मशीन दोनों के लिए काम आ रही थी बेटा आपने पूरा क्रेडिट लिया था एक बार डिवाइड बाय सी मंथ किया था एफ करना चालू कर दिया था बेटा अब दो साल बाद मशीन केवल इसमें काम आ रही बेटा तो क्या करेंगे बेटा फाइव परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट दो लेस करने का पूरा अमाउंट जो आएगा बाकी का पूरा क्या कर दो एक साथ आउटपुट एक्स लाइव में एड कर दो भारत माता की जाये बेटा हाँ भाई डन कोई खास बात कोई टफ बात नहीं ये रूल नंबर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोला क्या तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या है सर कि तुम चाहो तो रूल नंबर फोर्टी टू फोर्टी थ्री फॉलो करो और तुम चाहो तो हम तुमको थर्टी एट का ऑप्शन दे रहे हैं वो फॉलो कर लो वो क्या बोलता है बेटा कुछ नहीं सारा क्रेड इनपुट इनपुट सर्विस रिवर्स कर दोड मिला बेटा फिफ्टी फिफ्टी करो दिमाग मत करो पर हां दो चीज ध्यान रखना कि अगर अगर आपसे कोई आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया था जो आपसे डिस्टिंग पर्सन नहीं बिल लिखा था बेटा आपको आपने सर्विस किससे लिया बेटा आपके डिस्टिंग से ही अगर आपने सर्विसेज ली थी तो तो वहां हम 50 परसेंट रिवर्स नहीं करेंगे उसका लीजिए उसको अलग रख दो बेटा अच्छा कोई सर्विस थी या कोई इनपुट ब्लॉक फाइव में कवर कवर था का का था बेटा में उसका तो मिलना ही नहीं मिलना ही चाहिए ना यार उसको हटा देना कोई इनपुट इनपुट गुड्स नॉन बिजनेस मालिक नॉन बिजनेस मिलना चाहिए बेटा हटा दो उसको तो हटा देना नॉन बिजनेस वाला हटा देना इनका बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा डिस्टिंग पर्सन वाला हटा के पूरा क्रेडिट ले लेना बेटा जो बचा हुआ है उसका हंड्रेड परसेंट लेके फिफ्टी परसेंट रिवर्स कर देना हा है ना भाई क्लियर ये आप चाहो तो फोर्टी टू फोर्टी थ्री फॉलो करो हमें कोई दिक्कत नहीं है पर अगर आपने ये वाला ऑप्शन लिया तो ड्यूरिंग द रिमेनिंग लाइफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे चेंज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे ऑप्शन चेंज होगा बेटा है हाँ ना भाई आउट क्लियर डन ये बैंकिंग कंपनी वाला पॉइंट भी खत्म कतम बताया अब क्या क्या डिस्टिंग पर्सन वाले का 100 परसेंट क्रेडिट मिलेगा का, क्योंकि कारण क्या है अगर आपको डिस्टिंग पर्सन की इनवर्ट सप्लाई पे 100 परसेंट क्रेडिट नहीं दे तो आप जानबूझ के बिल एक रुपए के लिए बनवाओगे सर का क्योंकि डिस्टिंग पर्सन को अगर पूरा आईटीसी मिलता है तो वहां पे वैल्यू कुछ भी लिखा कंसर्न नहीं है और खुद की ब्रांच ने सर्विस दी मतलब वो टैक्सीबल आउटवर्ट सप्लाई के लिए दी होगी हंड्रेड परसेंट इज द लॉजिक बैंडेड क्लियर हाँ

सर आपका आउटपुट सप्लाई क्या था बेटा एग्जाम था बेटा क्या था बेटा एग्जाम अच्छा एक बात आपने अगर नोट कर... नहीं नहीं बता दो बाद बताता हूं कनेक्ट करके बताऊंगा अभी अभी नहीं क्योंकि पता है आपको वक्त से पहले और किस्मत ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता ऐसा मेरे पास मेरे को रोज रिलेज होता है सर सर <laughs> 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 फिर मैं सोचता हूँ अपना वक्त आएगा अपना वक्त आएगा फिर मैं अपने आप से ऐसा खुश हो जाता हूँ कि अपना वक्त ही चल रहा है बेटा सर अब सुनना जो है वो यही है बस पॉइंट है मान लो

ऐसा मिक्स करके कंफ्यूज कर दूंगा ठीक <laughs> है आवाज आवाजा चाहिए मान लो मेरा आउटपुट सप्लाई क्या है है जो भी इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा पर एक दिन अचानक एक्सिमिशन विड्रो हो गया माय गुड्स बिकेम टैक्सेबल मैं गुड्स बोल दूंगा गुड्स सर्विस बेटा माय आउट सप्लाई बिकेम टैक्सेबल आपका दिल क्या कहता है जो इनपुट स्टॉक में क्रेडिट मिलना चाहिए मिलना चाहिए सर जो इनपुट स्टॉक में है भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो डब्ल्यूवी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में क्रेडिट मिलना चाहिए सर कैपिटल गुड्स स्टॉक में है उनका भी क्रेडिट मिलेगा पर 5 परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिट आपको मिलेगा इनपुट सर्विस ऑलरेडी परचेस कर चुके उसका अब कुछ ना हो पाएगा क्लियर पर इनपुट और कैपिटल गुड्स का आपको क्रेडिट मिलेगा पर लास्ट वन ईयर में जो परचेस किए हुए उन्हीं का मिलेगा उससे पहले जो परचेस किए हुए स्टॉक पड़ेगा उसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा अच्छा ये सेक्शन में रेटिंग जो है ना बेटा यहां पे लिखा है कि जो गुड्स मेरा एग्जाम था वो अगर टेक्सीबल हो गया तो इनपुट कैपिटल गुड्स आप क्रेडिट ले रहे हो पर लास्ट वन ईयर में जो परचेस किया उसी का क्रेडिट मिल रहा है बेटा आपको पर जब सेक्शन नंबर अभी हमने पढ़ा काम फोर्टी थ्री मेरे गुड्स क्या था बेटा पहले एग्जाम था मशीन मैंने इसके लिए परचेस कर दिया था आया बेटा आपको मैंने कोई क्रेडिट नहीं लिया दो साल बाद उस मशीन को मैं इसमें यूज करने लग गया कितने साल बाद बेटा

और यहाँ पर वन ईयर की लिमिट लगती है बेटा जब वो गुड्स एग्जम्प्ट था वो टैक्सेबल नहीं हो रहा है उस मशीन से अब अब ये बनाने लग गए देयर इज अ चेंज इन यूज ऑफ द मशीनरी तो सेक्शन नंबर 17 लग रहा है भाई रूल नंबर 43 बेटा वहां पे देयर इज नो लिमिट ऑफ वन ईयर आई होप यू गॉट द क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट बेटा हां है ना भाई ओके okay, सर

मल्टीप्लाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ दैपिटल इन कम्प्लीट मंथ आउट मंथ मतलब आपने मान लो किसी मशीन को दस महीने और दो दिन यूज कर लिया तो रिमेनिंग चलो ने नौ महीने और दस दिन यूज किया चलो तो एक तरह से मानना कितने दिन कितने महीने यूज किया दस महीने यूज कर लिया अब रिवर्सल जो करना कितना करना बेटा फिफ्टी मंथर्स करना कितना महीने का रिवर्स करना बेटा फिफ्टी

इनपुट रॉ मटेरियल कंडीशन में हो डी कंडीशन में हो फिनिश गुड्स कंडीशन में सबका क्रेडिट रिवर्स होता है बेटा हाँ है ना भाई क्लियर डन सर आइए ये तो मैंने बताया क्या जब मेरे गुड्स थे, थे, एग्जाम थे, 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 बात कर रहा करो इसकी अगर एस एस सी ने क्या लिया था बेटा कंपोजिशन स्कीम अगर एस एस ने कंपोजिशन स्कीम लिया था तो सर ऐसे केस में भाई साहब वो टैक्स वैसे पे करा कितना एक परसेंट टैक्स तो पे करा और क्रेडिट सारा चाहिए उसको बेटा जान ले लो एक काम करो इसलिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा पर एक दिन बच्चा बड़ा हो गया कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आ गया सर अब आप, आपका दिल क्या कहता है बेटा सर जो भी इनपुट इनपुट जो भी इनपुट और कैपिटल गुड्स लास्ट वन ईयर में परचेस किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा कैपिटल गुड्स में फाइव परसेंस पर क्वार्टर लेस ना इनपुट सर्विस ऑलरेडी परचेज कर चुके उसका कुछ भी ना हो पाएगा एंड सर सेम वे अब अगर आप रेगुलर स्कीम हो किसमें हो सर आप रेगुलर स्कीम में हो जो भी परचेस करोगे सबका क्रेडिट ले रहे हो अब अगर मान लो नेक्स्ट ईयर एक अप्रैल से आप किसमें में आगे बेटा बच्चा वापस छोटा हो गया कंपोजिशन स्कीम में आ गया क्या करेंगे बेटा हम इनपुट जितना मालिक क्लियर आपका कंपोजिशन वाला पॉइंट भी खत्म होता है अब, अब आइए रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट दिल थाम के सुनना सुंदर पॉइंट है बेटा कोई खास बात नहीं पर एक सुंदर पॉइंट बना दूंगा मैं आपके लिए सर मान लो भारी 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 मजा आ गया अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जो भी परचेस करेगा कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा पर एक दिन उसने क्या कर दिया रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है उसका क्रेडिट मिल जाएगा जो लास्ट वन ईयर में परचेस किया रो मटेल फॉर्म हो डब्ल्यूबी फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में सबका क्रेडिट मिल जाएगा हाँ पर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट अच्छा जब गुड्स एग्जिम तो टैक्स हो रहे थे बेटा कंपोजिशन में तो रेगुलर स्कीम मारे थे तब मिल रहा था ध्यान देना बेटा सर आप रजिस्टर्ड नहीं थे आप अगर रजिस्टर्ड और कैपिटल तो नहीं मिलता इनपुट सर्विस का मिलता बेटा इनपुट का मिलेगा वो भी लास्ट एक साल का मिलेगा अच्छा सुन अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एंगल बताता कहा गलती होती है मान लो मैं एक्सक्लूसिवली यही बताता हूँ बेटा ये क्या है एग्जाम बेटा कुछ भी हो ना अपने क्या करना सर एग्जाम सप्लाई क्या है ये और सिंस मैं केवल एग्जाम सप्लाई ही करता हूं इसलिए आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट ऑल एट मेरा टर्नवर पचास लाख ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है अब पांच सितंबर को गुड्स बिकेम टैक्सेबल क्या होगा बेटा पहली बात तो आई एम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्योंकि ऑलरेडी फोर्टी लाख क्रॉस हो चुका बेटा है ना भले वो एग्जाम था बेटा और अब तक रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराया था क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जाम था बेटा

इनपुट इनपुट ले रहा हूं मेरा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया भाई कैंसिल अब अब तेरा क्या होगा भाई सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल भले मैंने कराया हो या डिपार्टमेंट लाते बार निकाल दिया बेटा मतलब उसमें कैंसिल कर दिया सर रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल होता है तो हमने पढ़ा था सर शेड्यूल नंबर टू पेरा नंबर फोर क्लोज नंबर सी में कि वेन अ पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन तो मान लेते सारे गुड्स उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिया था बेटा आपको तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा आप सर जितना भी इनपुट स्टॉक में है उसका जो आईटीसी था वो जितना भी कैपिटल गुड्स उसका डिवाइड बाय जो आईटीसी लिया था तो उसका डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल उस लाइफ उसका जो आईटीसी आएगा वो और इन सब की ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो विच एवर इज हायर इतना मेरे को लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा या इतना मेरे को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा उसके बाद भी अगर आईटीसी बैलेंस बचता है इट विल लैप्स क्लियर डन ये रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी मैंने आपको समझा दिया आई होप समझ में आया बेटा आपको ये हाँ है ना भाई ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में कितना से रिवर्स करना होता है ये वैसे सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन सेक्शन फाइव और सिक्स लिखा है जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कवर होता है पर यहां लिंक करके मैंने बता दिया आपको हाई है ना भाई अब यहाँ मैंने आपको बोला था सुंदर पॉइंट आएगा सर अब तक तो हैंडसम पॉइंट था है बेटा अब सुंदर पॉइंट अब पॉइंट ही है सर दिल थाम के सुनना सर ध्यान इधर है ना कनेक्टिविटी करना दो तीन पॉइंट का मेरे को आप रजिस्टर्ड नहीं थे सर अब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है जो लास्ट वन ईयर में परचेज किया उसका आपको सी मिलता है कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता इनपुट सर्विस का नहीं मिलता है। ठीक है सर अब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया ना बेटा आवाज आनी चाहिए सर रजिस्ट्रेशन करवाया ना आपने सर क्यों कराया हाँ दो कारण इसके बेटा दो कारण है इसके कि आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया या लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे पहले कौन सा बोलू चलो <laughs> <वोर्टिर्ली> बेटा। <laughs> सर, <laughs> सर मान लो 14 फेब को आपकी इच्छा हुई रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए अपने यू आर नॉट लाइबल अब आपने 14 फेब को क्या किया बेटा नहीं रजिस्ट्रेशन कराना कोई जाके रजिस्ट्रेशन लेके ऐसा नहीं होता बेटा अप्लाई करना पड़ता है आपको बताया ना फेब को आपने अप्लाई किया किसके लिए बेटा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा अब सर <laughs> सोच सोच खुश हो जाओ बेटा अब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया फोर्टीन फेब को सेवनटीन फरवरी को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया कब मिला बेटा वट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेवनटीन बेटा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बेटा आपका सेवेंटीन फेब्री इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लियर तो जीएसटी पे करने की लाइब्रीट जाएगी बेट आपकी स्टॉक होगा इनपुट का जो last one year में आपने परचेस किया होगा उनका आपको आईटीसी मिल जाएगा कोई डाउट कोई डाउट मेरे को भी नहीं हटाओ ये वॉलंट रजिस्ट्रेशन की कहानी खत्म अब बात करूंगी इसकी यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन यू आर फॉर रजिस्ट्रेशन और ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन आप लोग ऐसा करनाम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन या हो जाता है इंटरस्टेट सप्लाई क्या होगा आपने टू स्टेट मतलब इंटरस्टेट बेटा हाँ है ना सर अब ऐसे केस में यू बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा ऑन फोर्टीन फेव अब सुनना बात ध्यान से ट्वेंटी फाइव ने लिखा है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि सर एवरी पर्सन हु इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ही बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन आपने फर्स्ट मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया सिक्स मार्च को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया यू टेल मी नाउ वट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दो तीन पॉइंट करने को ध्यान देना बेटा है ना दो तीन पॉइंट फोर्टीन फेब इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओके okay, मालिक तो सर जीएसटी की लाइविटी कब से शुरू होगी बेटा आपकी फोर्टीन फेब से और इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन भी कब हो गया बेटा फेब हो गया तो सर ऐसे केस में तेरह फरवरी को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा जो लास्ट वन ईयर में आपने परचेज किया होगा मतलब लास्ट ईयर की फोर्टीन फेब से लेके इस साल की थर्टीन फेब तक जो आपने परचेज किया है सर इनपुट का आपको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नया करा रहे हो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता ओके बच्चों पक्का ठीक तो सर

विद इन वन मंथ फ्रॉम सिक्स मार्च छह मार्च के एक महीने के अंदर आप रिवाइज टैक्स इन्वेस्ट इश्यू कर सकते हो अपने कस्टमर्स को और उन रिवाइज टैक्स इन्वेस्ट कस्टमर को क्रेडिट मिल जाएगा और अगर आपके कस्टमर एग्जाम बी टू सी थे बेटा अनरजिस्टर्ड बेटा जीएसटी में तो ऐसे केस में उन सप्लाइज के लिए आप आइटम वाइज कंसोलिटेड अलग से बिल बना सकते हो बेटा हा है ना बेटा कंसोलिटेड रिवाइज टैक्स इन्वेस्ट जाएगा बच्चा आपके लिए रिकॉर्ड के लिए बेटा है ना भाई कोई डाउट इसमें मेरे को भी नहीं सर हटाओ खत्म अब एक केस मान लो ध्यान से ना बेटा आराम से 14 फेब को यू बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा पर तेरी दीवानगी में ऐसे हुए दीवाने न रहा होश न रहा चैन रजिस्ट्रेशन कराना भूल गए फाइनेंशियल खत्म हुआ भूत उतरा एक अप्रैल को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। दस अप्रैल को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया क्लियर डेट से बेट आपको ठीक इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टेंथ ऑफ अप्रैल डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल दो यू आर लाइबल फ्रॉम फोर्टीन फाइव क्लियर यहां तक ओके सर अब इसका इंप्लीकेशन क्या है? यहां तक तो, तो आपको समझ में आ गया बेटा पहली बात तो ये कि सिंस इफेक्टिव डेट ऑफ ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्रैल अप्रैल तो 9th को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का उसी का आपको आईटीसी मिलेगा बेटा और पिछले साल की दस अप्रैल से लेके इस साल की नाइन्थ अप्रैल के बीच में जो आपने परचेज किया होगा लास्ट वन ईयर मतलब एक तरह से

मतलब जीएसटी पे करने की तो लाइफीन फेब से शुरू हुई है नाइन्थ अप्रैल तक टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी जेब से यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम कस्टमर यू कांट इश्यू टैक्स इनवेस्ट इनफैक्ट इवन आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन यू कांट इश्यू रिवर्स टैक्स इन्वेस्ट टू द कस्टमर्स बिकॉज डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा है ना भाई और आपको एक रुपए का भी मतलब आप एक रुपए का भी टैक्स कस्टमर नहीं ले पाएंगे पहली बात तो ये है दूसरी बात जो गुड्स आपने फोर्टीन से लेकर नाइन्थ अप्रैल तक बेच दिए होंगे वो नाइन्थ अप्रैल को क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होंगे बेटा तो उनका आईटीसी भी नहीं मिलेगा मतलब फेब से अप्रैल तक जो बेच दिया है उस पर जीएसटी पे करना है जेब से पे करना है कस्टमर से टैक्स नहीं लेना है और उसके परचेस में जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा और जितना आपके सेल पर फोर्टीन से लेकर नाइन्थ अप्रैल तक जितनी टैक्स की लाइव आई थी ना बेटा आपकी उतना उतना हंड्रेड परसेंट आपको पेनल्टी भी पे करना है

ईटीसी भी लिंक कर दिया रिवाइज टेक्ट भी लिंक कर दिया बच्चों आपको और पेनल्टी का पॉइंट भी मैंने बता दिया आपको इम्प्लीकेशन समझ में आया बच्चों आपको ये अरे क्लियर डन ओके बच्चों अच्छा इन्हीं को तो कहते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई बेटा क्लियर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई का मतलब ये नहीं तो एक कॉमन पोर्टल जीएसटी पोर्टल खोल के मैं आपको बताऊं दे रजिस्ट्रेशन ऐसे कराते इसका मतलब ये होता है बच्चों क्लियर पोर्टल भी आपको आना चाहिए नोडो ऐसा नहीं नहीं बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होना चाहिए होना चाहिए पर प्रैक्टिकल मतलब ये होता है बच्चों की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन चीजों का समझ में आना चाहिए ओके ठीक सर यहां तक समझ में आया पॉइंट अरे हा है ना डन तो सरकार यहां तक शायद आपको बात समझ में आ गई एक लास्ट सेक्शन नंबर 18 का एक पॉइंट और बचा हुआ है सर अगर कभी भी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है क्या होता है सर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा आईटीसी भी आप ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी आई टीसी क्लियर आपको साथ में सीए का सर्टिफिकेट या कोस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि सर यहाँ पे स्पेसिफिक लाइब्रेरीज भी ट्रांसफर हुई है केवल आईटीसी ट्रांसफर नहीं हुआ है बेटा ठीक है अच्छा एक बात और अगर कभी भी डी मर्जर हो रहा है क्या हो रहा है बेटा डी मर्जर हो रहा है ठंड लग रही है क्या ये सी ए कोर्स तो अच्छे से ठंड उड़ा देता है बेटा सर चलो मैं रिमोट के बोलता हूँ वीडियो क्लास आपको भी ठंड लग रही है बेटा तो आपने घर का ऐसे ही कम कर दो बेटा आप सर पकाया ना बेटा मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ओके सुनो आपके ध्यान से अच्छा ए के रिमोट है आपके क्या काका ऐसी का रिमोट चाहिए था वो उधर ओके हाँ आप काका जा भी काका पीछे भी पड़ाना है उधर ना हाँ लंच ब्रेक रखना है क्या आपको आज लंच ब्रेक रखना है अच्छा मम्मी चलाएगी बेटा फिर ठीक है बेटा सर, <laughs> बाकी दूसरों को चिल्लाते तो, तो प्यार ही करते केवल है ना? <coughs> भी उदयपुर से टिफिन लेके आया बेटा सर <laughs> कितनी बजे ब्रेक चाहिए आपको अभी बिल्कुल भुके आएगा घर से वो कितने बजे तीन बजे दोपहर ब्रेक हो जाएगा तो दो बजे एक मतलब तुम कहना क्या चाहते हो बेटा अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या मैं आपको चलो अराउंड वन थर्टी अराउंड वन थर्टी ठीक है सर सुनो बात की ध्यान से ओके शुरू मैं अपनी बात हाँ आ, हम बात करते रिगार्डिंग डी मर्जर सर अगर कभी भी चेंज ऑफ ऑनरशिप होता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस होता है बेटा पार्टनरशिप में पार्टनर कंपनी बन गई या वाइस वर्सा वगैरह पेन नंबर चेंज हो रहा है मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो रहा है बेटा इसके आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा फॉर्म नंबर जीएसटी आई टी के थ्रू बेटा हाँ है ना भाई क्लियर पर कभी भी डी मर्जर होता है क्या होता है बेटा डी मर्जर जैसे मान लो कोई दो कंपनी थी बेटा मतलब एक कंपनी थी बेटा फोर्टीन फाइव को डी मर्जर हो गया बेटा क्लियर <laughs> सर तो ऐसे केस में क्या होगा अरे प्रबोश नेट आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना दोनों को बेटा क्लियर तो ऐसे तो केस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा क्रेडिट जो वैल्यू ऑफ असेट्स होगा अच्छा वैल्यू ऑफ असेट किस दिन का देखना बेटा डेट ऑफ डी मर्जर एज पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट बेटा उस दिन जो वैल्यू ऑफ असेट होगा उस वैल्यू ऑफ असट के रेशियो में आईटीसी पास होगा अच्छा वैल्यू ऑफ असेट सारे असेट्स लेने बेटा आपको क्या करना सर सारे असेट्स लेने हैं भले ही उनके परचेस पे आपने आईटीसी लिया था या नहीं हो तो, तो सारे बिजनेस एसेट लेना बेटा तो आपको प्रोपोर्शन निकालने के लिए बेटा क्लियर सेकंड थिंग सर आप आईटीसी टीसी पास ऑन करेंगे थ्रू फॉर्मलोर जीएसटी आईटीसी जीरो टू तो सर जिस दिन आपका डेट ऑफ डी मर्जर था इस पर

एक प्लेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है दूसरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है पर अब अब मेरे को उसका सेपरेट यूनिट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है तो आई कैन डू सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर अब तक सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर था इसलिए सिंगल आई था सिंगल थी बेटा अब दूसरी यूनिट बन रही तो ऐसे केस में आई भी उसको तो देना पड़ेगा ना यार तो सेम रूल रूल लगता है नंबर ए और रूल फॉर्म नंबर दे रखा है और बोला क्या वैल्यू ऑफ के रेशम में आई डिवाइड कर देंगे और जो नई यूनिट बन रही है जिसका नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हो आप उसको उतना आई आप पास ऑन कर देना थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी आईसी जीरो क्लियर डन कोई खास बात नहीं ये पूरा सेक्शन एटीन भी खत्म होता है अब अच्छा एक बात बाकी सेक्शन एटीन सब सेक्शन सिक्स सेक्शन नंबर एटीन सब सेक्शन नंबर सिक्स अगर कोई कैपिटल गुड्स मैंने परचेज किया क्या परचेज किया बेटा मैंने और थोड़ा थोड़ा टाइम उसको मैंने मशीन को बेच दिया कुछ याद है कि नहीं सर ऐसा कुछ अगर मैंने मशीन परचेज किया प्लांट और मशीनरी या कैपिटल गुड्स परचेज किया परचेज में जीएसटी पे किया जीएसटी का मैंने आईटीसी लिया कुछ टाइम बाद मशीन को मैंने बेच दिया तो उस मशीन को जितने बेचा मशीन को मैंने जितने बेचा उसके ट्रांजेक्शन जो जीएसटी बनता है वो या फिर जो मैंने आईटीसी लिया था फाइव परसेंट पर क्वार्टर पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ जो आएगा वो एवर इज हायर इतना मुझे उस मशीन के बेचने में टैक्स पे करना पड़ेगा अब भले ही मशीन मैंने यूज यूज करके बेचा बेचा विदाउट वी डोंट केयर भले ही मैंने मशीन को वर्किंग कंडीशन बेचा या एज ए स्क्रैप बेचा वी डोंट केयर सेम प्रोविजन पर मोल्ड्स डाइस जिक्स फिक्सर्स और रिफेक्ट्री ब्रिक्स अगर मैंने एज ए स्क्रैप बेचीजा

या आपने सप्लायर को बोला आप किसी से मशीन खरीदते थे इनपुट खरीदते थे आपने सप्लायर को बोला डायरेक्ट जॉब वर्क करके गुड्स भेज थे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है गुड्स डायरेट वहां पहुंच सकती है अगर मेरे यहाँ से गुड्स वहां भेज रहा हूँ तो वो सप्लाई नहीं है कोई मुझे आई रिवर्स करने की जरूरत नहीं कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पर मुझे डिलीवरी चला इशू करना पड़ेगा कैश करना पड़ेगा बेटा क्लियर पर कंडीशन क्या जो गुड्स मैंने जॉब वर्कर के भेजा है दो शुड बी रिटर्न बैक दो शुड बी रिसीव बैक विद इन वन ईयर कमिश्नर फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है वन मोर ईयर का कैपिटल गुड्स के इसमें तीन साल का, टाइम है, दो साल का एक्सटेंशन और दे सकते हैं कमिश्नर बेटा हाँ है ना भाई अच्छा सुन ये वन ईयर प्लस वन ईयर थ्री ईयर प्लस टू है ना उसमें मेरे को रिसीव हो जाना चाहिए बेटा अब वन ईयर कब से अगर मेरे यहां से गया था तो डेट ऑफ रिमूवल से वन ईयर काउंट करना बेटा वन ईयर थ्री ईयर जो भी बेटा और अगर सप्लायर कैसे साथ डायरेक्ट जॉब वर्कर के गुड्स पहुंचा था बेटा तो जब उसको रिसीव हुआ ना बेटा

जो वर्कर क्या है गुड्स बन गया और वो फिनिश गुड्स था बेटा और वहां से मेरे को कस्टमर क्या भेजना है तो यस डायरेक्ट में वहां से कस्टमर क्या गुड्स भेज सकता हूं बेटा पर ऐसे कैसे मेरे को उसका प्लेस डिक्लेयर करना पड़ेगा इसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर पर अगर वो जॉब वर्कर खुद ही जीएसटी में क्या है रजिस्टर्ड है तो मेरे को उसका प्लेस अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है सेकंड थिंग अगर गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स नोटिफाई कर दिया और नोटिफाइड गुड्स का जॉब वर्कर है तो ऐसे के में उस प्लेस को मेरे को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा एज माई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन कौन से गुड्स नोटिफाइड आपको याद करने की जरूरत नहीं है एंड थर्ड एक्सेप्शन इसका अगर जॉब वर्कर जो गुड्स बना रहा है वो बनाते वक्त कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हुआ क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा Producer, और जो हुआ है, वो वही से मैं चाहूं तो कस्टमर को बेच सकता है और ऐसे केस में के चक्कर में जरूरत नहीं है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर तो हुआ तो टैक्स पे कर देगा तो मैं टैक्स पे कर दूंगा पर मेरे को उस प्लेस को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है इज माई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डन अरे नो क्लियर डन ये था सेक्शन नंबर नाइनटीन फोर थ्री एंड रूल नंबर थर्टी फोर्टी वन फोर्टी फाइव ठीक है सर क्लियर डन अब आ रहा है क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं सर सेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी वन और रूल नंबर थर्टी नाइन सरकार सुनना सिंपल से बात है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आज मान लो मेरी चार फैक्ट्री है पर सर चार अच्छा मैं फैक्ट्री बोल रहा हूँ ऑफिसेस भी हो सकते हैं मेरे

और यही मेरा हेड ऑफिस भी बेटा तो और और ये भी जरूरी नहीं कि हेड ऑफिस को आई एस डी सर्विस के बिल आते हैं ठीक है, आप पेमेंट करते है सर्विस का तो सर ये मेरी फैक्ट्री है इसका मैंने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर है पर अगर मेरे को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी इनपुट सर्विस की तो इस ऑफिस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेना पड़ेगा एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भले सेपरेट रजिस्टर्ड हो या नहीं हो सकसन नहीं है अब अगर मैंने इसका आई एस डी की तरह करा दिया उसका

मैं अपने यूनिट्स को ट्रांसफर कर सकता हूं अब क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट करता है होता है वो कैसे होता है किस मैनर में होता है किस रेशियो में होता है सर सुनना बात को ध्यान से सर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है वो किस यूनिट को करना है पहली बात तो ये जो सर्विस जिस यूनिट के लिए काम है उसी को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा अच्छा ये इनपुट सर्विस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इनपुट और कैपिटल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता सर अब इनपुट सर्विस का बिल जो आया वो सर्विस अगर केवल फैक्ट्री नंबर वन में काम आई तो क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा फैक्ट्री नंबर वन में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों फैक्ट्री नंबर टू में काम आई तो वन टू थ्री फोर चारों में काम है तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्री और फोर में काम है तो वन टू और फोर में काम है तो किस रेशियो में

सर किस फॉर्म में ट्रांसफर करना है सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी बेटा क्लियर अच्छा सर जिस स्टेट में आईएसडी है उसी स्टेट में अगर मेरी यूनिट है जिसको मेरे को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जो मेरे परचेज बिल पे जो मेरे परचेज बिल पे टैक्स लिख के आया वही क्रेड में अपनी दूसरी यूनिट को ट्रांसफर कर दूंगा जो मेरी सेम स्टेट में है अगर परचेस बिल पे आईजीएसटी लिखा है तो आई सीजीएसटी लिखा है तो और जो मेरी यूनिट है वो दूसरे स्टेट में है तो ऐसे केस में हमेशा आई जी एस टी का फॉर्म में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इसलिए जब क्वेश्चन आप सोल्व करें बेटा तो वहां कॉलम जो बनाएंगे ना आई एस टी का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन बेटा एक कॉलम तो बना देना पर्टिकुलर्स का सेकंड कॉलम बना देना टोटल अमाउंट का कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फिर जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे मान लो चार यूनिट थी उसमें से एक यूनिट अपने स्टेट की थी बेटा तो उस वाले यूनिट के लिए तो तीन कॉलम बनाना सी जी एस टी एस टी और आई जी एस टी बाकी यूनिट के लिए आई 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 बस

अब आपके लिए अगर वो ब्लॉक मत लेना बेटा हाँ ना भाई मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा ठीक है अच्छा ये तो बात हो गया अब अगर मान लो सर मैंने आपने अमन भाई ने मेरे को बिल दिया मैंने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाद में इसने मेरे को क्रेडिट नोट दिया बेटा क्या दे बेटा मेरे को तो क्रेडिट नोट देने की वजह से इसकी लाइबिलिटी कम होगी मेरे को प्रोपोर्शनलिटी से रिवर्स करना पड़ेगा तो मैंने तो क्या कर दिया क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया बेटा तो जिस रेशियो में ओरिजिनल इनवॉइस का क्रेडिट मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी रेशियो में उस क्रेडिट नोट का नेगेटिव क्रेडिट मेरे को पास करना पड़ेगा या उस महीने में जो दूसरा क्रेडिट होगा एडजस्ट लेस हो के, फिर अमाउंट जाएगा बाबू बेटा सेम वे डेबिट नोट किया तो जिस रेस में ऑरिजिनल इन्वेस्ट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसी में उस डेबिट नोट का क्रेडिट भी मैं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा थ्रू आई एस डी डेबिट नोट आई एसडी क्रेडिट नोट बेटा हा है ना भाई अच्छा ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न के सिस्टम के थ्रू तो करना ही करना है आई एस डी विल ऑल्सो हैव टू इशू द आई एस डी डेबिट नोट आई डी क्रेडिट नोट आई डी इन्वेस्ट बेटा है ना भाई और लास्ट सेक्शन ट्वेंटी बोलता है क्या अगर मैंने किसी को एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी क्या कर दी बेटा तो सर उसको वो आई रिवर्स करना पड़ेगा क्लियर उसको आई रिवर्स करना पड़ेगा और अलोंग विद इंटरेस्ट अगर उसने यूज कर लिया तो और अगर नहीं किया होगा तो हम आएंगे तो बैंड बजाज बारात लेके आएंगे क्लियर 73 74 के प्रोविजंस भी लगेंगे पेनल्टी भी लगेगी बेटा उस पर

हाँ तो भी चारों का क्वार्टर देखने का क्वार्टर देखने बेटा ओके okay, बेटा यस सर वरना ना नहीं बैठेगा ना उनका यार बेटा इसलिए ओके मलिक ठीक हाँ जी यहां तो क्लियर आवाज नहीं आ रही ठीक है ये आई पूरा खत्म होता है अब आई होप समझ में आया बच्चों आपको कंपोजिशन स्कीम मान लो

तो ऐसे केस में वो चाहे तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकता है पर स्पेशल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आठ स्टेट ऐसे अच्छा उनके नाम याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म जो आ, मेरे को बच्चों ने बताया सर तमन्ना ऑसम और रजिस्ट्रेशन में वो फोर्टीले का लिमिट जो है ना बेटा रजिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करता हुआ फोर्टेले का बेनिफिट मिलता है बेटा वो तमन्ना ऑसम टीपी टीपी मतलब तेलंगाना और पुडुचेरी सर। <laughs> सर सुना सुना चलो यहां पे वो आठ स्टेट्स कौन कौन से बेटा तमन्ना अच्छा तमन्ना जो है ना बेटा वो चार स्टेट जहां एग्री ट्रेन लिमिट दस लाख का रजिस्ट्रेशन है बेटा मतलब तमन्ना त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम नागालैंड क्लियर एक्चुअली hmm. तमन्ना नहीं तमना ठीक है टी एम एम एन ए क्लियर तो so, सर त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम नागालैंड ये चार स्टेट ऐसे है जहाँ दस लाख का रजिस्ट्रेशन लिमिट है पर यहाँ कंपोजिशन में भी सेवेंटी फाइव लैख ही है प्लस ओसम ओसम मतलब अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और मेघालय ये चार और ये तमन्ना क्लियर ये आठ स्टेट ऐसे है जहां पर सेवेंटी फाइव लैख का लेक है कितना बेटा सेवेंटी फाइव लेख का लेक है और हाँ ये फर्स्ट चार स्टेट का रजिस्ट्रेशन लिमिट कितना है बेटा टेन लैख्स सर प्लस ये चार स्टेट्स प्लस ये चार जो मैंने नेक्स्ट बोले वो और टीपी मतलब तेलंगाना और पुडुचेरी ये दस स्टेट में फोर्टिले का बेनिफिट नहीं मिलता फोर्टिले क्या था एक्सक्लूसिवली गुड सप्लायर बेटा ये तो तमन्ना याद आ गई तो इसलिए मैंने सब बता दिया आपको साथ साथ क्लियर बाकी हम पढ़े क्या कंपोजिशन स्कीम सर इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम

एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आठ में से एक में तो एग्री टर्न ओवर लिमिट मिल भी लेक okay, मालिक? अरे क्लियर और हाँ सर देन देना अगर कंपोजिशन लेना है तो साथ में लेना है। जिएंगे तो तो साथ, मरेंगे तो। मतलब पैन, पैन all इंडिया में जितना भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा सबका टर्न क्लब करके देखते बेटा इसमें सेकेंड थिंग अगर एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर मतलब सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर अच्छा आपके मल्टीपल बिजनेस है पर सेम पन नंबर पर बेटा उससे कोई कंसर्न नहीं है सर कई बार क्वेश्चन क्या था बेटा एक बिजनेस के लिए कंपोजन लेना चाहता है दूसरे बिजनेस के लिए नॉर्मल स्किल क्या हो सकता है क्या बेटा ना हो पाएगा ठीक है मालिक चलो सर अब कंपोज की मगर लेना है तो सिस्टम क्या कहता है सुनना बात को ध्यान से सर एग्रीगेट टर्न ओर बोला है ऑल इंडिया बेस पे जो पर टर्न वो देखेंगे टेक्सवल सप्लाई हो एग्जाम सप्लाई वी डोंट केयर एग्रीगेट एग्रीगेटर में सब कुछ काउंट होता है बेटा अच्छा फर्स्ट ट्वेंटी नहीं थे बेटा फर्स्ट ट्वेंटी लेख लिए आप रजिस्टर्ड

ओके okay? चलिए सर अब सर अगर कंपोजिशन स्कीम लिया है तो टैक्स कितना पे करना है सबसे पहली बात इफ यू आर मैन्युफैक्चरर इफ यू आर वो आठ गुड्स के मैन्युफैक्चरर आप नहीं होने चाहिए तो आपको तो टैक्स पे करना पॉइंट फाइव परसेंट सी जी पॉइंट फाइव परसेंट एस जीएसटी और अगर इंटरस्ट है तो, इंटरस्टेट सप्लाई किया ना तो बाहर क्लियर तो आईजीएसटी की लायबिलिटी तो आएगी नहीं सर इसकी ध्यान रखना ओके okay, मालिक ठीक 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 CGST, HGST, किसका स्टेट का मतलब एंटायर टर्न सर मान लो मैं इसका manufacturer किसका? ये और, जो भी है सर जो भी goods है, सर, उसका मैं क्या हूं एक एग्जाम है वी डोंट केयर दोनों का वन परसेंट टैक्स पे करना है पॉइंट फाइव सी जी एस टी पॉइंट फाइव परसेंट एस जी एस टी पर यही अगर मैं ट्रेडर होता है बेटा इन गुड्स का तो केवल टैक्सेबल टर्न का एक परसेंट टैक्स पे करना मालिक किसका बेटा टैक्सेबल टर्न का एक परसेंट टैक्स पे करना है आपको क्लियर समझे मेरी बात एक बार चार मार्ग का क्वेश्चन आया हुआ भी बेटा इस तरह का क्लियर कि व्हाट वुड हेड बिन योर आंसर अगर आप मैनुफेक्चर होते तो सेकंड आपका आंसर क्या होता अगर आप ट्रेडर होते तो बेटा ठीक है ध्यान देन देना हाँ अगर आप रेस्टोरेंट हो या आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लाई करते बेटा तो ऐसे केस में फाइव परसेंट इज द रेट ऑफ टैक्स टू पॉइंट फाइव अगेन पे क्या लिखा है टर्नर इन द स्टेट मतलब एंटायर एंटा का आपको टैक्स पे करना पर हाँ मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट के केस में एंटायर मेंनर का टैक्स पे करना है पर इसमें इंटरेस्ट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है नो नीड टू पे एनी टैक्स ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज एग्जाम सप्लाई सर्विस

प्रीवियस ईयर का इर्नवर स्टेट निकालते वक्त इंटरेस्ट अकाउंट नहीं करना उसका टेन परसेंट और फाइव लेकिन हायर की लिमिट देखते वक्त भी इंटरेस्ट अकाउंट नहीं करना अगर इंटरेस्ट इनकम है तो अलावा आप इतनी सर्विस और दे सकते हो बच्चा हा है ना भाई सेकंड सर यू शुड नॉट बी एंगेड इन इंटरस्ट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बेटा इंटरस्ट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं कर सकते बच्चा इनवर्ड सप्लाई लीजिए हमें कोई तकलीफ नहीं है नेबरिंग स्टेट से परचेज करना वो करो कोई तकलीफ नहीं है नेबरिंग स्टेट को बेच दिया तो बाहर निकल जाओ बेटा कहां से बाहर

मैन्युफैक्चर ऑफ दिसक्शनिंगको सर पान मसाला नहीं बहुत अच्छा बेटा तो क्या पढ़ना पड़ेगा ना, ना बेटा आपको Sir, नहीं, नहीं. और शुगर बेटा मतलब कोको कोला थम्सअप पैप्सी वगैरा बेटा कोल्ड ड्रिंक क्लियर सर ध्यान देना बेटा सर नेक्स्ट क्या अरे फ्लैश ब्रिक्स फ्लैश एग्रीगेट्स अरे हाँ है ना भाई सर ध्यान देना बेटा फॉसिल ये सिलिशियस और फॉसिल फो, फो, मिल से बने हुए ब्रिक्स बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्दन रूफिंग टाइल्स इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो क्या हो बेटा आप मैन्युफैक्चरर हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजेंस स्कीम पर आपकी दुकान है जहाँ सब कोल्ड ड्रिंक बेचते हो बेटा क्लियर के एलिजिबल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरी दुकान में आइसक्रीम बेचता हूं बेटा मैं कंपोजिशन एलिजिबल हूं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है यहां तक बात समझे क्या yes no? <coughs> okay, कंडीशन बेटा अच्छा अब नेक्स्ट बात सर अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम लिया तो आई इशू टैक्स मेरे को बिल और सप्लाई इशू करना पड़ेगा कस्टमर को सर जब मैं बिल इशू करूंगा उस पर लिखना पड़ेगा कंपोजिशन पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द द टैक्स फ्रॉम कस्टमर क्लियर दुकान में prominent place पर प्रोनें प्लेस लिखना पड़ेगा क्या कंपोजिशन टैक्सबल पर्सन सर आई कॉन्ट इशू टैक्स मेरे को बिल और सप्लाई इशू करना पड़ेगा मेरे को कोई आई नहीं मिलेगा मेरे कस्टमर को आई टीसी नहीं मिलेगा मैंने ऐसा कोई सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स आज में मेरी लाइब्री आती है तो उसमें नॉर्मल रेट से मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका मेरे को आई भी नहीं मिलेगा हाँ है ना भाई क्लियर अगर सुनना ये आठ गुड्स बनाया बताया मैंने आपको केवल यही एक कंडीशन है कि प्रिसीडिंग फाइनेंशियल में कब सर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल में अगर आप इन आठ गुड्स के मैन्युफैक्चरर थे तो भी करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी आपको बेटा ओके क्लियर डन ओके ये रूल्स में लिखी थी कंडीशन वही मैंने आपको बता दी अब सर सुनना बात को ध्यान से अगर मैं सर्विस सप्लायर कौन बेटा मैं तो सर्विस सप्लायर के लिए भी कंपोजिशन स्कीम दे दी और बोल दिया कि अगर आपका प्रेसिडिंग आपकाशियम में एग्रीडेड टर्न ओवर रुपीज फिफ्टी लैक तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम लेना है तो जब तक आपका टर्व पचास होता तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो और कंपोजिशन स्कीम लिया तो कितना टैक्स बेटा इसमें सिक्स परसेंट थ्री परसेंट सी जीएसटी परसेंट एस जीएसटी ऑन एंटायर टर्न ओवर क्या बोला सर टर्न ओर इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कुछ भी बेटा उन सबका आपको छह परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट पर इंटर्स पे, एक्स पे, एक्स पे करने की जरूरत नहीं और सेकंड थिंग जिस दिन तक आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं बेटा याद है बीस लाख बेटा क्लियर उस पर टैक्सपे करने की जरूरत नहीं पर वो पचास लाख का पार्ट तो बनेगा बेटा अब सर कई बार क्वेश्चन क्या है बेटा मान लो करंट में आपका टर्न ओवर कितना सेवेंटी फाइव लाख का मालिक आपने फर्स्ट डे से कंपोजिशन स्कीम ले रखा है बेटा क्लियर और करंट में आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इस साली हुआ इस साल आप रजिस्ट्रेशन कराया बेटा फर्स्ट बीस लाख पे नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट थर्टी लैक्स सिक्स परसेंट टैक्स बेटा अगर कंपोजिशन ले रहा बेटा आपने क्लियर अब ट्वेंटी प्लस थर्टी कितना हो गया बेटा 50 हो गया नेक्स्ट 25 है कितना नॉर्मल रेट जो है बेटा 18 दे तो 18 दे रखी मान लो एक्सपेक्ट करना क्लियर डन सर कंडीशन पढ़ी वही है बस एक कंडीशन में एक्स्ट्रा है क्या कि अगर आप सेक्शन नंबर टेन सेक्शन वन वाली कंपोजन स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो तो ये वाली स्कीम आपको नहीं मिलेगी ऑब्वियसली वहाँ वन पॉइंट फाइव करो टर्न ओवर है वहां पर एक परसेंट एक्सपेक्ना छह परसेंट पे करना पागल हो गया जो इधर हो गया बेटा क्लियर उसके लिए एलिजिबल हो तो वहाँ जाइए बेटा आप हाँ ना मालिक डन क्लियर अच्छा वहां पे भी तो आप गुड्स के साथ में कुछ सर्विसेज दे सकते हो बच्चा दस परसेंट याद है बेटा आपको क्लियर अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विस सप्लायर हो तो इस स्कीम में आएंगे और सर्विस में कुछ गुड्स भी दे रहे हो तो इस स्कीम में आएंगे अदरवाइज हम वही जाएंगे बच्चा हाँ ना भाई हटा सर ये पूरा कंपोजिशन स्कीम खत्म होता है अब uh, सर और तो कुछ नहीं बचाना इसमें बस ये लिखा है कि अगर आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो फिर भी आपने कंपोजिशन ले रखा तो हम आपसे डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स बाद में लेंगे लोगों से पेनल्टी अंडर सेक्शन में सेवेंटी थ्री और सेवेंटी फोर बेटा ठीक hmm. है अच्छा सर क्लाउड सर्कुलर लो क्लाउड किचन होता है ना क्लाउड किचन बेटा अभी लेंस ब्रेक देने वाले ना बेटा हम क्लियर क्लाउड किचन से जो खाना आएगा वो भी तो रेस्टोरेंट सर्विस ही बच्चे क्लियर सेंट्रल किचन क्लाउड किचन आर रेस्टोरेंट सर्विस बच्चा सेकेंड थिंग कोई बेकरी है बेटा जहाँ पे पेस्ट्रीज बनती है और आपको सर खाना है तो वहाँ खा सकते हो खड़े होकर बेटा होता ना सर तो ऐसे केस में के इसमें वो रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा वो मैन्यूफैक्चर के स्कोप में नहीं आएगा भरी वहाँ पे सर ईटिंग प्लेस हो या ना हो बेटा थर्ड पॉइंट जो ये आइसक्रीम पार्लर होता है ना सर आइसक्रीम पार्लर्स आर ट्रेडर्स वो क्या करते बेटा ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को बेचते दे आर जस्ट ट्रेडर और ट्रेडर की तरह के प्रोविजन पे अप्लाई होंगे बच्चों ठीक है क्लियर ये खत्म आपका क्या कंपोजिशन स्कीम क्लियर सर आइए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आर सी एम कुछ हो रहा है कि चल रहा है केवल काम पका हो रहा है रिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर रिविजन बोल रहा हूँ विजन री रीडिंग नहीं बोल रहा मैं आपसे रिविजन पक्का इफेक्टिवली गुड आर सी एम रिवर्स आपको वीडियो क्लास वाले पता है क्या बोल रहे चुप चुप चालू चालू ये तो क्या करते हैं सर पॉज किया मंगल चुप हो गया मंगल थोड़ा फास्ट बोल स्पीड बढ़ा देंगे सर ये सर पर हां ध्यान सुनना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अच्छा आपको अभी ब्रेक चाहिए बेटा नहीं दे रहा सुना ध्यान से बात को सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन थ्री और सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फोर आरसीएम सी सुना बात को ध्यान से नाइन थ्री पढ़ो नाइन फोर पढ़ो बेटा पहले नाइन थ्री पढ़ ले हैं नाइन फोर पढ़े पहले अरे सर जो पढ़ना है पढ़ाओ जो पढ़ाओ इधर भूख लग रही है रिवीजन की दिक्कत और आप नाइन थ्री नाइन फोर पढ़ाना दोनों ही आपको नाइन थ्री पढ़ाते चलो सर सर जी टी ए क्या बता सर हम जी टी ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सुना रहे हैं। नहीं मैं घर से जिस सिक्वेंस में याद करके ना वैसे बोल सकता बेटा मैं सर इसलिए मेरे को भी सोचना पड़ता मैंने किस सिक्वेंस में सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर थ्री गवर्नमेंट के पास पावर है चाहे तो नोटिफाई कर सकते हैं कुछ गुड्स और सर्विसेज को जहा पे रेसिपेंट विल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बात खत्म एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द द एक्ट विल अप्लाई ऑन एज इफ ही इज पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट बेटा एंड देर आर सम गुड्स ऑल्सो जहां रिवर्सल सर्विस रिवर्सल लगता है गुड्स के रिवर्सल हमारे सिलेबस में नहीं आते हम उनकी बात नहीं करें इसका मतलब ये नहीं कि में है नहीं गुड्स रिवर्स चार्ज ओके okay? सर्विसेज की हम लिस्ट पढ़ रहे हैं सबसे पहला GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मैं मेगा एग्जामिनेशन का पॉइंट लिंक करते हुए बताता हूं तो आपको मजा आएगा सर GTA ने अगर सर्विसेज जो दी है उसमें क्या होता है एक होता है कंसाइनर एक होता है कंसाइनी दोनों में जो फ्रेड पे करने के लिए लायबल है इट डिपेंड्स ऑन एफओआर बेस पे डिलीवरी है कि एक्स फैक्ट्री बेस पे हां है ना भाई आया आया कनेक्शन आया बेटा मजा आ गया सर प पर्सन हु इज लाएबल टू बे द फ्रेड उसको बोलते हैं रेसिपेंट और सर्विस क्या बोलते हैं सर उसको आज खुद सोचना है यार आज एफ ओर बेस पर डिलीवरी कर रहा है बेटा मैं मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा मेरा है बेटा क्लियर अब मैं कंसर्न बेटा तो रेसीपेंट मैं ही कहूँगा ना ट्रांसपोर्ट सर्विस मेरे को दी आपको तोड़ी दी बेटा एक तरह से यार

जो पर्सन फ्रेड पे कर रहा है या फ्रेड पे करने के लिए है वो इन सेवन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ में से कोई एक है तो जीएसटी लगेगा वरना जीएसटी क्या है एग्जाम और खास बात वो में से कोई एक फ्रेट पे कर रहा है, तो जीएसटी चार्ज द रेट ऑफ फाइव परसेंट रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा सुन रहे मैं रेसिप इंडो मान लो आप जी आपसे मैंने सर्विसेज ली उस पर मुझे टैक्स पे करना है तो मेरे लिए इनवर्ट सप्लाई सप्लाई? सप्लाई है? मेरी सप्लाई? सप्लाई किया है उसका मेरे को मिलता ना यार? तो मेरे पे रेट 5 और 12 को भी है क्या है? क्लियर तो मैंने फाइव परसेंट टैक्स पे किया थ्रू और मेरे को उसका आई टी सी मिल जाएगा अगर एलिजिबल हूं आई टीसी के लिए हरा पर चाहे तो कौन चाहे तो बेटा उसकी चॉइस है वो चाहे तो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का ऑप्शन ले सकता है और उसने अगर ये ऑप्शन लिया है तो ऐसे केस में वो खुद ही लायबल होगा साहब हाँ फॉरवर्ड चार्ज में जीटी खुद लायबल होगा मालिक क्लियर पर ये उसकी चॉइस है बाय डिफॉल्ट क्या है आरसीएम तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोले मतलब क्या है बेटा? अगर जीटी रजिस्ट्रेशन कराएगा अगर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लेगा वो अपने बिल पे डिक्लेरेशन देगा कि मैंने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है एंड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर आई हैव फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ये लिखता है बिल पे क्लियर तो उसने फॉरवर्ड चार्ज लिया नहीं तो रिवर्स चार्ज लगेगा बेटा क्लियर अब उसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया तो ऐसे केस में वो बिल पे टैक्स लगाएगा बेटा आपसे टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा अब जीटीए को दो चॉइस है बेटा या तो फाइव परसेंट वाला ऑप्शन लिया ट्वेल्व परसेंट वाला ऑप्शन ले अगर जीटे के आउटपुट सप्लाई पे उसने फाइव परसेंट ऑप्शन लिया तो उसको कोई आईटीसी नहीं मिलता किसको जीटीए को उसने अगर ट्वेल्व परसेंट वाला ऑप्शन लिया तो उसने ट्रक खरीदी होगी बेटा अरे हा ना भाई अदर इनपुट कैपिटल जो भी परचेज किया सबका इनपुट सभी सबका उसका आई मिलेगा पर हां सुन ना रहे उसने फाइव लिया हो या ट्वेल्व लिया हो रेसिपी ने रिवर्स आज फाइव परसेंट पे किया रेसिपी को तो हर केस में क्रेडिट मिलेगा ना यार उसमें कोई तकलीफ नहीं है उसकी तो इनवर्ट सप्लाई बेटा हा हाँ मालिक क्लियर डन समझे मेरी बात डन अब बात आती है क्या वो सेवन लोगों ने क्यों पढ़ना अपने ठीक है और यहाँ तक समझ में आ गया कि बेटा सात लोगों कौन रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट कॉपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट बॉडी कॉर्पोरेट सर पार्टनरशिप हम वेदर रजिस्टर्ड नॉट इंक्लूडिंग एओपी एनी कैजुअल टेक्सल पर्सन हुई रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इनके अलावा कोई भी पर्सन हुई रजिस्टर्ड अंडर जी तो ऐसे केस में जीएसटी लगता है बाई डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज है वो एफ सी ले तो फॉरवर्ड चार्ज है बेटा हाँ है ना सर और एक लास्ट बात और रही है सिमें बेटा कि अगर रेसीपिन यूनिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है

कि रेसिपेंट जहां रिवर्स आज में लाइव हो रहा है सर वहां पे रेसिपेंट शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरेटरी हर जगह होगा अगर रेसिपेंट आउट ऑफ इंडिया है तो सर गवर्नमेंट तो इंडिया वालों से टैक्स नहीं ले पा रही बेटा से पाएगी क्लियर इसलिए सारे पॉइंट में कॉमन है क्या रेसिपेंट शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी सर प्लीज नहीं नहीं सर सर एक बात और इनका पॉइंट है कि अगर मान लो जीटी के वाले केस में अगर उन सात में से एक पर्सन है तो पहली बात तो टैक्स लगता है अब कौन टैक्स पे करेगा क्वेश्चन आएगा अगर जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड है इसका मतलब ये नहीं कि उसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले लिया है उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और सर उसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया होगा तो ही फॉरवर्ड चार्ज है अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज नहीं है हो सकता ना जीटी का दूसरा बिजनेस भी बेटा कोचिंग भी पढ़ाता है बेटा सुबह दस से छह बेटा कोचिंग पढ़ाता है पे और शाम को ट्रक चलाता है बेटा आदमी क्लियर <laughs> तो कोचिंग के लिए मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ जीटी के लिए सर हे तो से, सेम सेम नंबर बेटा आई एम रजिस्टर्ड इन जीटी जीएसटी बट आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेटा ठीक है मालिक डन क्लियर समझे तो सर फॉरवर्ड चार्ज का उसको ऑप्शन लेना पड़ेगा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा तब जाके वो फॉरवर्ड चार्ज के ऑप्शन में आएगा ओनली रजिस्ट्रेशन करा रखा है मीन की उसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले रखा है बेटा ओके okay, सर इंश्योरेंस सर, सर, एजेंट के इंश्योरेंस में रिकवरी एजेंट भाई कौन सर वो तो बैंक के जो जाते होते हैं उसके लिए वसूली भाई है बेटा उनको कमीशन मिलता है सर अब उन कमीशन पर लगता है जीएसटी सर रिकवरी एजेंट लोगों से वसूली कर रहे हैं बेटा क्या डिपार्टमेंट उनसे वसूली कर पाएगा दो ऑफिसर कहीं वापस आए नहीं बेटा क्लियर <laughs> फिर बैंक गवर्नमेंट ने बोले ना हमसे ना हो पाएगा बैंक तुम उनको जीएसटी देना ही हम तो डायरेक्ट आपसे लेंगे

लेता है बेटा बैंक से तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट से तो रिवर्स रिवर्सम लगेगा पर डीए से खुद कौन है कोई बॉडी कॉर्पोरेट है पार्टनरशिप हम है तो ऐसे केस में एल डिफॉल्ट है, है, है बेटा तो ऐसे केस में हमेशा क्या है फॉरवर्ड चार्ज है रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा बेटा हाँ है ना भाई सर ऑल दी सर्विस प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी लोकल थोड़ी धो है बेटा आपको वहां टैक्स लगता है सर पर बाय सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करना पड़ेगा सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स और सर सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट इन तीन को छोड़ दो बाकी एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है रेसिपेंट बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट डायरेक्टली पर रेंटिंग ऑफ इमुल वुडी क्या बोला सर गवर्नमेंट ने कोई इमुल रेंट पे दी किसको

सर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जिसका टर्न अप टू लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन था बेटा मतलब रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस नहीं किया आर्बिटल ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी किसको ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रेसिडिंगनेंशियल मोर देन रूपीज मोर देन थ्रेश लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तो टैक्स लगेगा और वो भी

एडवोकेट को या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को तो ऐसे केस में रेसिपेंट किसको मानते हैं बेटा वो बिजनेस एंटिटी को रेसिबेंट मानेंगे जिसका केस वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन द कोर्ट बेटा और ऐसे केस में वो बिजनेस एंटिटी विल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू तो द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसी बेटा हाँ या ना अरे क्लियर बच्चो सर डायरेक्टर केस में कौन लाइवल है कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट लाइवल होगा टैक्स पे करने के लिए बेटा ठीक है सर ये सिक्योरिटी लेडिंग स्कीम याद आए क्या बेटा बोरो रिवर्स आज मै कर आई जी एस टी पे करेगा बेटा ठीक है सर अब सुनना दो पॉइंट बड़े शानदार है जहां गलती बच्चों से होती इन सब में गलती नहीं होती बेटा अब जो बोटा वहां गलती होती बेटा कभी ऑडिट करने गए आउटस्टेशन बेटा कोई बात नहीं कुछ लोग गए कुछ नहीं गए इसमें क्या है तो सर आउटस्टेशन ऑडिट करने गए अगर अगर कभी गए हो तो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जहाँ आप पहुंचे होंगे यहां से तो कंपनी वाले कार भेज दे बेटा टैक्सी आपको लेने के लिए ठीक है नहीं भेजी होगी बेटा <laughs> सर <laughs> अच्छा ऐसा भी होता है क्या सर <laughs> हमको तो नहीं भेजी सर मेरे साथ पूछना मत बेटा मेरे को तो पैदल जाना पड़ता था सर अब पॉइंट ये कि सर वो कार मेरी थी बेटा वो रेंट पे कार मैंने कंपनी को दी थी बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो The cost from the company, बेटा। हाँ ना भाई और वहां पर रेंटिंग मोटरवाइकल डिजाइन ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की में दी किसको बॉडी कॉर्पोरेट रिवर्स चार्ज लगेगा और गवर्नमेंट ने बोल दियाट विल बी आईबू पे जीएसटी टू दी गवर्मेंट डायरेक्टलीस बोलिया क्या बोला सर शुड बी ट शुड बी एंड रेसिपेंड बी अच्छा मैं कौन हूं इंडिविजुअल मान लो मंगल बेटा मैं यशवंत मंगल कुछ न सर मैं यशव मंगल इंडिविजुअल मैंने रेंटिंग मोटरवे की सर्विस दी किस को बॉडी कॉर्पोरेट को बेटा क्लियर रिवर्स लगेगा बच्चो हूं करो रे कौन टैक्स पे करेगा बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा पर मैंने अगर ट्वेल्व परसेंट पे करने वाला ऑप्शन लिया कौन सा लिया बेटा तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा और मैं खुद टैक्स पे करके और मैं कुण कुण बिल पे, के लूंगा गवर्नमेंट को पे करूंगा हाँ ना भाई। पर 12 पे करने वाला ऑप्शन नहीं लिया तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपेंट फाइव परसेंट टैक्स पे करना बेटा फाइव परसेंट ठीक है मालिक क्लियर अच्छा ट्वेल्व परसेंट सी जी एस टी सिक्स एस जी एस टी सिक्स और अगर इंटर है तो ट्वेल्व परसेंट आई बेटा हा ना भाई डन तो सर सप्लायर शुड भी जल्दी बोलो गलती होती है, बच्चा, में होता है? कहा, body लिखा, कहा, लिखा है, बेटा इसलिए नेक्स्ट सिक्योरिटी सर्विसेज क्या बेटा सिक्योरिटी सर्विसेज इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल बेटा इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज बचा अब सिक्योरिटी सर्विस किसने दी बेटा आद दिन बॉडी कॉर्पोरेट ने सर सब पता सबसे टफ काम क्या है बेटा ये बॉडी को संभालना बेटा पता बड़ा अपनी बॉडी खत्म गई बेटा क्लियर तो वो कौन कर सकता है बेटा जो खुद बॉडी हो बेटा और वो खुद अगर बॉडी है तो गवर्नमेंट उसे टैक्स ले पाएगी क्या बेटा ये लॉजिक है सर सारे एंड दीज आर द रियल लॉजिक्स क्लियर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है सार, सा, सारे ही है. पर अगर वो खुद बॉडी होता तो कंपनी वही बड़ा काम कर रहा है यार आप समझे ना वो कंपनी है खुद बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब बड़ा काम कर रहा है मतलब वो खुद सारे कंप्लाइंस करता होगा वहां टैक्स चोरी का चांस नहीं है बेटा इसलिए रिवर्स रिवर्सार्ज नहीं लगाया पे बेटा दीज आर दी रीजन बैंड इट क्लियर तो सर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन कौन है बेटा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस दी किसको रजिस्टर्ड पर्सन को किसको बेटा तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैक्रेस लगेगा और रेसिपेंट विल बी लाइबल टू पे बेस दी गर्मेंट डायरेक्टली अंडर टू दर्मेंट डायरेटी बेटा ना भाई एक मिनट रेसिपेंट शुड भी रेसिपेंट शुड भी रजिस्टर्ड भरी वो बॉडी कॉर्पोरेट हो या

रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा क्लियर सेकंड सेकंड सर अगर रेसिपेंट खुद को कंपोजिशन स्कीम वाला कौन है बेटा खुद का टैक्स तो पे करने में दिक्कत आती है सर उसको वो रिवर्स चार्ज का टैक्स पे कर पाएगा इसलिए वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगाया क्लियर समझे मेरी बात डन ये रिवर्स चार्ज के पॉइंट थे अच्छा ऑथर के केस में कॉपोरेट का ट्रांसफर कॉपोरेट टेम्परी ट्रांसफर किया रिवर्स चार्ज लगेगा बाय डिफॉल्ट कौन लाया है बेटा पब्लिशर पर अगेन ऑथर को ऑप्शन दे रखा है कि वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले सकता है क्लियर सेम वे सर म्यूजिक कंपोजर आर्टिस्ट अरे वो थ्री मूवी देखी आपने बेटा उसमें वो फरहान था वो जो वो वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट वो था ना फोटोग्राफर फरहान था ना बेटा सब याद बेटा बस प्रोविजन याद नहीं, नहीं होता पाते सर तो वो आर्टिस्ट था बेटा उसने अपने आर्ट वर्क का क्या कर रखा था कॉपीराइट

डेवलपमेंट राइट फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स और लॉन्ग टर्म लीज थर्टी ईयर और मोर देन थर्टी ईयर मैंने कोई लैंड लीज पे दी किस को बिल्डर को प्रमोट कर कैसे कैसे रिवर्स कैसे में में बिल्डर लाइव होगा प्रमोटर लाइल होगा बेटा है ना भाई क्लियर पक्का डन ये और एक लास्ट बात और रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डेलिंग रेंटिंग ऑफ उव... ए भाई टू रजिस्टर्ड पर्सन अब भले उस रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं नहीं पर्सनल यूज के लिए क्लियर लिया होगा ना सर उसने तो उसने अपने बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम नहीं किया होगा बेटा आज जैसे मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बेटा तो मैं मैं खुद नहीं हूं क्या बेटा मैं बस रजिस्टर्ड हूं क्या मेरा नाम केवल जीएसटी नाम से जाना जाएगा क्या मैं खुद भी तो अपने आप में आत्मा हूं मेरे अंदर आत्मा है ना बेटा तो उस आत्मा ने अगर घर को किराया लिया है बेटा और उसने अपने बिजनेस में वो खर्चा क्लेम नहीं किया है तो जैसे कि इसमें जीएसटी एक्सप्लेनेशन एड हुआ है सर मेगा बेटा क्लियर पर इसने अगर वो घर भले खुद के लिए लिया हो डायरेक्टर के लिए लिया हो अपने एम्प्लॉय के लिए लिया हो अपने पार्टनर के लिए लिया हो घर किराए किराया लिया है ऑफ तो रेजिडेंस लिया है पर वो रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने अगर, अगर अपने में वो किया, है, किया है तो टैक्स लगेगा क्या लगेगा किसी का घर किराया वहां ऑफिस लगा दिया बेटा तो, तो हमेशा टैक्स लगता है बेटा पर अगर रेसिपेंट कौन है रजिस्टर्ड पर्सन तो हमेशा रिवर्स चार्ज लगेगा क्या लगेगा बेटा रिवर्स चार्ज बच्चों हाँ है ना भाई मतलब आपने घर किराया पे दिया है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन टू

घर की तरह यूज किया है, चलेगा साहब जीएसटी क्या रहेगा एग्जाम रहेगा बिल्डर क्या बोलता है प्रमोटर ने अगर एक रुपए की भी सीमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करी किस परचेज करी सर अनरजिस्टर्ड से या एक भी कैपिटल गुड्स ने परचेज किया किससे अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो उस प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बात खत्म बेटा उसके अलावा

जितना शॉर्टफॉल होगा जितना शॉर्टफॉल होगा उतने शॉर्टफॉल के लिए रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा मान लो 75 परसेंट उसने इनपुट कोई इनपुट था वो परचेज किया किससे रजिस्टर्ड से 25 पच्चीस परचेस किया किससे अनरजिस्टर्ड से तो पांच परसेंट जो परचेज है उसका शॉर्टफॉल जो अस्सी परसेंट से उस फाइव परसेंट रिवर्स चार्ज में बिल्डर को प्रमोटर को खुद को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आसीमी हा है ना भाई क्लियर डन ये सेक्शन नाइन फोर भी खत्म होता है अब नाइन फाइव बोलता है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बुक लग रही बेटा ये बुक होनी चाहिए बेटा अंदर सर सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर नाइन सबसे दो मिनट लगेंगे सर केवल फिर बस चैप्टर नंबर एट बचा बेटा सुना बात ध्यान से सर <laughs> फिर बस थोड़ी देर हो रही है बेटा फिर ओके okay? सर सेक्शन नंबर नाइन सबसे सुनना सुनना सुना ओ सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हैं किसको नोटिफाई कर सकते बेटा लास्ट मिनट दो मिनट सर सुना सुना सुनना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ सर्विसेज एंड सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन ऑन सर्विसेज और हाँ ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ेगा और ओसी को पे करना पड़ेगा और हाँ उसी को पे करना पड़ेगा मतलब उसका फिजिकल प्रेजेंस अगर इंडिया में तो वो टैक्स पे करेगा नहीं है तो उसका री, उत, उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो इंडिया में वो टैक्स पे करेगा और वो भी नहीं है तो दे विल हैव टू तो अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन बिहाफ पर पे तो उसी को करना पड़ेगा क्योंकि सर वो जो चार सर्विस सप्लायर है उनकी शक्ल देख लेना वो टैक्स पे नहीं करेंगे सर गवर्नमेंट साहब बोल दिया ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे टैक्सी ओला उबर बैठ अब मैं ओला चाहता हूँ शाम को भी बेटा

बाकी चलता है बेटा क्लियर इन सब के केस में ओमनी इन सब के केस में क्या लगा दिया बेटा रिवर्स चार्ज नाइन फाइव लगा दिया और इसको रिवर्स चार्ज नहीं बोलते फॉरवर्ड चार्ज बोलते बेटा क्योंकि ई सीओ इज नॉट द रेसिपेंट ई इज द थर्ड पर्सन क्लियर मान लो टैक्सी वाला मैं हूँ आप पैसेंजर हो बेटा आप रेसीपेंट हो सर्विस हो मैं सप्लायर और सर्विस हूँ पर ई सीओ कौन है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका ने आपको और हमको मिलाया है बेटा क्लियर पर फॉर फोर दर्पज ऑफ नाइन फॉर दर्पज ऑफ जीएसटी उसको सप्लायर मान लिया गया, गया बेटा इसलिए उसको रिवर्स चार्ज नहीं बोलते नाइन फाइव को बेटा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते बेटा क्लियर और ये ओला टैक्स पे करेगा उसके इसमें सेकंड रेस्टोरेंट सर्विस कौन सा बेटा रेस्टोरेंट सर्विस स्विगी जोमेटो बेटा जैसे गरम गरम पाव भाजी मंगाते हो आप बेटा कभी भी जैसे डोमिनोज की पिजा वगैरह बेटा आप देखोगे ना बेटा चीज बर्स्ट क्लियर सर

हो हो गया हो गया होटल अकोमोडेशन के केस में पर ये दोनों केस में होटल अकोमोडेशन में और हाउस कीपिंग सर्विस में नाइन फाइव तभी लगेगा जब दो सप्लायर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी अगर वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो खुद टैक्स पे करेंगे यहाँ नाइन फाइव नहीं लगेगा बेटा हा ना भाई अरे क्लियर पक्का डन और ध्यान देना बेटा सर्कुलर भी इशू हुआ है नाइन फाइव में और मैं डे वन से बताता आपको सर नाइन फाइव में जो ईसी लाइबल है उसको सप्लायर ऑफ सर्विस बोलते बेटा वो रेसिपेट नहीं उसको रिवर्स चार्ज नहीं बोलते उसको फॉरवर्ड चार्ज बोलते बेटा और फॉरवर्ड चार्ज है तो सर ईसीओ अपने फॉरवर्ड चार्ज ईसीओ को बोलते हैं सप्लायर ऑफ सर्विस रेसीपी ऑफ सर्विस नहीं बोलते बेटा वो अपने फॉरवर्ड चार्ज के आउटवर् सप्लाइ में दिखाएगा और टैक्स पे करेगा बेटा अच्छा जैसे मेरे रेस्टोरेंट बेटा सर्कुलर था रेस्टोरेंट बोलता है क्या मेरे केस में कौन लाइबल होगा ईसीओ फिर फिर भी मेरा टर्न अगर कभी देखना है किसी कारण से तो मेरे टर्न में इंक्लूड तो करेंगे ना बेटा यार द टर्नोल विल बी इंक्लूडेड सेकेंड थिंग अगर मान लो आपने रेस्टोरेंट से कुछ ऐसा ऑर्डर किया जो एक तो फूड मंगाया बेटा और साथ में कुछ ऐसी ट्रेडर वाले गुड्स मंगाए बेटा जो ट्रेडिंग होता है केवल बेटा तो वो ट्रेडर वाले गुड्स के लिए तो नाइन फाइव नहीं है बेटा उसमें तो ईसी लाइव उसमें तो रेस्टोरेंट लाइवल होगा और जो रेस्टोरेंट वाला पोर्शन होगा उस पर नाइन फाइव लगेगा बेटा हाँ है ना बेटा और जहाँ पे नाइन फाइव लगता हुआ टी डी एस नहीं लगता बेटा टी सी एस टी सी एस पर सर वो फूड वाला था ना पोर्शन वो ट्रेडिंग वाला पोर्शन बेटा उस पर सिंस नाइन फाइव नहीं लग रहा बेटा

तो सर आई होप आपको ब्रेक नहीं चाहिए शायद ब्रेक चाहिए क्या आपको वे? चलने दे कहानी नहीं पक्का चलिए सर कितनी देर का ब्रेक एक घंटा देखे भागल हो गए क्या इतना कितना खाओगे ओके सो अल्टीमेटली वी हैव दी टाइम जो हम बेस्ट oh, यूज़ करना है सर सर तो जितना जल्दी हम आएंगे उतना ही हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे सर सो इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम ऑन टाइम कितना टाइम का एक घंटा नहीं फोर्टी मिनट फोर्टी मिनट्स में वी हैव टू बिगिन द लेक्चर ओके सो मिलते ब्रेक के बाद वीडियो क्लास में उनका तो ब्रेक वैसे भी चल रहा होगा बेटा जब चाहे तो रोक देते बेटा वो तो ओके okay? सो so, मस्त होगी पढ़िए और आई uh, होप आपको भी समझ में आ रहा है सर सब कुछ माहौल मिलते ब्रेक के बाद सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू यस सर गुड मॉर्निंग अगर लंच के बाद वाला आफ्टरनून किसने बोल दिया है तो मैं सुना दूंगा सबको गुड मॉर्निंग यस सर सरकार आई होप जीएसटी जो हमने पढ़ा है यहां तक आपके एंड पे क्लियर हुआ समझ में आया लिंकिंग हुआ एंड कनेक्ट हुआ चैप्टर सर अरे पक्का 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 ओके सर नेक्स्ट पॉइंट सर शुरू करते हैं मस्त वाले पॉइंट कुछ कुछ सेलेक्ट लेते हैं हम सर सर आईजीएसटी एक्ट में दो तीन बातें जहां गलती करते हैं बच्चे वो तुम्हें बताया बेटा मैं वरना आईजीएसटी एक्ट में जैसे प्लेस और सप्लाई क्या होता है सेक्शन ट्वेल्व में दे रखी लिस्ट सेक्शन में दे रखी वो कोई बहुत टेक्निकल पॉइंट नहीं है जहां टेक्निकल्टीज में तुम्हें बताता बताओ बेटा जहां कनेक्ट करने होते हैं ओके okay, सर सबसे पहली बात सर ध्यान देना बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स किसको कहते हैं बेटा ब्रिंगिंग गुड्स इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यहां तकलीफ नहीं है सर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बात को समझना ध्यान से सर अगर कोई भी सर्विस आप सप्लाई कर रहे हो उसको एक्सपोर्ट कब कहेंगे बेटा सर पांच कंडीशन दे रखी पांच पॉइंट दे रखे इफ ऑल दीज फाइव कंडीशन सेटिस्फाइड तो वो सर्विस अभी क्या कहलाएगी बेटा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या लाएगी पांच कंडीशन कौन कौन सी सप्लायर शुड भी लोकेटेड इन इंडिया आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई शुड ऑल्सो बी आउटसाइड इंडिया पेमेंट जो आ रहा है वो कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज में आना चाहिए और जहां आरबीआई ने अलाउ किया बेटा एंड लास्ट दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए तो वो कहलाएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और अगर कोई भी सर्विस एक्सपोर्ट है तो वो इंटरसेट सप्लाई के स्कोप में आता है वहां आईजेस्ट लगेगा पर अगर अपने बिफोर एक्सपोर्ट बिफोर सप्लाई अगर आपने एलयूडी या बॉन्ड साइन कर दिया तो ऐसे केस में आपको आई जी एस टी पे करने की जरूरत नहीं एंड यू कैन सप्लाई द सर्विसेज और गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ आई अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी बेटा हा ना भाई और उसमें काम आने वाले इनपुट इनपुट सर्विस का आई आपको मिलेगा क्लियर और उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो अगर आईटीसी काम नहीं आ रहा है तो बेटा हा ना भाई क्लियर तो सर क्या होता है अच्छा एक तो हो गया एक्सपोर्ट अब अभी इंपोर्ट इंपोर्ट सर्विस में तीन कंडीशन है ना बेटा बस दो ही कंडीशन है क्या बेटा थर्ड भी है क्या सप्लायर शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया रेसिपेंट शुड बी लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लायर शुड ऑल्सो बी इन इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया होना चाहिए तब जाके वो इंपोर्ट सर्विस होगा वरना वो इंपोर्ट सर्विस नहीं होगा क्लियर जैसे आप आउट ऑफ इंडिया गए बेटा अरे कहा गए और सर वहां जाके आपने कोई services ली बेटा जैसे, जैसे मसाज तो बेटा यार लोकल में हुई थी बेटा पूरी सर जैसे आपने सर वहां जाके खाना खाया बेटा रेस्टोरेंट सर्विस बेटा हाँ है ना सर तपस्या तो करने थोड़े गए बेटा आउट ऑफ इंडिया खाना खाया होगा आपने अब सर सप्लायर ऑफ सर्विस वहां का बेटा रेसिपेंट ऑफ सर्विस इंडिया का बच्चे आप लोग क्लियर और आपने रेस्टोरेंट सर्विस ली रेस्टोरेंट सर्विस में प्लेस ऑफ तो क्या होता है जहां सर्विज परफॉर्म करी बेटा क्लियर वेयर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इज रिक्वायर्ड तो जहां सर्विज परफॉर्म करी हुई क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई तो सर सर्विसेज कहां परफॉर्म करी रेस्टोरेंट वाले ने जहां रेस्टोरेंट वही परफॉर्म करी बेटा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया बेटा आउटसाइड इंडिया क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है इज नॉट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ध्यान देना एवरीवेयर जहां पे सप्लायर सर्विस आउट ऑफ इंडिया इंडिया होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस है प्लेस ऑफ सप्लाई शूड ऑल्सो इन इंडिया तब जाके वो क्या होगा बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा अदरवाइज इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा क्लियर समझे मेरी बात अब आप सोचिए आप आउट ऑफ इंडिया पता नहीं क्या क्या खा के आया क्या क्या सर्विस लेके आया क्या इंडिया मैके टेक्स करेंगे सोचो आप क्लियर तो उस अकॉर्डिंग सोच के ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस को सोच के कंजम्पन बेस्ड टैक्स सर इंडायरेक्ट टैक्स क्लियर वो सर्विसेज वही कंज्यूम हो गई बेटा आप आपके ऑर्डर थे क्या सर्विस वहां से हाँ मसाज सर्विस बेटा है ना वेरी गुड बेटा क्लियर यहाँ आके बताओगे घर पर बेटा सर <laughs> सोचो आप यहाँ आके टैक्स पे करना पड़ा पापा पूछेंगे भाई क्या हो रहा है इधर तो इसलिए बोला नहीं 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 ऐसे सब कुछ चीज़ें तो है ना बेटा टैक्स नहीं लगाना है सो पॉइंट इज दैट कि प्लेस ऑफ सप्लाई शुड ऑल्सो भी इन इंडिया तब जाके टैक्स लगेगा टैक्स नहीं लगेगा आप समझे कंज्यूमशन बेस्ट टैक्स जब सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया कंज्यूम ही तो कैसे आप टैक्स लग सकते हो सर इंडिया में क्लियर सो so ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अब सर ये मैंने आपको इसलिए डिफाइन करके बताया कि ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज वन ऑफ द फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है सेकंड थिंग सप्लाई क्या होता है? इंट्रास्ट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस एंड रेसिपेंट ऑफ सॉरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट है सेम यूनिटेड वो क्या होगा इंट्रास्टेड सप्लाई होगा एक्सेप्ट अगर आपने एस को सप्लाई किया है है ना एक्सेप्ट अगर आपने फॉरेन टूरिस्ट को सप्लाई किया है या आपने कस्टमर एंड वेहरा से गुड्स को सप्लाई किया है इन तीन को छोड़ दो बाकी सारे केस में वो क्या इंट्रा है बेटा पर सर पॉइंट आता है क्या सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो वन ऑफ द फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि इंट्रा है कि इंटर है केवल प्लेस और सप्लाई देख के आप इंट्रा इंटर डिफाइन नहीं कर सकते केवल प्लेस और सप्लाई को देख के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफाइन नहीं कर सकते क्लियर सर स्टेट सप्लाई क्या होता है सेक्शन नंबर सेवन ऑफ दी आईजी स्टेट ने डिफाइन किया जहां पर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट है दो डिफरेंट यूनियन टेरेटरीज है वन स्टेट या वन यूनियन टेरेटरी है तो सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इंटरस्टेट कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ कॉमर्स होगा बेटा सेम वे सर्विसेज के सर्विस बोली है प्लस अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी क्या है? इंपोर्ट करी बेटा आपने उसको भी इंटरस्ट सप्लाई बोलते हैं प्लस अगर आपने कस्टम बोनेट वेरा में कोई गुड्स को बेच दिया उसको भी क्या बोलते हैं इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं प्लस अगर आपने एस को सप्लाई किया या उसने आपको सप्लाई किया या आपने एक्सपोर्ट किया या आउट ऑफ इंडिया सप्लाई किया वो भी क्या है इंटरस्टेट सप्लाई प्लस ऐसी कोई सप्लाई जो टैक्सेबल टेरेटरी में हुई कहा हो बेटा जो इंटरस्टेट की डेफिनेशन कहीं नहीं आ रही है इंटरस्टेट में कहीं नहीं आ रही है इंटरस्टेट सप्लाई होता है बच्चों है हाँ है ना तो ये इंटरस्टेट का डेफिनेशन दे रखा है, पर इंटरस्टेट है कि इंटरस्टेट है ये डिफाइन करने के लिए आपको सप्लायर का लोकेशन प्लस वाल प्लेस ऑफ सप्लाई केवल प्लेस ऑफ सप्लाई देख के आप डिफाइन नहीं कर सकते अब सर ये तो आप डिफाइन कर लेते हो पर बात आती है कहा पे? जब एक्सपोर्ट की बात आती है किसी सर्विस की गुड्स में तकलीफ नहीं आती है सर्विसेज की एक्सपोर्ट की बात आएगी सर्विसेज की इंपोर्ट की बात आएगी तो प्रॉब्लम बेटा कि आपको पांच स्टेप फॉलो करनी है सबसे पहले सप्लायर का लोकेशन देखना है फिर रेसिपेंट का लोकेशन देखना है फिर मोस्ट इंपोर्टेंटली मोस्ट इंपोर्टेंटली प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है क्लियर फिर देखना कन्वर्टेबल एक्सचेंज में पेमेंट आया कि नहीं आया

मतलब क्या है इसका इंडियन लॉ में उसका सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुका है बेटा आवाज यहाँ क्लियर सेपरेट लीगल एंटिटी अगर वो बन चुका है तो सर ऐसे केस में यूएस की कंपनी कंपनी अलग है और यहाँ की कंपनी एक अलग कंपनी भले वो सिस्टर कंसर्न हो भले वो होल्डिंग सब्सिडी कोई फर्क नहीं पड़ रहा पर दो अलग अलग एंटिटी बन चुकी है और ऐसे केस में वो अगर मान लो इंडिया वाली कंपनी वो आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को सर्विस अगर दे रही है तो ऐसे केस में वो एक्सपोर्ट में आएगा वो सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहलाएंगे को समझा के गया पक्का ना क्लियर सेकंड बात सेम वे अगर मान लो वो इंडिया की जो कंपनी थी इसको रिवर्स भी ले लो सर एग्जांपल कंपनी इंडिया की थी उसने यूएस में एक ब्रांच खोली बेटा पर वहां के लोग वहां के लोग में अगर उसने कंपनी बना दी तो ऐसे में वो दो अलग पर्सन बन चुके हैं बात खत्म तो वो डिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन नहीं कहलाएंगे क्लियर और अगर एक्सपोर्ट की बाकी सारी कंडीशन पूरी होती है तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में आएंगे अगली बात सर पर मान लो वो यूएस की कंपनी जो आउट ऑफ इंडिया है उसने अपना केवल एक ब्रांच ऑफिस खोला होता रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला होता केवल जिसका इंडियन लॉज में उस, उसने कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया होता तो ऐसे केस में अब उस ब्रांच ऑफिस ने अगर आउट ऑफ इंडिया वाली आउट ऑफ इंडिया वाली फॉरेन कंपनी को सर्विस अगर दी होती तो ऑल दो ध्यान से सुनो मैं बात जो कहने वाला हूं शानदार कनेक्ट करूंगा मजा आ जाएगा माहौल एकदम सर ऑल दो सर उसने क्या किया सर्विस आउट ऑफ इंडिया दी है

अरे क्या लगता है बेटा आई जी एस टी अब सर सोचिए वो इंडिया का ब्रांच उसने यूएसई कंपनी को जेन्यनली कोई सर्विस दी है और वहां पर आई जी एस टी लगा एस्टेब्लिशमेंट है सही हो रहा है क्या यार ये इसलिए मेगा लिस्ट में इसको बोला क्या दिस सर्विस विल बी एग्जिम फ्रॉम आई जी एस टी मतलब गवर्नमेंट को हमने बोला भाई साहब ठीक है यार हमको एक्सपोर्ट के बेनिफिट मत दो पर कम से कम लूट तो मतलब हमको हाँ है ना इसलिए सर अगर डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने आउट ऑफ इंडिया सर्विस दी है अपने किसी दूसरी ब्रांच को तो ऐसे केस में जीएसटी उस पर क्या किया बेटा एग्जाम क्या है मेगा एक्जीबिशन में लास्ट थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट में पॉइंट दे देखा बेटा ये मेगा एक्सिबिशन में क्लियर लॉजिक समझ में है बेटा ये कि ठीक है यार हम दोनों डिस्टिंग पर्सन है सॉरी डिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट दी सेम पर्सन है आप कम से कम हमको एक्सपोर्ट के बेनिफिट मत दो पर कम से कम टैक्स तो मत लगाओ साहब हम पे हम भी तो आउट ऑफ इंडिया से फॉरन करेंसी इंडिया में ला रहे हैं यार Clear? तो इसलिए वहाँ पे, पे क्या किया किया बेटा 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 और मेगा yes no? सर, सर, हाँ, और में इसको दिया गया या पक्का ध्यान दीजिएगा एक था वो भी बताता तुम्हें में. सर मान लो कोई कंपनी है यूएस की कोई कंपनी है उसने इंडिया के किसी पर्सन को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया काम करने का ओके सर यूएस की कोई कंपनी है साहब उसने इंडिया के किसी पर्सन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाना है आपको मेरे लिए काम करना है सर क्लियर और वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ रहा है मान लो फिफ्टी करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था कितने का था बेटा फिफ्टी करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था अब सर इंडिया के वो पर्सन ने वो काम करने के लिए जापान की किसी कंपनी की हेल्प ली बेटा क्लियर और जापान की कंपनी को बोला कि तुम इस काम में से इतना काम आप करना आपको ट्वेंटी करोड़ रुपयी मतलब डॉलर देंगे बेटा ट्वेंटी करोड़ डॉलर दिया जाएगा अरे क्लियर तो यूएस वाली अपने को कितना बेटा फिफ्टी हम उसको कितना देंगे जापान वाले को ट्वेंटी तो सर अल्टीमेटली मेरी सर्विस एक्सपोर्ट कितनी हुई बेटा पचास करोड़ की हुई बेटा मैंने पचास करोड़ की सर्विस एक्सपोर्ट करी ट्वेंटी करोड़ की सर्विस एक तरह से मैंने इंपोर्ट करी बेटा हाँ है ना भाई अब ही मैंने जापान वाले को बोल दिया क्या तुम डायरेक्ट यूएस वाले जो कंपनी है उसे करके काम वहां करना पर सर्विस तो अल्टीमेटली मेरे को दे रहा ना बेटा वो है और पचास करोड़ की सर्विस तो मैंने दी बेटा अल्टीमेटली यूएस वाले को पर अब मैंने क्या कहा अब क्या होता है आउट ऑफ इंडिया से, से पेमेंट आता है ना सर बैंकिंग चैनल्स अपने चार्जेस कट करती है बेटा तो उन चार्जेस को सेव करने के लिए हमने क्या किया सर उस यूएस की कंपनी को बोला एक काम करना थर्टी करोड़ हमको दे, दे देना और ट्वेंटी करोड़ डायरेक्ट जापान वाली कंपनी को दे, दे देना तो आप मुझे बताओ ऐसे केस में सर एक्सपोर्ट और सर्विस के स्कोप में कितना आएगा उसके लिए उसकिलर ने बोला क्या पूरा पचास करोड़ एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगा चिंता वाली बात नहीं है सर वहां पर ऐसे केस में आरबीआई ने अलाउ किया हुआ सर यह

जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड रेसिपेंट ऑफ सर्विस दोनों टैक्सीबल टेरिटरी के बेटा मतलब आप भी इंडिया के में भी नहीं डाउट है बेटा आप भी इंडिया हम भी इंडिया आप भी भारत के हम भी भारत के अब सर पॉइंट है मेरे मालिक सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स करना है सुनना बात को ध्यान से आप हो मुंबई महाराष्ट्र बेटा मैं कहा बेटा बेटा मुंबई महाराष्ट्र में खड़ा हूं बेटा मैं भी क्लियर सर घर बली होता पर दिल तो यही है सर मेरा सर ऐसा बोलने से थोड़ा अच्छा लगता है सर सर पॉइंट ये कि मालिक

वही क्या हो जाएगा बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर पर प्रोवाइडेड दैट इफ द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज आउटसाइड इंडिया क्या हुआ सर इफ द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज आउटसाइड इंडिया तो ऐसे कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स दैट इज आउटसाइड इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसा सेक्शन में ट्वेल्व सेक्शन एट में प्रोवाइज लिखा है बेटा हूं करो रे ओके okay. आप कहा के बेटा मुंबई में मुंबई महाराष्ट्र मतलब ट्रांसपोर्ट की सर्विस देने वाला ट्रांसपोर्टर भी मुंबई का महाराष्ट्र का और अभी महाराष्ट्र के और यहां से आपको गुड्स भेजना का सिंगापुर भेजना बेटा सिंगापुर कहा शिपिंग कंपनी जो मुंबई महाराष्ट्र की थी बेटा मंगल शिपिंग कंपनी बेटा नाम सुना आपने कभी बेटा सुनो मंगल शिपिंग कंपनी अब सुना बेटा आपने अब भी नहीं सुना तो ये ईगो आपका हट हो बेटा सर अब पॉइंट आपसे ये कि सर मंगल शिपिंग कंपनी ने आपको सर्विस दी आप गुड्स भेज रहे हो कहा सिंगापुर और आपको आपकी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला कौन है मंगल बेटा तो सप्लायर भी भी इंडिया का मतलब, आ, का और भी का मतलब महाराष्ट्र महाराष्ट्र और सिंगापुर अब सर्कुलर है इसको लेके बेटा सिंगापुर इज द तो प्लेस ऑफ तो सप्लाई आप समझना बात करते बेटा इंडिया मतलब कहां का कौन कौन मंगल शिपिंग कंपनी बेटा वो कहा रजिस्टर्ड बेटा मुंबई महाराष्ट्र सर सप्लायर इंडिया का प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउटसाइड इंडिया होता है तो उसको बोलते हैं क्या इंटरस्टेट सप्लाय पर सिंस सिंस मेरा मेरा और सर्विस क्लाइंट जो है वो का है वो का बेटा मुंबई का ही आप लोग भी तो इसलिए वो एक्सपोर्ट के में नहीं आएगा हाँ है ना बेटा अब सर जहां पे सप्लायर इंडिया का होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होता है उसको बोलते हैं क्या इंटरस्टेट सप्लाई पर सेक्शन सब सेक्शन फाइव क्लोज नंबर ए क्लियर ऑफ द आई जी एस टी एक्ट वो क्या होता है इंटरस्टेट सप्लाई मैं बिल पे क्या लगाऊंगा बेटा आवाज नहीं आ रही सर आप कहाँ महाराष्ट्र में कहा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था सिंगापुर और ये इंटर सप्लाई के स्कोप में आ रहा था इसलिए क्या होगा बेटा आई जी एस टी इंटर आ... इंटर सप्लाई के लायक और क्या लगेगा आई आईजीएसटी मैं आपको बिल पे क्या लगा, लगा दूंगा आई जी एस टी सर अब पॉइंट आता है कि ऐसे केस में आपको आई टी सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर क्या प्लेस ऑफ सप्लाई सर आई जी एस टी जब बिल पे लगता तो यूनिवर्सल टैक्स है ना बेटा यार किसी और स्टेट का तो प्लेस अप्लाई है नहीं बेटा वहाँ पे तो ऐसे केस में आपको आई मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे केस में मेरे जो कस्टमर्स है सर आप लोग जो मुंबई के हो उसको आपको आई मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इनफैक्ट आप मुंबई के नहीं भी होते आप कलकत्ता के होते सर मैं मुंबई का बेटा क्लियर फिर प्लेस क्या सिंगापुर बेटा अगेन क्या लगेगा आई जी एस टी और आई आपको क्रेडिट मिलेगा कोई दिक्कत नहीं और मैं जब अपना रिटर्न फाइल करूंगा मैं सप्लायर जिसने सिंगापुर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है वो उसमें प्लेस सप्लाई का जो उसमें उसमें रिटर्न में कॉलम आता है फॉरिन डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेगा और वो आई जी दिक्कत वाली बात नहीं बेटा है हाँ ना भाई अरे क्लियर पक्का और आपको आई टी सी मिलेगा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया ये इस बार आया सर्कुलर ओके कोई डाउट इसमें आवाज सर पका, डन ये पॉइंट खत्म होता है अब तो सर ये कुछ बातें मैंने कनेक्ट करने के लिए बताई आपको आई एक्ट की बाकी अदरवाइज बहुत टफ पॉइंट नहीं है टेक्निकल घूमे फिरे पॉइंट नहीं हाँ एक चीज और बताता मैं आपको सेक्शन थर्टीन मुझे बहुत सुंदर लगता है बेटा सर नॉर्मली सेक्शन थर्टीन सेक्शन थर्टीन जहां पे सप्लायर ऑफ औफ...

सप्लायर का लोकेशन क्या होगा बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इन फॉलोइंग थ्री केसेस में फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स सेकेंड इंटरमीडिएट सर्विसेज याद है बेटा एजेंट ऑफ द गुड्स और एजेंट ऑफ सर्विसेज क्लियर और थर्ड सर अरे गोवा गए एक्टिव एंड पे लिए बेटा होता ना सर सर हायरिंग ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बट इंक्लूडिंग यॉट क्लियर अप टू पीरियड ऑफ वन मंथ तो ऐसे केस में वो सर्विस भी सेक्शन में कवर है और ऐसे केस में ये तीन सर्विस के हमेशा किसका लोकेशन किसका लोकेशन सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाय किसका लोकेशन बेटा जल्दी बताओ सप्लायर का लोकेशन ही क्या होगा बच्चा प्लेस ऑफ सप्लाई अब देखो बेटा इससे केवल प्लेस ऑफ सप्लाई निकला अभी इसको सुनने के बाद ये नहीं पता पड़ रहा कि इंट्रा है कि इंटर है कि सी जी एस टी एस जीएसटी क्या लगेगा ये नहीं पता तो आप हमेशा कोई भी सी जी एस टी कोई भी आई जी एस टीविजन से पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते तो उससे आपका प्लेस सप्लाई डिफाइन होता है इंट्रा है इंटर है, है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा आगा आगा आपको क्लियर तो आपने डिफाइन कर लिया क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सप्लायर का लोकेशन अब मान लो आवाज नहीं सर सर आप आउट ऑफ इंडिया सिंगापुर की कंपनी बेटा जो मशीन बेचती बेटा मैं एजेंट हूँ आपने मुझे कांटेक्ट किया और आपने बोला मंगल यह मशीन की डील करवा तेरे को मशीन मिलेगा मैंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से आपका डील करवा दिया सर क्लियर अब सर मैंने अपना बिल लिखा वन सीआर का मान लो कितने का बेटा किसको लिखा सिंगापुर वाली कंपनी को बेटा तो सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का, का बेटा जल्दी बोलो मुंबई महाराष्ट्र का सर्विस रेसिपेंट कहाँ का सिंगापुर का सर पेमेंट मेरे को फोरेन करेंसी में दे रहा है बेटा पूरा पैसा फॉरन करेंसी में आ रहा है बच्चे क्लियर सर और हम दोनों सेम पर्सन के एस्टेब्लिशमेंट नहीं है पर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इंटरमीडियट सर्विस अरे आवाज नहीं आ रही इंटरमीडियट सर्विस बेटा मैंने आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन को सर्विस दी सेक्शन थर्टीन सेक्शन थर्टीन क्या बोलता है सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर का लोकेशन क्या है महाराष्ट्र का लोकेशन और सप्लायर भी कहा का महाराष्ट्र का जय महाराष्ट्र सप्लायर महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र बेटा अरे यस या नो आप मुझे बताओ क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है क्या बेटा क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है बेटा नहीं क्या एक्सपोर्ट के स्कोप में आ रहा है ये तो मतलब ये जरूरी नहीं कि कस्टमर अगर आउट ऑफ इंडिया का तो एक्सपोर्ट है ही बेटा क्लियर समझे मेरी बात मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि यहां हूँ जीएसटी लगेगा इस केस में जीएसटी लगेगा ध्यान रखना भले फॉरेन करेंसी में पेमेंट आ रहा है तो भी जीएसटी लगेगा और पे करना पड़ेगा उस एजेंट को टैक्स समझे मेरी बात सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिफाइन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन क्लियरली और मैं आपसे चैलेंज से, से कह रहा हूं बेटा आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आई जी एस टी एक् के जब प्रोविजन याद करके रिविजन करता तो उसको याद नहीं होता याद हो जाता है बेटा तकलीफ बेटा ये जो मैंने बताया ना आपको कनेक्शन में यहाँ आप दो बार रिविजन लेक्चर देखेंगे ना यूट्यूब पर आई जी एस टी एक का तो भी आपको याद हो जाएंगे सर कि इस केस में यह प्लेस ऑफ है पर जब क्वेश्चन एज होल आता है तो वहां आपको ये प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए बताया क्लियर मेरी बात तो इस वाले केस में सिंस प्लेस सप्लाई इंडिया ही था प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही हो रहा था सर आउट ऑफ इंडिया नहीं था इसलिए वो एक्सपोर्ट के स्कोप में नहीं आ रहा वहां जीएसटी लगेगा क्लियर समझे मेरी बात आवाज नहीं आ रही हो पक्का बच्चों डन पॉइंट खत्म होता है अब आई होप पॉइंट पूरा क्लियर आपके एंड पे सर है हाँ ना भाई ठीक सर तो ये कुछ चीजें मैंने बताई आपको रिगार्डिंग आई जी एक्ट चलिए सर एक दो पॉइंट और बताता हूं आपको रिगार्डिंग मेगा एक्सिमिशन लिस्ट जहां पे सर्कुलर आए थे जहां पे अमेंडमेंट हुए वो बताता हूं आपको सो so दैट मेगा एग्जीशन के कुछ पॉइंट में आपको ध्यान रहेंगे साथ में कुछ मेरे को लगेगा कनेक्शन होता है, होते है सर, वो भी हम बात करके कर लेते हैं सर अच्छा चल अमेंडमेंट तो नहीं था पहले बताता हूं मैं आपको टी को लेकर बात कर लेगा सर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट ये क्या अलग अलग जगह कुछ पॉइंट दे रखे है इसका नाम आती है आती है दिमाग में सर कभी कभी आती होगी सर बोल दूंगा मैं एक बार पूरा आपको अच्छा आवाज नहीं आ रही सर चलिए सर तो मेगा एक्जीबिशन का एक टीडीआर वाला पॉइंट ले लेता मैं आपसे क्लियर उसका अलग अलग जगह पॉइंट आता है मैं दो मिनट में ऐसा क्लियर करूंगा दिमाग खराब सर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स ध्यान पूरा इधर रखो बेटा अच्छा बुक में ढूंढ भी लेंगे ना बेटा मिल भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला बेटा सर <laughs> सुनना 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 क्योंकि मैं वो वाला पॉइंट नहीं बता रहा जो आप देख रहे बेटा मैं टीडीआर एज ए होल पढ़ा रहा उसमें रिवर्स आज भी आ जाएगा

सर बिल्डिंग पुरानी हो चुकी बेटा हूं रे, वहां पचास फ्लैट ऑलरेडी बने हुए सर सर अब सोसाइटी ने देखा कि कुछ दिन अगर हम यहां और रह गए तो हम यही रह जाएंगे सर <laughs> सर बिल्डिंग का वक्त पूरा हो चुका है सर बिल्डर से कांटेक्ट करके नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी सर तो पुराने फ्लैट टूटेंगे नए फ्लैट बनेंगे पुराने दिल टूटेंगे नए दिल कुछ भी सर पॉइंट यह कि सर अब ऐसे केस में क्या होगा <coughs> सर सोसाइटी ने या मान लो किसी इंडिविजुअल पर्सन की बिल्डिंग हो सकती है सोसाइटी जस्ट एक एग्जांपल लिया बेटा क्लियर सोसाइटी ने क्या किया बिल्डर से कांटेक्ट किया अब उसने लैंड सेल नहीं करी है अगर लैंड सेल करता देर इज नो पॉइंट ऑफ जीएसटी एट ऑल बेटा क्लियर उसने बोला नहीं साहब पे पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनाओ और सर ये तो पुराना स्पेस के हिसाब से बनी हुई सब अब इसी एरिया के अंदर अगर आप नई बिल्डिंग बनाएंगे तो ज्यादा आपकी बिल्डिंग बन जाएगी ज़्यादा फ्लैट्स बन जाएंगे तो सर बिल्डर ने भी सोचा बिल्डर ने प्लान किया जहां पे 50 फ्लैट बने हुए उसी स्पेस में उसी एरिया में उसी बिल्डिंग बना के मस्त बिल्डिंग बना के वन फ्लैट बन जाएंगे कितने एक फ्लैट पूरा ट्रांजेक्शन सीखना बेटा सर वन फ्लैट्स फ्लैट कितने बेटा अब बिल्डर क्या कर रहा है बेटा समझना ध्यान से दुख दर्द समझना दोनों के बेटा यहां पे सोसाइटी सोसाइटी ने क्या किया राइट्स दिए राइट्स देना कोई गुड्स सप्लाई करना तो होता नहीं बेटा ना कोई प्रॉपर्टी बेची उन्होंने बेटा तो सर एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस बच्चे क्लियर तो सर सोसाइटी ने क्या दिया बेटा अपना राइट्स ट्रांसफर किए मतलब ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट किया फ्लोर स्पेस इंडेक्स एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज लीजेंट दिए मतलब वो सप्लाई ऑफ सर्विस किया सप्लाई ऑफ सर्विस किसने सोसाइटी ने किसको सर्विस दी सोसाइटी ने बोलो बोलो अच्छा प्रोमोटर वर्ड की से? बिल्डर बोलते क्या बेटा हम लोग जल्दी कनेक्ट होता है सर, सर्विस दी बेटा हाँ ना भाई उसके अगेंस्ट बिल्डर ने उनको क्या दिया नए फ्लैट बना के देखा बेटा बड़े फ्लैट बना के देगा क्लियर कुछ हो सकता मनी भी दे एक्स्ट्रा बेटा उसके अगेंस्ट क्लियर तो सर मनी नहीं दी चलो मान लो अब पॉइंट आता है कि

सर क्योंकि तीन चार साल तो बिल्डिंग बनने में लग जाते है, तीन चार साल में पता नहीं क्या क्या हो जाए सर अब पॉइंट आता है क्या सर अब बिल्डर ने क्या किया सर 150 फिफ्टी फ्लेट बना दिए बिल्डर को फायदा क्या हुआ इसमें अब तक तो कुछ नहीं हुआ सर अब तक क्या फायदा हुआ सर कुछ भी नहीं क्यों अभी तो सर बिल्डिंग तोड़नी है उसका मलबा हटा के कहीं फेंकना है फिर डिगिंग करना है उसको पार्किंग स्पेस अंडरग्राउंड जो होगी उसके लिए सर फिर उसमें से पचास फ्लेट तो फ्री में बना के देने हैं और फिर जो सो फ्लैट उसके बनेंगे उसमें से उसका कॉस्ट रिकवरी होगा बेटा वो जो बिकेंगे फ्लैट उसमें उसका कॉस्ट रिकवरी होगा बस उसको एक तरह से उसने एरिया की लैंड मिल गई फ्री में सर उसको हा है ना सर क्लियर तो सर बिल्डर के एंगल से बात करो तो वो तो बेचारा जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आएगा ना तब जाके उसकी कॉस्ट रिकवरी होगी सर हा है ना मालिक अब सर ये तो मैंने दुख दर्द बताया आपको सोसाइटी की क्या हो रहा है बेटा फ्लैट टूट रहे हैं बिल्डर को फ्लैट दे जमीन दे रहे हैं भैया बना देना और भरोसा करके और आपको पता है बिल्डर भी कैसे होते बेटा क्लियर और सर इधर तो सोसाइटी के फ्लैट टूट रहे हैं लोग जिनके घर थे बेघर होने वाले हैं उधर बिल्डर फ्री में घर तोड़ेंगे सारे सारा मलबा फेंकेगा कहीं जाके फिर उसकी जगह पचास फ्लैट बना के फ्री में देने उसको फिर सौ फ्लैट जब बनेंगे वो जो बिकेंगे तब उसको पैसा मिलेगा बिल्डर भी दुखी बेटा केस में अभी तक तो अब सर यहां पर सबसे पहली बात टैक्स कब पे करना होगा सोसाइटी ने जैसे ही एग्रीमेंट साइन किया डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हो गए डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हुए मतलब सर्विस कंप्लीट हो गई जैसे ही सर्विस कंप्लीट हुई उसके तीस दिन में बिल इश्यू करना पड़ता है अगर इश्यू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वॉइस हो जाएगा नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस हो जाएगा मतलब लाइबडी अभी आ गई बच्चे अरे आगे ना लाइविडी बेटा क्लियर अब सोसाइटी वालों को बोले कि तुम अपना टैक्स पे करो वो भी कितने क्रोड़ हुआ क्रोड़ हुआ वो 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 का करोड़ों का बेटा करोड़ों का कैसे सर एक तो उनके फ्लैट टूट रहे है बेटा उनके हाथ में पता नहीं फ्लैट नया कब आएगा और आज बोलते तुम टैक्स पे कर दो तीन करोड़ रुपए पांच करोड़ रुपए का बेटा वो बोलेंगे नहीं हम के मर जाएंगे कोई बात नहीं पर हमसे ना हो पाएगा है ना भाई जहां जिए थे वही मर जाएंगे क्लियर इसलिए सोसाइटी को बोला तुम चिंता मत करो तुम्हारे टैक्स तुम्हारे केस में टैक्स कौन पे करेगा बेटा बिल्डर क्लियर एक बात तो ये खत्म समझ में है बात आपको मेरी है कौन टैक्स पे करेगा मालिक बिल्डर विल बी टू टू पे द टैक्स गवर्नमेंट लाइब इसलिए रिवर्स मैक्रेज में लगाया पहले बात तो ये अब बिल्डर का दुख समझते बेटा गवर्नमेंट ने जैसे बोला बिल्डर तो टीडीआर की वेल्यू पर जीएसटी पे कर देना बिल्डर अब बिल्डर ने क्या किया तो रिवर्स में टैक्स पे करना हो तो ठीक है सर प्लस बिल्डर ने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जितने फ्लैट बुक किए होंगे वो सर्विस बेटा है हाँ ना अच्छा पचास तो आज ही बुक हो गए बेटा कौन से वो टीडीआर वाले टीडीआर के अगेंस्ट के अगेंस्ट होने बेटा क्लियर तो फिफ्टी फ्लैट तो आज ही बुक हो गए बेटा और उसका एंटायर कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव हो गया इन फॉर्म फॉर्म ऑफ ऑफ काइंड काइंड इन टीडीआर बेटा है ना और जब सर एडवांस में पूरा पेमेंट आ जाता है तो जीएसटी पे करना पड़ता सर्विसेज में बेटा अरे यस यो मतलब बिल्डर को बोल दिया तो पचास करोड़ पे पचास फ्लैट जो है उस पर जीएसटी आज तुझे पे कर दे फिर टी डी आर की वैल्यू पे जो जीएसटी बनाएंगे ना बेटा वो भी तू पे कर दे वो बोलता है एक काम करो आप यहाँ पे आओ तुम बिल्डिंग बना लो हाँ है ना और उसको पैसा कब आएगा बेटा अभी तो पचास फ्लैट तो उसको डोनेशन करना एक तरह से फिर नए फ्लैट बनेंगे सो फ्लैट जो दूसरे वाले फ्लैट बनेंगे तो बिकेंगे तो उसका कॉस्ट रिकवरी होगा और आज तुम करोड़ का जीएसटी लो एक काम करो तुम खड्डा खोदो तो हम कुछ जाते हैं बेटा हाँ ना? तो दीजार इमोशंस क्यों अमेंडमेंट होते सर क्यों प्रोविजंस बनाए समझना इसलिए सर टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में मैंने एक नोटिफिकेशन दे रखा है इसीलिए बोला क्या चिंता करने वाली बात नहीं है आज सर बिल्डर को पे करना है रिवर्स चार्ज वाला टैक्स भी उसको पे करना है और फॉरवर्ड चार्ज में पचास फ्रेट का टैक्स भी उसको आज पे करना है पर इस पर टैक्स आज पे करने की जरूरत नहीं है बिल्डर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तो तेरे पास पैसा आ जाएगा ना तब टैक्स पे कर देना बस मस्त है क्या बोला सर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डेट ऑफ

फ्लैट्स हाँ बिल्डिंग ही बनाएगा बेटा और तो क्या खाना बनाएगा नहीं सर अब बिल्डर क्या बना रहा है भाई फ्लैट्स yeah. अब सर वो जो फिफ्टी फ्लैट तो हो गए एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए बेटा बचे कितने हंड्रेड हंड्रेड में से मान लो सेवेंटी फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन इट एवर इज अर्लियर दिल थाम दो मिनट में ऐसा कनेक्ट करूंगा मजा आया सर आपको सर सर फ्लैट बुक हो गए कितने बुक हो गए सर तो पचास तो वो वाले हो गए बुक सेवेंटी और हो गए सर कितने हो गए बेटा वन ट्वेंटी फ्लैट बुक हो गए थर्टी बुक नहीं हुए अच्छा थर्टी फ्लैट में बाद में बेचेगा सर सर थर्टी फ्लैट लास्ट में सर इधर सर थर्टी फ्लैट लास्ट में वो बेचेगा कितने फ्लैट्स थर्टी फ्लैट से लास्ट में वो बेचेगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्यों दैट इज सेल ऑफ रिमोवल प्रॉपर्टी इन सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस कितने फ्लैट पे जीएसटी लगेगा बेटा 120 120 पे जीएसटी कौन पे करेगा बेटा बिल्डर यस से नो और पता है फ्लैट्स पर रेट ऑफ पहले था 12 जब नया नया आया था कितना था बेटा अरे क्लियर अब सर उससे पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था ना सर जीएसटी से पहले तब तो फ्लैट पे रेट ऑफ टैक्स कम था पांच परसेंट था टैक्स अब ट्वेल्व परसेंट जीएसटाने में ट्वेल्व परसेंट दिया जनता भड़क गई हम तो सर घर में रहेंगे नहीं सर अब की बात नो मोदी सरकार क्लियर तो सर सरकार ने बोल दिया नहीं नहीं चिंता मत करो पांच परसेंट टैक्स कर दी गई आपके लिए कितना कर दिया बेटा रेट ऑफ टैक्स कितना किया बेटा पर बिल्डर को बोल दिया देख बिल्डर रेट ऑफ टैक्स तरह सिंस ट्वेल्व से फाइव परसेंट कर दिया अब तेरे को, को आई टी सी नहीं मिलेगा पहले भी नहीं मिलता था सर्विस टैक्स में भी नहीं मिलता था सर क्या बोला मालिक रेट ऑफ टैक्स कितना कर दिया बेटा पर एक रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलेगा ठीक है मालिक ओके बिल्डर खुश फ्लैट वाले भी खुश मजा आ गया अब जैसे वर्किंग करना चालू किया तो समझ में कि और बच गई सर उल्टी कैसे अब साहब बिल्डर ने तो करो वो अप्लाई लिया था बेटा ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट लॉन्ग टर्म लीज वगैरह हाँ ना सर अब उस पर रिवर्स में टैक्स पे करना है और डेवलपमेंट राइट की वैल्यू कितनी बेटा करोड़ों की बेटा वो पचास फ्लैट की जो वैल्यू बाटर हो गया ना एक तरह से सर पचास करोड़ समझ लो सर आप फिफ्टी करोड़ पे जीएसटी पे करना है और उसका एक रुपए का भी क्रेडिट अब बिल्डर को अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा उसी कॉस्ट बढ़ जाएगी बेटा कॉस्ट बढ़ेगी तो फ्लैट की कॉस्ट बढ़ गई बेटा फ्लैट की कॉस्ट बढ़ गई तो सर इधर से मारो इधर से मारो लगे दोनों थप्पड़ यही पे सर क्लियर क्या हुआ सर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ट्वेल्व परसेंट से रिड्यूस करके टैक्स कितना किया है कदा कियासेंट पर बैंड तो बच गई सर क्यों बज गई सर उधर टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी लगा के उसका आईटीस नहीं दिया तो बिल्डर की कॉस्ट उतनी उतनी बढ़ गई और सर ट्वेल्व परसेंट हो या फाइव परसेंट हो दोनों के कॉस्ट बराबर ही आ रही थी सर सर तो जनता लुट जाएगी ना यार हाँ है ना भाई और देश के अंदर तो ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बैठे हैं जो देश के लोगों को समझा देंगे बेटा ये कि तुम्हारे सा तो ना इंसाफी हुई है वाली हाँ है ना क्लियर इसलिए गवर्नमेंट बोला नहीं 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 बात बिल्कुल सही है मंगल सर, यहाँ पर सिंस हमने फ्लैट के बुकिंग पर रेट ऑफ टैक्स कितना कर कर दिया दिया बेटा आवाज कितना सर तो उसने फ्लैट जितने बुक हो चुके हैं 120 फ्लैट जो बुक हो चुके बेटा सिंस उसकी सेल पर रेट ऑफ टैक्स लगाया कितना 5 परसेंट अब उसके अगर डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे अगर जीएसटी लग गया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा क्रेडिट नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी इसलिए उतने प्रपोशन डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी एग्जेप्ट मतलब डेवलपमेंट राइट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी क्या कर दिया बेटा अब यार वो थर्टी फ्लेट्स हैं थर्टी फ्लेट्स हूं हूं करो उस पर जीएसटी लग रहा है क्या बेटा जब उस पर जीएसटी नहीं लग रहा तो उसके टीडीआर की वैल्यू पे तो जीएसटी लगाना पड़ेगा ना यार भाई हमने टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी एग्जाम क्यों किया क्योंकि फ्लैट पे जीएसटी लग रहा था सर

ट एरिया ऑफ दर रेजिडेंशियल एक तरह से का जो कार्पेट एरिया है divide by 150 का जो कार्पेट एरिया मल्टीफ्लाई बाई टोटल डेवलप की वैल्यू जो थी बेटा उतना प्रपोर्शन क्या हो जाएगा बेटा जीएसटी एग्जाम भारत माता की जय कोई खास बात कोई टफ बात डन चलो एक, एक लास्ट बात हो रहा बेटा पता है ऐसे बोलो ना नहीं मुझे पता है तो बोलो ना बताओ सर टोन बेट चाहिए सर वो जो बिल्डर ने प्रोजेक्ट बनाया था ना सर 150 फिफ्टी फ्लैट का बेटा उसमें नीचे कुछ शॉप बना दी सर उसने दुकाने होता ना सर ऐसा कमर्शियल स्पेस भी होता है सर थोड़ा बहुत ढंग से हाँ बोला पड़ेगा तो गलत पढ़ा दूंगा सर ये ये ऐसा टॉपिक है जहां पे मैं थोड़ा सा भी बिटर्न करूंगा ना सर मामला तो सब उल्टा हो जाएगा सर अब देख लो क्या करना है सर अब वो जो प्रोजेक्ट था उसमें कुछ कमर्शियल पोर्शन भी था सर देखो ढंग से नहीं आ रहा मैं थोड़ा सा गलत पड़ा गड़बड़ हो जाएगी सर तो सर कमर्शियल पोर्शन पे पता रेट ऑफ टैक्स जो ना वो अभी भी, भी ट्वेल्व रेट ऑफ टैक्स ट्वेल्थ से फाइव के लिए किया बेटा और फाइव के इसलिए आई टी नहीं मिलता बेटा कमर्शियल में तो रेट अभी भी ट्वेल्थ है बेटा तो वहां तो आई वैसे भी मिलेगा बेटा तो वहां डेवलपमेंट के जीएसटी अगर पे भी कर दिया बिल्डर ने तो कोई फर्क पड़ता है क्या उसको तो उसको वैसे भी, भी आई मिल जाएगा बेटा तो आप बताओ क्या करना चाहिए बेटा हाँ सही बोला आपने मतलब कमर्शियल एरिया वाले पोर्शन के प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट आईडी की वैल्यू पे जीएसटी लगना चाहिए लगा दिया क्लियर एग्जाम किसको क्या बेटा तो सर एक काम करो ना यार अब ऐसे कर ले प्रोपोर्शन मान लो टोटल कारपेट एरिया ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट क्या सर मैं मानता हूं दस दुकान थी सर कितनी थी सर दस चलेगा सर जितने फ्लैट की वैल्यू थी जितने फ्लैट का एरिया था उतनी दस फ्लैट की दस दुकान की एरिया था सर ठीक है सर तो सर एक तरह से वन सिक्सटी यूनिट हो गए सर कितने हो गए सर वन सिक्सटी कैसे ना बेटा तो वन सिक्सटी में से कितने बुक, uh, 160 में से 10 पे तो लगना ही चाहिए बेटा तो टेन का कारपेट एरिया टेन कौन सा कमर्शियल डिवाइड बाय वन सिक्सटी इंटू जो डेवलपमेंट की वैल्यू होगी वो उस पर तो टैक्स लगाओ नॉर्मल रेट से लगाओ हटाओ बच कितना गया बेटा 150 के लिए, तो डिवाइड जो डेवलपमेंट से वन ट्वेंटी का एग्जाम कर दो थर्टी का टैक्स लगा दो भारत माता की जय अब दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको कर दे बेटा। TDR अरे हा है ना भाई कोई टफ है क्या सर अरे माहौल <laughs> अरे बस बस रुलाओगे क्या सौ बेटा पॉइंट आपको ये अरे पक्का हंड्रेड परसेंट विथ लॉजिक ना बेटा डन सर सर ये था आपका क्या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की कहानी पूरी बेट बेटा आपको आई थिंक क्लियर बेटा आइए सर एक और प्रॉब्लम आती है sir, क्या हुआ? हमारे उदयपुर के एरिया में माइनिंग बहुत होती है बेटा आपको पता है अब पता बड़ा बेटा ओके मे बी माइन से निकलो बेटा है ना इधर सर अब पॉइंट ये सर माइनिंग करते बहुत सारे लोग पर सर माइनिंग के केस में क्या होता है जितना जितना आप माइनिंग करते हो जितना आप मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हो उसका एक परसेंटेज आपको रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है सर हूँ करो रे पर सर वहां के लोग वैसे तो बहुत अच्छे लोग हैं सर वहां के सर आप मेरे को देख ही सकते हो सर सर पर कुछ लोग रॉयल्टी नहीं पे करते थे चोरी करते थे सर गवर्नमेंट को एक्चुअली उस एरिया से रॉयल्टी बहुत सारा आना चाहिए पर आ कितना रहता है सर केवल उस एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो दस करोड़ ही आया था सर आना था कितना सौ करोड़ तो हमारे सौ रुपया सी ए पॉइंट इन्होंने गवर्नमेंट से बात करी स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट से बात करी कि मेरे को उस एरिया का रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट बना दो कॉन्ट्रेक्टर बना दो सर बोला क्या करेंगे हम इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि मैं उस एरिया से आपको रॉयल्टी कलेक्ट करके कर दूंगा ठीक है अभी आपको रॉयल्टी कितना आ रहा है दस करोड़ मैं गारंटी देता हूँ सो करोड़ आएगा ऐसे। गवर्नमेंट भी कंपनी बेटा गारंटी है चल सो करोड़ लाओ डन अच्छा अब इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम्हारा डेड रेंट कितना है सो करोड़ है अब ज्यादा है तो भी तुम्हारा कम आए तो भी तुम्हारा हमको तो कितना चाहिए भाई ही इज द इी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर क्लियर अब सुनना आप सब लोगों नो माइन होल्डर्स अब इनको पता है कि अगर माइनिंग से जो रॉयल्टी के अमाउंट है वो अगर आपने चोरी किया तो लॉस इनका ही बेटा भाई तो सौ करोड़ लग गया ना यार अब एक रुपए तो इन, इसलिए एक रुपये चोरी नहीं होने देंगे अभी ये। अभी क्या करेंगे बेटा सर हर माइन होल्डर की गाड़ी पर ध्यान रखेंगे अगर माल जा रहा है तो उसका रॉयल्टी कटा नहीं कटा सर क्लियर क्योंकि सर इनको तो सौ करोड़ ही दे रहा है अब सर जो आप माइनिंग करके जितना प्रोडक्शन आपने किया है जो सेल कर रहे हो उस पर रॉयल्टी जो बनेगी वो रॉयल्टी

कितना कलेक्ट हुआ बेटा फिर भी इनको कितना पे करना है बेटा 100 पूरा पे करना है ट्वेंटी जब से लग गया बेटा क्लियर अच्छा 80 करोड़ का जो आप लोगों ने पे किया होगा उस पर रिवर्स चार्ज में आपने टैक्स पे कर दिया होगा बेटा क्लियर गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी हुई तो बेटा 100 सीआर की बेटा गवर्नमेंट को टैक्स भी कितने में बेटा 100 सीआर पे आपने एटी भी पे किया अब इनको ट्वेंटी करोड़ तो पे करनी करना है ट्वेंटी करोड़ पे जीएसटी भी रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा बेटा क्लियर तो अब बुक के अंदर प्रोविजन कैसे लिखे हुए कि आप जो हंड्रेड करोड़ का रोलिटी गवर्नमेंट को पे करे उसमें से अस्सी करोड़ पे जीएसटी एक्सम है बेटा क्या बोला एग्जाम नहीं एक्चुअली वो आप लोग ऐसे भी पे करो ना यार वो तो लैंग्वेज बोलना चाहता है इसलिए समझ नहीं आता आई होप समझ में आया बेटा आपको ये सेकंड बात मान लो पता ना सर आपको वक्त बदलते देर नहीं लगती बेटा क्लियर अगला साल आया दिस टाइम ही कलेक्टेड 150 फिफ्टी करोड़ इज द रॉयल्टी कितना अब गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे सर हंड्रेड करोड़ बेटा अरे कितना पे करेंगे भाई हंड्रेड सीयर फिफ्टीन का प्रॉफिट हो गया बेटा अच्छा गवर्नमेंट को मिल कितना रहा है हंड्रेड ही मिल रहा है बेटा पर आप लोगों ने पे कितना किया बेटा वन फिफ्टी वन फिफ्टी भी रिवर्स चार्ज मैके आपने तो जीएसटी पूरे पे पे, पे कर दिया ना यार अब गवर्नमेंट को वैसे भी सौ पे जीएसटी चाहिए था एक सौ पचास पे ऑलरेडी मिल गया तो इनको क्या अलग से जीएसटी और पे करना है क्या कुछ इनको इस केस में कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है हाँ ना भाई तो कुल मिला के ए का जितना शॉर्टफॉल आ रहा है बेटा कलेक्शन में उतने अमाउंट पे इसको जीएसटी पे करना है शॉर्टफॉल नहीं हुआ तो इनको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है बोलो या सर कुलमला के जितने पोर्शन पे माइन होल्डर्स जीएसटी पे कर चुके रिवर्स में उतने पोर्शन पे इनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ठीक है मालिक डन ये एआरसीसी की आने भी खत्म होती है अब क्लियर डन सर और हां एनसीबी के इक्वेशन आ सकता है दो मक्का इस बार नो क्लेम बोनस सर्कुलर था बेटा छोटा सा बताता हूं ना आपको नो क्लेम बोनस अरे कभी आपने इंश्योरेंस कराया बेटा ओके नहीं नहीं लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं करा मैं आपसे व्हीकल इंश्योरेंस बेटा कभी कराया आपने बेटा ओके okay, भगवान करे कभी इंश्योरेंस जरूरत पड़ी नहीं आपको बेटा डायरेक्ट अब पॉइंट ये है सर मतलब डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मतलब समझे मेरी बात हां सर सर इंश्योरेंस अगर आपने व्हीकल इंश्योरेंस कराया सर मान लो कोई कार है जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है बेटा आपका ट्वेंटी थाउजेंड बेटा अब इंश्योरेंस क्यों कराया बेटा आपने बेटा इंश्योरेंस क्यों कराते बेटा क्या ताकि लोन मिल पाए हैं पुलिस वाले पकड़ लेते इसलिए हाँ ये सही था सर सर ताकि कल को कोई कार को कुछ हो जाए तो उसका क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो सर हाँ ना भाई अब मान लो साल भर में कुछ हुआ नहीं बेटा तो तो ठीक है ना ओके हो, हो गया ऐसा तो नहीं इंश्योरेंस कंपनी से रिफंड ले लोगे हम, ऐसा तो नहीं है ना पर इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ी दया रखी अपने पे, कि अगर तुमने पूरे साल में कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया तो नेक्स्ट जब इंश्योरेंस रिन्यू होता है बेटा अपना तब तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है नो क्लेम बोनस के नाम से सर एनसीबी

ये कई सारी इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस आया बेटा पूरे इंडिया के अंदर इसलिए सर्कुलर देना पड़ा इनको सर आप जैसे मान लो सर क्या नाम आकाश अब आकाश भाई की कार थी सर इन्होंने इंश्योरेंस कराया कोई इन्होंने क्लेम नहीं लिया कोई क्लेम आया नहीं इसलिए अब सर इनको नेक्स्ट ईयर तीन हजार रुपए देरी कंपनी बिटा तो एक तरह से पता है गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया तो इसलिए आपने एक तरह से इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेने की सर्विस दी किसको इंश्योरेंस कंपनी को इसलिए इंश्योरेंस कंपनी तीन हजार रुपये Consideration दे रही है एग्रिंग टू ऑब्लिकेशन टू रिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट तो इसने मतलब क्या पागल बेवड़े <laughs> मैंने इंश्योरेंस इसलिए करना था ताकि ता मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लू आप, वो तो ठीक है बायले कोई क्लेम नहीं आया इसलिए मैंने क्लेम नहीं किया मैंने कभी एग्री नहीं किया था कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूंगा आप मुझे तीन हजार दे देना मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूंगा अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूंगा तो मैं तीन हजार भी छोड़ मैं तो बीस हजार रुपये नहीं दूंगा तेरे को भाई हा है ना इसलिए एग्री टू दी ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेंड फ्रॉम एक्ट कभी भी ये नहीं है इसलिए उसको इस एंगल से नहीं देखा जाए ये सप्लाई सर्विस नहीं है सर पहली बात तो ये है दूसरी बात ठीक है साहब समझा ना मेरी बात बेटा अभी क्योंकि नो बड़ी कोई भी नो बडी परचेज इंश्योरेंस फॉर नॉट क्लेमिंग द क्लेम क्लियर वो तो ठीक है यार आपने कोई क्लेम नहीं लिया इसलिए उनको फायदा हुआ इंश्योरेंस कंपनी को तो उसने आपको थोड़ा डिस्काउंट दिया नेक्स्ट ईयर क्लियर तो दिस इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस पहली बात तो ये दूसरी बात अब जीएसटी लगेगा नेक्स्ट ईयर में तो नाइनटीन थाउजेंड का आपका इंश्योरेंस प्रीमियम था उसमें तीन हज़ार रुपये डिस्काउंट दिया उन्होंने नो क्लेम बोनस के नाम का डिस्काउंट अल्टीमेटली आपसे सिक्सटी थाउजंड लिया तो सर जीएसटी कितने लगेगा तो सर सिंपली सेकंड इशू को ये क्लेरिफाई करके बोला कि सोलह हजार रुपये जीएसटी लगेगा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेट वैल्यू अल्टीमेटली सर जब आपको इंश्योरेंस का बिल दिया गया उस बिल में ही डिस्काउंट लिखा था सर वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई में ही मेंशन किया था इतना डिस्काउंट है और नेट वैल्यू डिक्लेयर करके उतना ही आपसे कलेक्ट किया तो सोलह हजार रुपये जीएसट लगेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यस yes या नो डन पक्का खत्म सर ये एनसीबी का एक सर्कुलर था बताया मैंने आपको चलिए एक दो सर्कुलर और इशू है मैं का एक एक वो भी तुम्हें बताता हूँ so फास्ट आपका रिविजन भी हो जाएगा और एग्जामिनेशन के पर्पज के लिए आपको कॉन्फिडेंस भी जाएगी हाँ हमने हर एक चीज अमेंडमेंट कवर कर लिया अब सर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी माइटी ठीक है जो भी है ओके okay? सुनना क्या गवर्नमेंट नाम सुन लो गवर्नमेंट okay? की एक मिनिस्ट्री बेटा ओके okay? सर उसने क्या किया आज ये, ये होता है ना रुपए डेबिट कार्ड्स एंड yes, भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस yes, सर अगर इसमें दो हजार रुपए तक का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो कितने का बेटा तो टू प्रमोट दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन टू प्रमोट दीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आज मान लो एच डी एफ सी बैंक आज मेरा शोरूम में मान लो यह है। कपड़े बेचता बेटा मैं। माहौल जबरदान शानदार बेटा <laughs> सर अब यहाँ पे आप शॉपिंग करने आए मेरे पास एच डी एफ सी बैंक का पॉश मशीन है बेटा आपने कार्ड स्वप किया दो दो हजार रुपये की शॉपिंग थी रुपए डेबिट कार्ड था या वीवीपीआई ट्रांजेक्शन था बेटा आपका अब एच डी एफ सी बैंक को बोलते क्या एक्वायरिंग बैंक क्या बोलते सर वो क्या करेगा आपका बैंक का कार्ड आपके पास आई बैंक का कार्ड था, था सर किसका आईसी बैंक का तो सर मेरा एच डी बैंक आई बैंक से कांटेक्ट करता है कि आपका ये कस्टमर उसका अकाउंट आपके बैंक में है और उसने दो हज़ार रुपये या मान लो आपने फिफ्टी हंड्रेड का शॉपिंग किया पंद्रह सौ रुपये आपने देने के लिए अग्री किया पिन नंबर डाला ना अपने ए टी का क्लियर तो वो एक्वायर करता है आईसी बैंक से, से पंद्रह और फिर मेरे अकाउंट डालता है बेटा अब ये सब मेहनत करने का एच बैंक का कुछ कमीशन बनेगा ना बनेगा सर उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस क्लियर वो थे मान लो कितना है दो uh, परसेंट मान लो तीस रुपए बैठा उस ट्रांजेक्शन पे तो तीस रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने उन बैंक वालों को बोला कि तुम इस दुकान वालों से तीस रुपए मत लो तो बैंक ने बोला एक काम काम करो तुम यह काम कर लो आके हम तुम्हारे आके बैठ जाते हैं हा ना हमारा इतना बड़ा मशीनरी इतना सारा काम करते हैं इतना बड़ा इंफ्रा है वो उसका खर्चा कैसे निकलेगा सर तो गवर्नमेंट बोला थोड़ी बात पूरी सुन के फिर गुस्सा करा कर <laughs> ये बोला कि बता तुम तो अपने उस शोरूम वाले से तीस रुपए मत लेना ताकि रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन को कभी मना नहीं करे वो प्रमोट करे साहब क्लियर तो वो शोरूम वाले से तीस रुपए चार्ज नहीं करेगा पर सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये तीस रुपए का सब्सिडी हम तुमको देंगे मतलब इंस्टेड ऑफ चार्जिंग दैट थर्टी रुपये थर्टी एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए क्लियर जो मर्चेंट बैंकिंग चार्ज है आप उस शोरूम वाले से मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट से लेना गवर्नमेंट विल पे यू दिस अमाउंट तो अब इस पर सर्कुलर आया और बोलता है क्या क्या इस जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर आर ए, सर मैं बताता हूं आपको नहीं लगेगा ठीक है सर पर उसका रीजन समझो आप वो भी लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में हाँ हाँ लॉजिक लिखा रहे नहीं योर आंसर इज परफेक्ट पर्सन ऑफ से अब सर ऐसे केस में सर इज द बैंक प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आंसर इज नो सर गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रहे गवर्नमेंट को कोई फीस गवर्नमेंट uh, से नहीं ले रहा है क्लियर वो तो सर्विस दे रहा है क्लाइंट को जो है कौन शोरूम वाला बेटा क्लियर उसको सर्विस दे रहा है इसलिए ऐसे केस में सर्विस गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है सेकेंड थिंग थर्टी रुपीज इट इज इन दम ऑफ सब्सिडी क्या है सर ये और आपको पता है सब्सिडी विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई बेटा क्योंकि इट इज लिंक विद क्योंकि तीस रुपए बट सब्सिडी विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई बट

वैसल एयरकारी सर्विस ट्रांसफर ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली सर्विस और एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी और वो आर्मी पर्सनल ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्विसेज दो नॉट बिजनेस एंटिटीज इसलिए सर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट क्या रहेगी बेटा एग्जाम रहेगी इस क्या बेटा बोल या सर ठीक है अच्छा सर बेंड्रावरली सीलिंग पे अगर आप कभी कभी गए हो बेटा कभी गए गए बेटा सर टोल चार्ज रखते है टोल चार्ज टोल चार्ज उस उसमें जीएसटी नहीं लगता पहले भी नहीं था अभी भी नहीं बेटा पर अगर सर्विसेज बाय वे एक्सेस टू तो रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट सर्विस एन्यूटी है। है फॉर्म में अगर आप पे कर रहे हो जैसे कॉन्ट्रेक्टर जिसको रोड बनाने का रोड मेंटेन करने का कॉन्ट्रेक्ट मिलता है वो गवर्नमेंट से एन्यूटी फॉर्म में ये कलेक्ट करता पेमेंट बेटा क्लियर तो उस पर जीएसटी अब लगा दिया गया है एन्यूटी फॉर्म में जो टोल कलेक्ट करते हो दैट इज नाउ चार्जेबल टू जीएसटी आप लोग जो इंडिविजुअल पर्सन जब रोड क्रॉस करने के लिए टोल पे का तो उस पर जीएसटी नहीं बेटा पर एन्यूटी फॉर्म में जो पेकर है पे कर उस उसमें जीएसटी लगेगा क्लियर पक्का डन सर बस और क्या है अच्छा एक जैसे कभी कॉलेज गए नहीं सर सॉरी सॉरी क्या बोल बोलिए मैंने अभी सर <laughs> कॉलेज में एडमिशन तो लिया होगा सर हाँ है ना भाई आजकल क्या होता है बेटा जो लोग इतने प्रेस्टिजियस कोर्स में एंट्री नहीं कर पाते सी क्लियर तो वो लोग आजकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होते बेटा होता है ना सर तो आजकल क्या हुआ अलग अलग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की जगह पे गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बना दी बेटा नेशनल टेस्टिंग वो क्या करते CUT, CET, में है? कोई, कोई मतलब नहीं है उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जितने मार्क्स आएंगे उसके बेस में एडमिशन आपको मिलेगा अब सर उस कॉलेज में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसके उसमें अपेयर करने के लिए आपको एक एंट्रेंस फी देनी पड़ती है क्या देनी पड़ती है सर अब एंट्रेंस फी कौन चार्ज करा है बेटा एनी बॉडी और बोर्ड विच इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बेटा हा है ना भाई अब वो आपसे क्या चार्ज कर रहा है एंट्रेंस फी चार्ज कर रहा है क्या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो वो होता है जो कॉलेज वगैरह होते बेटा जो डिग्री देते बेटा आपको या स्कूल वगैरह होते बेटा हा है ना भाई तो सर्कुलर देखे बोला कि फॉर दी पर्पज ऑफ

अरे पक्का ठीक सर अब सर चलिए अब रेंडम इसमें मैं कुछ पॉइंट उठाता हूं बेटा जो मुझे लगता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टेक्निकल पॉइंट हो सकते हैं जहां पे बच्चों को दिक्कत आती है वो सब मैं कंटेंट रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ शुरू करेगा बात अपनी ओके okay, सर सबसे पहले बात कर रहा हूं इसकी इंटरेस्ट की इंटरेस्ट अंडर जीएसटी देखो पेमेंट ऑफ टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट लेजर कैश और इलेक्ट्रॉनिक uh, लेजर इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं आती होगी सर इंटरेस्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके क्वेश्चन बनने के चांस है और सर मेरे को ऐसा लगता है कि नवंबर ट्वेंटी एग्जाम्स के अंदर ये इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन बनेगा अब क्यों बनेगा मुझे नहीं पता सर और मुझे ऐसा लगता है सर मैंने ये नवंबर मई ट्वेंटी में भी बोला था बेटा ये बात क्लियर <laughs> तो अरे तो उस टाइम नहीं बना था आप बन जाएगा ना यार इसमें क्या है सर केवल यही पॉइंट था जो जो मुझे उम्मीद थी कि आना चाहिए पर नहीं आया था सर इस बार आएगा सर सर मान लो इंटरेस्ट सर अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में अगर आप लेट हो गए अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में अगर आप लेट हो गए तो ऐसे केस में आपको क्या क्या देना पड़ेगा सर इंटरेस्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अरे जैसे 20 तारीख ड्यू डेट फाइलिंग रिटर्न तो 20 तारीख क्या है ड्यू डेट बेटा 20 तारीख तक आपको टैक्स पे करना है अगर आपने लेट पे किया है लेट रिटर्न फाइल किया है तो जितना लेट फाइल किया है उतना नंबर ऑफ डेज के लिए क्या लगेगा इंटरेस्ट अब सुनना बात को ध्यान से बच्चों सर सेक्शन फिफ्टी मेरे को अच्छा लगता है टेक्निकल लगता है और इस पर न्यूमरिकल बन सकते हैं अच्छे से इंटरेस्ट कितना लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अठारह कितना है सर एटीन बात खत्म पर सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से अब किस अमाउंट लगेगा अगर कोई रिटर्न फाइल लेट हुआ क्या हुआ क्या सर जनवरी महीने का था उसने जुलाई में जाकर रिटर्न फाइल किया बेटा जनवरी का रिटर्न क्या बोला सर जुलाई में जाकर फाइल किया उसकी लाइब्रेडी फोर्टी थाउजेंड रुपये की थर्टी थाउजेंड उसके पास आईटीसी था नेट उसने दस हजार कैश के थ्रू पे किया नाउ पॉइंट इज दैट कि जनवरी महीने का रिटर्न बीस फरवरी तक फाइल हो जाना चाहिए था साहब उसने जुलाई में जाकर फाइल किया इंटरेस्ट लगेगा किस अमाउंट पर लगेगा थाउजेंडेगा किस पे लगेगा लगेगा. है आपका कैश में, उसी किस रेट से लगेगा लगेगा सर? कब से 21 से फरवरी लेकर वो जुलाई में जब टैक्स पे तो तक तक इंटरेस्ट लगेगा पर किस पे लगेगा मालिक टेन थाउजेंड पे पर केस नंबर टू अगर मान लो जनवरी महीने का रिटर्न आपने फाइल कर दिया था बेटा करो। फिर जुलाई में पता पड़ा वो जनवरी में कुछ बिल पंच करना रह गए और जुलाई में जाके याद आया कि उसका टैक्स तो बाकी है मेरे मालिक अब जब जुलाई का रिटर्न फाइल कर रहे थे अगस्त में तब आपने वो तीन चार बिल जो रह गए थे अब पे कर रहे हो अब उस पर लाइविटी फोर्टी थाउजेंड की बेटा और उसका लाइविटी पे करने के लिए थर्टी थाउजेंड का आई टी सी था और आपने नेट दस हजार ही पे किया नाउ मॉय पॉइंट इज दैट ऐसे केस में जो इंटरेस्ट लगेगा कितना लगेगा सर एंटायर फोर्टी थाउजेंड विल बी एंटरस्ट विल बी चार्ज बेटा हा ना भाई मतलब रिटर्न फाइल करने में लेट हुए तो नेट टैक्स पेबल इन कैश अगर रिटर्न फाइल कर दिया और उसमें से कुछ लाइविक्वेंट पीरियड के रिटर्न में आपने डिक्लेयर करके टैक्स पे किया तो उस उसपे ग्रॉस अमाउंट पेबल जो होता है उस पर लगता है इंटरेस्ट बेटा हाँ ना भाई ठीक थर्ड केस अगर मान लो कोई सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री फोर का डिमांड आता है बेटा किसका था बेटा और उसकी वजह से अगर आप टैक्स पे करते हो तो अगेन ग्रॉस टैक्स लाइवी जो पेबल आपकी होती है बेटा उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा नेट टैक्स पे नहीं बेटा ना भाई ठीक सर डन चलिए ये तो हो गया ठीक एक और क्वेश्चन एक और पॉइंट इसके अंदर एक पहलू हो गया सर अगर आपने कोई आई टीसी रॉन्गली अवेल कर ली अगर आपने कोई आई टीसी रॉन्गली अवेल कर ली पर यूटिलाइज नहीं करी उससे पहले ही गलती का एहसास हो गया और अगर आपने आईटीसी क्या कर लिया रिवर्स नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट ऑल कोई आईटीसी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा कोई इंटरेस्ट क्लियर मालिक तो सर अगर रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को आपने विदाउट यूटिलाइजिंग रिवर्स कर दिया देर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट ऑल क्योंकि वहां गवर्नमेंट का रेवेन्यू ब्लॉक हुआ ही नहीं मालिक पर अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को क्या कर लिया सर जल्दी बोलो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को क्या कर लिया यूटिलाइज कर लिया तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना आईटीसी यूज किया होगा उतने आईटीसी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट पर फर्स्ट जुलाई सेवन से क्लियर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितने अमाउंट पे सर जितना रॉन्गली अवेल्ड आई आपने यूटिलाइज किया होगा उतना अब सर क्वेश्चन आता है क्या रोंगली अवेल्ड आईटीसी को आपने यूटिलाइज कैसे किया होगा मतलब कब यूज करते कैसे मानते बेटा उसका एग्जांपल देता हूं समझाता हूं इसका न्यूमरिकल बनने के चांस है जो नहीं बना लास्ट टाइम में बेटा क्लियर ड्यू चल रहा है ऐसा क्वेश्चन रखना बेटा ठीक है पिछले मई ट्वेंटी के लिए दिस वॉज द न्यू अमेंडमेंट वॉज एक्सपेक्टिंग ए न्यूमरिकल क्वेश्चन ऑन दिस प्रैक्टिकल लाइफ में रोज काम का है मैं बता रहा हूँ आपको मेरे को क्यों लगता है एग्जाम आना चाहिए क्योंकि मैं सोचता हूँ जो पेपर बनाने वाला है वो प्रैक्टिसिंग सी है उनको पूरा पता है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और नए सी क्या आना चाहिए बेटा मैं तो उस एंगल से बोलता हूँ ये आना चाहिए बस और कोई मेरा कोई सेटिंग नहीं है सर सर <laughs> ना हो सकता है सर सुनना सर सुनना इंटरेस्ट कितने में साहब हाँ बेटा नहीं नहीं हाँ सर, ओके ओके सुना 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 सर इंटरेस्ट कब लगेगा रोंगली यूटिलाइज के लिए उसके एग्जाम्पल समझना मान लो जनवरी महीने में आपने क्रेडिट अवेल कर टेन लेख की बेटा हूँ करोड़ है फिर आपने फाइव लैख की क्रेडिट और ली बेटा कितना हो गया फिफ्टीन लेख एज ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी आपके पास आई टी सी बैलेंस कितना था बेटा फिफ्टीन लेख अब आपकी लाइबी थी कितने की एट लेख रुपए की कितने की बेटा एट लेख आपने क्या किया बेटा आठ लाख यूटिलाइज किया सेवन लाख का बैलेंस रह गया अब उसमें से जो का ITC था वो रॉन्गली अवेल्ड था बेटा चलो एग्जाम्पल को थोड़ा और अच्छा बनाता हूं तो, कभी गलती नहीं होगी लाइफ में एक जनवरी को अपना आई लिया बेटा ओपनिंग बैलेंस आई टी जीरो फर्स्ट जनवरी को आपने लिया आईटीसीख का बेटा फिर 10 जनवरी को और आईटीसी लिया कितने का 10 लेख का बस और कोई आई नहीं था 15 लेख का टोटल आईटीसी हो गया बेटा आपके पास क्लियर रुपीज एट लाख की बेटा एट लैख को पे करने के लिए आपने यूज कर लिया बैलेंस बच गया कितना सेवन लाख रुपी अब आपको बाद में एहसास कि वो जो फर्स्ट जनवरी को पांच क्रेडिट लिया था ना बेटा वो गलत था न्यू ईयर के दिन आपके साथ नहीं नहीं आपने धोखा किया भाई साहब और धोखा दिया दिया उसको यूज भी कर लिया बेटा आपने अब यूज क्या कहेंगे पता पड़ेगा सर हाँ पॉइंट इज दैट नाउ द बैलेंस ऑफ आईटीसी पेमेंट ऑफ लाइब्रेड करंट मंथ बेटा क्लियर अब पहला पॉइंट आपसे यह है मेरा कि आपने जो क्रेडिट यूज किया है वो कौन सा मानेंगे कि सही वाला पहले यूज किया रोंग वाला पहले यूज किया मैं तो कह रहा हूं मान लो रोंगली वाला आईटीसी नहीं लेता मैं चलो तो कितना बैलेंस था टेन तो लाइब्रेडी कितनी थी बेटा एट लेख की तो एनी वेज में गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करने वाला था अभी मैंने कुछ पे नहीं किया कि तो गवर्नमेंट का कोई फंड ब्लॉक हुआ है क्या इसलिए गवर्नमेंट बोला हाँ बिल्कुल मंगल बात सही है इसलिए रोंगली से सबसे लास्ट में यूज करी ये मानी जाएगी हमेशा बेटा क्लियर तो इस पर्टिकुलर केस में जनवरी महीने में आपने कोई क्रेडिट यूज नहीं किया सेकेंड अब सुनना अब जुलाई में जाके आपको वो गलती का एहसास हुआ था सर कौन सा जनवरी वाला तो यहां पे अगर जनवरी से लेके जुलाई तक अगर कभी भी किसी भी महीने में अगर आपके आईटीसी अकाउंट का बैलेंस से कम हुआ ही नहीं सर इसका मतलब क्या बेटा आपने लाख के क्रेडिट क्रेडिट को को कभी यूज किया ही नहीं पर सर बीच में अप्रैल महीने में मेरा आईटीसी अकाउंट का बैलेंस होता हो गया था कितना टू लेख का मेरा अप्रैल महीने का रिटर्न फाइल किया मैंने मई में बेटा उसकी लाइब्रिटी पे करी जो भी किया मैंने आईटीसी अकाउंट का बैलेंस कितना बच गया बेटा टू लेख का अगले महीने वापस आईटीसी बैलेंस बढ़ गया बेटा वो कोई तकलीफ नहीं दी बेटा तो और उसके बाद भी कभी कभी हुआ नहीं हमेशा ज्यादा ही था बैलेंस अब यह माना जाएगा कि आपने उस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी में से थ्री लेख का आईटीसी क्या कर लिया यूटिलाइज कर लिया और थ्री लैख के आईटीसी पे टीसी आपको क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कब तक जुलाई महीने तक जब आप पे कर दो तब तक कर बेटा हा किस रेट से एटीन परसेंट अच्छा किस दिन से तारीख 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 अप्रैल महीने का रिटर्न आपने कब फाइल किया बेटा मई में, में कब नहीं मैंने नाइनटीन को फाइल किया बोला मैंने नाइनटीन को फाइल किया सर ट्वेंटी ना सर मैंने नाइनटीन को फाइल किया तो मतलब मैंने आईटीसी कब यूज बेटा बेटाटीन को तो ट्वेंटी से क्या लग जाएगा बेटा इंटरेस्ट किस रेट से एटीन परसेंट कब तक मान लो मैंने जुलाई का रिटर्न फाइल किया था पंद्रह अगस्त को पंद्रह अगस्त को मैंने पे कर दिया बेटा वो पंद्रह अगस्त तक का इंटरेस्ट लगेगा कितना एटीन परसेंट बोलो या सर पर मैंने अप्रैल महीने का रिटर्न कब फाइल किया बेटा पच्चीस मई को बेटा ड्यू डेट क्या थी बेटा पच्चीस मई को बोला ना मैंने हाँ पच्चीस मई तो सर ड्यू डेट क्या थी बेटा

अब सर मान लो मई महीने का रिटर्न फैल गया आपने तब आई टी सी अकाउंट का बैलेंस और कम हो गया कितना बच गया बेटा पचास हजार रुपए रहेगा केवल मतलब क्या हो गया बेटा सर मई महीने में आपने लाख और यूज कर लिया बेटा तो अप्रैल महीने का रिटर्न कर जो मैंने बताया आपको उससे वहां से तीन लाख का इंटरेस्ट लगेगा और सर मई महीने से आपका वन पॉइंट फाइव लेख पर इंटरेस्ट और चालू हो जाएगा बच्चे या आप चाहो तो ऐसा कर लेना कि एक महीने के लिए तो आप तीन लाख पे इंटरेस्ट लगाओ अगले महीने से फोर पॉइंट फाइव लेख पर इंटरेस्ट लगाओ

फिफ्टी थाउजेंड से कम है सर कितने का है सर तो आपको बताना सर टैक्स इन्वेस्टमेंट नाम एड्रेस मेरे कस्टमर का नाम उसका एड्रेस और स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है अगर मेरा कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और पचास हजार के कम की से ले तो बेटा हाँ है ना भाई पर अगर वो बोलता है लिखना है तो बात अलग है सर अदरवाइज कंपलसरी नहीं है यस या नो पर अगर मैंने किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई किया गुड्स सॉरी अगर मैंने किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी क्या सप्लाई करी भाई या मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हूं ओ आई डी आर सर्विस दे रहा हूं क्या हूं बेटा मैं OIDR. तो ऐसे केस में हमेशा इनरेस्पेक्टिव वैल्यू सप्लाई अगर मेरे कस्टमर अनरजिस्टर्ड भी है तो भी मेरे को उसका नाम एड्रेस पिन कोड उसके सिटी का एंड उसका स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा और ये और जो एड्रेस आपने लिखा है ये एड्रेस रिकॉर्ड माना जाएगा for the purpose of GST बेटा। हाँ है ना भाई अगर मैं सर्विस सप्लाई करूंगा थ्रू ईसीओ या मैं खुद ईसी हूं या ओ आई डी आर सर्विस सर्विस दे रहा हूं मैं आपको तो ऐसे केस में हमेशा नाम एड्रेस और जीएस नंबर नाम एड्रेस पिन कोड और स्टेट कोड लिखना पड़ेगा मेरे को बेटा हाँ ना भाई ठीक ठीक सर अरे क्लियर अच्छा टेक्स्ट में चैप्टर में और कोई टफ आपको लगता है कुछ कनेक्ट वाला ओके सर ठीक है

और उसमें आउटवर्ड सप्लाई दिखाई फाइव करोड़ की कितनी की बेटा और मैंने जनवरी महीने का थ्री बी जब फाइल किया ना मैंने तो उसमें आउटवर्ड सप्लाई दिखाई कितनी थ्री करोड़ की बेटा हो जा रही सप्लाई दिखा रहा पांच करोड़ की जीएसटर वन में और जब थ्री बी टैक्स पे करने की बात आई बेटा तब कितना सप्लाई दिखा रहा है बेटा थ्री करोड़ का पागल समझाया गया तो पाँच करोड़ का जब तुमने जीएसटर वन फाइल किया होगा तो रेसीपेंट के जीएसआर टू बी में पांच करोड़ के हिसाब से क्रेडिट ली गई होगी बेटा उधर गवर्नमेंट को टैक्स हो रहा कितने का बेटा थ्री का पागल समझा हमको बेटा उसने सी इंसर्ट किया और बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल क्या बोला सर हाँ 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 बेटा किसी आवाज आई बेटा लोगों की देखा, सर अब पॉइंट कि सर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर किसी असि का जीएसटीआर वन में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा थी एज कंपेयर टू हिस जीएसटीआर थ्री बी फॉर दी कॉरस्पॉन्डिंग मंथ बाई सच अमाउंट और सच परसेंटेज एज में भी नोटिफाइड बाई देशन दी एस टी काउंसिल तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा बेटा नोटिस इन फॉर्म नंबर जीएसटी डी आर सी जीरो वन बी क्लियर उस एसी को एक नोटिस आएगा फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत है बेटा ठीक है सर अब ऐसे केस में आपको एक नोटिस आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा भाई नोटिस और नोटिस आएगा और बोलेगा क्या अगले सेवन डेज में नेक्स्ट सेवन डेज में या तो ये डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स जो बनता है वो पे कर दो अलोंग विद द इंटरेस्ट या फिर आप रिप्लाई दीजिए हमको कि हमसे ये ऐसा ऐसा कार्यक्रम हो गया था सर इसकी वजह से गलती हो गई मिस में रहा है ये वाला तो विद इन सेवन डेज क्या सर या तो रिप्लाई दो हमको या फिर सात दिन में वो डिफरेंस अमाउंट जो है वो पे करो अलोंग विद इंटरेस्ट और जो भी है हमको रिप्लाई करके सात दिन में सबमिट करिए साहब या तो पेमेंट करके सबमिट करो या रिप्लाई करके सबमिट करो हमको सात दिन में अगर सात दिन में आपने कुछ नहीं किया मतलब ना तो आपने रिप्लाई सबमिट किया ना आपने डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया तो ऐसे केस में ऐसे केस में बताया क्या है सर ऐसे केस में रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी डायरेक्ट क्या हो जाएगी शुरू अंडर सेक्शन नंबर 79 डायरेक्ट रिकवरी प्रोडिंग शुरू हो जाएगी बेटा और एक बात और बता दूं मैं आपको सेक्शन नंबर 73 74 का जो बाद में दे 75 बताया ना सर डिमांड रिकवरी चैप्टर में बेटा वहां लिखा है साफ बात ये कि अगर ने खुद ने सेल्फ असेस टैक्स डिक्लेअर किया है और अगर उसने वो टैक्स पे नहीं किया तो दिस अमाउंट विल बी रिकवर्ड विदाउट इश्यूंग नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74 मतलब कोई शोक को वगैरह इशू नहीं किया जाएगा डायरेक्ट आएंगे थप्पड़ मारेंगे और पैसा

पहले दो केस हुआ करते थे एक पॉइंट एड हो गया कि किन किन केस में आप जेस्टर वन फाइल नहीं कर पाएंगे किन किन केस में आप जेस्टर वन फाइल नहीं कर पाएंगे या इन फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे फर्स्ट था क्या सर अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड का प्रीवियस मंथ का सर अगर आपने थ्री फाइल नहीं किया सेकेंड अगर आपने क्यू स्कीम ले रखा क्या ले रखा बट आपने तो प्रीवियस टैक्स टेक्सपेड मतलब प्रीवियस क्वार्टर का अगर थ्री बी फाइल नहीं किया तो करंट टेस्ट पेड ना आप फैसिलिटी यूज कर पाएंगे ना आप फाइल कर पाएंगे बेटा जीएसटर हाँ है ना भाई क्लियर <laughs> और थर्ड पॉइंट ये हो गया कि रूल नंबर में जो बता था आपको दिन में रिप्लाई देने का वो अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया आपने पेमेंट नहीं किया तो जब तक आप पे नहीं करते जब तक आप रिप्लाई नहीं करते तब तक आपका जीएसटर वन हम बैन कर देंगे हम बार कर देंगे यू कैन नॉट फाइल जीएसटर वन और इनवर्स फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे बेटा भारत माता की माया समझ में सर डन पॉइंट खत्म होता है अब पक्का ठीक सर, पता है आपको एनुअल रिटर्न ड्यू डेट क्या होती है थर्टी फर्थ दिसंबर आफ्टर द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर वो अगर फाइल करने में आप लेट हो गए तो पता है लेट फाइलिंग फीस कितनी है सर कितनी है सर रुपीज हंड्रेड पर सी जी एस टी और पॉइंट टू फाइव परसेंट ऑफ दिन एवर इज हायर नहीं भाई लोअर ना एक दिन लेट हुए टर्न ओवर बेटा सोचो आप क्लियर कितना कितना सौ रुपए पर डे सब्जेक्ट सब्जेक्टम पॉइंट टू फाइव हा है ना भाई क्लियर ये क्या है सी जी एस टी का लेट फाइलिंग फी है बेटा पर इस बार लेट फाइलिंग फी कम कर दी बेटा और बोल दिया क्या अगर लेट फाइलिंग अगर एनुअल रिटर्न फाइल करने में आप लेट होते हो तो ऐसे केस में अगर आपका टर्न ओवर जिस

कर उस year का 20 crore से था, उसका कुछ ना हो पाएगा मतलब उसके लिए कितनी बेटा रुपीज हंड्रेड पर डे सब्जेक्ट मैक्म पॉइंट टू फाइव इन दॉइंटी जीरो टू परसेंट वाला नहीं है सिस्टम इसके अंदर क्लियर पक्का बच्चो अरे यस ए नो पक्का डन ये आपका एनरोल फाइल का नाम लेट फीस जो थी वो मैंने बताया आपको ठीक है सर ये पच्चीस और ये था ना सर पच्चीस सौ पचासी है ना बेटा ठीक है ठीक है अरे बिल्कुल सही माहौल सर यहां तक पॉइंट समझा गया आपको चलिए अब सर मैं शुरू कर रहा हूं क्या पॉइंट अपना रिफंड्स अंडर जीएसटी दिल थाम के सुनेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और जीरो रेटेड सप्लाई के केस में जो रिफंड मिलता है ना बट आईटीसी का उसकी कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है कई बार सर दिल थाम के सुनना लाइफ बेटा ओके सुनना पता है आपको सर जीरो रेटेड सप्लाई जीरो कौन सा बेटा एग्जाम वाला जीरो नहीं बेटा जेड ई आर ओ वाला बेटा क्लियर जेड ई आर ओ जीरो रेटेड सप्लाई के केस में कितने ट्रांजेक्शन हैं दो दो कौन कौन से बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू ऑफ एसड और अ डेवलपर ऑफ एसड सेकेंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बेटा ये दोनों क्या बेटा जल्दी बोलना ओके okay. अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया क्या क्या कि आपने बेटा जीरो रेटेड सप्लाई किया तो वहां पर अभी अभी हमने एस टी में बात करी सेक्शन नंबर सेवन अगर आप एस को सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो दोनों ही क्या है बेटा इंटर स्टेट सप्लाई के स्कोप में आते हो वहां क्या लगेगा मालिक अरे क्या लगेगा भाई आईजीएसटी लगेगा और ऐसे केस में आई जी पे करना पड़ेगा पर बिफोर जीरो डेट सप्लाई अगर आपने एलयूटी साइन कर दिया क्या साइन कर दिया बेटा आपने तो ऐसे केस में और कुछ लोग जो चोर लोग है बेटा सर उसके केस में बोन रखा हुआ है सर हाँ है ना भाई कि आपने जीएसटी के अंदर या एक्साइज वगैरह में दो करोड़ से ऊपर का टैक्स चोरी किया है बेटा क्लियर तो ऐसे केस में उनके लिए बोन रखा बाकी सबके लिए क्या है एल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कुछ नहीं जीएसटी पोर्टल पर जाओगे एक सिंपल था, था सर, सा छोटा सा फॉर्म दे रखा दो मिनट लगता है उसको सबमिट किया हो गया हो गया आपका एलयूटी बेटा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बेटा क्लियर बिफोर जीरो सप्लाई अगर आपने एलयूटी बोन्ड साइन कर दिया तो ऐसे केस में आपको कोई आई जी पे करने की जरूरत नहीं है पर उसमें काम आने वाले इनपुट्स इनपुट सर्विस क्या बोला सर उसमें काम आने वाले आने वाले इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिलता है कि जा रहा है बस पक्का पक्का समझ रहा है वो या मैं अंदर इंदर खुश रहूंगी हां समझ रहा है समझ रहा है आ रहा है पक्का ओके सर पॉइंट इज दैट कि अगर आपने सर जीरो डेट सप्लाई किया और वहां बॉन्ड साइन नहीं किया तो आपने आई जी पे किया और जो आई उसका पे क्या मिल जाएगा बेटा रिफंड मिल जाएगा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है बट अगर आपने सप्लाई किया विदाउट विदाउट आपने एक्सपोर्ट किया विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड या एलयूटी तो ऐसे केस में क्या होगा मालिक सर भली एक्सम गुड सप्लाई करो या एक्सम गुड्स एक्सम सर्विस सप्लाई करो या टेक्सल गुड्स एक्सपल सर्विस सप्लाई करो वी डोंट केयर जीरो रेटेड सप्लाई कर आपने किया है तो आपको आईटीसी पूरा मिलता है भले इनपुट हो इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो सबका आपको आईटीसी मिलता है यस या नो? यहां तक पहुंच गए क्या मालिक अब मान लो नहीं ऐसे नहीं गलत अच्छा से मानो मान लो सर मैंने जीरो रेट सप्लाई किया है अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एल विदाउट पेमेंट ऑफ आई टी जी अब ऐसे कैसे मेरे को आईटीसी मिलेगा अब आईटीसी मिलेगा तो मैं करूंगा क्या उस आईटीसी का अगर अदर लाइब्रेड है लोकल सप्लाई जो मैं करता हूं डोमेस्टिक मार्केट में जो सप्लाई करता हूं उसमें से लाइब्रेड आती है उस लाइब्रेड में अगर मेरा इनपुट काम आता है इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी काम आता है तो वहां यूज कर लो सर क्या दिक्कत है सर आईटीसी कैन बी यूज क्या बोला सर आवाज नहीं आ रही आईटीसी कैन बी यूज और अगर आईटीसी आपने यूज कर लिया बहुत अच्छी बात है सर पर अगर वो भी मेरे काम नहीं आता लोकल सप्लाईज बहुत कम है साहब तो ऐसे केस में ऐसे केस में जो मैंने आईटीसी अवेल किया है इनपुट्स और इनपुट सर्विस का किसका बेटा वो अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आई और इनपुट सर्विस आई कैन क्लेम द रिफंड कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लो कैरी फॉरवर्ड करो किसी और में काम लो वी डोंट केयर इनपुट इनपुट सर्विस का हम रिफंड दे देंगे मैं बात कर रहा हूं जीरो रेटेड सप्लाई की यहां तक पहुंच गए बेटा आराम से होले होले मस्त होकर पढ़ेंगे बात यहां तक पहुंच गया क्या अब रिफंड मिलेगा कितना मिलेगा सर बात कर लेते सर प्रपोर्शन मिलेगा सब क्लियर देख भाई अब मैंने क्या किया कुछ गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में जी अच्छा मैं गुड्स बोल दूँ तो सर्विसेज भी बेटा ना चलेगा ना रे या मैं एक एक वर्ड बोलू सर अगर मैंने क्या बोल रहा था मैं हाँ कुछ गुड्स सर्विस मैंने क्या किया एक्सपोर्ट किया और कुछ गुड्स सर्विस मैंने क्या किया बेटा डोमेस्टिक मार्केट बेचा तो जो मैंने डोमेस्टिक मार्केट बेचा बेटा उस उसमें मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा सर उसके लिए अगर आईटीसी एक्स्ट्रा बचता तो उसका रिफंड कभी नहीं मिलता है दैट विल हैव टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर बेटा है ना भाई पर जो मैंने एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया है क्या क्या मैंने के थ्रू एक्सपोर्ट किया है कितना मिलेगा प्रोपोर्शन कैसे होगा दिल थाम के सुनना बस यही तो क्वेश्चन है बेटा आपके लिए एग्जाम में आता ना सर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार ठीक है सुनो अच्छे से बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है पूरा होगा गारंटी मेरी आपसे सर अब सर प्रपोशन करना पड़ेगा सर कैसे होगा टर्न के हिसाब से हो जाएगा सर अब सर जिस रिलेवेंट पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो मान लो मैं जनवरी टू तो जून पीरियड के लिए रिफंड के लिए अप्लाई कर कर रहा हूं। किस लिए अप्लाई रहा बेटा मैं जनवरी टू जून जितना भी मैंने एक्सपोर्ट किया उन लिए मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा कराऊ अच्छा मैं एक्सपोर्ट भी अगर बोल दूर ना बेटा तो उसमें भी समझना बेटा ठीक है ठीक। तो सरकार जनवरी टू जून जो मैंने जीरो सप्लाई किया है

सिंपल होना क्यों टफ बना है इसको टफ कर देंगे सर अभी मजा आएगा सर सर टेन लेख टोटल आई टीसी मेरे पास था जो मैंने अवेल किया इनपुट और इनपुट सर्विस का बच्चे क्लियर और सर मैंने एक्सपोर्ट किया करोड़ का डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया फाइव करोड़ का टोटल टर्नओवर कितना बेटा मेरा टेन करोड़ अब मेरे को प्रोपोर्शन करना है एक्सपोर्ट के लिए एलोकेट करना है कैसे होगा सर फाइव करोड़ डिवाइड बाय जल्दी बोलो फाइव करोड़ डिवाइड बाय टेन करोड़ मल्टीप्लाई बाय मल्टीफाईन लेख कितना हो गया सर फाइव लेख तो फाइव लेख एलोकेट हो गया किसके लिए बेटा जीरोटेड सप्लाई के लिए आईडीसी एलोकेट हो गया दिस इज द अमाउंट विच यू कैन क्लेम द रिफंड एक बेसिक आंसर में नहीं निकला आपके लिए अभी और आगे बढ़ते स्टेप बाई स्टेप यहां तक समझ में आया क्या बेटा आपको तो आगे बढ़ू मैं पक्का ठीक सर सर तो इस कैल्कुलेशन के हिसाब से फाइलिक इज द अमाउंट विच इज रिफंडेबल टू यूल गाइज ओके, ओके सो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको पोज करो ना एक बार इसका ओके ओके चेयर का जुट हो गया बेटा सारी लड़ाई जीवन में किसकी चेयर की तो है बेटा आपको बताया ना ये बात क्लियर सर <laughs> अब सर

तो प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा जैसे एक गुड्स ने डोमेस्टिक मार्केट में बेची एक गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया बेटा तो प्रोपोर्शन कैसे होगा एटीन हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी एट हंड्रेड बेटा तो ये तो यार आई टी से ज्यादा हो जाएगा ना एक्सपोर्ट के लिए यार आई टी जबकि इनपुट दोनों सेम थे बेटा क्लियर इसलिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मुला बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल यहाँ पे जितना आपका वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आएगा उसको डोमेस्टिक मार्केट में अगर यही गुड्स बेचते तो कितने में बेचते क्लियर उसका वैल्यू का टाइम्स टाइम्स कितना बेटा तो जितना आपने वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट किया है वो या वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ द गुड्स ऑफ लाइक एंड सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट एवर इज लोअर आपको लेना है बेटा हाँ ना यहां तक बात समझे क्या बेटा आप लोग आवाज आ रही सर क्लियर बच्चा ठीक है डन तो ये तो हो गया क्या जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस अगर आपने रोल नंबर नंबर ए और बी में ऑलरेडी कुछ रिफंड ले रखा है तो उतने टर्नओवर को इसमें से गुड्स के टर्नओवर से लेस कर देना बच्चा हाँ ना, और नीचे टोटल टर्नओवर से भी हट जाएगा बच्चा अरे यस ए ये नो ठीक सर ओके मालिक तो सर अल्टीमेटली जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स का फोर्मुला क्या हो गया बेटा एक तो वैल्यू ऑफ गुड्स कौन सा लेना है एफ ओ वैल्यू ऑफ दी गुड्स जो आपने शिपिंग बिल में डिक्लेयर करी वो या टैक्स इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू डिक्लेयर करी वो इज लोअर

अब क्या सर्विसेज के अंदर एक्सपोर्ट तभी मानते जब पेमेंट आया था बेटा हाँ और पे वहाँ पे आ जाना तो चाहिए अच्छा, सर्विस नहीं दी तो क्या एक्सपोर्ट मानेंगे उसको एक तो लेटर बेटा फोन याद मत करना गारंटी समझा दूंगा पूरा सुनना ध्यान से सर सर्विस का टर्म पता कैसे माना गया सर्विस एक्सपोर्ट भी हो जानी चाहिए प्लस उसका पैसा भी आ जाना चाहिए अब इस थीम से सोच के देखना मैं बता यहां याद बताता पूरा डेरा हो जाएगा सर सर जनवरी टू जून की रिफंड की बात करें बेटा तो जनवरी टू जून क्या बोला मालिक आपको कितना पेमेंट रिसीव हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड क्या बोला सर टोटल पेमेंट रिसीव क्या बोला मालिक टोटल पेमेंट रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग द रिलेवन पीरियड इसमें तो कुछ पेमेंट ऐसा था जो सर्विस कंप्लीट नहीं हुई तो माइनस करना पड़ेगा ना यार माइनस करो वो पेमेंट जो रिसीव तो हो गया पर सर्विसेज अब तक कंप्लीट उसको कब एड करेंगे बेटा तो ऐसा इस पीरियड में हुआ होगा बेटा तो ऐड कर देना क्या वो पेमेंट जो पहले आ चुका था पर सर्विसेज इस पीरियड में कंप्लीट हुई है वो ऐड कर देना आपका हो गया क्या टर्न ओवर ऑफ जीरो सर्विसेज एक बार वापस रिपीट कर दो बेटा मजा तो है ना सर आपको सर वापस सुनना सर सर्विसेज के केस में में सिंस पेमेंट आना इज वेरी एसेंशियल साथ साथ सर्विसेज कंप्लीट भी होनी चाहिए बेटा हाँ है ना भाई इसलिए पता है सर्विस कंप्लीशन और रिसीट ऑफ पेमेंट इज लेटर बोलता है एक लाइन में बोलना होता है क्लियर काउंट करते थे अब। तो सर जिस रिलेवेंट पीरियड का क्या बोला मालिक जिस रिलेवेंट पीरियड की आप बात करें उस रिलेवेंट पीरियड में टोटल पेमेंट रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड हाँ ना माइनस वो पेमेंट जो रिसीव तो सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है प्लस वो पेमेंट जो पहले आ गया था प्रीवियस पीरियड में बेटा पर सर्विसेज इस पीरियड में कंप्लीट हुई है ये हो गया क्या एक्सपोर्ट टर्न सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्न बेटा ऑफ जीरो कर ली डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्न ओवर बेटा हाँ ना भाई इसमें क्या आएगा सारा टर्न डाल दो बेटा क्लियर कौन सा सुनना सर गुड्स का टर्न सारी हूं करो रे सर्विसेज का जीरो सप्लाई का टर्नओवर प्लस नॉन जीरो सप्लाई का टर्नओवर बेटा क्लियर हाँ पर ध्यान रखना बेटा अगर कोई एग्जाम सप्लाई किया बेटा तो उसको टर्नओवर में इंक्लूड मत करना क्योंकि एग्जाम सप्लाई के रेस्पेक्ट में आपने आईटीसी अवेल ही नहीं किया तो प्रपोशन रिवर्स क्यों करेंगे बेटा हम पर हां अगर कोई एग्जाम सप्लाई आपने जरूरी सप्लाई किया था बेटा तो तो टैक्सेबल टर्नओवर में आ जाएगा ना यार वो तो वैसे भी यार हाँ है ना बेटा और एक्सक्लूड करता ना क्या वो सब रूल सबरूल फोर या फोर बी में किसी टर्नओवर का आपने आपने ऑलरेडी रिफंड ले लिया तो वो ऊपर से भी हटा दिया था बेटा से भी हटा दो बेटा हाँ ना भाई हो गया एडजस्टेड टोटल टर्न कोई खास बात नहीं मल्टीप्लाई नेट आई टीसी ने इनपुट सर्विस का आई आईटीसी किसका इनपुट और इनपुट सर्विस का आई टीसी कैपिटल गुड्स को नहीं लेने का मतलब जनवरी टू जून कितना आपने आईटीसी अवेल किया क्या बोला सर कितना आपने आईटीसी अवेल किया ड्यूरिंग दिस पीरियड बेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज क्लियर माइनस वो आईटीसी जिसका आप ऑलरेडी रिफंड क्लेम कर चुके अंडर नंबर और बी जिसका आपने रिफंड वाले लिया वहाँ या नहीं समझा सर पक्का आप के 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 आपको रिफंडीसी का बच्चा क्लियर कोई डाउट पक्का डन अच्छा किसी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे आपने आईजीएसटी पे किया क्या, क्या बेटा आपने तो अगर आपने आईजेस्टी पे किया तो आईजीएसटी का रिफंड लेना बेटा क्लियर उसके अंदर कहा मान वाले इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स आपको आई टीसी मिलेगा आई टीसी आपने उस लाइब्रेड को पे करने में काम लिया होगा बेटा पर उसका अगर एक्सेस बैलेंस बस आई टीसी का तो उसका रिफंड नहीं मिलता है अगर आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया था बेटा हाँ ना भाई उधर आप आईजीएसटी का रिफंड ले रहे हो ना बेटा लोना बटाईसी का रिफंड नहीं मिलेगा बेटा अलग से क्लियर ठीक भले एक्सेस बैलेंस बच जाए वी डोंट केयर ठीक है मालिक ठीक ये हो गया क्या जीरेटेड सप्लाई का कहानी बेटा आइए ड्यूटी स्ट्रक्चर शुरू बात को yes, आवाज यानी सर yes, मान लो मेरा आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स है या आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है फर्क नहीं पड़ता बेटा आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एक एक बार को ध्यान देना है ना बेटा आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स हो या आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस हो उससे फर्क नहीं पड़ता सर उसपे आउटवर्ड सप्लाई पे व रेट ऑफ टैक्स कितना फाइव परसेंट कितना बेटा फाइव सर पर मेरे इनपुट्स पर क्या बोला मालिक इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा 18 परसेंट इनपुट सर्विस नहीं बोला कैपिटल गुड्स नहीं बोला किसका बोला मैंने केवल इनपुट्स मेरे इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा 18 और आउटवर्ड सप्लाई पर रेट कितना है बेटा फाइव अब मेरे को इसकी वजह से आईटीसी बच जाता बेटा मोदी जी से बात करिए सर स्मूथ फ्लो ऑफ आई फ्लो तो आ रहा है पर जा नहीं रहा है है ना तो मतलब क्या रहेगा तो सर हमारा तो एक्सेस आईटीसी बैलेंस बचे जा रहा है बचे जा रहा है बचे जा रहा है। तो उसको बोल दिया क्या दिस विल बी कॉल्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर कि जहां पे आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स इज लोअर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर इनपुट्स देन योर केस इज फिट फॉर ड्यूटी स्ट्रक्चर अब ऐसे केस में जो एक्सेस बैलेंस ऑफ आईटीसी बचता है इनपुट्स का क्या बोला सर एक्सेस बैलेंस ऑफ आईटीसी बचता है इनपुट्स का इनपुट रिफंड क्लेम कर सकते हो भारत माता की जय तो अगेन सिंपल से पॉइंट से शुरू करता हूं सो देट आपको पॉइंट अच्छे समझ में आएंगे मान लो मैं क्या भेजता हूं बेटा मार्कर्स Marker. हाँ मंगल्स बेटा रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा फाइव परसेंट प्लास्टिक का मतलब सर प्लास्टिक का प्लास्टिक प्लास्टिक का बनता मार्कर तो बेटा देखा आपने कभी नहीं देखा बेटा ओके ओके बेटा कोई बात नहीं कई सारी जीवन में चीज होती है सपने रहते बेटा आपने सर <laughs> अच्छे से

ओके मालिक ठीक अब सर क्या होगा मेरे जनवरी टू मार्च मान लो ये रिलेवेंट पीरियड लेते इस बार सर या जनवरी महीने लेते सर जनवरी मंथ ओनली जनवरी मंथ में मैंने आउटपुट सप्लाई किया कितने का दस करोड़ का दस करोड़ का फाइव परसेंट कितना बेटा फिफ्टी लेख का हूं करो मेरे पास कोई इनपुट सर्विस नहीं कोई कैपिटल गुड्स नहीं हटाओ सर मैंने जनवरी महीने में जो इनपुट परचेज किए उसका मेरे पास आईटीसी था कितना 60 लाख रुपए कितना था बेटा 60 लाख तो मैंने मेरे आउटपुट लाइबी को पे करने के लिए 60 में से 50 यूज कर लिया होगा बेटा अरे हाँ ना रे तो बचा कितना कितना रिफंड मिलेगा सो दस लाख का मैक्सिमम आप रिफंड क्लेम कर सकते हो भारत माता की जय सर सिंपल सा पॉइंट बेटा कि इनपुट एक से एक्स आई बच गया उसका रिफंड लेना बेटा हाँ, ना ओके सर हा केस मान लो मेरे इनपुट्स पर आई कितना था बेटा सिक्सटी लैक्स आईटीसी आईटीसी इस एग्जाम्पल में कितना था बेटा सिक्सटी लैक्स आउटपुट लाइव कितनी थी बेटा फिफ्टी लैक्स मैंने कुछ इनपुट सर्विस भी ली थी में बेटा कुछ इनपुट सर्विसेज भी थी कितने थी 40 की थी बेटा फोर्टी लैक्स की बेटा फोर्टी लैख का जीएसटी था उसमें बेटा तो मेरे पास आईटीसी कितना बचे भाई फोर्टी लेख का तो इनपुट्स का आईटीसी टी

सर इनपुटी कितना है सर इनपुट सर्विस का टोटल आईटीसी तो मेरे पास 100 लेख का आईटीसी है इनपुट प्लस इनपुट सर्विस का ध्यान देना बेटा पिछले टाइम में लोगों ने फॉर्मूला याद किया है मैं कह रहा हूं गारंटी से याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी सर सर 100 लेख का आईटीसी कितना है किसका है सर इनपुट प्लस इनपुट सर्विस का मेरा आउटपुट गुड्स क्या है बेटा मार्कर्स उस पर कितना बेटा फाइव परसेंट सर मैंने टेन करोड़ का सेल किया जनवरी महीने में टेन करोड़ पे फाइव परसेंट कितना फिफ्टीन लेख का फिफ्टीन लेख का लाइब्रिटी आया मेरे पास इनपुट का सी कितना है बेटा सिक्सटी का फोर्टी का किसका है इनपुट सर्विस का टोटल कितना है बेटा तो वो फिफ्टीन लेख की लाइब्रिटी के लिए मैं पहले ही कौन सा यूज करूंगा रिफंड किसका मिलता है बेटा अपने को तो हम आईटीसी टी सी बैलेंस ऑफ आईटीसी बचेगा तो रिफंड लेंगे ना बेटा हम तो एंगल से बात करें तो कौन सा अच्छा है पहले कौन सा यूज कर लो सर इनपुट सर्विस पहले पूरा का, का रिफंड हाँ तो शांति रख साइड में बेटा आराम से गवर्नमेंट ने किया बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं पहले का करो किसका यूज करो बेटा इनपुटीज कितना बेटा सिक्सटी लाइब्रेरी कितनी है फिफ्टी कितना आईटीसी कम आएगा फिफ्टी काम आएगा, काम आएगा? कितना बचा दस का रिफंड ले लो हमने बोला वो इनपुट सर्विस पढ़ा उसे क्या करने का बोला हवन करो तीन साल तक हवन किया लोगों ने पांच साल सॉरी पांच साल तक हाँ ये फॉर्मूला तो देख लो चेक ले लो आप सर पांच अक्टूबर 2022 को गवर्नमेंट अमेंडमेंट किया इसके अंदर अच्छा पहले ऐसे सी चेक लगा था बेटा बोल रहा नहीं मेरे को फिफ्टी का रिफंड दो हम पहले इनपुट सर्विस यूज करेंगे गवर्नमेंट क्या बोलती नहीं नहीं पहले इनपुट का क्रेडिट यूज करो हाँ है ना अभी क्या कर दिया दोनों ने ना तेरा ना मेरा दोनों को प्रपोर्शनल यूज कर लो सही बात है कि नहीं सर तो सर इनपुट का आई कितना बेटा बोलो इनपोट सिक्सटी इनपुट सर्विस

थर्टी लेख का आईटीसी काम आ गया फॉर लाइब्रेडी ऑफ आउटपुट गुड्स बेटा और इनपुट सर्विस का आई तो का आईटीसी था बेटा उसमें से ट्वेंटी लेख काम आ गया बेटा इधर तो पचास लाख का लाइब्रेडी तो पूरा पे हो गया अब सर मुझे बताओ इनपुट का आई कितना बचा बेटा आवाज आ रही सर ये आप रिफंड लीजिए भारत माता की जाए बेटा ये लास्ट अभी पाँच अक्टूबर दो को डेट में कुछ शायद थोड़ा ऊपर नीचे होगा दिस इज द अमेंडमेंट हाँ है ना भाई क्लियर सर बहुत बार फॉर्मूला से कन्फ्यूजन होगा शायद आप आपको याद आ गया बेटा ये

एक पॉइंट और दिमाग में आया दिल में आया बोल दू क्या मैं आपको चलो मान लो मेरे पास इनपुट अच्छा कैपिटल गुड्स का क्रेडिट अगर है ना बेटा तो तू तो, तो रूम से बाहर ही रहे अंदर आना ही मत बात झाक के देखना ही मत बेटा तू ये जो कराना प्रोपोशन ऐसा नहीं कैपिल गुड्सा हमारा भी थोड़ा प्रोपोजन यूज कर लो ना सर कैपिटल गुड्स तू कैरी फोट हो जाए वी डोंट केयर हम के रिफंड नहीं देंगे न कैलकुलेशन लाएंगे बेटा ठीक है चलिए दूसरी बात अब सुनना सुननाशारी मान लो मेरे दो सप्लाई बेटा कितने है? एक पर रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा फाइव दूसरे पर एटीन क्लियर मेरे दो आउटवर्ड सप्लाई है एक पे कितना बेटा रेट ऑफ टैक्स फाइव एक पर कितना है एटीन जितने भी इनपुट्स मेरे काम आते हैं उन सब पे रेट कितना बेटा एटीन कितना मालिक एटीन मतलब मेरा एक ये वाला जो केस था जिस पे रेट ऑफ टैक्स कितना था बेटा एटीन मेरे इनपुट भी रेट कितना बेटा, yes, हाँ बेटा? बेटा, बेटा 18 तो दिस इज नॉट द केस फॉर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बट यस दिस इज द केस फॉर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है ना बेटा रेट ऑफ टैक्स कितना कितना बेटा बेटा और इनपुट 18 तो यस यहाँ पे रिफंड मिलेगा पर सर मेरा जो इनपुट है वो इसमें भी तो काम आ रहा है इसमें भी, काम आ, रहा है। इसमें भी काम आ रहा है और इसमें भी काम आ रहा है बच्चे यस या नो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा हमको जो इनपुट इसमें काम आ रहा है उसका रिफंड मिलेगा क्या बेटा जो इनपुट इसमें काम आ रहा है उसके लिए तो कैसे पता पड़ेगा सर प्रपोशन क्या करेंगे सर मतलब आप ये देखने का ही नहीं कि कौन सा इनपुट किसमें काम आ रहा है कौन सा इनपुट किसमें काम आ रहा है रूल में फोर्टी टू करना बेटा सिंपल करना टोटल इनपुट क्या बोला सर जनवरी महीने की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनवरी महीने में टोटल इनपुट जो आपने परचेज किया है भले वो इसमें काम आया हो इसमें काम आया हो टोटल इनपुट पर जो जीएसटी पे किया क्या बोला सर टोटल इनपुट पर जो जीएसटी पे किया उसको पहले एलोकेट कर दो इन्वर्टेड के लिए और बाकी अदर सप्लाई के लिए बेटा हाँ तो मान लो के सप्लाई का टर्न कितना टेन सी का कितना मालिक टेन सी आर का और अदर सप्लाई का टर्न बेटा टेन सी cr अभी कैलकुलेटर क्यों यूज करे बेटा सर कितना हो गया टोटल ट्वेंटी सी क्लियर तो टेन सी डिवाइड बाई ट्वेंटी सी आर इन टू इनपुट का टोटल कितना बेटा आपके पास नहीं 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 अरे वन करोड़ ट्वेंटी लेख बेटा वन करोड़ ट्वेंटी लेख मान लो ना सोच रहे जैसे मेरे कहीं लिख ही लाया हूँ बेटा एग्जांपल ले एक करोड़ बीस लाख एक करोड़ बीस लाख क्या बेटा इनपुट्स का आईटीसी क्लियर इनपुट्स का आईटीसी टोटल इनपुट का आईटीसी बेटा सारे इनपुट्स जो दोनों में काम है बेटा तो वन करोड़ ट्वेंटी लेख को हम अपोर्शन कर देंगे किसमें बेटा

तो 50 लेक की लाइब्रेरी को पे करने के लिए इनपुट प्लस इनपुट सर्विस का टू है हाँ ना अरे या नो तो सर अगेन वो थ्री टू फोर आ जाएगा बेटा रेशियो क्लियर तो 30 लेक का आई क्या बोला सर 30 लेक का आई टीसीड हो गया किसके लिए बचा इनपुट लिए के लिए एलोकेट हो गया बेटा और इनपुटीसी जो इसके लिए एलोकेट हुआ था वो कितना था बेटा

मैंने मार्कर परचेज किए अब मार्कर बेच रहा हूं परचेज करते वक्त रेट ऑफ टैक्स था एटीन परसेंट कितना था बेटा सेल करने से पहले रेट ऑफ टैक्स कम हो गया और रेट हो गया कितना ट्वेल्व परसेंट परचेज पे कितना था बेटा एटीन अब बेचने के तब कितना रेट था बेटा ट्वेल्व तो आप मुझे बताओ परचेज पे अठारह परसेंट टैक्स पे किया उसका मैंने क्रेडिट लिया बेटा सेल पे लाइवी कितना बेटा ट्वेल परसेंट लाइवी कम हो गया बेटा मेरा आई एक्स्ट्रा बच जाएगा क्या यहां पर को रिफंड एलिजिबल होगा क्या बेटा आंसर इज नो एक सर्कुलर इशू हुआ सर्कुलर इशू करके बोला क्या अगर आप जो कुछ परचेस करो उस पर रेट ऑफ टैक्स अगर कम हो गई और जब बेच रहे हो तो रेट कम हो गई आपकी उसकी वजह एक से एक्सएसआईटी बच रहा है तो दिस इज नॉट द केस विच इज फिट फॉर ड्यूटी स्ट्रक्चर बेटा पर पर इसका एक एक्सेप्शन एक सर्कुलर एड करके बोला कि अगर किसी कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से किसकी वजह से सर की वजह से आपका आउटपुट वालाइबिलिटी कम आ रहा है रेट ऑफ टैक्स कम नहीं हुआ है कोई स्पेशल कंसेशनल नोटिफिकेशन था जिसकी वजह से आपका आउटपुट वालाटी कम आ रहा है तो ऐसे केस में सर इन्वर्टेड वाला केस का बेनिफिट आपको मिलेगा जैसे एग्जाम्पल याद है सर अगर आप एक्सपोर्टर रोको ना बेटा और मैं डायरेक्ट आपके लिए गुड्स बेच रहा हूं यहां से कहा कस्टम पोर्ट पे बेटा तो पॉइंट वन परसेंट करूंगा याद है बेटा मैं तो 18 परसेंट अगर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है तो भी मुझे पॉइंट वन परसेंट ही टैक्स पे करना है क्लियर तो सर 18 परसेंट मेरी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है पर मेरी परचेस पे 18 परसेंट टैक्स पे क्यों होगा अब सेल करो मैं आपको आप डायरेक्ट क्या करने करना वालों एक्सपोर्ट तो ऐसे केवल के मेंसेंट टैक्स पे करूंगा कितना पे करूंगा सर मैं क्लियर और पॉइंट वन परसेंट अगर पे कर रहा हूं कंसेशन रेट की वजह से तो मेरी सेल पर रेट पे रेट ऑफ टैक्स पॉइंट वन परसेंट है परेस पे अठारह परसेंट एक्सपे किया तो इसका मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा है ना भाई क्लियर डन सर यहां तक बात समझे क्या भाई

सर मान लो एक बिल्डर है बेटा मुंबई में अंधेरी वहां अपने फ्लैट बुक कराया बेटा क्लियर सर <laughs> सुनना अब अपन ने उसको वन सीआरपी दे दिए बेटा मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं मान लो एक करोड़ भी नहीं है बेटा पर मान माना अब सर फ्लैट बुक कराया वन सी आर उसको दिया बुक कराया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बेटा पर सर किसी कारण से प्रोजेक्ट क्या हो गया बेटा डिले हो गया उसका अच्छा मैंने उसको जो पेमेंट दिया था वन करोड़ प्लस फाइव लैख एक करोड़ पांच लाख रुपए पे किया पांच लाख क्या था बेटा उसका जीएसटी अमाउंट मैंने वन करोड़ फाइव लैख उनको पे किया उसमें से फाइव लाख रुपए उसने जीएसटी पे कर दिया होगा अब सर कहानी चल रही दो तीन महीने चार महीने निकले और प्रोजेक्ट तो वही की वही बेटा अभी उसे ना हो पा रहा है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटा कैंसल और बायलक वो मेरे को रिफंड दे रहा है बेटा अभी सर अब पॉइंट आता है क्या अब मैं रिफंड लेने जब उसे गया वो बोलता है क्या मैंने उसको पे कितना किया बेटा वन करोड़ फाइव लाख वो मेरे को क्या बोलता है ये लग, मंगल वन करोड़ ले और मस्त रह जा मैंने कहा भाई साहब मैंने आपको एक करोड़ पांच लाख रुपए दिया है उसने मेरे को समझाया कि तेरे को पता नहीं क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, है। सप्लायर कस्टमर्स लेता है और गवर्नमेंट को पे करता है तो मैंने नहीं लिया गवर्नमेंट ने लिया है मेरे थ्रू तो फाइल एक तेरे को गवर्नमेंट ने दिया है तूने गवर्नमेंट को दिया तू उनसे लेके आ जा मेरे को तूने वन सी ही दिया ये वन सी पकड़ तो सर क्या मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा रिफंड लेने के लिए बेटा आंसर इज यस पर 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 मैंने उसको बोला कि भाई साहब आपको इंडिया आता तो है पर पूरा नहीं आता है <laughs> क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो आप जितना आपने टैक्स इन्वेस्ट इश्यू किया था उसके अगेंस्ट अगर आप क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हो तो सर क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो आपका जीएसटी लाइविटी उतना कम हो जाएगा और उतना गवर्नमेंट से आपको रिफंड मिल जाएगा या उसमें नहीं की जो लाइविटी होगी वहां से आपका अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा तो मेरे को पूरा एक करोड़ पांच लाख रुपए आपको रिफंड देना पड़ेगा और उन्होंने मुझे पूरा एक करोड़ पांच लाख रुपए रिफंड दे दिया है हाँ ना भाई पर उसने बोला मंगल तेरी बात बिल्कुल सही है पर तू ये भूल गया कि तुमने पेमेंट कब किया था पेमेंट के तीन साल हो गए भाई साहब

क्लियर साहब मेरे को तो गवर्नमेंट अब क्रेडिट नोट इशू करने देगी नहीं अब गवर्नमेंट तो मेरे को पांच लाख रुपए देगी नहीं मैं तो लाख तो उसने मेरे को वन सीआर ही दिया बेटा कितना दिया बेटा मेरे को वन सीआर तो मैंने कहा गवर्नमेंट को जाके कि मैंने क्या गुना किया जो लुट गए हा हम लुट गए हा है ना बिल्डर ने नहीं लूटा और आपने लूट लिया मेरे को तो गौनमेंट नहीं ऐसे पैसे हमको नहीं चाहिए ले कैसे बोल देगी गवर्नमेंट क्या तो कोई प्रोसेसर तो होगा ना बेटा यार तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं चिंता मत कर मंगल अगर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट निकल गया तो ही दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा रिफंड करना टू ईयर कब से नॉर्मली लिखा हुआ है केस अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रेसिपी रिफंड ले रहा तो जिस दिन उसको गुड्स सर्विस रिसीव हुआ है वहां से दो साल तो मेरे को तो रिसीव ही नहीं हुआ कुछ बेटा, कैंसल गया, तो यहां से दो साल करेंगे अप्लाई में 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 कर सकता हूं रिफंड करना पड़ेगा तो बेटा क्या, पड़े क्या मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेन नंबर लेना पड़ेगा सर आंसर इज नो मैं अपने पेन बेस्ड एक टेम्प्रेरी लूंगा बेटा पोर्टल पर जाकर क्लियर मेरे को एक टेम्प्रेरी नंबर लेना पड़ेगा नॉर्मल रजिस्ट्री नंबर नहीं लेना पड़ेगा पड़ेगा मेरे को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ में बेटा

उस स्टेट में मेरे को नंबर लेके रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर के थ्रू बेटा हाई ना भाई अरे क्लियर डन और सर पे रिफंड एप्लीकेशन जो बनेगी वो सप्लायर वाइज अलग अलग रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा मान लो मैंने चार फ्लैट बुक कराए थे अलग अलग बिल्डर के सर किस्मत पूरी अबे ओ सर अब चारों ही प्रोजेक्ट फेल हो गए तो मेरे को चार रिफंड की अलग अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अगर सेम केस है तो बेटा हाँ ना भाई क्लियर डन ये रिफंड ऑफ पर्सन वाला पॉइंट भी खत्म होता है अब शायद आपको बात समझ में आ गई क्लियर ये रिफंड का जो मेन मेन पॉइंट था मैंने आपको समझाने की कोशिश करी आई होप यू बेटा हो नो पका ठीक है सर फिर आता है क्या असेसमेंट और अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ऑडिट ठीक है अच्छा मेरे को 73 74 सेवन पढ़ाना है सर आपको सर सेक्शन नंबर 73 और 74 फोर अच्छा ब्रेक चाहिए बेटा आपको एक एक शॉर्ट ब्रेक चाहिए आपको टी ब्रेक चले थे कार्यक्रम अच्छा समझ में आ रहा भी नहीं आ रहा आपको तो फिर क्या दिक्कत रहा है चले दो सर यार टी ब्रेक चाहिए आपको पांच दस मिनट पर पांच दस मिनट में आ नहीं पाएंगे आप लोग यार पर एक काम करो पाँच दस मिनट का ब्रेक ले लो जिसको चाय की बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा वही जाओ भाई सब जगह गए घर तो वापस दस मिनट में शुरू नहीं हो सकती क्लास बेटा अपनी क्लियर तो अगर आपको पांच मिनट के लिए रिलैक्स होना है तो आप यही रिलैक्स हो जाइए अगर जिसको जाना है बाहर ठीक है ओके सर तो मैक्सिमम फाइव टू टेन मिनट्स ओके थैंक यू सर वापस शुरू कर हम अपना कार्यक्रम यस सर शुरू करें क्या गुड मॉर्निंग ओके सर सुनना बात को ध्यान से कुछ कुछ सर चुनिंदा पॉइंट रिगार्डिंग जीएसटी सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर और सर एक सेक्शन नंबर सेवेंटी फाइव के एक सर्कुलर आया जो इस बार एग्जाम में आने वाला है दिल थाम के सुनेगा सर सर कंफर्म सेक्शन नंबर और ये कंफर्म आएगा सर लिख के रखना सर ठीक है गारंटी सुनना इधर इधर एक बार एक पहले सुनो पहले पहले सुनो और सीरियस कर सर मैं आपको ओके और दिस इज द ओनली पॉइंट जिसके लिए आई एम श्योर कि क्वेश्चन आ गया आएगा सर सुनना इधर इधर एक मिनट एक मिनट और अच्छा आप भी कहेंगे सर आना चाहिए सर सरकार सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर सेवेंटी थ्री

फ्रॉम दी ड्यूटी टू फलिंग फ्रॉड किया होता इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स था कल ऑफ दिस तो ऐसे केस में फाइव इन इज द टाइम लिमिट टू सर्व दर एंड फोर ईयर सिक्स मंथ इज द टाइम लिमिट टू सर्व दो कोज नोटिस कहा से कहा से रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल फाइनेंशिय करने की ड्यू डेट से बेटा और अगर आपको एरोनियस क्या मिला, है, मिला है बेटा आपको और वो गलत रिफंड था और आपने गलत रिफंड लिया है तो सेवेंटी थ्री का केस हो या है कहां से जिस दिन रिफंड मिला है वहां से थ्री ईयर या फाइव ईयर काउंट करते बेटा या वहां से टू ईयर नाइन मंथ या चार साल छह महीने काउंट करते बेटा हाँ या ना भाई अरे यस या नो दिस इज द टाइम लिमिट टू सर्व द नोटिस और ऑर्डर ये दिस इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन वर्ड्स को ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन आएगा इस बार मैं लिख के दे रहा हूं आपको ये बात ओके सर सुनना दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू सर्व दो कोज नोटिस एंड ऑर्डर अंडर जीएसटी ओके बच्चों अच्छा इतना शानदार सुनो आप इफेक्टिव लिस्निंग इतनी अच्छी करो कि सर लाइफ में आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आप सोल्व कर पाओगे मेरी गारंटी सर इतना इफेक्टिव लिसनिंग करो आप ठीक है अच्छा ऐसा लॉजिक से जुड़ूंगा आपका दिल कहेगा हाँ यही होना चाहिए मैं कहूँगा वही लिखा है खत्म फिर याद करना नहीं पड़ेगा सर आपको ठीक है सर सुनना <coughs> सर सर यार एक चीज बता मेरे को मान लो क्या नाम सर हाँ वेट वेट नहीं नहीं ये हाँ कैशव सर <laughs> कैशव भाई इन्होंने पता है क्या किया टैक्स शॉर्ट पेड नॉन पेड शॉर्ट लेवी नॉन लेवी या एरोनियस रिफंड बेटा आई रिपीट टैक्स शॉर्ट पेड नॉन पेड शॉर्ट लेवी नॉन लेवी और एरोनियस रिफंड इनमें से कोई मैटर है तो यहाँ पे 73 या 74 अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स था ऐसा डिपार्टमेंट कहता है और इनको शो क्वेश्चन पकड़ा दिया बेटा हूं करो रहे? इन्होंने उसका रिप्लाई दिया नहीं माने ऑर्डर पास कर दिया यस ए नो एंड टाइम नॉज फाइव ईयर्स अभी आज अभी क्या चल रहा डेट क्या बेटा आज सेप्टेंबर 17 ईयर भी तो होगा कुछ बेटा टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ओके आज ऑर्डर पास हुआ बेटा ठीक है समझना अब ऑर्डर जो पास हुआ वो कौन से ईयर के लिए था बेटा उसमें ईयर कवर किए थे 17 18 18 19 फाइनेंशियल ईयर 19, 20 फाइनेंशियल ईयर 20, 21 फाइनेंशियल ईयर 21 22 22 23 चल रहा है ठीक है सर ये सब कवर करके ऑर्डर पास कर दिया अब सबसे पहली बात आती है द टाइम लिमिट टू सर्व द ऑर्डर क्या बोला सर कितना है बेटा 5 इयर्स अच्छा शो को सर्व होता लास्ट महीने में बेटा ठीक है सर तो पहले देख लेते हैं ऑर्डर पास करने का टाइम कितना होता है बेटा अगर सेवनटीन एटीन फाइनेंशियल ईयर की बात करूं मैं आपसे किसकी बात बच्चा मैं तो सेवनटीन एटीन फाइनेंशियल ईयर के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या था बेटा थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एटीन वहां से पांच साल में ऑर्डर पास हो सकता है बेटा क्लियर तो वहां से फाइव ईयर्स तो टू थाउजेंड नाइनटीन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री आज डेट क्या बेटा 17 टू 2023 थ्री और सर ऑर्डर कब तक पास कर सकते हैं बचा है ये लोग थर्टी दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यस मतलब ऑर्डर जो पास हुआ वो विद इन द टाइम पास हुआ है और ऐसे केस में वो टाइम बार नहीं हुआ है बेटा भगवान कृष्ण की <laughs> मतलब ये क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आने वाला आप देख लो आप <laughs> लोग भगवान कृष्ण की बासुर की आवाज भी आ गई सर इसके अंदर सर सुनना और ये चमत्कारी तो है लाइफ में <laughs> हाँ तो मैं कह रहा हूँ ये देखो हैंग हो गया देखो मैं कह रहा हूँ ना अब बताओ अब ये क्वेश्चन आना चाहिए आना चाहिए आप बताओ मुझे अब ये तो आए गया है कन्फर्म बेटा सर सुनना और एग्जाम्पल भी कैसे होगा चल रहा है बेटा ये देखो आप <laughs> वाह वाह अब तो मेरे को एग्जाम थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अब सुनना बात से। मस्त मजा आएगा सर कंफर्म सर अब केशव भाई को ऑर्डर पास कर दिया डिपार्टमेंट ने फ्रॉड मानते हुए फ्रॉड नहीं करते तो। मजाक मस्ती कर लेंगे सर इसलिए इन्होंने कंटेस्ट किया अपील फेल कर दी सर अपील में केस अच्छा वो पूरा बोलता बेटा मैं सर अपील में इन्होंने कंटेस्ट किया कि हां 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 मैंने टैक्स कम पे किया है पर वो फ्रॉड नहीं था मिस्टेक थी इन्होंने प्रूव कर दिया इन्होंने क्या प्रूव कर दिया बेटा कि हां जी हां शॉर्ट पेमेंट हुआ है नॉन पेमेंट हुआ है शॉर्ट लेवी हुआ है नॉन लेवी हुआ है एरोनियस रिफंड मिला है पर दैट वाज नॉट विद इंटेंशन ऑफ फ्रॉड मिस्टेक थी साहब और कोर्ट ने इनकी बात मान ली हा बासुरी गई बेटा और सर ऐसे केस में अब मेरा पॉइंट यह है कि डिपार्टमेंट बोलता है हाँ टैक्स तो कम पे किया है पर मिस्टेक है अब अगर मिस्टेक का केस डिफाइन हो जाता है बच्चे तो मिस्टेक के केस में ऑर्डर कैन बी पास विद इन थ्री ईयर्स नोटिस कैन भी साफ विद इन टू ईयर्स नाइन मंथ बेटा हाँ है ना भाई तो सर अब आज जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया है 17 23 को हाँ ना भाई ये मानते हुए कि वो फ्रॉड था अगर इसी को मिस्टेक मानते हुए ऑर्डर पास करता तो कौन से पीरियड के लिए ऑर्डर पास कर सकता था डिपार्टमेंट बेटा समझना मतवे ध्यान से तो सर अब अगर हम सेवेंटी थ्री सेक्शन लगाएंगे तो सेवनटीन एटीन क्या बोला सर 17, 18 ईयर के लिए ऑफ़ फाइलिंग रिटर्न दिसंबर से तीन साल के अंदर ऑर्डर पास हो सकता बच्चा मतलब दिसंबर 21 टू 31 ट्वेंटी वन के बाद अगर ऑर्डर पास हुआ है तो सेवनटीन एटीन के लिए वो क्या हो गया बच्चे टाइम बार हटा तो सेवनटीन एटीन तो केस, केस वैसे भी जीत गया बेटा जीरो लाइब्रेडी सेवनटीन की बेटा एटीन नाइनटीन का डेट क्या था बेटा 2019, तो उसके लिए भी क्या थी बेटा लास्ट डेट ऑर्डर पास करने की बेटा वो भी निकल चुका ऑर्डर पास हुआ 23 में मतलब 19, uh, 18, 19 के लिए भी वो क्या हो गया बेटा ऑर्डर टाइम बार हो गया मतलब सत्रह अठारह अठारह उन्नीस में भली टैक्स शॉर्ट पेमेंट था नोट पेमेंट था नॉन लेवी शॉर्ट लेवी एयरसल फंड था डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा अब आई बात किस ट्वेंटी फाइनेंशियल के लिए बेटाटीन ट्वेंटी फाइनेंशियल के लिए

क्लियर जिसके लिए टाइम लिमिट रहती है रिमेनिंग वो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया जाएगा और टैक्स का अमाउंट मॉडिफाई हो गया अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी भी कैलकुलेट की जाएगी बेटा हाँ क्लियर सेम वे सर मैं कह रहा हूं क्या दिल थाम के सुनना सर टैक्स के साथ पेनल्टी लगती है सर क्या अच्छा ये जो ये एग्जाम्पल समझ में आएगा बेटा आपको आवाज नहीं रही सर अच्छा मैं तो कह रहा हूं पूरा ही ऑर्डर सत्रह अठारह के था तो पूरा ही ऑर्डर सेवन के लिए था तो पूरा मीटर ही टाइम हो गया बेटा सेवेंटी थ्री के लिए हटा क्लियर पूरा ही मीटर बीस इक्कीस के लिए था तो बेटा बीस इक्कीस चल रहा है बेटा उसके लिए टाइम लिमिट अभी खत्म नहीं हुई बच्चों तो सर पूरा ही ऑर्डर वैलिड हो जाएगा बेटा पर पूरा पीरियड में से कुछ पीड़ियडे ले का था, कुछ पीड बाद कुछ कुछ हो जाएगा बेटा कुछ कुछ कैसे हो जाएगा मैंने समझा दे बेचा आपको हाँ ना भाई एंड दिस विल बी द्वेश्चन सी एफ एन नोर ट्वेंटी थ्री लिख के रखना बेटा ओके okay? टफ था क्या बच्चे टफ था क्या नहीं सर मैं बताता रहा हूँ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं जितने क्लाइंट हमारे पास आते हैं जो भी प्रैक्टिसिंग सीएस के पास आते हैं बेटा सबसे पहला डिपार्टमेंट ही लिखता कि फ्रॉड किया और हम सबसे पहला रिप्लाई देते कि हमने फ्रॉड नहीं किया था कि कम से कम तो वो लास्ट के दो साल तो उड़ जाए बेटा उसमें तो केस बिल्कुल जीत गया बेटा अपन क्लियर इसलिए मुझे प्रैक्टिकल एंगल से लगता है जैसे मैंने सर्कुलर देखा मैंने का मजा आ गया क्लियर और यह आना चाहिए अच्छा ये सर्कुलर कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है सर ये तो पहले भी था एक्सरसाइज में होता था सर

टैक्स आप बोलते हो साहब गलती हो गई खत्म करके इसको तो पूरा टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट पे पेनल्टी तो कितना टैक्स इन्वॉल्व पेनल्टी हो जाएगा वो भी आपको पहले जमा कराना पड़ेगा तो आपका मैटर क्या हो जाएगा कंक्लूड हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा पर अगर शोको सर होने के थर्टी डेज के अंदर क्या बोला सर शोको सर होने के तीस दिन के अंदर अंदर अगर आपने पे किया तो ऐसे में पच्चीस परसेंट पेनल्टी सर अगर आपने ऑर्डर पास हो गया उसके तीस दिन में अगर आप मान गए तो ऐसे में फिफ्टी परसेंट पेनल्टी और उसके बाद तो हंड्रेड परसेंट है ही बेटा हा है ना मालिक हवाज नो Clear? अगली बात सर अगर यही मिस्टेक का क्या कैस होता कैसा हो बेटा मिस्टेक का तो सर पेनल्टी कितना बेटा बिफोर शो दिया नो no पेनल्टी सर विद इन थर्टी डेज ऑफ इंटरेस्ट नो पेनल्टी और उसके बाद अगर पे किया तो टेन परसेंट ऑफ टैक्स इनवोल्ड इजनल्टी का हाँ ना भाई क्लियर टेन परसेंट ऑफ दिन टेन थाउजेंड एवर इज हायर इज द पेनल्टी अमाउंट अंडर सेक्शन सेवेंटी थ्री बोले सर अब सुनो यहाँ पे अभी जो मैंने बताया आपको 74 का केस था बेटा और कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं 73 74 का नहीं होना चाहिए 73 का होना चाहिए तो टैक्स का अमाउंट तो हमने डिटमेंड किया बेटा अभी सत्रह अठारह हट जाएगा अठारह उन्नीस हट जाएगा बाकी के निकलेगा उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी भी मॉडिफाई हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी रिकल्क्यूट होगा बच्चों है हाँ ना भाई क्लियर डन पॉइंट खत्म होता है अब अब इसके अराउंड थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके कोई क्वेश्चन बन सकता है मुझे इसे हाई चार्ज लगता है बेटा हाँ ध्यान द्या, दीजिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में ऑर्डर के टाइम में बताया बेटा वैसे आपको शोकोस नोटिस का भी टाइम देखना पड़ेगा सर अगर शोकोस नोटिस भी दो साल नौ महीने के अंदर इशू नहीं हुआ होता कितने साल में बेटा तो वो ईयर भी गया बेटा मतलब अगर शोकोस आपको इश्यू होता अक्टूबर के अंदर मान लो अक्टूबर ट्वेंटी थ्री में बेटा तो अक्टूबर ट्वेंटी थ्री में अगर शोकोसर हुआ तो मतलब गए समझे मेरी बात कौन सा भी गया बेटा आपका क्योंकि के लिए शोकोस नोटिस कैन बी कब तक बेटा दिसंबर ऑफ फाइलिंग रिटर्न रिटर्न बेटा एनुअल दो साल नौ महीने थर्टी एथ सेप्टेंबर टूजेंड ट्वेंटी थ्री तक आप शोकोच दे सकते हो बच्चा और उसके बाद अगर शोकोच दिया तो वो ईयर भी गया नोटिस अगर टाइम पर हो गया तो उसके लिए ऑर्डर तो पास कभी हो नहीं सकता बच्चा फिर आप जाएंगे ईयर बीस इक्कीस आ जाएंगे बेटा है हाँ ना भाई क्लियर डन सर अरे क्लियर डन पॉइंट समझा डन सर ये मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए ऐसा मुझे लगता है सर और आपको भी लगा होगा कि हाँ यार बनने लायक क्वेश्चन है, है। सर ये ठीक है सर डन तो आज का अपना टारगेट यही है सर कि मुझे लगता है कि ये सब सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है इधर से उधर कनेक्ट होते हैं सर ये सब मेरा टारगेट है जो हो जाएगा सर ये हो गया आपका क्या सेवेंटी थ्री सेवेंटी ये वाला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया बेटा ओके मालिक ओके बोलो एक सर्कुलर था रिकवरी को लेकर वो भी बताया था बेटा मैं मान लो आपको पता है कभी भी कभी जैसे मान लो आपके अगेंस्ट रिकवरी शुरू होगी सर आपके अगेंस्ट रिकवरी शुरू हो गई अब सर आपने अपील फाइल कर दी बेटा क्या फाइल कर दी बेटा आपने या किसी अदर प्रोसीडिंग में मैटर चला आपका तो आपकी रिकवरी क्या होगी स्टे हो गई बेटा हूं करो सर अब जब वो अपील वगैरह खत्म हो जाएगी अब मान लो रिकवरी बनती है तो वो रिकवरी के लिए वापस फ्रेश नोटिस देने की जरूरत नहीं है जिस स्टेज पर रिकवरी स्टे हुई थी उसी स्टेज से रिकवरी क्या हो जाएगी शुरू हो जाएगी बेटा हाँ ना भाई

तो पहले डिपार्टमेंट रिकवरी करने पहुंच गया था कितने के लिए फाइव सीआर के लिए पर जब सीआरपी प्रोसेस शुरू हुई तो वो स्टे पे आ गया बेटा रिकवरी स्टे हो गया रिकवरी का अब जो रिड्यूस अमाउंट ऑफ लाइवली कितनी है बिचा तो अब डिपार्टमेंट रिकवरी जो करेगा कितने करेगा बेटा और थ्री करोड़ के लिए कोई फ्रेश नोटिस ऑफ रिकवरी देने की जरूरत नहीं है जिस स्टेज पर रिकवरी शुरू हुई थी उसी स्टेज से वापस से रिकवरी जिस स्टेज पर रिकवरी स्टे हुई थी उसी स्टेज से रिकवरी वापस शुरू हो जाएगी बट फॉर दी रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ रुपीज थ्री सीआर बेटा ना भाई

कर पड़ेगा सर बोगस बिल सुना बात को ध्यान से अमन भाई इसने बोगस बिल इशू किया फर्स्ट पर्सन ये बेटा हूं करो रे मंगल तो ये है कौन है ये डमी कंपनी बेटा क्लियर ना तो एक्चुअली सेल करता है एक्चुअली बाय करता है केवल बिल लिया है बिल दिया है बेटा दिल नहीं <laughs> सर बिल बिल सर नवंबर ट्वेंटी थ्री एग्जाम ध्यान दो सर पॉइंट ये इनवॉइस इनवॉइस, बोगस बिल दिया बोगस बिल दिया बेटा बस दबी कंपनी बेटा और सर क्या नाम निश्चित ये कौन है बेटा ये एंड पर्सन जिसने अल्टीमेटली क्रेडिट को यूज किया बेटा ठीक है मालिक नहीं एग्जाम्पल चेंज करोगे बेटा कुछ तो बोलो ना ढंग से हूं सर अब इसने बिल दिया अपन ने बिल लिया वापस बिल दिया और अल्टीमेटली इसने उस बोगस बिल का क्रेडिट यूज किया और अल्टीमेटली कम पे करी बेटा है हाँ ना भाई और ये लोग पकड़ में आ गए अब इन तीनों का क्या होगा भाई ठीक है सबसे सब पहले बात आपकी बात कर बेटा आपने क्या किया बेटा बोगस बिल दिया अच्छा इसने जब बिल दिया होगा क्या एक्चुअली इसने कोई सप्लाई किया क्या बिल देना इज नॉट सप्लाई

हंड्रेड परसेंट टैक्स इन्वॉल्व और इसकी कहानी खत्म बेटा अब नहीं, नहीं पहले निशित भाई की बात निशित भाई ने क्या किया बेटा बोगस बिल के पे इस पर क्रेडिट लिया और उसको यूज करके लाइब्रेडी कम पे करी बेटा हाँ ना भाई मान लो इसकी किसी पर्टिकुलर मंथ की लाइब्रेडी देखिए नहीं फाइव सी आर की फोर करोड़ का इसने बोगस बिल का क्रेड लिया अल्टीमेटली एक करोड़ पे किया बेटा इसने

100% परसेंट टैक्स एंड इज पेनल्टी का अमाउंट तो सरकार जितना चार करोड़ का क्रेडिट था चार करोड़ का आपका पेनल्टी लग गया अंडर सेक्शन चिंता मत करो अभी आप सेक्शन में 122, सब भी करो बेटा और वहां क्या बोला अगर कोई बिल के बेस पे क्रेडिट लेता है तो साहब हंड्रेड परसेंट एंड इज दी का अमाउंट ऑल्सो तो चार करोड़ का पेनल्टी में चार करोड़ का पेनल्टी वन ट्वेंटी टू में पर इसमें बोला मंगल सेवेंटी फाइव ले

बेटा। तो मैं सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर में कवर नहीं हो रहा था बड़ा खुश हो रहा था उसने मिला एक बार अमन से पूछना उसके साथ क्या हुआ बेटा <laughs> इसने बोगस बिल इश्यू किया सेक्शन में वन ट्वेंटी टू सबसे

बोगस बिल दिया बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया तो सर चार करोड़ तो बोगस बिल देने का क्रेडिट लाइव पेनल्टी चार करोड़ का बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लेने का लाइवी पेनल्टी का बेटा हाँ है ना आठ करोड़ के लग गए बेटा इसके क्लियर अच्छा ये भाई साहब दो बार क्यों नहीं लगा इस पर टैक्स क्योंकि सेवेंटी फोर का पेनल्टी लग गया तो किसी और का पेनल्टी नहीं लगता बेटा हाँ है ना भाई क्लियर ये क्राइटेरिया हो गया बेटा खत्म समझ में आया कि गया क्लियर डन अच्छा एक बात और भाईयो एक लास्ट बात ये चार करोड़ का अमाउंट था बेटा करो सर सर यही अगर पांच करोड़ का अमाउंट होता ना बेटा बेटा करोड़ तो अपन तीनों बेटा अंदर ही जेल के अंदर बिल ले रहे होते, दे रहे होते, बिल ले ले रहे होते, दे रहे 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 दे दे होते 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 बेटा सर मेरा पूरे जीएसटी में जितने भी ऑफेंसेस है क्या बोला सर पूरे जीएसटी में जितने भी ऑफेंसेस है ऑल ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेहलेबल ऑफेंस एक्सेप्ट फोर चार ऑफेंस ऐसे हैं जो कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस हैं और कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और सर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है पहले वो बताता था मैं आपको यहां पे अरेस्ट कैन मे मेड इवन विदाउट अरेस्ट वारंट क्लियर आज एसीडीसी के पास पावर नहीं होता है मेरे को हमको बेल पे छोड़ने का क्योंकि दिस आर नॉन बेलेबल बेटा क्लियर और यहां पे डायट जेल में फिट करके विद इन ट्वेंटी फोर आवर मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि छोड़ना कि फिट करना आंदा बेटा क्लियर और नॉर्मली फ्राइडे नाइट को रात को ले जाते बेटा ये लोग सैटरडे संडे छुट्टी होती है बेटा इनकी और अगर अगले कृष्ण जन्माष्टमी अगर है बेटा तो लो साहब और गणपति पूजन करो बेटा घर बैठ बेट के क्लियर सर समझे मेरी बात यस yes. छुट्टी दिन ले आते बेटा छुट्टी से एक दिन पहले इनको पता है तीन दिन कलेक्टर नहीं है सर यहाँ पे ले आएंगे उठा के समझे और फिर अंदर फिर अंदर होगा बढ़िया बढ़िया पूजा आपकी सर बेटा फर्स्ट अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफिस और बोध किया विदाउट इश्यू ऑफ इन्वर्स इनवर्स इश्यू नहीं किया इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स बेटा सेकंड आपने भाई साहब ने बिल इश्यू किया सर विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ और बोथ थर्ड सर इस भाई साहब ने अवेल किया है क्या आईटीसी ऑन दी बेसिस ऑफ बोगस बिल या अंडर या वॉलेशन ऑफ सेक्शन नंबर सिक्सटीन के प्रोविजन वॉलेट करके क्रेडिट लिया है बेटा इसने और लास्ट सर आपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया और ड्यू डेट से तीन महीने एक्सीड हो गए बेटा ये चार केस कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल कहेंगे अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज एक्सीडिंग रुपीज फाइव है हाँ ना बेटा तो ऐसे केस में कॉग्निजिबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस कहलाएंगे सर बाकी सारे ऑफेंस क्या है बेटा नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल ऑफेंस है बच्चों ठीक है फिर पे दे रखा है कि इतना जेल होगा ये होगा वो ठीक है सर कोई खास बात नहीं है यहाँ तक तो समझा मेरी बात आपको आवाज नहीं आ रही हुए क्लियर डन ये सर पॉइंट खत्म होता है अब ये पेनल्टी वाला पॉइंट बेटा ओके एक सेक्शन नंबर वन ट्वेंटी नाइन रहे थे वो भी बताता मैं आपको एक कॉन्फिस्केशन वाले भी अगर मान लो कोई गुड्स आपके कॉन्फिस्केट हो गए बेटा गुड्सा वन थ्री जीरो बता रहा हूं आपको अगर आपके गुड्स बेटा और अगर आपको अपने गुड्स छुड़वाने बेटा तो तोडमशन रेदु, फाइन पे करने का ऑप्शन मिलता है बेटा सर प्रॉपर ऑफिस शेल प्रोवाइड यू द ऑप्शन टू पे अ फाइन इन ल्यू ऑफ रिडमशन ऑफ द गुड्स बेटा इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केश बेटा इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन आपको रिडमशन फाइन पे करने का ऑप्शन दिया जाएगा रिडमशन फाइन का अमाउंट कितना हो सकता है क्वेश्चन बताया इसलिए बता रहा हूं आपको सर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स क्या बोला सर अच्छा ऑफ़ गुड्स मतलब नहीं है मार्केट वैल्यू गुड्स लेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स लेकर अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स जो टैक्स इनवोल्ड था उसका मिनिमम रिडमशन फाइन होगा ही होगा और मैक्सिमम कितना मार्केट वैल्यू गुड्स लेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल सच गुड्स बेटा है ना बेटा अगर गुड्स नहीं है तो बेटा सेकंड थिंग अगर आपके वाइकल कॉन्फ्यूज कॉन्फ्यूट हो गया, कन, गया बेटा आपका

वेयर ऑस ड्यूरिंग द ट्रांसिट अगर गड़बड़ पाया गया तो ही ऐसे केस में वन ट्वेंटी नाइन सेक्शन नंबर अट्रैक्ट होता है और यहां बोला है कितना बेटा इफ दी पेनल्टी कितना होगा बेटा ऐसे केस में गुड वो क्या कर लेंगे इमिडिएटली सीज कर लेंगे एंड नोटिस विल बी टू दी पर्सन इन चार्ज ऑफ देंस बेटा ड्राइवर को एंड ऐसे केस में सात दिन में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा या फिर अपने गुड्स को छोड़ने के लिए आपको uh, tax, uh, पे करना पड़ेगा, तभी जाके गुड्स छोड़ेंगे ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड तो टू हंड्रेड परसेंट ऑफ सर इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेबल अंडर सीजीएसटी एक्ट और अगर एक्सिम हुए, गुड्स क्या हुए बेटा तो ऐसे केस में

द अमाउंट ऑफ पेनल्टी वेर दी ऑनर नॉट कम फॉरवर्ड और अगर एक्ट गुड्स हुआ था दो जीएसटी का लेट सी जीएसटी का पेनल्टी बेटा इक्वल पेनल्टी विलेविड अंडर चलो मान लो यूपी से गुड्स जा रहा था बिहार बेटा क्या है बेटा ये इंटरस्टेट क्या लगेगा IGST, अब बताओ कितना होगा? ओनर कम्स फॉरवर्ड तो टू हंड्रेड परसेंट ऑफ दी एस बेटा, पेबल करो। और यही अगर owner does not comes forward, तो हंड्रेड परसेंट ऑफ दैल्यू गुड्स किसमें में हो गया सर आई जीएसटी में और टू हंड्रेड परसेंट ऑफ द आई जीएसटी पेबल हायर इज द पेनल्टी का अमाउंट और एग्जाम गुड्स अगर थे तो ओनर कम्स परसेंट ऑफ दैल्यू गुड्स और पचास हजार

मान लो मैं ट्रांसपोर्ट करूँ बेटा अब मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं बेटा अब मेरे ट्रक के अंदर आपके गुड्स भी है आपके भी है आपके भी और आपके भी बेटा और इनमें से गड़बड़ जो था वो एक का ही गुड्स था बेटा बाकी सबके सही थे बेटा क्लियर तो अब मेरे को तो जो बिल दिया मेरे को जो ये भी बिल दिया वो लेके निकला मैं तो मेरे को थोड़ा तो एक बॉक्स चेक करके चेक करके देखूंगा मैं बेटा यार अब गाड़ी पकड़ी ऑफिसर ने गुड्स कुछ और निकला बेटा क्लियर तो मेरा तो पूरा ट्रक रोक लिया उन्होंने बेटा मैं बोलता हूँ और भाई मेरे को तो जान दे ये वाली गुड्स रख ले तू बाकी मेरे को तो जान दे तो नहीं जान देगा बेटा अनलेस पर एक ऑप्शन दे दिया अनलेस द ट्रांसपोर्टर अ पेनल्टी पेनल्टी ऑफ और penalty जो हमने अभी पढ़ी सर विच एवर इज लोअर वो पेनल्टी पे करे और सर ले जाए गुड्स हमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब प्रैक्टिकली ट्रांसपोर्टर को बोला तेरे को ट्रक निकालनी है पहले मेटर क्लोज होने से पहले तो तू एक काम कर दो लाख रुपये पेनल्टी पे कर दे दो लाख क्यों बोला मैंने बेटा सी प्लस एस बेटा है हाँ ना क्लियर ये ऑप्शन भी दे दिया है सेक्शन 129 20, 129 सब सेक्शन में बेटा है हाँ ना भाई डन भारत माता की जय ठीक है सर ये आपका पेनल्टी का भी मेन मेन प्रोविजन मैंने आपको बता दिया बेटा आई होप यू एंटायर पॉइंट बच्चा यस गोटायर ठीक है सर एक मेरे को टीडीएस टीसी बताना बता, बता दू क्या लास्ट में आवाज यही सर yeah. ठीक है उसके बाद में आपको कस्टम के बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा बेटा ठीक है तो टीडीएस टीसी भी बता दू क्या आपको सर ओके टी डी एस टी डी एस इनकम टैक्स एक्ट की बात में नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को आती भी नहीं बेटा क्लियर मैं बात बेटा जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में टीडीएस की बात जीएसटी वाला टीडीएस क्या होता है सप्लायर और रेसिडेंट कौन है बेटा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देंट्रल गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई PSU है बेटा बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या कोई गवर्नमेंट की सोसाइटी बेटा उनको मैं सप्लाई दे रहा हूं भले गुड्स हो या सर्विस वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीडिंग रुपीज टू पॉइंट कॉन्ट्रेक्ट वैल्यू क्या बोला सर वेर द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ दिंग रूपीज जल्दी बोलो एक्सीडिंग रुपीज टू पॉइंट फाइव लेक वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी बेटा एक्सीडिंग टू पॉइंट फाइव लेक होना चाहिए तो ही ऐसे केस में टीडीएस के, के प्रोविजन अट्रैक्ट होते पर पर यहां अगर मान लो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ गुड्स या सर्विस टैक्स कुछ एक्समट बेटा तो एक्सम वाली वैल्यू को हटा के एक्सीडिंग टू पॉइंट फाइव को वैल्यू देखना पड़ेगा बेटा हाई ना भाई और वो भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी बेटा यस ये नो अब ऐसे केस में टीडीएस अट्रैक्ट होता है जब जब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू मेरे को पेमेंट करेगा जब जब पेमेंट करेगा तब तब मेरे को एक परसेंट सी जी एक परसेंट एस जीएसटी और इंटरेस्ट है तो दो परसेंट आई जी टीडीएस डिडक्ट करके मेरे को बैलेंस पेमेंट कर देगा तो जब निकलेंगे तब तो देना क्लियर सर तो ऐसे केस में कितना परसेंट बेटा जल्दी बताओ मतलब टू परसेंट समझ लो सर अभी दो परसेंट टीडीएस काटेगा बेटा और बैलेंस पेमेंट मेरे को करेगा बेटा हाँ है ना भाई और जो उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है जो टीडीएस उन्होंने डिडक्ट किया है वो अपना जीएसटीआर सेवन नाम का एक फॉर्म होता है बेटा वो उनका रिटर्न होता है वो टेंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी महीने का तो दस फरवरी सर फोर्टीन फिफ्ट का काम बाद में करेंगे बेटा पहले दस फरवरी तक जीएसटर सेवन फाइल करके अपना रिटर्न फाइल करेंगे जो रिटर्न वो फाइल करेंगे उसमें मेरा जीएसट नंबर लिखेंगे बच्चा और जो टीडीएस उन्होंने कट किया है वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर देगा उधर से मैं वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर लूंगा तो सर वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेरा अमाउंट आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेरा ई वॉलेट बेटा उसको मैं जो लाइब्रेड पे करने के लिए यूज करना करूंगा नहीं है तो मैं रिफंड भी ले सकता हूं बच्चा मैं उसका है हाँ ना भाई आवाज नहीं आ रही हो हाँ। पर सर अभी यहाँ पे कुछ केसेस है टी पे टीडीएस नहीं करता बस सिंपल सा पॉइंट लास्ट बचा है बेटा सर ये बोला है क्या <coughs> अगर एग्जाम सप्लाई क्या बेटा टीस की बात नहीं आएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज लेस देन टू या अप टू पॉइंट फाइव लेके तो भी टी डी एस नहीं कटेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग टू पॉइंट फाइव पोर्शन भी हो टेक्सवल पोर्शन भी उसमें एक्जम पोर्शन को हटा दे तो टेक्सवल पोर्शन का वैल्यू टू पॉइंट फाइव लेके कम बचता तो टी डी एस नहीं कटेगा अगर सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है क्या है बेटा तो अनरिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई करता जीएसटी लेवी नहीं होता तो ऐसे केस में टीडीएस की बात भी नहीं आएगी नेक्स्ट जो सप्लाईज किया है उस पर रिवर्स चार्ज में, में पूरा ही गवर्नमेंट जो है, वो जो पूरा उसको पे करना है तो, तो वो टीडीएस का क्या लेगा बेटा है हाँ ना भाई क्लियर सर एक लास्ट बात अगर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है और रेसिपेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसका लोकेशन कोई और स्टेट है तो ऐसे केस में टीडीएस नहीं कटेगा एग्जाम्पल दू मैं आपको बेटा नहीं चाहिए छोड़ो फिर सर मान लो मुंबई महाराष्ट्र नाम सुना बेटा कभी नहीं सुना बेटा आपने यही अहंकार है बेटा सर पॉइंट ये मुंबई महाराष्ट्र सुना इनका एक महाराष्ट्र भवन बना हुआ है कहाँ दिल्ली में बेटा कभी देखा आपने बेटा गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट के गेस्ट वगैरह वहां रुकते हैं बेटा दिल्ली आपने वो देखा होगा ना बेटा ठीक है वहां पे बेटा सर <laughs> अब सर दिल्ली महाराष्ट्र भवन बना हुआ है साहब अब उसमें थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करना है करर करना है साहब या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है सर दिल्ली का कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा किसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट कराएगी सर उसका कम तो हाँ ना अब दिल्ली का कॉन्ट्रेक्टर है उसको बोला इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रिपेयरिंग मेंटेनेंस कर कहां पर है वो बिल्डिंग बेटा दिल्ली में तो सर सप्लायर का लोकेशन का बेटा दिल्ली का काट्रेक्टर दस लाख रुपए का बेटा मान लो सप्लायर का लोकेशन का

विच इज अदर इन द स्टेट ऑफ दी रेसिपेंट तो ऐसे केस में एस नहीं करता इसी एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ मान लो राजस्थान के कॉन्ट्रेक्टर को काम दिया था दिल्ली के लिए बेटा किसको दिया था बेटा तो सप्लायर कहा का? राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लायर दिल्ली क्या लगता है आई बेटा एस टी तो और सर बिल दिया मैंने किसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अब आई जी तो यूनिवर्सल ब्लड एंड हेर

क्लियर नहीं बोलेगा वहां पर वो एग्जाम सप्लाई है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा सर मेगा एग्जीबिशन क्लिक करना पड़ेगा बेटा जैसे मैंने बताया कि मुंबई बीएमसी बीएमसी ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का बेटा किसका कॉन्ट्रैक्ट दिया मेरे को जिसमें मटेरियल भी था और गुड्स भी था सर्विसेज भी थी, थी बेटा ठीक है पर वो काम आर्टिकल नंबर टू फोर थी डब्ल्यू में कवर था बेटा जिसमें मटेरियल की वैल्यू बस अपू ट्वेंटी फाइव परसेंट बेटा हाँ है ना भाई तो आर्टिकल नंबर टू फोर थी डब्ल्यू वाला काम है और मैंने लोकल अथॉरिटी काटने तो तो की जरूरत नहीं है तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मनीहार एंटरप्राइज वाला बेटा बहुत सुंदर क्वेश्चन है आई थिंक आरटीपी का क्वेश्चन है ठीक है डन उसे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बहुत अच्छे खत्म का का तो होता है अब आइए टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेट के थ्रू अगर मैं कोई गुड्स या सर्विस और बहुत सप्लाई कर रहा हूँ और ऐसे किस में कस्टमर जो पेमेंट करा वो अकाउंट में फैले जाता है बेटा और फिर वो सप्लायर का सेटलमेंट करता है पेमेंट का तो ऐसे केस में वहाँ पे टीसीएस के प्रोविजन अट्रेक्ट होते हैं अच्छा जहां में नाइन फाइव क्या लगता है अब ऐसे केस में टीसीएस तो में कितना पॉइंट फाइवेंट सी जी एस टी पॉइंट फाइव परसेंट एस और अगर इंटरसेट सप्लाई तो ऐसे के वन परसेंट आई जी एस टी विल बी दीसीएस कौन कट करेगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अब ईसी जो मेरे को पेमेंट करेगा तो वैल्यू सप्लाई क्या बोला सर

अरे क्लियर अच्छा मेरे बिल पे अगर मैंने सी और एस लगा था मैं सप्लायर था बेटा तो वो 0.5 परसेंट सी जिस परसेंट एस सी सी कट कर और अगर मैंने इंटरसेट सप्लाई किया था तो आई जी एस एक परसेंट कलेक्ट करेगा बेटा हाँ ये ना सर क्लियर और ऐसे केस में वो उसने कलेक्ट किया है उसको हर महीने मंथली बेस पे जीएसटी आर फाइल करके टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और जो उसने टीसी कलेक्ट किया वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश में रिफ्लेक्ट कर जाएगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा बेटा ना भाई क्लियर डन अच्छा ये था क्या टीसीएस का प्रोविजन बेटा ठीक है नेट टीसीएस करता है बेटा पे? पे रहा है और फिर अकाउंट सेटल फाइल लगता है वहां पूरा ही एसी को पे करना है मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अच्छा, जो एग्जाम सप्लाई है, क्या है बेटा एग्जाम सप्लाई टैक्स लगता ही नहीं तो टीसीएस भी नहीं लगेगा जहां पे सप्लायर इज अनस्टर्ड क्या बोला सर देन देना केवल सर्विसेज़ केस में बेटा अगर कोई गुड सप्लाई कर रहा है क्या सप्लाई कर रहा है बेटा तो पर में है क्या? जब तक आपका थ्रेस लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्वेंटी लेख टेन लेख क्रॉस नहीं होता है तब तक आप सर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं हो ऑल दो यू आर सप्लाइंग द सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कोई कंसर्न नहीं है तो अगर सर्विस सप्लायर है क्या है सर और वो अगर इसी को तो सर्विस दे रहा है तो वहां पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां टैक्स लगता ही नहीं बच्चा हाँ है ना भाई तो टीसीएस भी नहीं कटेगा बेटा हा है ना सर ठीक है अच्छा आ, अच्छा पे 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 रिवर्स रिवर्स में पूरा पूरा टैक्स किसको करना है बेटा रेसीपेंट को वहां पे भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा ठीक है क्लियर डन ये मोटा मोटा पॉइंट टीसीएस के भी खत्म होते हैं अब कोई टफ पॉइंट है क्या सर नहीं आइए सरकार कस्टम भी देख लेंगे थोड़ा बहुत आवाज नहीं आ रही सर तो जीएसटी के प्रोविजंस मजा प्रोविजन आया नहीं आया सर आपको क्लियर हमने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर लिए जिसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आओ बच्चों पर हाँ इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पॉइंट आप देखे नहीं बेटा घर जाके ठीक है क्लियर देखो अपने पास लिमिटेड टाइम में जो मैक्सिम कर सकते हैं वो हमने कोशिश कर रहे हैं बेटा आइए कस्टम शुरू करते हैं सर शुरू कर ले क्या कस्टम्स तो सबसे पहले आप बताएंगे क्या आखिर कस्टम चार्ज क्यू आर टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ बेटा हाँ है ना भाई क्लियर सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको क्या वैल्युएशन का क्वेश्चन जो आते ही आता है नॉर्मली हर क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर सर वैल्यू अंडर कस्टम्स वैल्यू गुड्स पड़ लगेगा बेटा जल्दी से मान लो सिंगापुर से कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया कहा पे आ रहा है बेटा वो इंडिया में सिंगापुर से कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है बेटा तो कस्टम इंडिया में लगेगा सिंगापुर में लगेगा बेटा तो हम इंडिया की बात करें ना बेटा

उस एक्सपोर्टर ने जो बिल पे चार्ज किया होगा प्लस उसके जो भी कॉस्ट उसके लगी होगी अप टू बोर्डिंग द गुड्स एट द सिंगापुर पोर्ट तो गुड्स को बोर्ड कराने तक की कॉस्ट को करते हैं क्या एफ ओ बी वैल्यूफ द गुड्स ठीक है अब एफ ओ बी वैल्यूफ़ द गुड्स कहां की वैल्यू बेटा सिंगापुर पोर्ट की वैल्यू बेटा हमको तो यहां टैक्स लगाना ना यार तो वहां से यहां पे आएगा तो उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वो एड करना पड़ेगा ना यार Clear, वो ऐड करेंगे फिर उसमें इंश्योरेंस ऐड करेंगे ट्रांजिट इंश्योरेंस बेटा हाँ बेटा क्लियर वो ऐड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो होगी सीआईएफ और जो सीआई वैल्यू उसी को क्या बोलते हैं असेसेबल वैल्यू क्या लगता है बेटा कस्टम्स अब कुछ स्पेशल बात है बेटा अच्छा अब सुनना ध्यान से सर सबसे पहली बात सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या क्या है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर अगर मान लो ट्रांसपोर्ट बाय एयर हो रहा है क्लियर तो सर क्या करने का और ट्रांसपोर्ट बाय वेसल या बाय रोड हो रहा है तो क्या करने का बेटा तो अगर अगर ट्रांसपोर्ट बाय रोड हो रहा है या बाय लैंड हो रहा है ट्रांसपोर्ट बाय लैंड या ट्रांसपोर्ट बाय वाटर हो रहा है तो ऐसे किस में अगर एक्चुअल दे रखा क्या देखा बेटा तो ले लो बात खत्म करो नहीं देखा तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ ओ बी बेटा इसलिए मैंने पहले एफ बताया आपको बेटा ठीक है वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेट हो जाएगा और अगर बाय एयर हो रहा है क्या हो रहा है बेटा बाय एयर सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रहा है तो पहली बार फायदा दिया है पहली बार क्या है सर आपके एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करने, करने का कैसे ट्वेंटी जो होगा वही वैल्यू में एड करने का वही आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाएगा फॉर दी पर्पज ऑफ असेसमेंट ठीक है ये हो गया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात अब सर सुनना बात को ध्यान से मान लो सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आपको दे रखा है वो इंडपोर्ट तक का दे दिया बेटा अब यहां पे इंडियन पोर्ट पे अनलोड करने के बाद यहां से इंग्लैंड कंटेनर डिपो ले गए या कंटेनर स्टेशन ले गए या ट्रांसशिपमेंट करके एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ले गए या एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे ले गए तो उसका जो कॉस्ट है वो कभी भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का क्लियर अच्छा ट्रांसपोर्ट बाय वैसल हो रहा है क्या हो रहा है बेटा ट्रांसपोर्ट बाय वैसल हो रहा है और कोई मान लो वैसल दूर खड़ा है बेटा और यहां पे ट्रैफिक जाम है बेटा क्लियर तो ऐसे केस में छोटी छोटी लाइटरेज बेस के भी गुड्स मंगाया जाता है बेटा तो बार्ज चार्ज लाइटरेज चार्ज चार्ट शिप डैमरेज चार्ज होते हैं बेटा ऑल दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ओनली और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का पार्ट तो वैल्यू में इंक्लूड ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड हो जाएगा तो वैल्यू में ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा बेटा है हाँ ना भाई ठीक सर अगली बात मान लो इंश्योरेंस बेटा क्या सर इंश्योरेंस अभी ट्रांसपोर्ट एक बात और करनी पर ये बात करने की बात करूंगा मैं आपसे इंश्योरेंस क्या बोला सर अगर दे रखा तो एक्चुअल लो बेटा बात खत्म नहीं दे रखा तो वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट ऑफ एफ ओवी भली बाय एयर हैोड है कैसे भी आई डोंट केयर बेटा ठीक है सर अच्छा मान लो कभी फ्रेट प्लस इंश्योरेंस दे रखा है अलग से फ्रेट नहीं सॉरी सॉरी गलत बोलिए एफ ओ प्लस इंश्योरेंस दे रखा क्या दे रखा बेटा आपको आवाज यार एफ ओ बी प्लस इंश्योरेंस दे रखा पर फ्रेट अलग से नहीं दे रखा बेटा और एफ ओ भी अलग से नहीं दे रखा बेटा तो अब फ्रेट नहीं दिया होता तो क्या करते बेटा हम फओ बी ए तो अलग से ही नहीं बेटा तो क्या करेंगे कोई बात नहीं ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ ओवी नहीं है तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफओवी प्लस इंश्योरेंस लेना बेटा मतलब एफओवी प्लस इंश्योरेंस का ही ट्वेंटी परसेंट लेना हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सेम वे इंश्योरेंस इंश्योरेंसो बेटा मान लो कभी आपको जो क्वेश्चन दे रखा है इन्फॉर्मेशन मैं क्या क्या दे रखा है एव प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी बेटा और इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो इंश्योरेंस कितना होता है 1.125 ऑफ एफओबी एफओबी अब FOB अलग से नहीं है कोई बात नहीं जो आपका सम टोटल ऑफ एफओबी एंड फ्रेट है उसी का 1.125 परसेंट आप ले लीजिएगा एज इंश्योरेंस बच्चों हाँ ना बेटा और सेम वे जो मैंने पर आपको बताया कि एक बार इंडियन पोर्ट पर गुड्स आ गया फिर वहां से दूसरे पोर्ट लेके गए या इंग्लैंड कंट्री डिपो वगैरह लेके गए तो उसका ट्रांजिट इंश्योरेंस जो होता है वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा बेटा हाँ या ना सर इन सब पॉइंट को अगर आपने ध्यान रखा तो जो वैल्यू आएगी वो होगी क्या सी आई ए फॉर जो सी आई वो क्या होगी आपकी असबल

सर कॉस्ट एट दी फैक्ट्री ऑफ दी एक्सपोर्टर सिंगापुर का जो एक्सपोर्टर था कहां एक्सपोर्टर था बेटा सिंगापुर का एक्सपोर्टर उसकी फैक्ट्री क्या बेटा सिंगापुर में वहां का कॉस्ट दे रखा है आपको वहां का प्राइस दे रखा है मान लो डॉलर वन लेख ध्यान से सुनना दो तीन मिनट लगेंगे सर और गारंटी लाइफ में कभी गलती नहीं होगी सर आपसे सर प्राइस ऑफ द गुड्स या कॉस्ट ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ दे रखा जो है कितना डॉलर <coughs> वन तो लेके आओगे ना यार या वही से सीधा ऐसा उड़ता पंजाब उड़ते उड़ते जाएगा सा सर तो पॉइंट ये है कि वहां से कस्टम पोर्ट जहां से गुड्स आएगा इंडिया में बेटा या एयरपोर्ट जहां से गुड्स आएगा तो उसकी फैक्ट्री से पोर्ट तक का कॉस्ट अलग से दे रखा है बेटा कहां से कहां तक था बेटा अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा ना बेटा वो विजुलाइज तो कर पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ या कोई ना कोई कॉस्ट है ऐड कर दो बेटा ऐसा तो नहीं है ठीक सर सर पॉइंट कि सर कॉस्ट एट फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्ट और दे रखी बेटा आपको डॉलर वन लेख हाँ मतलब समझ में आ रहा है बेटा वहां से सिंगापुर पोर्ट जो पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन है जो पोर्ट ऑफ वहां का कॉस्ट दे रखा है डॉलर थ्री थाउजेंड बेटा मान लो कितना थ्री थाउजेंड Clear? फिर उस गुड्स को लोडिंग कराने का बेटा, बेटा, बोर्डिंग का वो था डॉलर मान लो, कितना हो गया तो एफओ भी कितना हो गया मेरे मालिक एफओ भी कितना हो गया वन लेख फोर थाउजेंड इज योर एफओबी क्योंकि मैंने एफओ बता दिया आपको बेटा वन लेख फोर थाउजेंड इज योर एफओबी अब मान लो वहां से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हाँ, पोर्ट तक पहुंच गए बेटा बंदा पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है बेटा ये पोर्ट से नहीं है बेटा क्लियर पोर्ट से वहां से यहां तक का कॉस्ट दे रखा है मान लो डॉलर डॉलर बेटा क्या करेंगे एक्चुअल दे रखा तो ऐड करो बेटा अरे हाँ ना भाई ऐड कर दिया अब मान लो इंश्योरेंस नहीं दे रखा बेटा तो वन परसेंट ऑफ वन पॉइंट ऑफ एफ ओ भी कितना था बेटा उजेंड का वन पॉइंट वन फाइव परसेंट एड करेंगे आपका सी एफ आई भारत माता की जय पॉइंट वट वुड बीन योर आंसर इन दिस क्वेश्चन अगर अगर जल्दी मत करना ट्रांसपोर्ट बाय ओनली पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं दे रखा है दो मिनट जल्दी मत जल्दी मत करना अच्छे बच्चे क्लियर मतलब सिंगापुर पोर्ट से इंडियन पोर्ट पे जब गुड्स आया उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बीस हजार दे रखा था डॉलर आपको बेटा वो नहीं दे रखा तो हम क्या करते भाई ट्वेंटी परसेंट ऑफ वोट जल्दी मत करना ट्वेंटी परसेंट ऑफ वोट वन लाख फोर थाउजेंड बेटा ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन लाख फोर थाउजेंड कितना ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड ये क्या है ये क्या है मैक्सिमम नहीं इतना ही बेटा एग्जैक्ट हाँ सर ये क्या है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तो सर पता है बीस हजार आठ सौ जो है ना बेटा बीस हजार में माना जाएगा बीस हजार आठ सौ में माना जाएगा वो चार हजार भी इंक्लूडेड है बेटा मतलब ये ट्वेंटी परसेंट जो होता है ना बेटा दिस इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी कॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्ट इंडियन पोर्ट बेटा तो सर एफ ओ भी था वन लैख फोर थाउजेंड एफ ओ भी कितना था बेटा वन लैख फोर थाउजेंड उसमें बीस हजार आठ सौ एड मत कर देना बेटा क्लियर उसमें अगर बीस हजार आठ सौ एड कर दिया मतलब आपने उस चार हजार को दो बार एड कर दिया बेटा चार हजार कौन सा बेटा उसकी फैक्ट्री से लेके सिंगापुर पोर्ट तक का कोश बेटा हा है ना क्लियर ये बीस हजार आठ सौ में ऑलरेडी इंक्लूडेड है अगर आपने बीस हजार आठ सौ वापस एक लाख चार हजार में कर आपने चार हजार रुपए डबल पर एड कर दिया बेटा है हाँ ना तो कस्टम ज्यादा लगेगा कम लगेगा बेटा तो अपने को फायदा दे रहा है गवर्नमेंट या नुकसान दे रहा है बेटा अपने को अपने को अपने को तो फायदा है ना बेटा टैक्स कम लगेगा बेटा अपना वैल्यू कमाएगा तो तो मजे लो ना बेटा क्या दिक्कत है तो सर ऐसे केस में अब ऐसे आंसर कैसे आएगा ऐसे केस में प्राइस ऑफ द गुड्स कितना बेटा वन लाख

कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखा बीस हजार डॉलर बेटा इन दॉ बायर तो ऐसे के एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कंपेयर करते ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ ओज अच्छा एफओ भी कितना बेटा दीदी बता मुझे वन लेख फोर थाउजेंड उसका ट्वेंटी परसेंट कितना होता है बेटा ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड तो उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल से एक्चुअल 24,000 बेटा ट्वेंटी 24 फोर ना भाई ट्वेंटी तो कहां से इंडियन का पोर्ट तक का था।, था और चार हजार सिंगापुर पोर्ट तक का था बच्चा तो एक्चुअलिंग चार्ज ट्वेंटी फोर थाउजेंड और ट्वेंटी फोर थाउजेंड को कंपेयर करेंगे से, बेटा? तो सर अब आपको बीस हजार आठ सौ एड करना किसमें ली वन लेक में बेटा एफ में नहीं एफओबी में एड करेंगे मतलब चार हजारेड प्लस वन परसेंट ऑफ पॉइंट वो आपका इंश्योरेंस भारत मैं बोलिया गोडाउन ध्यान देना बेटा सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है पर बाई एयर दे रखा है कैसे दे रखा है बेटा तो बाय एयर एक्चुअल थाउजेंड बेटा आपका यह दे रखा सिंगापुर से इंडिया तक का बेटा उसकी फैक्ट्री से लेकर सिंगापुर पोर्ट तक कोस्ट कितना बेटा फोर थाउजेंड तीन हजार तो था, था ट्रांसपोर्टेशन का और एक हजार लोडिंग बेटा तो कितना तो था था आपका ट्वेंटी फोर थाउजेंड क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब इस तरह के क्वेश्चन बनते है, हैं वहां पर हम कंपेयर करते कहा से फ्रॉम दी फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टिल द इंडियन पोर्ट बेटा तो ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज कितना बेटा ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड को

सेम एग्जाम्पल मैंने समरी बुक में भी दे रखे बेटा आपको तीनों केस बना के सेम मैंने मेन बुक में भी दे रखे बच्चों आपको उसको अगर आप एक बार और देख लेंगे तो जिंदगी में कोई गलती नहीं होगी सर आपके साथ क्लियर डन ये आपका जो मेन गलती आपसे होती है वो मैंने बता दी आपको आइए सरकार कुछ पॉइंट और इसके रिगार्डिंग वैल्यूशन खत्म नहीं हुआ है मैंने आपको रूल नंबर टेन बताया अभी आपको ये था कंपलसरी एडिशन आइए ऑप्शनल एडिशन बेटा हाँ <laughs> देखो डेमरेज चार्ज शिप डेमरेज चार्ज हो गया अच्छा एक बात और

सर यहां तक क्लियर है क्या मालिक चलिए सरकार अब कुछ ऑप्शनल एडिशन क्या क्या होते बेटा सर पैकिंग चार्जेस अरे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो पागल हो सब कुछ ऐड करेंगे बेटा क्लियर सर पैकिंग चार्ज क्या कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते क्या आप खुद बताओ ना यार ठीक भली ड्यूरेबल पैकिंग हो ये रहा ड्यूरेबल पैकिंग बेटा भली अनड्यूरेबल पैकिंग हो उससे कोई फर्क नॉन ड्यूरेबल हो ड्यूरेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट ऑफ पैकिंग का आप खुद बताओ ना पानी का बॉटल खरीदा मैंने तो इसमें कॉस्ट ऑफ बॉटल को ये जो है प्लास्टिक बॉटल उसको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे रे क्लियर ऐसा तो नहीं पानी पी के बोर्ड वापस दे दिया उसको बेटा क्लियर उसको बोलते कॉस्ट ऑफ कंटेनर क्या बोलते हैं सर उसको अगर कंटेनर्स इस तरह के हैं जिसमें गुड्स अनलोड करके कंटेनर वापस रिटर्न करना है आपको बेटा तो अगर कंटेनर्स रिटर्नेबल है तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ कंटेनर अगर रिटर्नेबल नहीं है तो ऐड करेंगे बच्चा हाँ ना बेटा ना पैकिंग चार्ज तो हमेशा ऐड करना पड़ता है भले प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, हो स्पेशल हो वेरी वेरी स्पेशल हो सर ड्यूरेबल हो नॉन ड्यूरेबल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमेशा ऐड करना पड़ता है सर इधर ध्यान ओ भाई

तो वहां कंफ्यूज नहीं होने का ऐड करने का क्लियर समझे मेरी बात ओके okay. केवल क्या ऐड नहीं करने का बाइंग कमीशन बेटा बाकी सारा ऐड करना अच्छा सेकंड सर अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल रॉ मटेरियल्स मोल्ड्स डाइज वगैरह आपने इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया तो उसकी फेयर कॉस्ट ऐड करने का अगर कंसेशन रेट पे सप्लाई किया तो जितना कंसेशन दिया वो एड करने का बेटा आपको ठीक है सर पर ध्यान देना एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ ड्रॉइंग डिजाइन आर्ट वर्क डेवलपमेंट वर्क अगर इंडिया में एंकर किया तो ऐड नहीं करना आउट ऑफ इंडिया एंकर किया तो ऐड करना ठीक है अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट करी उसमें आपने रॉयल्टी है लाइसेंस भी पे करी एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोल्ड इन इंडिया तो हमेशा एड करना है बेटा भली वो पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी हमेशा एड करना है एनी पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी विल नोट फॉम पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई एक्सेप्ट पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी एज़ अ कंडीशन ऑफ बीइंग सोल्ड इन इंडिया बेटा तो ऐड करना अदरवाइज ऐड नहीं करना बेटा है हाँ ना भाई अच्छा अगर कोई पार्ट ऑफ पेमेंट आपने किसी थर्ड पर्सन को पे किया एक्सपोर्ट बिहार पे तो वो भी एड करना बेटा सर कुल मिला अनलोड होने से पहले जो भी खर्चे थे बेटा वो सबल्यू का पार्ट बनेंगे क्लियर डन सब ऑप्शनल एडिशन है अच्छा कोई पोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी के लिए चार्जेस दे रखे तो वैल्यू से एक्सक्लूड करने बेटा ठीक है एक्सेप्ट एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोड इन इंडिया अब मेरी बात समझना ये जितने भी एडजस्टमेंट थे ये सब एफ में करने के किस में करने का बेटा ये ऑप्शनल एडिशन वाले बेटा रिवाइज एफओबी निकलेगा उसका फिर 20 परसेंट या वन पॉइंट परसेंट एफ करने का बेटा हाँ ना भाई क्लियर डन ये आपका रूल नंबर टेन का कहानी खत्म होता है अब अच्छा सर एक और इंपोर्टेंट बात इसकी रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेने का सीबीआईसी वाला किस दिन का जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है भली वो आ, भली वो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम हो हो वेयर हाउसिंग एयरक्राफ्ट नहीं है उसे कंसर्न नहीं है और सर रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का बेटा कस्टम चार्ज क्यों टू इक्वलाइज तो सर जिस दिन गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में जाएगी उस दिन तो किस दिन जाएगी बेटा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्शन और ग्रांट ऑफ एंट्री इन वर्ड विच लेटर लेटर उस दिन का जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा दैट रेट ऑफ एक्सेप्टेड फॉर ऑफ़ असेसमेंट अंडर कस्टम बेटा ठीक है और यही अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करू तो सर जिस दिन आपको परमिशन फॉर लोडिंग मिली है परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन मिला लेकिन इनकेस एक्सपोर्ट दैट रेट विल बी एक्सेड बेटा और रेट ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्ट के, के, के जिस दिन शिपिंग बिल फैल हुआ क्या फैल हुआ बेटा शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फैल हुआ उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे सीबीआईसी वाला बेटा अच्छा एक्सपोर्ट के, के रखना बेटा सर फओ बी दे रखा क्या दे रखा बेटा एक्सपोर्ट में तो ऐसे केस में बाकी कोई ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कोई इंफॉर्मेश नहीं दे रखी तो क्या करेंगे बेटा कुछ मत करना पागल जैसे ट्वेंटी परसेंट वगैरह एड मत कर देना तो एक्सपोर्ट की वैल्यू होती है बेटा सीआईएफ मत निकाल देना बेटा यहां से आपने चाइना एक्सपोर्ट किया है बेटा तो चाइना जाके कस्टम पे करोगे चिंगचौ करके क्या या इंडिया में टैक्स पे करोगे इंडिया में टैक्स पे करना ना एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात मैं आपसे किसकी बात बेटा मैं तो एक्सपोर्ट करने वाला पोर्ट जो था उसकी वैल्यू को बोलते एफ ओ बेटा तो हमारे पोर्ट की वैल्यू कितनी थी, थी बेटा एफओबी उसी पे कस्टम लगाने का बेटा है हाँ ना भाई उसमें सीआईएफ मत निकाल के आ जाना बच्चे ठीक है मालिक ठीक सर ये आपका वैल्यूएशन का कुछ पॉइंट अच्छा चलिए सर रूल नंबर फोर और ये भी बताते हैं आपको थ्री वैल्यूशन का बेटा अच्छा सेक्शन क्या एक्सेप्टेड फॉर ऑफ असेसमेंट इफ बायरेशन क्लियर सर एंड वहां पर एक और बात द टाइम ऑफ ऑफ गुड्स इन टू इंडिया इज रेलवे एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन टू इंडिया बेटा हा हाँ बटा इस लाइन को मैं बाद में यूज करूंगा हाईसी का ट्रांजे बताते वक्त मजा आएगा सर आपको इस लाइन को ध्यान रखिएगा वापस रिट करूंगा बाहर में आपको ओके सर रूल नंबर ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर लेंगे पर दो केस क्या बाहर से रिलेटेड है या बायर से रिलेटेड नहीं है अगर बाहर से रिलेटेड है और अगर आप कि रिश्ता रिश्ते की जगह धंधा धंधे की जगह मतलब अगर ये आप बाकी के रूल्स लगा भी लेंगे तो भी हमारी वैल्यू वही आने वाली वैल्यू एफेक्ट नहीं होती ऐसे केस में एक्चुअल जो हम एक्सेप्ट कर लेंगे पर अगर वो रिलेटेड नहीं है तो एक्चुअल एक्सेप्ट करेंगे पर ध्यान रखना शुड नॉट बी एनी टर्म्स कंडीशन इन दी कॉन्ट्रैक्ट एबनॉर्मल टर्म्स कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से प्राइस अफेक्ट होता है जैसे देर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रीसेल ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट एरिया ऑफ रीसेल देर शुड नोट भी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग यूज ऑफ दी गुड्स एक्सेप्ट एज प्रोवाइड इन इंडियन लो बेटा या ऐसी टर्म्स कंडीशन जिसकी वजह से प्राइस एफेक्ट हुआ है तो ऐसे के इसमें वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे अदरवाइज वैल्यू एसेप्ट कर लेंगे बेटा हा है ना जैसे सेलर शुड नॉट बी एंटल डू एनी पार्ट ऑफ दि सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीजर बेटा

ठीक है रूल बहुत ईजी है पर हल्के में लेने का नहीं बेटा क्लियर सर गलती होने का चांस होता है बेटा पे सरकार गुड्स ऑफ आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स अच्छा आइडेंटिकल गुड्स मतलब एब्सोल्युटली एब्सोल्यूटलीस इन अपीयरेंस इन क्वालिटी इन परफॉर्मेंस इन रेपुटेशन एटसेट्रा वेदर मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम और सम अदर मैन्युफेक्चर बट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम कंट्री ऑफ ओरिजिन और उस गुड्स के लिए ड्रॉइंग डिजाइन आर्टवर्क इंडिया से सप्लाई नहीं हुआ बेटा क्लियर क्योंकि इंडिया से अगर आर्ट, आर, ड्रॉइंग डिजाइन आर्ट वर्क जाता है तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता याद है, है क्लियर मतलब, inter तो वो कहा नहीं बेटा इसमें हाँ ना उधर सच्चा प्यार है बेटा तू ही चाल से बेटा हाँ ना भाई अरे यस ए नो डोंट लिंक इट विद लाइफ ओके सर अब मेरा पॉइंट ये है कि सर पहले रोल नंबर फोर लगाएंगे आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू निकालेंगे वो नहीं है तो रोल नंबर फाइव पे आएंगे बेटा पहले रोल नंबर फोर बता मैं आपको बेटा सर रोल नंबर फोर बोलता है क्या वैल्यू वैसे दोनों एब्सोल्युटली सेम है वर्ड टू वर्ड सेम है सर बोलता है क्या जो वैल्यू जो गुड्स आपने इंपोर्ट करी मान लो मैंने नाइन फिफ्टी मार्क इंपोर्ट किया कितने इंपोर्ट नाइन फिफ्टी मार्कर्स इंपोर्ट किया उसकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है नंबर बोलता है क्या आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू देखिए अब आइडेंटिकल गुड्स के बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिल गया बेटा हमें बट ट्रांजेक्शन एट द सेम कमर्शियल लेवल और सब्सेंशियली सेम क्वांटिटी के जो ट्रांजेक्शन होंगे वही हम कसिडर करेंगे फॉर द दर्ज ऑफ कंपटीशन ऑफ वैल्यू अंडर जीएसटी बेटा वैल्यू अंडर कस्टम बेटा हाँ ना अब सर यहां पे कोई प्राइस बैंड फिक्स नहीं कोई क्वांटिटी बैंड फिक्स नहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जैसे मैं 950 फिफ्टी मारकर इम्पोर्ट किया किसने 10 मार्कर इंपोर्ट किया किसने पचास मार्कर इंपोर्ट किया वो कम्पेरेबल ट्रांजेक्शन नहीं है एक ने 50,000 मार्कर मारकर इंपोर्ट एक ने 25,000 मार्कर हजार मारकर वो कियाबल ट्रांजेक्शन नहीं है एक ने हजार मारकर इम्पोर्ट किया आठ सौ इंपोर्ट किया ने छसौ इंपोर्ट किया एक ने पंद्रह सौ वो कियाबल ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन सेम लेवल एंड सब्सेंशली सेम क्वांटिटी हाँ है ना बेटा तो ऐसे केस में वैल्यू कौन से लेंगे अगर अब सर सब्सेंशली सेम क्वांटिटी और सेम कमर्श लेवल के भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन मिल जाए तो सर ऐसे केस में लोएस्ट वैल्यू विल बी टेकन क्या बोला सर बहुत बो, सारे बच्चे नियरेस्ट वैल्यू लिखे आ जाते बेटा बस छोटा सा गलती कर देते उसके चक्कर में चार पांच मार्क खत्म हो जाते हैं सर अपने क्लियर लोवेस्ट वैल्यू जो सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजेक्शन अगर मल्टीपल मिल गए तो लेने के बेटा अच्छा सेम कमर्शियल लेवल वगैरह का ट्रांजेक्शन मिलते ही नहीं है तो जो ट्रांजेक्शन मिल रहा वो लो फिर रीजनेबल एडजस्टमेंट शल बी डन रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड लेवल डिफरेंस बेटा हाँ है ना बेटा टाइमिंग डिफरेंस ज्यादा है तो उसके लिए भी एडजस्टमेंट विल भी अलाउड ठीक है ये था आइडेंटिकल गुड्स और अगर इसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती तो रूल नंबर फाइव सिमिलर गुड्स सेम रूल है एप्सोरिटी सेम ध्यान रखिएगा बेटा इसमें भाई, आवाज नहीं आ रही और जिस गुड्स का खुद का ही प्रोविजनल हो रखा है क्या हो रखा है मालिक ठीक रूल नंबर फोर फाइव सिक्स बोलता है चेंज ऑफ ऑर्डर बेटा रूल नंबर सेवन और एट जो होता है बेटा आप चाहे तो पहले रूल नंबर एट अप्लाई कर सकते साथ बाद में लगा देना और आठ सांस लगाएंगे बेटा ठीक है पर ऐसे आपको प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी वो है रूल नंबर सिक्स बेटा क्योंकि ऊपर क्यों लिखा था क्या फॉलोइंग फॉलोड इन सीक्वेंस थ्री से नहीं है तो फोर फोर सेवन सेवन से नहीं है तो से नाइन तो 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 पे जाएंगे बेटा पर हमको सेवन के बाद एट पे जाना ना बेटा पर रूल नंबर सिक्स बोलता है क्या प्रॉपर ऑफिसर से अगर आपने परमिशन ले ली, तो इसे पहले आप रूल नंबर एट लगा सकते हो बिफोर सेवन ऑल्स बेटा ओके चलिए सर इंपोर्टर इंपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर से तो ऐसे केस में यस सर रूल नंबर रोल बोलता है कि क्या 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 डिडक्शन मेथड बोलता बोलता है सर सर आवाज नहीं क्या है सर? कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट करी ना उसकी वैल्यू सही है ना उसके आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू सही है या ना उसके सिमिलर गुड्स की वैल्यू निकल रही बेटा तो ऐसे केस में सर रूल नंबर सेवन बोलता है अगर सेम गुड्स या गुड्स ऑफ लाइक सिमिलर गुड्स या आइडेंटिकल गुड्स इंपोर्ट होने के बाद अगर डोमेस्टिक मार्केट में बिकता है सेम कंडीशन में तो वो डोमेस्टिक मार्केट में ऑन एन एवरेज कितने में बिकता है बेटा वो लीजिए वैल्यू और डिडक्शन करते जाइए क्या डोमेस्टिक मार्केट का टैक्स सबसे सब पहले लेस ले ले करना बेटा फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन लेस ले करना बेटा फिर डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट करके उसने जो खर्चा किया वो लेस ले करना बेटा फिर पोर्ट से क्लियर कराने का खर्चा लेस ले करना फिर जो वैल्यू आएगी वो कस्टम पोर्ट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इंक्लूसिव कस्टम ड्यूटी बेटा फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके कस्टम ड्यूटी का अमाउंट निकालना जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर डिडक्टिव वैल्यू एज पर नंबर सेवन मचो है ना भाई पर ये जो आपको डोमेस्टिक मार्केट की वैल्यू लेनी है दिस शुड नॉट बी बियॉन्ड वैल्यू बियॉन्ड नाइंटी डेज आफ्टर द इंपोर्टेशन बेटा

क्लियर और ऐसे केस में अगर आप चाहते हो कि रूल नंबर एट पर लगा दो सेवन मत तो रूल नंबर कर सकते हो बच्चों यस yes नो no? और एट से भी आंसर नहीं है, तो भारत मत डन सर नाइन टेन हम ऑलरेडी बात कर चुके इलेवन बोलता है इंपोर्टर जिसने इंपोर्ट करी वो वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्लेयर करेगा इन शिपिंग बिल इन बिल ऑफ एंट्री बेटा सपोर्टिंग रूल बोलता है क्या ऑफिसर के पास पावर की वो चाहे तो वैल्यू को क्या करता है रिजेक्ट अगर उसको लगता है मामला तो, issuing, notice, इंपोर्ट के बारे में मैंने आपसे बात करी सर अब मैं हाई सी ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा हूँ सर मान लो हाईसी ट्रांजेक्शन और वेर हाउस में अगर आपने गुड्स को बेचा तो इसके वैल्यू क्या था है? एक ही सर एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा दिल थाम मस्त पॉइंट है सर मान लो सिंगापुर से मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया गुड्स कहा रहा है बेटा इंडिया भारत फॉर पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट इंडिया कितना है बेटा ट्वेल्व नोटिकल माइल्स कितना मालिक उसके आगे जो 200 तक है वो भी हिंदुस्तान ही है बेटा पर कस्टम के लिए इंडिया नहीं माना जाता है केवल ऑयल रिग्स होती है वहां पे वो इंडिया का पार्ट होता है बेटा बस तो ट्वेल्व नोटिकल माइल से आगे वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हाई सी क्या बोलते हैं सर उसको मान लो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया वन सी आर में गुड्स क्या बेटा अभी हाई सी में मैंने गुड्स आपको बेच दिया कितने में टू सी आर में बेटा गुड्स क्या बेटा अभी हाई सी में क्लियर आपने गुड्स इनको बेच दिया कितने में थ्री सी आर में गुड्स अभी क्या बेटा हाई सी आर में अच्छा आप बोलोगे गुड्स तो वहा है आपने बेचा कैसे बेटा गुड्स का टाइटल डॉक्यूमेंट गुड्स के ओनरशिप डॉक्यूमेंट मैंने आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिए बेटा हाँ ना भाई अब सर क्या नाम अक्षय हर्षल मेहता वाला सर हाँ हर्षल हाँ तो एक हर्षल मेहता भी है हमारा स्टूडेंट है सर अब <laughs> कि सर मान लो सर क्या बोल रहा तुम्हें हाँ सर हर्षल मेहता नहीं नहीं हर्षल हर्षल ने गुड्स अल्टीमेटली परचेज किया हाई सी बेटा

थ्री सी आर वैल्यू ऑफ गुड्स इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ गुड्स बींग एंट्रिंग इन टू इंडिया उस टाइम वैल्यू कितना था 3CR, तो 3CR बेटा थ्री सी आर तो थ्री सी आर शेल बी द वैल्यू उस पर लगेगा क्या कस्टम बेटा हा है ना भाई अच्छा तीन करोड़ पे कस्टम लगेगा तीन करोड़ पे कस्टम लगेगा उसके बाद जो वैल्यू आएगी कस्टम को एड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आई जी एस टी लगेगा बच्चा हा है ना सर अरे क्लियर ठीक सर और पता है मैंने वन सीआर में गुड्स खरीदा इसको टू सी आर में इसने थ्री सी आर में इस पर आई जी एस टी नहीं लगता शेड्यूल थ्री में कवर है याद है बेटा ये पॉइंट ठीक मालिक मजा आएक नहीं आ रहा है ठीक है पर ये हमारा हर्षल भाई भी कम नहीं बेटा इसने गुड्स इंपोर्ट करी और उसको कस्टम बॉन्डेड में स्टोर करवा दिया बेटा कहाँ स्टोर कराया बेटा और सब इसने गुड्स बेच दी हमारे दोस्त का नाम सचेत सचेत ना हाँ बिल्कुल सचेत है बेटा ये और गुड्स बेच दी इसको कितने फोर सी आर में कितने सर फोर सी आर में गुड्स क्या है अभी बेटा कस्टम बॉन्डेड वेरहाउस में सचेत ने क्या किया गुड्स वहां परचेज करी अब क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन बेटा ठीक है अब मेरा पॉइंट ये है आपसे कि सर आपको पता है कि जब कस्टम वेयरहाउस से गुड्स निकलती है कहां से निकलती है सर कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से जब गुड्स को क्लियर कराते हैं उस टाइम पे कस्टम पे करना होता है बेटा है हाँ ना भाई उससे पहले तो इसने वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन किया होगा याद है बेटा थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का बेटा कस्टम तो पे किया नहीं होगा सर अब जब गुड्स निकलेगी वेयरहाउस से तब कस्टम पे करना पड़ेगा मिस्टर सचेत भाई को सर पॉइंट इज़ किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा सर वन सी आर टू सी आर थ्री सी आर या फोर सी आर क्वेश्चन में आया मेरा आपको बेटा किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा पॉइंट क्या है किस वैल्यू पे कस्टम्स लगेगा अच्छा अब पहले याद करो प्रोविजन याद करो सेक्शन फोर्टीन क्या बोलता है बेटा वैल्यू ऑफ गुड्स इज रिलोवेंट एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ

क्या लगेगा कस्टम्स ओके हां अब सर आईजीएसटी कितना कितने में लगेगा सर नहीं दो मिनट जल्दी मत करना पहली बात तो ये कि पहला वाला केस था अगर हर्षल भाई ने गुड्स को क्लियर कर दिया कस्टम क्लियरेंस कस्टम बोर्ड से बेटा डायरेक्ट तो ऐसे केस में थ्री करोड़ पे तो लगा कस्टम कस्टम का सारा अमाउंट लग जाएगा उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर क्या लगेगा आईजीएसटी खत्म बात पर अगर गुड्स भेरास में खुआया बेटा तो इसने थ्री करोड़ पे जो कस्टम का होगा उसका थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का बॉन्ड साइन किया होगा बेटा गुड्स को में रखवाया होगा इसने कस्टम तो पे ही नहीं किया ने बेटा अब हमारे सचेत भाई ने गुड्स खरीद लिया बेटा कितने में बेटा आवाज यारी सर सर पहला क्वेश्चन कस्टम कितने में लगेगा हमारे हर्षद सचेत भाई ने गुड्स को क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन कस्टम कितने में लगेगा सर थ्री सी आर मान लो कस्टम टी परसेंट मान लो सर कितना होता है बेटा सिक्सटी लैख प्लस उस पर लगाओ टेन परसेंट क्या सोशल वेलफेयर कितना हुआ 6 चाहिए तो आईजीएसटी कितने भाई, भाई, तो कितने में लगेगा दिस इज द क्वेश्चन बेटा तो आईजीएसटी सर फोर करोड़ पे लगेगा कितने फोर करोड़ और थ्री सिक्सटी सिक्स विचवर इज हायर तो फोर करोड़ और थ्री सिक्सटी सिक्स हायर बेटा मतलब फोर करोड़ थ्री सिक्स थ्री सिक्स करोड़ नहीं बेटा आई जी एस टी याद आया होशारी अरे सेक्शन थ्री सब सेक्शन एट ए ऑफ द कस्टम टा हाँ है ना सर ये कनेक्टिविटी बैटरी की नहीं बैटरी सारी सर क्लियर क्योंकि सर जब वेयर हाउस में आपने गुड्स इनको बेचा तो इंडिया में बेचा बेटा आपने Supply, तो गवर्मेंटी बेटा सप्लाई डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन था इसलिए मत कर, जब वो कस्टम आएगा, तो हम पे वैसे भी जीएसट लेने वाले वैसे तो रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं होगा ठीक है तो ऐसे में थ्री करोड़ प्लस कस्टम का जो आएगा वो या वेर हाउस में जो गुड्स आपने इनको बेचा है higher, इस पर लगता है क्या आई पर कस्टम कितने बेटा थ्री सीआर पे लगेगा लास्ट हाई सी से किस पे लगेगा सर लास्ट हाईसी सेल पर लगता है कस्टम्स और सर जब उस गुड्स को अगर हमने बेचा है तो जितने बट अभी इसलिए एकदम अजीब लगा मेरे को कि कौन सा आर्यन है बेटा ये सर ऐसे केस में अरे भाई मैं भूल गया क्वेश्चन एग्जाम सर चार करोड़ में पांच करोड़ बेच दिया कितने में दिया, सर? में, कितने में सर पॉइंट आता है कि ऐसे केस में हमारे आर्यन भाई कस्टम पे करेंगे बेटा तो तो पे पे पर आई जी एस टी कितने आई जी एस टी बेटा हाँ या ना भाई और जिस वैल्यू पे आई जी लगता है उसी वैल्यू पे थ्री जीएसटी सेस भी लगता है अगर आपने ड्रग्स ड्रग्स क्या बेटा टॉपिक को इंपोर्ट किए अगर आपने तो सर जीएसटी कंपनसेशन से लगता है बेटा अरे वो तो इसने आलिया से लिए थे बेटा सर यहां तक समझ आया कि आपको पॉइंट अरे पक्का डन ओके सर ये था क्या आपका हाई सी सेल और वेयर हाउस गुड्स को सेल किया अगर आपने तो ऐसे केस में किस वैल्यू पे कस्टम लगना है किस वैल्यू पे जीएसटी लगना आई होप पूरा सिस्टम कनेक्ट हो गया बेटा आपका ये यस या नो ओके सर अब आइए ड्यूटी ड्रॉबैक बता दू मैं आपको सर या वेयर हाउसिंग पहले पढ़ाऊंगा सर उसिंग मान लो अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया क्या क्या सर आपने इंपोर्ट करके कस्टम कस्टमोट में रखवा दिया फिर जब इच्छा हो तब तो उठाना हो ले आना ना बेटा गुड्स ना बेटा अपने घर में बड़े बेटा गुड्स ऐसा तो क्या सिस्टम होता है सुनना बात को ध्यान से बेटा मान लो अगर आपने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया है अगर आपने कोई गुड्स और उसको अगर आपको कस्टम बॉन्ड वेयरहाउस में रखवाना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कस्टम ऑफिसर को फोन करेंगे कि मेरे वो गुड सारे वेयरहाउस में रखवा देना है ऐसा। तो यू विल फाइल इनटू बॉन्ड बिलोव एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग इनटू बॉन्ड बिलोव एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करेंगे कस्टम पे करना पड़ेगा क्या बेटा कस्टम चार्ज क्यों जल्दी बताना बेटा

गुड्स क्या है भी? वहां से वो अलाउ करेगा क्योंकि उसको मिल गया वहां पर वेयर हाउस ऑपरेटर को बताएंगे मेरे को ऑर्डर मिला है वो अलाउ करेगा गुड्स का वेयर हाउसिंग सर उसके बाद आपको एक्नोलॉजमेंट देगा कि हाँ आपके गुड्स आ गए एक एक्नोलॉजमेंट सर उस कस्टम ऑफिसर के पास भी जाएगा जहां से गुड्स का कस्टम क्लियरेंस हुआ बेटा एंड एक कॉपी उसका जो कस्टम ऑफिसर होता है वेरोस का उसके पास भी जाती कहा वही थोड़े रहेंगे आप भी। का वेरोस है आपका नहीं कराया बेटा क्लियर अब घर जाओ बेटा आराम से ठीक है फिर फिर जब आपको गुड्स चाहिए तो आना पड़ेगा ना यार क्लियर तब आके क्या बोलेंगे ये वाला गुड्स ये वाला गुड्स और एक काम कर ये वाला भी दे दे नहीं तो आपको अगर गुड्स का क्लियरेंस है तो क्या for, करेंगे सर जिस दिन आपने गुड्स का बॉन्ड फाइल करके ऑफ एंट्री फाइल किया था उस दिन रेट ऑफ कस्टम था टेन परसेंट मान लो और जब क्लियरेंस कराना है तब रेट कितना हो गया बेटा फिफ्टीन परसेंट बेटा या फाइव परसेंट चलो तो सर ज दिन दिन मार्केट में जाएगा किस दिन ऑफ तो रेट ऑफ ड्यूटी तो पॉइंट बिलो एंट्री फॉर होम कंजन जो आपने फाइल किया होगा उस दिन की जो रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी होगी उस रेट से कस्टम लगेगा अगर फिफ्टीन परसेंट तो फिफ्टी परसेंट लगेगा फाइव परसेंट हो तो फाइव परसेंट लगेगा उस रेट से कस्टम लगेगा आप पर हां आपने गुड्स को किसी को वेरहाउस में बेचा बेटा उसके को, उससे कोई मतलब नहीं है रीवैल्यूएशन नहीं होता है ड्यूटी का अमाउंट निकल गया आप पे करेंगे ऑर्डर मिलेगा वो ऑर्डर लेके जाएंगे ऑपरेटर के पास में हाँ रिमूवल अब सरकार यहां बात आती है क्या दो बातें आती है तो इंटरेस्ट की बात आती है सर. अगर आपने गुड्स का कस्टमर वेरहाउस में बेटा उसिंग कराया सर कस्टम मॉडर्न कस्टमेउस में गुड्स का करवाया आपने तो सर यहां बोल दिया क्या अगर आप एक हंड्रेड परसेंट हो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट हो या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट हो या ऐसे मैन्युफैक्चरर हो ऐसे वेर हाउस ऑपरेटर विद इन द दे देरहाउस का परमिशन मिल रखा है बेटा तो वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है कितने टाइम के लिए आपको स्टोर करना जितनी तुम्हारी इच्छा दिन तक तो स्टोर करना हमें कोई दिक्कत नहीं पर अगर आप एक आम जनता हो बेटा आपने गुड्स का करवाया भाई तो जैसे कि इसमें 90 days, क्या 90 डेज डेज बोला सर के अंदर अंदर अगर गुड्स को रिमूव कर दिया फॉर होम या फिर अपने एक्सपोर्ट कर दिया तो केस में फ्रॉम नाइनटी फर्स्ट डे फ्रॉम नाइनटी फर्स्ट डे क्या लगेगा बेटा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15 पूरे कस्टमर में पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट जीएसटी में अठारह परसेंट बेटा इंटरेस्ट एट रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट पर नम लगेगा बेटा ऑन दी अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ ऑफ द गुड्स बेटा भाई नाइन फर्स्ट डे थोड़ा बुलाएंगे ए भाई तो आ जाए और इंटरेस्ट पे करके जाए ऐसा थोड़ा होता है बेटा जब आप कस्टम पे करेंगे ना बेटा अरे भाई आप आए दो सौ दिन बाद बेटा तो हंड्रेड डेज बाद आप जब गुड्स को रिमूव करेंगे कस्टम पे करेंगे ना बेटा तो कस्टम के साथ में इंटरेस्ट भी पे करना बेटा हाँ ना भाई क्लियर किस रेट से बेटा फिफ्टीन परसेंट पर कब से बेटा नाइन फर्स्ट डे से अच्छा नाइन्टी डेज कब से काउंट करना बेटा जिस दिन परमिशन फॉर वेरिंग मिला है जिस दिन मान लो परमिशन हमको मिला को बेटा आपने वेरोस में अठारह फरवरी को, को बेटा उससे अठारह फरवरी से मतलब नहीं जिस है जिस दिन परमिशन फॉर मिला जिस दिन ऑर्डर फॉर वेरोसिंग था वहां से 90 डेज के अंदर आपको देखना बेटा है हाँ ना भाई ऑर्डर परमिटिंग डेज देखना बेटा अच्छा अब सर नब्बे रिमूव नहीं किया नाइन्टी फर्स्ट डे से इंटरेस्ट लग जाएगा तो अच्छा, जितना कस्टम पेबल होगा उस पर अठारह उस पंद्रह परसेंट लगेगा ना इंटरेस्ट यार और हूं तो करो सर उस टाइम पे कस्टम पेबल था जीरो का पंद्रह कितना बेटा जीरो इंटरेस्ट पे करना प्रतिभा प्रोसेस लिमिटेड जजमेंट बेटा मान लो दो दिन बाद आपने आके गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया बेटा क्या कर दिया बेटा आपने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का कस्टम कितना बेटा जीरो जो गुड्स इंपोर्ट करी उसको क्लियरेंस कराने से पहले एक्सपोर्ट कर दिया बेटा आपने कस्टम पे ही नहीं करना तो इंटरेस्ट भी जीरो पे करना बैठा को हा ना भाई ठीक है आया कि गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन था बेटा इस पर ठीक है चलिए सर एक और बात मान लो सर 90 डेज के बाद आए पर कब एक साल के बाद परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग इज वन ईयर प्लस एक्सटेंशन इफ एनी बेटा द परमिटेड पीरियड ऑफ वेर हाउसिंग इज तो जिस दिन या अच्छा कमीशन चाहे तो इस टाइम लिमिट को कम भी कर सकता है बेटा क्लियर तो सर यहां बोला गया है ध्यान जजमेंट बता बता रहा हूं इसका न्यूमेरिकल बनता है लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेर हाउसिंग क्या बोला सर जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है चार महीने का परमिशन आपको वेर हाउसिंग बेटा अब चार महीने में अगर आपने रिमूव नहीं किया तो क्या होगा सुनना बात को ध्यान से

अगर किसी भी कारण से आपको गुड्स नहीं चाहिए तो यू कैन ट्रांसफर द टाइटल ऑफ सच गुड्स इन फेवर ऑफ कमिशन ऑफ कस्टम्स और ऐसे केस में आपको कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, नहीं होगी बस कंडीशन क्या है दोज गुड्स शुड नॉट बी ऑफेंट गुड्स उसका ऑफेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए बेटा है हाँ ना भाई पर बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पन क्या बोला सर बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पन आप के लिए अप्लाई कर सकते हो ऐसे केस में टाइटल ट्रांसफर हो गया तो कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है रेमिशन मिल जाएगा बेटा है ना भाई पर हमारे भाई साहब सचेत भाई लास्ट परमिट परमिटेड डे ऑफ वेर हाउसिंग वॉज फोर्टीन फेफ्ट बेटा क्या था बेटा तब तो ऑक्यूपाइड था बेटा आदमी क्लियर कहीं बिजी थे बेटा इंपॉर्टेंट <laughs> काम में सर इक्कीस फरवरी को याद आया कि गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराना है बेटा क्लियर अब 21 फरवरी को गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराना है तो सर 21 फरवरी को भली कस्टम पे कर पर 14 फेब को जो रेट होगी उस रेट से कस्टम लगेगा बेटा और 21 को जब तू कस्टम पे करेगा तो साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा मेरे मालिक क्लियर सेकंड बात सर 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 केस चेंज फोर्टीन फेब को लास्ट परमिटेड था बेटा करो सर। पर 14 को ये कहीं था बेटा और जिस चीज में था वो मिशन इंपोर्ट करी थी, इसने में, और में करी थी कि माहौल जबरदस्त है सर। <laughs> 14 हो गया गड़बड़ अब इसको होश आया तब तो ये कस्टम बोर्ड पहुंचता है मेरे को तो गुड्स नहीं चाहिए I want to relinquish the title in favor of Commissioner of Customs, बेटा. Relinquish ना लाऊं कर दो. तो सर वहाँ पे इसको line पढ़े एक बार ध्यान से पढ़िए आके लेके होश में पढ़ा. Before clearance for home consumption, relinquishment में लाऊं होता है. Hindi में पढ़ाइए इसको बेटा. Clear? और अगर last permitted permitted day of warehousing तक अगर आप नहीं आते हो, तो जो last permitted day of warehousing होता है उस दिन मानते हैं कि goods are deemed to be removed under violation.

सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर सेक्शन सेवेंटी फाइव ऑफ द कस्टम्स एक्ट मान लो सुनना सुनना ध्यान से वाला पॉइंट है सर मजा आ जाएगा सर सर आपको मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया ये कैमरा दिख रहा है आपको बेटा वीडियो क्लास वाला आपको दिख रहा है बेटा ये आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है बेटा सर <laughs> पकाया ना बेटा मैंने क्लियर कोई बात नहीं सर ऐसा कभी कभी बीच में पकाना चाहिए बेटा वैसे अच्छा लगता है बेटा सर नहीं आया देखो सर ये आवाज से आ रही हो है? सर मान लो मैंने ये कैमरा इंपोर्ट किया हुई नहीं करा बेटा आपने थके क्या बेटा आप लोग पका थके तो नहीं आप हम्म हम्म अब समझ में आया आपको बेटा ओके okay. तो सर मैंने ही इंपोर्ट किया इम्पोर्ट करके वेहर हाउस में रखवाया कहा रखवाया बेटा और यही से मैंने वापस क्या कर दिया बेटा एक्सपोर्ट क्या ड्रॉबैक मिलेगा एक और हूं एड कर बेटा इसमें हूं नहीं हूं हु. सर <laughs> क्या ड्रॉबैक मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों अरे ओशारी जब कस्टम पे ही नहीं किया किस बात का बेटा आपने गुड्स को इंपोर्ट किया वेयर हाउस में रखवाया या बिफोर क्लियर फॉर होम कंजमशन वैसे क्या कर दिया बेटा आपने एक्सपोर्ट दर इज नो पॉइंट ऑफ एनी पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज नो पॉइंट ऑफ एनी रिफंड एट ऑल पर सर अगर आपने इनको क्लियर कर दिया होता फॉर होम कंजन कस्टम पे क्या होगा अब इन गुड्स का एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया और यही कैमरा आपने वापस क्या कर दिया एक्सपोर्ट कर दिया तो ऐसे केस में जो आपने कैमरा एक्सपोर्ट किया है आप मुझे बताओ सर वो कैमरा क्या डोमेस्टिक मार्केट से रिफंड सेवेंटी फोर जो आपने गुड्स इंपोर्ट किया जो आपने गुड्स इंपोर्ट किया, किया क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन उस पर कस्टम पे किया कस्टम का आपने वापस सर उस गुड्स क्या कर दिया एक्सपोर्ट कर दिया दैट जो एक्सपोर्ट किया उसके एक्सपोर्ट पर उस उस गुड्स को जब आपने इंपोर्ट किया था उस पर जब कस्टम पे किया उसका क्या मिल जाएगा रिफंड रिफंड ड्यूटी रिफंडी अंडर सेक्शन सेवेंटी फोर प्लस क्या है वो गुड्स जो आपने इंपोर्ट किया था उसके दो साल के अंदर चाहिए प्लस फर्दर पीरियड अलाउड बाई क्लियर सेकंड थिंग अगर विदाउट यूज एक्सपोर्ट किया है क्या बोला सर तो नाइनटी एट मिलेगा कितना मिलेगा सर पर यूज करके एक्सपोर्ट किया थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन एटीन मंथ प्लस हाँ ना भाई अब यहाँ पे जो मंथ काउंट करना ना बेटा मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ब है ना तो जिस दिन क्लियर हाँ जिस दिन क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन वहां से लेके जब आपने वापस से प्रोड्यूस किया फॉर एक्सपोर्टेशन बेटा जब प्रेजेंट किया फॉर एक्सपोर्टेशन वो पीरियड काउंट करेंगे डेट टू डेट बेटा क्लियर यहाँ पे वो समझे मेरी बात बेटा सर बर्थडे वाला जो होता है मंथ बेटा वैसे काउंट करने का बच्चों क्लियर डन सेकंड थिंग सर अगर आपने कोई गुड्स प्राइवेट इंपोर्ट किया था या कोई मोटर कार इंपोर्ट करी थी और उसको आपने यूज करके एक्सपोर्ट किया तो वहां पे परसेंटेज परिडक्शन देने का फोर थ्री टू पॉइंट फाइव परसेंट और टू परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर क्लियर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बेटा याद आया बच्चों आपको ये और ऐसे केस में यहां पे सर क्वार्टर जो काउंट होंगे वो क्वार्टर ज्यादा डेट टू डेट बेटा जिस दिन क्लियर करा फॉर होम और जब आपने वापस से प्रेजेंट किया फॉर एक्सपोर्टेशन बेटा बटा है ना भाई डेट टू डेट वाले क्वार्टर होंगे बच्चों क्लियर डन पर अगर आपने टी चेस्ट सर वेयरिंग अप्रेल मूवीज से फिल्म क्लियर और ये फोटोग्राफिक फिल्म अनएक्सपोर्ट फोटोग्राफिक फिल्म एक्सप्रे फिल्म वगैरह अगर आपने यूज करके एक्सपोर्ट किया नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड यूज करके एक्सपोर्ट करो हमें कोई तकलीफ नहीं है आपको पूरा ड्रॉबैक देंगे बेटा हाँ बेटा जैसे कपड़े बेटा पहन लिए खराब हो गए बेटा अब बोल रहे एक्सपोर्ट पागल क्लियर क्लियर कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा डन सर ये था आपका सेक्शन नंबर के मेन प्रोविजन बेटा आइए सेवेंटी फाइव मान लो मैंने इनपुट्स इंपोर्ट किए मैंने इनपुट्स इंपोर्ट किए इंपोर्ट करके उसका कस्टम क्लियर करा दिया कस्टम पे कर दिया उससे मैंने आउटपुट गुड्स बनाया क्या बनाया साहब मैंने और आउटपुट गुड्स बना के मैंने उसको एक्सपोर्ट किया हाँ है ना तो ऐसे केस में मेरे को क्या होगा सर सो so, मैंने इनपुट स्टेज पे कस्टम पे किया उसका मेरे को रिफंड मिलेगा बेटा द रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉप रिफंडी ट्रॉपिक्शन सेवेंटी फाइव पर सर कितना मैंने कस्टम पे किया कैसे निकालेंगे सर इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशो को ध्यान में रखते हुए सर ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स कर दिया क्या फिक्स कर दिया बेटा ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ट्रॉपिक फिक्स कर दिया क्लियर वो कैसे फिक्स किया बेटा गवर्नमेंट ने देखा कि ऑन एंड एवरेज अगर एक करोड़ का मैं गुड्स बनाता तो मान लो मार्कर्स, एक करोड़ का अगर मार्कर एक्सपोर्ट होता है तो उसमें काम आने वाले इनपुट्स पे टैक्स कितना पे हुआ साहब जो इंपोर्टेंट इनपुट्स उस पर कस्टम कितना पे होता है देखा दो लाख रुपए पे होता है साहब करोड़ के मार्कर अगर कोई एक्सपोर्ट करता है एफओवी वैल्यू वाले तो उसके जो इनपुट होते हैं वो ये इनपुट इंपोर्ट होते हैं उसमें से इतने पे कस्टम इतना लगता है ये कस्टम इतना लगता है एवरेज देखा, देखा तो दो लाख रुपए कस्टम आता है तो गवर्नमेंट ने क्या किया टू परसेंट क्या कर रहा सर टू परसेंट एक एक्साम्पल है एक केवल एक सर वन करोड़ पे दो लाख मैं दो बच्चा टू परसेंट ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ डॉपे ऐसा अलग अलग गुड्स का स्टडी करके गवर्नमेंट ने ऑल इंडस्ट्री रेट का दे दिया वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्लियर पर मान लो मान लो आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए थे रॉ मटेरियल्स वगैरह सब केस में आपने कुछ ड्यूटी पे किया था कहीं पे आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी पे किया था और उसकी वजह से आपका एक्चुअल कस्टम पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स लाख और आपने जब एक करोड़ का एक्सपोर्ट किया उस पर टू परसेंट मान रेट ऑफ कस्टम रेट ऑफ ड्रॉपिक था होता कितना टू लाख रुपये आपने एक्चुअली पे किया तीन लाख रुपए आप बोलते तो नहीं नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए दो लाख भी रखो अपने पास बेटा नाराज हो गया बेटा तो ऐसे कैसे बोला क्या चिंता मत कर आपकी बार जो भी सर ठीक है सर सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर पता बड़ा बाहर जाके मार रहे है मेरे को सर अब <laughs> सर... <laughs> पॉइंट मेरा आपसे ये कि सर अगर आपने जो एक्चुअल कस्टम पे किया है अगर आपने जो एक्चुअल कस्टम पे किया थ्री लाख रुपये उसका एटी परसेंट भी रिफंड नहीं मिल रहा कितना नहीं मिल रहा है सर एस पर ऑल इंडस्टेट एटी परसेंट भी रिफंड नहीं मिल रहा मतलब थ्री लाख का एटी परसेंट होता है बेटा टू फोर्टी

इनपुट्स इंपोर्ट किए गुड्स मैन्युफैक्चर किया और फिर एक्सपोर्ट किया सारी कस्टम्स का ड्रॉबैक मिलता है इंक्लूडिंग 3739 74 में 75 में सारी कस्टम का ड्रॉबैक मिलता है सारे एंटी वगैरह सब कुछ एक्सेप्ट 379 37 39 क्योंकि आप गुड्स इंपोर्ट करके कर रहे हो ना बेटा तो आपने जो आई जी एस टी पे उसका आई टी स ले लो ना होशारी आई टी सी लेके जीएसटी में आप रिफंड वैसे भी ले लोगे बेटा कौन सा छोड़ने वाले वा बेटा उधर उधर भी रिफंड लो इधर भी रिफंड लो लूट लोगे क्या बेटा हमको इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया क्या सर यहाँ पे सेवेंटी फाइव केस में हम केवल और केवल कस्टम का ड्रॉपैक देंगे थ्री सेवन थ्री का रिफंड नहीं देंगे बेटा है हाँ ना भाई क्लियर पक्का बचो डन अच्छा अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट की बेटा बड़ा सुंदर पॉइंट है अगर कभी भी पता है कस्टम के अंदर इंटरेस्ट के प्रोविजन भी कभी भी एग्जाम में आते हैं बेटा ठीक है सुनना बात को ध्यान से जीएसटी का मैंने के के मिल गया बेटा उसके कितने टाइम में रिफंड नहीं दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा सर जीएसटी में सिक्सटी डेज एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं यही बता रहा हूं बेटा जीएसटी में कितना बेटा वननाथी डे सिक्स डे क्या लग जाएगा इंटरेस्ट कस्टम में कितना है थ्री मंथ कितना है बेटा थ्री मंथ थ्री रिफंड नहीं मिला तो थ्री मंथ के बाद जो नेक्स्ट डे होगा क्या ले? मिलेगा इंटरेस्ट पर ड्रॉबैक के अंदर महीना है बेटा ड्रॉबैक में कितना क्योंकि आप तो एक्सपोर्ट कर रहे हो यार देश इकोनॉमी में कितना बड़ा हाथ कितना बड़ा रोल है बेटा आपका हाँ है ना भाई इसलिए बोला क्या इन एक्सपोर्टर को अगर ड्रॉबैक गवर्नमेंट ने एक महीने के अंदर नहीं दिया तो एक महीने के बाद उनको देना पड़ेगा क्या इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बच्चों यस बच्चे नो क्लियर डन सर सेकंड केस मान लो सर आपको रिफंड मिल गया ड्रॉबैक मिल गया बेटा <laughs> क्या नाम सर कैश सर कैशो भाई को ड्रॉबैक मिल गया फिर गवर्नमेंट को एहसास हो बहुत बड़ी गलती होगी बेटा <laughs> <laughs> या एक्सेस ड्रॉबैक मिल गया या हो सकता हाँ है ना फ्यूचर में फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुई बेटा इसको विद इन द टाइम अलाउड बाय आरबीआई बेटा है ना बेटा किसी भी करेंसी का अगर इनका ड्रॉबैक रिकवरबल होता है बेटा तो सर आपको रिकवरी का नोटिस आया मैं तो कर रहा हूं जिस दिन नोटिस आया उसके अगले दिन ही पे कर दिया बेटा तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जिस दिन ड्रॉपिक मिला क्या बोला सर फोर्टीन फेब को ड्रॉपिक मिला और चौदह नवंबर को वापस गवर्नमेंट मांग मांगे बेटा तो ऐसे केस में कब मांगा उसे कंसर्न नहीं है फोर्टीन फेब से लेकर मतलब फिफ्टीन फेब से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा कब तक बेटा जब आप गवर्नमेंट नहीं नहीं जब आप गवर्नमेंट को पे करोगे तब तक बेटा फोर्टीन नवंबर को गवर्नमेंट मांगा है, इसने जब भी दिया होगा तब तक इंटरेस्ट कितना बेटा पर के हिसाब से बच्चों है ना बेटा और अगर नोटिस का आपके पास आया है, उसके दो महीने के अंदर अंदर अगर आपने पे नहीं किया तो योर केस विल बी ट्रांसफर टू रिकवरी सेल बेटा पर हाँ दो महीने में आप पे करो या मत पे करो इंटरेस्ट तो डे वन से लगेगा बेटा आपका ठीक है मालिक क्लियर सर समझे मेरी बात ये सेवेंटी फाइव ए बी खत्म होता है अब चलो सर एक पॉइंट समझाना बता दूं क्या मैं आपको बेटा सर आने दो सर ये होती नहीं बात सर सर प्रोविजनल असेसमेंट के केस में इंटरेस्ट बेटा मैं एक बार जितने भी कस्टम में इंटरेस्ट प्रोविजन एक सर लिंक कर बेटा आपके लिए तो एक तो मैंने बताया कि नॉर्मल अगर कस्टम में रिफंड की बात आती है किसकी बात आती है सर नॉर्मल अगर कस्टम्स में रिफंड की बात आती है तो जिस दिन आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया उसके तीन महीने में गवर्नमेंट ने रिफंड नहीं दिया तो दे विल गिव यू द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट ड्रॉबैक केस में कितना बेटा एक महीने का बेटा अब सुनना बात ध्यान से प्रोविजनल असेसमेंट मान लो किसी गुड्स का आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहे बेटा आपने गुड्स को इंपोर्ट किया बेटा आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहे ऐसे केस में आपने प्रोपर ऑफिसर को अप्लाई किया उसने प्रोविजनल असेसमेंट अप्रूव किया बेटा अब प्रोविजनल असेसमेंट हुआ मान लो रुपीज थाउजेंड में सर कितने हुआ मालिक थाउजेंड में अब सर जब तक ये फाइनल असेसमेंट नहीं होता तब तक आप थाउजेंड रुपी पे करके रिमूव कर दोगे गुड्स को बेटा अब मान लो फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में सर थाउजेंड में हुआ बात ही खत्म है सर मान लो फाइनल हुआ, हुआ बेटा 1200 में कितने हुआ सर 1200 अच्छा प्रोविजनल कब पंद्रह मई को बेटा कब तो, हुआ बेटा पंद्रह मई को फिफ्टीन ऑफ मई को कितने में हुआ साहब 1200 में बेटा अब ऐसे केस में टू हंड्रेड अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विध इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15 परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के कब से आवाज नहीं आ रही सर कब से बोलो ना रे एक फरवरी से बेटा कब से बेटा एक फरवरी से तो प्रोविजनल असेसमेंट जब कस्टम का होता है बेटा उसमें जिस महीने में प्रोविजनल हुआ उसमें डेट कुछ भी वी डोंट केयर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ मतलब एक फरवरी से लेके कब से लेके सर एक फरवरी से लेके जब आप फिफ्टीन मई को या जब भी आपने पे किया बेटा डिफरेंस अमाउंट तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द 15% पर सिंपल इंटरेस्ट नंबर कितने में, 700 में कितने में हुआ, 700. अच्छा, कब हुआ था बच्चे आवाज यही फाइनल असेसमेंट कब हुआ सर पंद्रह जुलाई कब हुआ जुलाई को कितने में सेवन हंड्रेड में बेटा अब थ्री हंड्रेड का रिफंड मिलेगा बट ओनली टू दी पर्सन बोन बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स बेटा हा है ऐसे केस में जो पर्सन ने बर्डन बोन किया उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया रिफंड के लिए अप्लाई किया तो कब अप्लाई अच्छा, तो तो किया बेटा अच्छा फर्स्ट दिसंबर को अब सुनना बेटा गवर्नमेंट ने अगर तीन महीने में, में इंटरेस्ट रिफंड नहीं दिया तो यू विल गेट द इंटरेस्ट हाँ ना कितना परसेंट सिक्स परसेंट किस दिन से बेटा तीन महीने कब से काउंट करेंगे सर पंद्रह जुलाई से आपने भली अप्लाई कब किया बेटा प्रोविजनल असेसमेंट फाइनलाइज कब हुआ बेटा 15 जुलाई उस दिन एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी हो गया बेटा सर वहां से तीन महीने काउंट करेंगे भली आपने अप्लाई कभी भी किया हमें कंसर्न नहीं है और 15 जुलाई से जब तीन महीने एक्सपायर होंगे सर उसके नेक्स्ट डे से आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट एट रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर नाम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के से आपने जानबूझ के लिए अप्लाई किया वी डोंट केयर बेटा तो भी इंटरेस्ट मिलेगा पता बड़ा, लेट के चक्कर में एक साल गुजर नहीं जाए बेटा ध्यान रखना ठीक है तो पता बड़ा रिफंड एलिजिबल नहीं रहे बेटा और हाँ, वैसे भी छह परसेंट हो तो बेटा आठ परसेंट मेरी बात डन पॉइंट समझ में आया अगेन इंटरेस्ट का स्पेशल प्रोविजन था इसलिए मैंने आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश करी ना सर आइए जीएसटी की बात कर रहा चलिए इंटरेस्ट की इतनी बात कर ली तो जीएसटी बात करता हूँ मान लो जीएसटी में आप रिफंड के लिए अप्लाई करो अच्छा में रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है एक साल के अंदर बेटा एक साल में अप्लाई नहीं किया कितने तो दिन में सर दे तो सिक्सटी फर्स्ट डेज से क्या मिलेगा इंटरेस्ट कितना बेटा सिक्स परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से पता है ये साठ दिन में उस पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए हाँ इसलिए गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे रखा है इंटरनल कि 45 डेज में सब कार्यक्रम पूरा कर देना ये ताकि इसके बैंक में क्रेडिट हो जाए नहीं तो हमारी बैंड में जाएगी छह पर्सन से और सुन एक बात और मस्त वाली अगर मान लो कोई एसएससी अपलेट अथॉरिटी से या अथॉरिटी से या कोर्ट ट्रिब्यूनल में कोई केस जीत गया बेटा और उस जजमेंट की वजह से उसको रिफंड बनता है और उसके बाद उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया

ओके वेयर हाउसिंग में भी मैंने इंटरेस्ट का पॉइंट बताया आपको बेटा क्लियर नाइन्टी फर्स्ट जैसे हाँ है ना भाई क्लियर ड्रॉबैक का हमने इंटरेस्ट पढ़ा प्रोविजनल असेसमेंट का हमने इंटरेस्ट पढ़ा जीएसटी का हमने इंटरेस्ट पढ़ लिया बच्चा ठीक है रिफंड के बारे में भी बात कर लिया हमने बेटा आइए सर एक लास्ट बात बताता हूँ आपको बैगेज मान लो सर कोई आउट ऑफ इंडिया गया बेटा कहां गया बेटा कहां कहा थाईलैंड बेटा वेरी गुड सर सुनना बेटा ध्यान से हाँ बेटा बहुत अच्छा बेटा इधर ध्यान दो बेटा सर 20 नवंबर के बाद जाना बेटा ठीक है सर अब मान लो कोई इंडियन पैसेंजर या फॉरेनर रेसिडिंग इन इंडिया सर अच्छा वो रिटर्न हो रहा कहां से बेटा नेपाल भूटान म्यानमार से कहां से हो रहा बेटा तो सर कोई भी आर्टिकल आर्टिकल मतलब गुड्स की बात कर वो ये वाला आर्टिकल नहीं बेटा सर <laughs> अगर वो आउट ऑफ इंडिया से इन हिज बोनाफाइड बेगेज लेके आए तो सर सुनना यूज आर्टिकल जो होते बेटा आर्टिकल्स होते हैं उनके केस में तो अरे यार तुम <laughs> सर बोनाफाइड आर्टिकल्स जो यूज आर्टिकल्स होते हैं बच्चा सर उनके केस में तो वैसे भी कस्टम नहीं लगता बेटा पर अगर आप बाहर से नए गुड्स लेके आए हो क्या लेके आए बेटा नए गुड्स लेके आए तो ऐसे केस में एक लिमिट तक एक्समेशन दिया वो लिमिट तक कितना है बेटा अगर नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो तो ऐसे केस फिफ्टीन थाउजेंड कितना बेटा क्लियर yes. फिफ्टीन प्लस पर्सनल पर्सनल इफेक्ट प्लस ट्रेवल सोनियर बेटा अच्छा सोनियर को पंद्रह हजार की लिमिट में काउंट नहीं करना अलग से बेटा ये क्लियर सर पर अगर सर ध्यान देना बेटा अगर टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन इंडिया में आ रहा है कौन आ रहा है बेटा तो ऐसे केस में कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलता है बस यूज पर्सनल इफेक्ट और ट्रेवल सोनियर ही मिलता है बेटा उसको है हाँ ना भाई आवाज नहीं आ रही है क्लियर और अगर कोई पर्सन आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है बाय लैंड रूट कैसे आ रहा है बेटा नेपाल बुडन म्यांमार की बात कर रहा हूं मच्छा तो ऐसे केस में अगेन उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा बस यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रेवल्स ओनर मिलेगा बेटा हाँ ना भाई सर यूज पर्सनल इफेक्ट सॉरी ट्रेवल्स ओनर भी नहीं बेटा उस केस में अरे क्लियर और अगर कोई इन्फेंट आ रहा है कौन आ रहा है बेटा इन्फेंट आ रहा है तो ऐसे केस में वो किसी के लिए क्या, क्या गिफ्ट लेके गया है वो खुद ही गिफ्ट है बेटा तो ऐसे केस में सर ऐसे केस में सर एक सेकंड हा हा यस वही देख रहा था मैं ओके ओके हां सर वापस बोलता बेटा मैं सर रूल नंबर फोर की बात कर हूं एक अगर आप नेपाल भूटान म्यांमार से कैसे हो सर तो कोई भी कैटेगरी ऑफ पैसेंजर हो कोई भी कैटेगरी ऑफ पैसेंजर हो भले फॉरेन ओरिजिन का पैसेंजर हो इंडियन ओरिजिन का पैसेंजर हो या सर फॉरनर रिसाइडिंग इंडिया कोई भी कैटेगरी पैसेंजर है सर यूज पर्सनल इफेक्ट यस ट्रेवल्स ऑनियर यस एंड अदर आर्टिकल कितना बेटा पंद्रह हजार का बेटा मैंने अभी भी बोल दिया था फॉरन ओरिजिन के टूरिस्ट को नहीं मिलता पंद्रह हजार का मिलता बेटा गलती से बोल दिया ठीक है यूज पर्सनल इफेक्ट यस ट्रेवल्स ऑन इयर यस फिफ्टीन थाउजेंड तक के अदर आर्टिकल भी वो इंपोर्ट कर सकते हैं ला सकते हैं साथ में बेटा सेकंड अगर इन्फेंट आ रहा है बेटा कौन आ रहा है बेटा इन्फेंट आ रहा है तो केवल यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है बाकी वो चॉकलेट भी लेके अगर बाहर से आया है तो वही खड़े खड़े खा ले बेटा नहीं तो कस्टम लग जाएगा बेटा सर <laughs> और सर नेपाल भूटान म्यांमार से अगर बाय लैंड रूट अगर कोई पैसेंजर आ रहा है बाय लैंड रूट अगर कोई पैसेंजर आ रहा है तो केवल यूज पर्सनल इफेक्ट है अलाउड उसके अलावा कुछ भी लेके आए तो आप कस्टम पे करो लाओ हमें क्या दिक्कत है बेटा हाँ है ना भाई क्लियर डन अच्छा नेपाल भूटान म्यामार के अलावा किसी और कैटेगरी किसी और कंट्री से आ रहा है पैसेंजर तो टूरिस्ट ऑफ फॉरन ओरिजिन अगर है कौन है सर तो यूज पर्सनल इफेक्ट यस ट्रेवल्स ऑन ईयर यस प्लस फिफ्टीन के आर्टिकल पर उसके अलावा कोई भी पैसेंजर अगर आ रहा है भले वो इंडियन ओरिजिन के हो क्लियर भले वो पैसेंजर इन इंडिया 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 हो आउट ऑफ़ के पर्सन में रहे कुल में के? सर अगर कोई भी कैटेगरी पैसेंजर अदर देन टूरिस्ट और उसके अलावा क्लियर अगर इन्फेंट आ रहा है तो अगेन केवल यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है उसके अलावा गुड लेके आया तो कस्टम पे करके आना पड़ेगा बच्चा ना भाई अच्छा अब सर ये जो पचास हजार और पंद्रह हजार के लिमिट जो मैंने बताइए ध्यान देना पड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किस तरह से आपको हेल्प करना है सर अपने आपका सर यहाँ पे दीज लिमिट्स कैन नॉट बट टूगेदर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल बेटा हाँ है ना भाई सर मान लो तीन लोग आ रहे हैं एक के पास अस्सी हज़ार का कोई गुड्स है बाकी दोनों साथ में आ गए ऐसे ही बेटा तो ऐसा नहीं बोल सकते पंद्रह इसका अकाउंट कर ले पचास इसका अकाउंट कर ले ऐसा नहीं होता है क्लियर ऐसे एग्जाम में मार्क्स तो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते बेटा कि मेरे सिक्सटी मार्क आया तो तेरे फिफ्टी आए तो चल पांच मार्क्स शेयर कर लेते बेटा ऐसा नहीं होता ना बेटा ऐसा बटा भी नहीं होता बेटा क्लियर तो ओके 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 तो सर दिस लिमिट्स कैन नॉट बी क्लब टूगर टुगेदर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल सेकेंड थिंग सर अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल्स सर अगर कोई जो पैसेंजर बाहर से आ रहा है वो 18 इयर्स प्लस है बेटा तो वन लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है बेटा वो विदाउट एनी मॉडल लिमिट एडिशनल और भी अलाउड होता है विदाउट एनी कस्टम बेटा ना भाई ठीक है सर प्लस 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 सर अगर आउट ऑफ इंडिया से ये पैसेंजर आ रहे हैं तो पचास हजार पंद्रह हजार का जो भी लिमिट मैंने बताया रूल नंबर थ्री और फोर में, में अगर वो आर्टिकल में कवर है कहा कवर है सर तो सर दो हजार नॉट एलिजिबल फॉर एक्जीबिश दो हजार नॉट एलिजिबल फॉर एग्जीबिशन उसके अलावा जो आर्टिकल है नॉर्मल जो गुड्स होते हैं वो एलिजिबल फॉर एक्जीबिशन होते उसके पचास हज़ार पंद्रह हजार के लिए और लिमिट देखेंगे और सर पचास हजार पंद्रह हजार जितना क्रॉस करेगा उसी उसे क्रॉस करके उसी भी कस्टम लगेगा थर्टी फाइव परसेंट रेट ऑफ कस्टम कस्टमर है हाँ ना भाई और यस ए नो प्लस टेन परसेंट सोशल वेलफेयर सर चार्ज अच्छा अब सर जो अन में गुड्स कवर है क्या कवर है सर फायर आर्म्स कार्ट्रिज ऑफ आर्म्स एक्सडिंग फिफ्टी अरे हाँ ना भाई सर एल को लेकर और वाइन इन एक्सेस ऑफ टू लीटर्स अच्छा अब इसका एग्जाम्पल देता मैं आपको सर मान लो कोई आउट ऑफ इंडिया से पर्सन आ रहा है उसके दारू कितना लेके गया बेटा चलो चलो चल। कोई बात नहीं मैं बोलता था बेटा सर इसका दोस्त बोला चार आते रेगी डेढ़ सर, <laughs> <laughs> सर तो अगर आते आते डेढ़ रहेगी तो डेढ़ की बात करेंगे बेटा बाकी तो सर एक तो गिरावारी <laughs> आदमी से जो पर्सन जा रहा है उसके पास पांच लीटर तो अच्छा, कितने का था बेटा एक, एक मान लो टेन थाउजेंडी बेटा दस हजार रुपए पर लीटर मतलब पचास हजार की दारू लिया बेटा अब सर पॉइंट में क्या बेटा रहा है वाइन और एल्को लीकर इन एक्सेस ऑफ टू लीटर मतलब थ्री लीटर्स आर कवर्ड इन एक्सर वन बेटा टू लीटर्स टू लीटर्स एलिजिबल फॉर एग्जामिशन है प्लीज ये मत बोलना दो लीटर माफ है बेटा नहीं गलती होती कई बार एग्जाम में

40 ग्राम्स और, और, के लिए? 20 और? 50, ये है. अच्छा, बाहर गए थे चार महीने बाद बबीता जी उनको लेने चलेगी बेटा हाँ ना बेटा अब मिस्टर अय्यर को थर्टीन मंथ हुए जब वो रिटर्न हुए बेटा तो कितना एग्जमेशन मिलेगा बेटा तो बबीता को नहीं मिलेगा बेटा क्यों चार महीने बाद गई थी ना बेटा तो बबीता जी को ज्वेलरी वाला एग्जामेशन नहीं मिलेगा नॉर्मल एग्जामेशन मिलेगा और जेठल जेठल नहीं क्या नाम था <laughs> 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 सर <आएर> को <laughs> मतलब नॉर्मल एग्जामिशन नहीं है प्लस ज्वेलरी वाला एक्जामिशन भी मिलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि वन ईयर का लिमिट ध्यान रखना बेटा ठीक है थीकी? एक क्वेश्चन क्वेश्चन था एग्जाम में बेटा बेटा ये वाला सेम अरे क्लियर पक्का ठीक है सर अच्छा अगर कोई अपना रेसिडेंस ट्रांसफर कर है बेटा जैसे कोई आउट ऑफ इंडिया रह रहा था अब वो शिफ्ट हो रहा अपने यहाँ पर आ, आ, इंडिया के अंदर या फिर कोई अगर प्रोफेशनल अप्रोड के लिए बाहर गया था और अब वो इंडिया में रह रहा है तो मोर देन थ्री मंथ अगर वहां स्टे किया था तो पर्सनल एंड हाउस आर्टिकल के लिए एडिशनल एक्जिबिशन देगा रूल नंबर सिक्स में सर कितना सिक्सटी थाउजेंड का बेटा मोर देन थ्री मंथ पर अप टू सिक्स मंथ था वन अप टू वन ईयर था बेटा थ्री सिक्सटी फाइव डेज रहा अगर वो तो आ, मतलब अगर लास्ट दो साल में थ्री सिक्सटी फाइव डेज अगर वो बाहर रहा तो ऐसे केस में टू लेख एक्सिमिशन और अगर एटलीस्ट टू ईयर बाहर रहा तो है, कितना है पांच लाख तक का एडिशनल एक्समिशन दिया है पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए बेटा हाँ ना भाई क्लियर बस कंडीशन क्या है सर लास्ट दो साल में उसने बेनिफिट न... लास्ट तीन साल में उसने बेनिफिट नहीं लिया होने चाहिए एंड सर हाँ दो साल में दो साल में ऑन शॉर्ट विजिट्स इन इंडिया सर मोर देन सिक्स मंथ नहीं रहना चाहिए अप टू सिक्स मंथ ही रहना चाहिए बेटा पर कमिश्नर एक्सेप्शन केस में अलाउ कर सकता है बच्चों और हाँ अर्ली रिटर्न

आपने आउट ऑफ इंडिया कोई गुड्स भेजा था रिपेयरिंग रिपेरिंग बेटा मशीनरी इसका क्वेश्चन कभी भी बंदा कस्टम के अंदर अगर कोई मशीनरी आपने आउट ऑफ इंडिया भेजी थी रिपेयरिंग के लिए और तीन साल के अंदर विदाउट विदाउट रिप्रोसेस वो गुड्स वापस इंडिया में आ गया आफ्टर गेटिंग रिपेयर तो मशीन पूरे पे वैल्यू पे कस्टम नहीं लगेगा पर फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग क्या बोला सर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड पार्ट्स यूज इन सर रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बहुत वेज उस पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा पर हां एक मिनट फ्रेट इंश्योरेंस बोथ वेज प्लस फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग भले उसने हमसे चार्ज किया था या नहीं किया था उससे फर्क नहीं पड़ता अगर मान लो वारंटी में थी, मशीन बेटा वारंटी में, थी में थी, उसने हमसे कोई चार्ज नहीं किया तो भी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग पे प्लस बोथ वेज का फ्लेट इंश्योरेंस पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा हाँ ना भाई अरे क्लियर है सर हंड्रेड परसेंट डन तो सर आई होप सफिशियंटली हमने माहौल बनाया सर और कोई पॉइंट आपको लगता हो तो आप यू कैन आस्क उसके लिए रेगुलर आपको करेंसी के फेमा रेफर करना पड़ेंगे सर फेमा के प्रोविजन रेफर करना पड़ेंगे कस्टमर कुछ भी नहीं देखा बेटा उसके लिए अरे क्लियर अरे पक्का और कोई डाउट पक्का सफिशियंटली यस या नो समझ में आया कि नहीं आया सर अरे पक्का हंड्रेड परसेंट ओके तो आई होप ये दिन संडे का हम अगर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लेते टाइम पास कर लेते तो शायद आज जो अपने लिए इफेक्टिव ये पढ़ाई हुई है सर आई थिंक आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड ये टाइम जो हमने यहाँ स्पेंड किया है यहाँ पे क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है सर सिंसियरिटी के साथ हम यहाँ बैठ गए एंड सर आपने अगर ये मेंटेन कर लिया तो एग्जाम्स में सक्सेस दूर नहीं है सर डेफिनेटली विल गेट सक्सेस आर ऑल विशेज आर फॉर यूल गैस सो ऑल द बेस्ट पुट योर हंड्रेड जैसा मैं हर बार कहता हूँ अपना टाइम आएगा नहीं अपना टाइम आ गया है क्लियर सो so, अपना टाइम आ गया है अभी नहीं तो कभी नहीं ऑल द बेस्ट जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ऑल द बेस्ट गाय माहौल बनाइए एक फोटोग्राफ ले लू आपके साथ सेल्फी चलिए सर मस्त लाइक फोटोग्राफ लेते हैं. थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच